हेलो 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 बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आप सभी तक बिल्कुल साफ साफ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है फटाफट से बता दीजिए यार गुड इवनिंग एवरीवॉर्निंग गुड इवनिंग है गुड इवनिंग क्या हालचाल है आप सभी लोगों के हा भाई ले टोपी यार बे बिल्कुल घड़ी मिला के आया हूं यार ले टोपी ले टोपी चिल्ला रहा है हा कैसे हैं सभी लोग बहुत बढ़िया एवरीथिंग इज ओके चलिए भाई बहुत ही बढ़िया तो एक छोटा सा चैप्टर आपके सामने आज लेकर के आए हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एग्जाम के हिसाब से अगर बात किया जाए तो ये काफी आसान और काफी स्कोरिंग चैप्टर है भाई अगर बात की जाए तो एक सवाल इस, सवा, इस चैप्टर से आने की प्रोबेबिलिटी रहती है जेई मेंस में ठीक है तो पहली बात तो ये रही दूसरी बात छोटा चैप्टर है बहुत ज्यादा दिमाग मारने वाला चैप्टर नहीं है जितनी बातें मैं बताऊं जो जो चीजें मैं बताऊं बस उतनी उतनी, उतनी बातें याद रख लेना उतने कॉन्सेप्ट सीख लेना बहुत ज्यादा इसमें हाथ पैर मत मारना तुम कि नहीं सर ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है ये भी करना है जितने क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे मोर देन इनफ क्वेश्चन करेंगे ठीक है पिछले रिसेंट इस का अगर मैं आपको पैटर्न बताऊं तो इस चैप्टर से बड़े ही आसान से सवाल आते हैं पहली बात तो ये, दूसरी बात कि चैप्टर स्कोरिंग है बस एक चीज का इस चैप्टर में ध्यान रख लेना वो क्या है अक्सर बच्चे इस चैप्टर में कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर जाते हैं मतलब क्या सब सही करेंगे और लास्ट में जाके वो जब गुड़ा भाग आता है ना वहां पर जाकर के बिल्कुल काम तमाम कर दिया ठीक है तो बस वही काम मत करना बस वो संभाल लेना बाकी तो सब पूरा चैप्टर बहुत आसान है ठीक है यार

वो जो बता रहा हूं बस उतना उतना दिमाग चला ले ठीक है इसके ना ज्यादा ना कम बस ठीक है जय तेरा निकल जाएगा ठीक है हाँ छोटा चैप्टर है मतलब अब तुम समझ ही जाओ कितना छोटा होता है ठीक है हम लोगों का छोटा भी बहुत बड़ा हो जाता है ना <laughs> चलो भाई क्या हाल चाल सभी लोगों के फटाफट से दे आप तैयार हो सभी लोग लव यू सर लव यू टू बेटा बहुत बढ़िया रिक्वायरमेंट नो रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं नथिंग जीरो ठीक है मतलब चैप्टर ऐसा है कि अगर आपने मैकेनिक्स नहीं भी पढ़ा तो काम चल जाएगा ठीक है हाँ बात है जब सवाल मिक्स करके आएंगे तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी लेकिन नाइन्टी परसेंट केसेस में ऐसा होता है कि आपको प्योर सवाल आते हैं तो आपको वहां पर काम चल जाता है ठीक है ओके भाई थर्मोडाइनेमिक्स इस चैप्टर में नहीं है थर्मोडाइनेमिक शायद सलीम सर पढ़ाएंगे आपको ठीक है ओके

चार मेजर टॉपिक इन चार से सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी है इसमें से भी तेरे को ये बता दूं देख जिन टॉपिक से सवाल सबसे ज्यादा बनने की है देख भाई अगर किस्मत खराब हुई तो कहीं से भी आ सकता है ठीक है लेकिन अगर मैं ऑर्डर वाइज बात करूं तो कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये उससे कम है ठीक है और ये बिल्कुल भी कम है ठीक है तो तू समझ जा मैं तुझे इससे ज्यादा यार क्लासिफाई करके नहीं दे सकता हूं कि भाई एग्जाम में से कौन से टॉपिक से आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है ठीक है हाँ अब तो ये बोलेगा नहीं सर सर हमने तो ये प... आपने बोला कैलोरी मैट्री की प्रोबिलिटी आधा है सर हम तो थर्मल एक्सपेंशन पढ़ के गए थे ठीक है या सर हम ये पढ़ के गए थे इससे आ गया भाई पढ़ना सब है पढ़ना सब है इसके कुछ वो नहीं है और तो कोई कमाल की बात बताऊं ठीक है कमाल की बात बताऊं इस चैप्टर में इस चैप्टर में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है लॉजिक लॉजिक से काम चल जाएगा तुझे बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे मतलब क्या अगर तू थोड़ा तो थोड़ा सा दिमाग न, थोड़ा सा दिमाग दिमाग दौड़ता दौड़ता है है ना अगर ठीक है तो तू यहां पर भाई उसे बोल्ट की तरह भागेगा ठीक है कह रहे सर ये तो से सवाल सॉल्व होते जा रहे हैं ठीक है तो बस ऐसा है थोड़ा सा दिमाग चला लेना बाकी फॉर्मुलेज ना के बराबर हैं गिने चुने चार पांच फॉर्मुलेज हैं उनसे पूरी दुनिया सॉल्व हो जाएगी तेरी थर्मल फिजिक्स की पूरी दुनिया सॉल्व हो जाएगी ठीक है नोट्स बनाना है तेरी मर्जी भाई नोट्स बनाने की सर बैकलॉग है मैटर नहीं करता इसके इसमें इस, इस चैप्टर में और बता और कोई स्टार्ट करें हम ठीक है हो गई बातचीत सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा ये सवाल तो तुझे भाई कहीं और से पूछना चाहिए था अब तू अब हमसे पूछ रहा है सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा ठीक है मेंस के पहले जितने टॉपिक्स जो एग्जाम के सेशन वन के पहले ठीक है जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो काफी सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे ठीक है अच्छा इसके बाद एक जरूरी बात ठीक है ये बात ये रही ठीक है भाई ऐसा है कि शेयर योर जेई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ठीक है है आपके पास एक लिंक है. लिंक को क्लिक कीजिए अपना जो रजिस्ट्रेशन है जेई की रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स हैं उस पर जाकर के फॉर्म भर, भर दीजिए ठीक है फायदा क्या होता है फायदा यह होता है कि आप जो भी डिटेल्स फिल करते हैं उससे हम आपका रिजल्ट वेरीफाई कर पाते हैं और जब सेलिब्रेशन का टाइम आता है जब रिजल्ट को देखने का टाइम आता है तो भाई यार आप हमारे साथ हम आपके साथ मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं ठीक है तो इसीलिए पता तो चले भाई तो बस ये है ठीक है चल तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की सबसे पहली बात करते हैं थर्मोमेट्री के साथ बस अब हो गई फालतू की बातें ठीक है चीके? पहली पहली बात क्या करें स्टार्ट करते हैं थर्मोमेट्री थर्मोमेट्री क्या होती है तो थर्मोमेट्री इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर तो टेम्परेचर को नापने की जो कला है उसको हम कहते हैं थर्मोमेट्री थर्मो मतलब टेम्परेचर मैट्री मतलब मेजरमेंट तो थर्मोमेट्री अब जरा ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर क्या होता है इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है बेसिकली यह रिप्रेजेंट करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के पास जितनी ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी एक बॉडी का टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा अब बात आती है कि सर हम लेंथ को स्केल से मेजर करते हैं ठीक है सर टाइम को हम घड़ी से मेजर कर लेते हैं सर हम मास को एक स्टैंडर्ड बना दिया उससे हम मास को कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी बॉडी भारी है कौन सी बॉडी हल्की है सर मास को भी हम मेजर कर लेते हैं तो टेंपरेचर कैसे मेजर करें तो टेम्परेचर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जैसा कि आप सभी को पता है तो बाकी किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिपेंड नहीं करती इट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम किसी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में नहीं लिख पाते ठीक है अब जरा ध्यान दीजिएगा सबसे पहली चीज किसी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्या नापना है हमें नापना है टेंपरेचर हमें क्या नापना है टेम्परेचर तो मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं नाप सकता हूं कि सर, एक कंट, एक, एक, आ, हमने कंटेनर के अंदर पानी रख दिया है ठीक है किसी ने बोला सर एक डब्बा है अरे भाग्य चल भाई सर एक डब्बा है इसके अंदर हमने पानी रख दिया है और बताना है आपको कि पानी का टेम्परेचर कितना है सवाल था पानी का टेम्परेचर बताना था तो ऐसा तो नहीं कर सकते बाबू कि पानी में हाथ डाल के चेक कर लें ठीक है समझदारी होगी क्या हाथ डाल के चेक करना करना चाहिए क्या सर पानी रखा है पानी में हाथ डालेंगे पता चल जाएगा गर्म है कि ठंडा है मैंने कहा अगर पानी अगर बॉइल करता हुआ होता तो हाथ डालोगे हाथ बाहर ही नहीं निकलेगा हाथ अंदर रह जाएगा ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि यार ऐसे तो टेंचर नापना अपना एक समझदारी वाला डिसीजन नहीं है तो क्या करना चाहिए तो आपको कुछ ऐसे फिजिकल फिनोमिनाज देखने चाहिए कुछ ऐसी चीजें देखनी चाहिए जो टेम्परेचर के साथ साथ बदलती जाएं ठीक है जो टेम्परेचर के साथ साथ बदलती जाएं जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लू पढ़ा था वहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए क्या दिखाया था मैंने मेजरमेंट बैरोमीटर याद है किससे नपवाया था मैंने हाइट से नपाया था मरकरी की जितनी हाइट चढ़ती है सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर एच जी उसको मैंने प्रेशर से नपवा दिया था ठीक ऐसे ही हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज ढूंढेंगे जो कि टेम्परेचर के साथ बदलें तो फिजिकल क्वांटिटीज दैट वेरी विथ टेम्परेचर ठीक है ऐसी दुनिया में कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ऐसी दुनिया में कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो टेम्परेचर के साथ बदलती हैं कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीजर के साथ बदलती हैं तो हमने देखा यार सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है वो है वॉल्यूम चीजों का वॉल्यूम जब मैं चीजों को गर्म करता हूं तो इन जनरल चीजों का वॉल्यूम बढ़ता है चीजें एक्सपेंड होती हैं ठीक है सर दूसरी और ऐसी और कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं मैंने कहा कि प्रेशर ऑफ गैस गैस का प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो शायद आपको याद हो ठीक है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अगर हमें पता है पीवी एनआरटी के बराबर होता है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ठीक है हाँ सर ये तो याद आ रहा है इतनी तो हमने सर गैसिस्टेंड इतनी तो पड़ी है सर ठीक है मैंने कहा ऐसा भी कर सकते हैं डेंसिटी बच्चे बता रहे हैं बहुत बढ़िया डेंसिटी नाप के कर सकते हो बहुत अच्छे और बताता हूं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो बिजली वाले थर्मोमीटर्स होते हैं ना इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस चीजें जब गर्म होती हैं तो रेसिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस तो भाई ऐसा है कुछ ऐसी फिजिकल फिनोमिनाज थे अगर मैं किसी चीज का वॉल्यूम नाप लू तो इसकी हेल्प से मैं टेम्परेचर नाप सकता हूं प्रेशर नाप लू टेम्परेचर नाप सकता हूं रेसिस्टेंस नाप लूँ टेम्परेचर नाप सकता हूं और अगर ऐसी कोई और भी फिजिकल फिनोमिनाज आएंगे तो उनकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं अब टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमने सबसे पहले क्या देखा फिजिकल फिनोमिना अब दूसरी चीज हमको क्या चाहिए होगी होगी दूसरी चीज सर हमको चाहिए एक एक स्केल बनाना मतलब क्या रेफरेंस लाइन लेना जैसे मास के लिए आपने बोला था सर आ, एक किलो मास आपने एक रेफरेंस बना दिया और इसका डबल मास दो ट्रिपल मास तीन किलो आपने एक स्केल बनाई थी ठीक है ठीक इसी तरीके से आपको टेम्परेचर नापने के लिए भी एक स्केल बनानी पड़ेगी तो हमने क्या किया सबसे पहले अब स्केल बनाना सीख लेते हैं और मैं आपको यह बता रहा हूं जो लॉजिक मैं आपको यहां पर बता रहा हूं इस के बाद आपको कभी भी कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी भी हाँ यार आ, फैजल बोल रहा है शायद आ, क्या है हाँ फैनिल बोल रहा है कि थर्मल रेडिएशन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा मजा आ गया थर्मल रेडिएशन से भी नापते हैं इसके बारे में हम आज की क्लास में लास्ट में बात करेंगे जब हम रेडिएशन पढ़ेंगे बहुत अच्छे ठीक है <laughs> चल भाई तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कैसे नापेगा रे कौन सा मॉलिक्यूल पकड़ने बैठेगा वो भाई स्पीडोमीटर लेकर के बैठे हैं काइनेटिक एनर्जी नाप लेंगे ऐसे पॉसिबल नहीं है ना यार ऐसी बातें करो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ठीक है सर आपका नेम क्या है पता नहीं भाई कुछ तो हो भाई ठीक है ठीक है चल भाई तो मैंने कहा टेम्परेचर कैसे नापा जाएगा तो ध्यान से देखेगा मैंने कहा सर टेम्परेचर नापने के लिए मैं एक वॉल्यूम वाला सहारा लेता हूं मैं सबसे पहले सबसे कॉमन वाला एग्जांपल लेता हूं वॉल्यूम का तो हम क्या करते हैं हमने देखा सर चीजें गर्म करने पर एक्सपेंड होती हैं फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक कोई वॉल्यूम लिया और इसके अंदर ठीक है मैं इस तरीके से दिखाता हूँ रुको वॉल्यूम नापने के लिए जो डिवाइस बनाता हूं सबसे तो पहले एक बेसिक डिवाइस बनाते हैं और ऐसा कुछ डिवाइस बनाया अब जरा देखिएगा ठीक है हमें पता करना था कि यार किसी भी यहां पर कोई मैंने लिक्विड रखा है इसका वॉल्यूम इसका टेम्परेचर कितना है

मरकरी के रखने के पीछे कई सारे रीजन है मैंने कहा मरकरी का वॉल्यूम बढ़ाने बढ़ाने पर पर बदल बढ़ता बढ़ता है Mercury का वॉल्यूम है लेकिन मरकरी के साथ में खास बात यह है कि मरकरी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता है मतलब क्या हल्का सा भी अगर मरकरी को गर्म करूंगा ना तो मरकरी का वॉल्यूम कई गुना ज्यादा बढ़ने लगता है तो वॉल्यूम क्या है अब जरा एक बात बताओ ठीक है बढ़ाने पर चीजें गर्म होती हैं एक्सपेंड होती हैं मैं मानता हूं वॉल्यूम बढ़ता है ठीक है एक बॉडी थी जिसका इनिशियल वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है कितने पर जीरो डिग्री सेल्सियस पर अब मैंने सर इसका टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया इसका वॉल्यूम हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से हंड्रेड डिग्री वन सेंटीमीटर क्यूब हो गया ठीक है वॉल्यूम बड़ा मानता हूं लेकिन क्या ये वॉल्यूम आप नेकेड आइस से क्या बिल्कुल ऐसी बस देखते हुए आप देख पाओगे सर इसमें कोई चेंज आया आपको तो लगेगा ही नहीं कि वॉल्यूम बढ़ा आपको क्या लगेगा अरे सर टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ी नहीं रहा तो ऐसी चीजें हर किसी काम की नहीं है हम कैसी चीजें यूज करना चाहेंगे हम ऐसी चीजें यूज करना चाहेंगे जिसका वॉल्यूम हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब से सौ डिग्री बढ़ाने पर टू सेंटीमीटर क्यूब हो गया हाँ, तो ऐसी चीजें हमारे किसी काम की होंगी भाई ये हमारे किसी काम की नहीं है ठीक है तो कहने का मतलब यह है मैं मरकरी क्यों चूज करता हूं क्योंकि मरकरी का वॉल्यूम एक्सपेंशन काफी ज्यादा होता है मर्करी का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन अच्छा खासा होता है लेग hmm, यार मेरे में तो सामने बिल्कुल साफ साफ आ रहा है सही सही आ रहा है ठीक है दस सेकंड का लेग है बस होना तो नहीं चाहिए भाई नो लेग ना ओके ओके रहा है ठीक है भाई चल तो अब मुझे पता चल गया ऐसी मरकरी, ऐसे क्या चूज करता हूं बहुत ज्यादा होता है मरकरी तो दीवार से, तो से नहीं चुपकता मरकरी मेटल है शाइन भी करता है तो दिखता भी आराम से है। तो हम थर्मोमीटर क्या यूज करते हैं हम थर्मोमीटर में जनरली मरकरी यूज करते हैं ठीक है चीके? अब जरा ध्यान दीजिएगा मरकरी के पीछे का लॉजिक समझिएगा आपको अगर आपने ये लॉजिक क्रैक कर लिया अगर आपने ये लॉजिक क्रैक कर लिया तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है अभी आपको मैं ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूं थोड़ा सा मेरे सामने सवर करिएगा ठीक है क्या बताया है मैंने कहा सर जैसे यहां पर मरकेज था इस जगह था तो मैंने कहा सर इस जगह की हाइट में बोल देता हूं जीरो ठीक है तो मैंने कहा सर अब ध्यान से सुनिएगा मैंने इस जगह का वॉल्यूम क्या बोल दिया जीरो ठीक है तो कितना वॉल्यूम सर जीरो आ, सर जीरो डिग्री सेल्सियस मतलब क्या

वेपराइज होना होना शुरू हो जाएगा तो जब पानी बॉइल होने वाला था उस टेंचर को मैंने नाम दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस तो बेसिकली ये दो मैंने दो मार्कर बना लिए अपने लिए पानी का फ्रीजिंग पॉइंट पानी का बॉइलिंग पॉइंट जीरो डिग्री सेल्सियस पर क्या था जीरो सेंटीमीटर वॉल्यूम बोल दिया अब यहां पर क्या हाइट बोल दी मैंने सर यहां की हाइट हो गई से मान के चलो एट्टी सेंटीमीटर हाइट हो गई ठीक है अब जरा ध्यान दीजिएगा ठीक है हमने क्या बोला हमने कहा सर पानी का जीरो डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम क्या है जीरो सेंटीमीटर यहां पर क्या है एट्टी सेंटीमीटर पानी जैसे ही मैंने गर्म किया तो इसका वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ ये वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ तो यहां पर वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ ठीक है अब जरा ध्यान दीजिएगा जीरो से अस्सी जब वॉल्यूम यहां पर चालीस सेंटीमीटर होगा जब यहां पर हाइट ये चालीस सेंटीमीटर पर पहुंचेगी बोलो टेम्परेचर कितना होगा चालीस सेंटीमीटर पर टेम्परेचर बोलो कितना आएगा सर जीरो सेंटीमीटर पर जीरो अस्सी सेंटीमीटर पर सौ सर ये कितना बड़ा चालीस सेंटीमीटर चालीस सेंटीमीटर पर टेंपरेचर कितना आएगा पचास डिग्री सेल्सियस बहुत बढ़िया ठीक है मैंने कहा सर बीस सेंटीमीटर पर कितना आएगा बीस सेंटीमीटर पर पता कितना आएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड हाँ बीस सेंटीमीटर पर टेंपरेचर कितना आएगा बोल पच्चीस डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब यह है आपने यह तो नहीं नापा कि पानी का टेम्परेचर क्या है आपने एक्चुअली में हाइट नापी या फिर ये कहूं कि वॉल्यूम नापा और अगर आपने वॉल्यूम नापा और वॉल्यूम को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो आपने वॉल्यूम से देख करके आपने ये देख करके ये बता दिया भैया पानी का टेम्परेचर यह रहा होगा आपने यह देख के बता दिया कि भैया पानी का टेम्परेचर ही रहा होगा कहने का मतलब यह है कि आपने वॉल्यूम नापा और आपने टेम्परेचर बता दिया वॉल्यूम नापा और टेम्परेचर बता दिया इसी को कहते हैं थर्मोमेट्री एक चीज नाप करके दूसरी चीज का आपने पता बता दिया ठीक है एक चीज नाप करके दूसरी चीज का पता बता दिया तो यहां देखिएगा मैंने सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया आप जरा देखिएगा आप लॉजिक समझिएगा ठीक है एक बार आपने ये लॉजिक पकड़ लिया तो आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है ठीक है आपने देखा यार पानी का फ्रीजिंग पॉइंट था ठीक है मैंने कहा सबसे पहले मैं सबसे फेमस स्केल है उसकी बात करता हूं सेल्सियस स्केल ठीक है तो सेल्सियस ने क्या बोला पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को जीरो डिग्री सेल्सियस बोल दिया दिस इज दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ठीक है तो मैं एफ पी लिख रहा हूं खाली यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और जब पानी बॉइल हो रहा था तो इसको इसने बोल दिया हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ठीक है अब इसने क्या किया जब पानी फ्रीज होने वाला था तब यहां पर वॉल्यूम नाप लिया तो इसने बोला कि v वॉल्यूम एट फ्रीजिंग पॉइंट नाप लिया ठीक है अब यहां पे पानी का वॉल्यूम नापा इसका यही मरकरी का फिर बॉइल होने वाला था तो वॉल्यूम बॉइलिंग पॉइंट पर नाप लिया अब जरा देखिएगा जैसे जैसे मैं पानी को गर्म करता जा रहा हूं ठीक है इसका वॉल्यूम यहां से यहां पर बढ़ रहा है जैसे आपने पहले यहां पर क्या नापा था जीरो सेंटीमीटर फिर वॉल्यूम यहां पर क्या नापा था एट्टी सेंटीमीटर तो दिस इज वॉल्यूम एट बॉइलिंग पॉइंट दिस इज वॉल्यूम एट फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है अब वो हाइट बोल दो या वॉल्यूम बोल दो एक ही बात है एरिया कॉन्स्टेंट है ठीक है चल यार तो कहने का मतलब यह है कि मैंने यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट नापा मैंने यहां पर बॉइलिंग पॉइंट नापा अब जरा देखिएगा मैंने यहां पर बीच में कोई और वॉल्यूम नाप लिया लेटेस्ट से मैंने कहा डिग्री सेल्सियस में रीडिंग क्या है सी और यहां पर वॉल्यूम क्या है वी तो अब मैं कैसे बताऊंगा ये टेम्परेचर कितना होगा तो मैंने कहा यार सिंपल सा लॉजिक लगा जब तूने 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज लिया जब तूने 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज लेकर के आया तो यहां कितने का चेंज आया सर ये बड़ा वाला चेंज आया और जब मैं छोटा डिग्री सेल्सियस का इतना चेंज लेकर के आया यहां पर क्या चेंज आया सर ये चेंज आया तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सर छोटा अपन बड़ा छोटा अपन बड़ा रेशियो वाइज तो बराबर होगा जैसे तुमने बोला 40 सेंटीमीटर तो तुमने कैसे बोला था सर 40 सेंटीमीटर इन दोनों के बीचों बीच में है तो 50 डिग्री सेल्सियस भी इन दोनों के बीचों बीच में है कहने का मतलब यह है आपने रेशियो देखा सर 20 सेंटीमीटर क्या है 40 और जीरो के बीचों बीच में है तो सर ये भी 25 डिग्री क्या है जीरो और 50 के बीचों बीच में है। कहने का मतलब क्या है आपने रेशियो देखा तो मैंने कहा बेटा छोटा अपॉन बड़ा यानी कि V वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम एट फ्रीजिंग पॉइंट ये किसके बराबर है वॉल्यूम ऑफ बॉइलिंग पॉइंट माइनस वॉल्यूम एट फ्रीजिंग पॉइंट और मैंने ये क्या बोला छोटा C माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड माइनस जीरो मैंने वॉल्यूम नापा और टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया क्या किया मैंने मैंने वॉल्यूम नापा और टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया ठीक है वॉल्यूम नाप करके टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया अब अब यार टेम्परेचर यानी कि डिग्री सेल्सियस सिर्फ एक यूनिट है ठीक है और आपको भी पता है कि अलग अलग यूनिट्स भैया अलग अलग जगह अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट्स प्रोमिनेंट है ठीक है तो एक दूसरी ऐसी ही यूनिट है फेरेनहाइट फ़ारेनहाइट ठीक है इन्होंने बोला कि नहीं मैं जीरो डिग्री सेल्सियस नहीं नाम देता मैं फ्रीजिंग पॉइंट को बत्तीस डिग्री सेल्सियस नाम दूंगा ठीक है और मैं बॉइलिंग पॉइंट को दो सौ टू वन टू डिग्री फेरन नाम दूंगा ठीक है डिग्री सेल्सियस नहीं डिग्री फेरन ठीक है अब लोगों ने इनसे सवाल किया फेरन एक बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट मेकर थे इनके इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा चलते थे उस टाइम पर ठीक है बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट मेकर थे लोगों ने इनसे पता है सबसे पहला सवाल क्या बोला बोला लोगों ने सर सेल्सियस सेल्सियस वो जो Celsius थे ना उन्होंने बड़े सुंदर नाम दिए थे जीरो हंड्रेड सौ में ही काम चला लिया था हमने आपका बत्तीस और दो सौ बारह ही सर यह अटपटे नाम देने का क्या लॉजिक है क्या कुछ बताओगे तो फेरहाइट का पता है जवाब असली जवाब बता रहा ने क्या बोला तुम इमेजिन कर सकते हो बोला ने बोला मह रूल्स ठीक है मतलब क्या ऐसा है मेरा थर्मामीटर मैंने बनाया मैं चाहे 32 नाम दूं चाहे 212 नाम दूं तेरे से क्या ठीक है उसने बोला भाई ऐसा है मेरा थर्मामीटर यूज करना है तो ये यूज कर ठीक है नहीं यूज करना है तो भाई सेल्सियस है ना दूसरा उसके जा, उसके यहां जाना ठीक है तो कहने का मतलब यह है भाई उसने

छोटा अपन बड़ा एफपी क्या है फ्रीजिंग पॉइंट बीपी क्या है पॉइंट अरे अभी थोड़ी देर पहले बोला था यार फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बीपी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ठीक है तो ऐसा है कि पुराने टाइम पर इंस्ट्रूमेंट मेकर्स अपने लॉजिक नहीं शेयर करते थे कि हमारे पर फेरनहाइट हेट की जो मशीन है वो चलती थी मतलब मार्केट में ऐसे धड़ाधड़ बिकती थी जैसे आजकल जो एप्पल के मोबाइल फोन बिकते हैं ना ऐसे इनके थर्मोमीटर बिकते थे उस टाइम पर ठीक है तो कहने का मतलब ये है भाई कि इन्होंने बोला फिर से वही चीज तो इन्होंने कहा एफ माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई टू वन टू माइनस थर्टी टू इन्होंने एक सौ अस्सी टुकड़ों में तोड़ा था ठीक है फेरनहाइट ने सेल्सियस ने कितने टुकड़ों में तोड़ा था सौ टुकड़ों में तोड़ा था ठीक है क्योंकि फेरनहाइट की जो मशीन थी वो ज्यादा एक्यूरेट थी ठीक है इसीलिए फेरनहाइट के थर्मोमीटर्स ज्यादा चलते थे फेरनहाइट के ज्यादा चलते थे ज्यादा पॉपुलर थे ठीक है अब जरा एक चीज सोचना मैं इसको भी वॉल्यूम से कन्वर्ट कर रहा हूं मैं फेरनहाइट को भी वॉल्यूम से कन्वर्ट कर रहा हूं लेकिन अब आज के टाइम पर अगर मैं तुमको ये वॉल्यूम हटा दूं तो सेल्सियस को फेरनहाइट में फेरनहाइट को सेल्सियस में तुम आज को कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ठीक है कर सकते हो कि नहीं कर सकते हाँ सर बिल्कुल मतलब क्या उसके लिए तुम्हें तो वॉल्यूम में जाने की तो जरूरत नहीं है अगर ए बी के बराबर बी सी के बराबर तो यार ए और सी के ये आपस में भी तो बराबर हैं। ठीक है चल भाई ये बात समझ में आ गई अब एक तीसरे प्लेयर भी मार्केट में आए ठीक है उन प्लेयर का नाम क्या था कैलविन बाबा तो कैलविन बाबा ने हालांकि जो स्केल निकाली थी वो गैसेस के बेसिस पर निकाली थी कि गैस को, गैस के को के वॉल्यूम को एक्स्ट्रापोलेट करके निकाली थी ठीक है लेकिन इन्होंने बोला कि यार फ्रीजिंग पॉइंट पर इन्होंने बोला 273 सेवनटी कैलविन ठीक है और इधर बोल दिया 373 सेवनटी कैलविन तो कैल्विन ने भी सेमी स्केल में तोड़ा था सौ ही डिविजन में तोड़ा था लेकिन बस स्टार्टिंग पॉइंट बदल गया था कैलविन का स्टार्टिंग पॉइंट जीरो डिग्री सेल्सियस ना हो करके वो एब्सोल्यूट जीरो था जहां पर मटेरियल सीज करना मूव करना बंद कर देता है ठीक है हाँ तो भाई ये क्या हो गया के माइनस थर्टी टू सेवेंटी थ्री छोटा डिवाइडेड बाय थ्री सेवेंटी थ्री माइनस टू सेवेंटी अब कल को पता चला तुम किसी देश के राजा बन गए ठीक है कल को पता चला कि तुमने डिसाइड किया कि आज से मैं हूं इस देश का राजा ठीक है और आज से ठीक है आज से मेरे नाम पे मेरा नाम क्या है मेरा नाम है चंपक ठीक है तो आज से चंपक के नाम पे एक नई यूनिट पैदा की जाएगी ठीक है तो मैंने कहा चंपक के नाम पे क्या ठीक है तो भाई डिसाइड कर लिया मेरी, मेरी बात मेरे देश में कोई कैलविन नहीं चलेगा मेरे देश में कोई सेल्सियस नहीं चलेगा मेरे देश में चंपक चलेगा ठीक है तो भाई चंपक ने बोला कि क्या बोला तो चंपक ने बोला कि ऐसा है फ्रीजिंग पॉइंट पर यहां पर मैंने कुछ नाम दे दिया ठीक है लेटेस्ट से सी चंपक ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट नाम दे दूंगा ठीक है और बॉइलिंग <laughs> मैंने चंपक ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नाम दे दिया ठीक है और मैंने कहा बीच में मैंने कोई सी नाम सी तो हो गया यार ठीक है मैंने कोई टी नाम दे दिया चल मैंने कहा यार देख स्केल कोई भी बना सकता हूं तो टेम्परेचर एट फ्रीजिंग पॉइंट अपने अपने मन से मतलब तुमने आजकल कोई भी नई यूनिट बना दी सुन लो मजाक नहीं कर रहा हूं मेंस में ऐसे सवाल आते हैं कि बता दो एक अच्छा तरह तरह के, के ऐसे साज सजावट के साथ सवाल आएंगे ठीक है ऐसे ऐसे रचा रचा के सवाल आते हैं कि अच्छा इलेवंथ वाला एक बच्चा है राजू ठीक है राजू ने डिसाइड किया कि आज मैं एक नई स्केल बनाता हूं ठीक है और राजू ने सोचा कि अच्छा जीरो डिग्री सेल्सियस तो बहुत पुराना हो गया है राजू ने बोला कि मैं इसको बोलूंगा बत्तीस डिग्री मैं बोलूंगा इसको चार सौ बारह डिग्री सेल्सियस या चार सौ बारह कुछ और ठीक है यहां पे बोलूंगा छह सौ बारह कुछ और ठीक है और यूनिट कन्वर्ट करवा लेगा तुमसे अभी अगर यकीन नहीं हो रहा है ना तो यही अलग अलग फैंसी नामों में तुमसे यूनिट कन्वर्जन करवाएगा पी क्यू आ चुके हैं मजाक नहीं कर रहा हूं लेकिन मैंने कहा चाहे जो भी होता जाए क्या तुझे लॉजिक पकड़ में आ रहा है छोटा अपॉन बड़ा छोटा अपॉन बड़ा छोटा अपॉन बड़ा, बड़ा अभी सारे बराबर है रे तो टी माइनस हैचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है और ये है हमारा आज का पहला ब्रह्मास्त्र ठीक है ये है हमारा आज का पहला ब्रह्मास्त्र जब भी आपको कोई भी यूनिट कन्वर्ट करनी है आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना है आप सीधा सीधा बस ये काम कर लेना ठीक है ये वाला पार्ट तो हम भूल ही जाएंगे लेकिन अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी छोटा अपॉन बड़ा छोटा अपॉन बड़े से काम चल जाएगा ठीक है तो दिस इज योर फर्स्ट ब्रह्मास्त्र ठीक है तो इसकी हेल्प से आप कोई भी यूनिट को कैसी भी दुनिया की यूनिट को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या है रेशियो हमेशा सेम रहता है तो दिस छोटा अपॉन बड़ा छोटा अपॉन बड़ा छोटा अपॉन बड़ा छोटा अपॉन बड़ा सारी यूनिट्स बराबर कर सकते हैं ठीक है तो बस ये कहानी थी अब कई बच्चे इसमें फॉर्मुले याद करते हैं सर ये हो गया वन हो गया सी तो सी इक्वल्स टू मतलब कई बच्चे ऐसे पता है क्या करते हैं सर हमें पता है आपने अभी सी अपॉन हंड्रेड इक्वल्स टू एफ माइनस थर्टी टू अपॉन टू वन टू मतलब ये वन एट्टी डिवीजन था तो सर मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि सर सी इक्वल्स टू फाइव बाई नाइन एफ माइनस थर्टी टू बच्चे ये फॉर्मूला रटते बैठते हैं कि सर सी इज टू एफ माइनस फिर बच्चे दिमाग लगाते हैं मैंने कहा क्यों दिमाग लगा रहा है इतना कन्वर्ट कर लिया ना तूने तुझे अगर ये फॉर्मूला याद है तो तुझे कोई फॉर्मला और रखना नहीं है ठीक है अगर तुझे ये जुगाड़ याद है अगर तुझे ये जुगाड़ याद है तो तुझे कुछ नहीं रटना कुछ भी याद नहीं करना तू सब कब कर लेगा ठीक है चल अच्छा अब एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं देख मैंने यहीं से फॉर्मुला निकाला है तेरे सामने टू वन टू दो सौ बारह माइनस बत्तीस ये एक सौ अस्सी होता है ठीक है तो वो एक सौ अस्सी लिख दिया है मैंने ठीक है अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात अब कई बार तुझे बोलेगा कि ये तुझे नहीं जानना ठीक है अब कई बार बोलेगा कि सेल्सियस में मैंने पांच डिग्री सेल्सियस का चेंज किया या सेल्सियस में मैंने नौ डिग्री सेल्सियस का चेंज किया तो फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा या वगैरह वगैरह ठीक है तो मैंने कहा देख मतलब क्या जब देख ये क्या बोल रहा है दो डिग्री फेरनाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है जीरो डिग्री फेरन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है या इस तरीके से कन्वर्ट करवा है लेकिन अगर कभी बोलेगा कि जीरो चलो यहां पर नौ डिग्री फेरनहाइट का चेंज है तो सेल्सियस में कितने का चेंज होगा पहली चीज तो क्या देख डिफरेंस समझना मेरी बात ठीक है पहला क्या बोल रहा है कन्वर्ट कन्वर्ट लेटेस्ट से मैंने कहा फोर्टी वन डिग्री फेरनहाइट इन सेल्सियस पहला चीज 41 डिग्री फरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर ठीक है अभी मैं अगला सवाल इससे पहले दूं सबसे पहले 41 डिग्री फरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो सर क्या करेंगे मैंने कहा 41 यहां पर रख दूंगा तो सेल्सियस क्या हो जाएगा 5/9 41 minus 32 सर 5/9 9 सर 5 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा फोर्टी वन 41 फेरनाइट पांच डिग्री सेल्सियस के बराबर है मैंने कहा ठीक बहुत अच्छी बात है ठीक है कन्वर्ट ठीक है टेम्परेचर ऑफ बॉडी राइजेस बाय फोर्टी फाइव डिग्री फेरनहाइट ठीक है फाइंड वॉट इज दी टेम्परेचर चेंज इन डिग्री सेल्सियस ठीक है एक बॉडी का टेम्परेचर 40 wa, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट बदल गया एक बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट बदल गया तो सेल्सियस में कितने का चेंज आएगा ठीक है अब देखते हैं सैयद ने बिल्कुल सही बताया बहुत अच्छे बहुत बढ़िया ओबीटो बहुत अच्छे हिमांशु गुड गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया काफी सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ठीक है चल भाई तो मैंने कहा सर कैसे करेंगे एक तो तरीका यह है कि सर इनिशियल डिग्री मतलब देख ये है ये है आम जिंदगी ये तरीका तुझे कभी लगाना नहीं है ठीक है मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं सर इनिशियल मान के चलो मैं एफ मान लेता हूं तो एफ पर मैं मान लेता हूं सी फाइव बाई नाइन ठीक है सर ये क्या बोल रहा है फोर्टी फाइव डिग्री से एफ बढ़ा दिया तो फाइव बाई नाइन एफ प्लस फोर्टी फाइव माइनस थर्टी टू तो सर यहां पर भी सी में कुछ डेल्टा सी बढ़ जाएगा ठीक है और फिर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा ठीक है मतलब तू तो बड़ी मेहनत करेगा सी एफ एफ वन एफ टू सी वन सी टू ऐसे करके करता और माइनस कर देता ठीक है हाँ सर ऐसा कर सकता हूं मैंने कहा इससे बेटर तरीका क्या है क्या मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं ठीक है अच्छा बताना सी का डिफ्रेंशियन क्या होता है सर तो, सी का डिफरेंशियशन होता है डेल्टा सी मैंने कहा फाइव बाई नाइन एफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा फाइव बाई नाइन डेल्टा एफ और थर्टी टू कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियन जीरो मैंने कहा खत्म हो गया ले डिफरेंशिएशन कर दे वाई कस टू तो डेल्टा एक्स ये क्या है सर y इजिकल्स टू एम इन टू एक्स टाइप का है तो डेल्टा वाई इजिकल्स टू एम टाइम्स डेल्टा एक्स खत्म हो गया सवाल इतना दिमाग क्या लगा रहा था ठीक है अब जरा देख अब यहां पर इससे तो जब फटाक से सॉल्व हो जाएगा सर फेरेनाइट में कितने का चेंज किया है फोर्टी फाइव का तो फाइव बाई नाइन टाइम्स फोर्टी फाइव सर पच्चीस डिग्री सेल्सियस का चेंज आया ठीक है सर पच्चीस डिग्री सेल्सियस का चेंज आ गया क्लियर है तो ये तरीका आसान था यानी मेहनत करने के सी वन सी टू एफ वन एफ टू करता रहता ठीक है ना इसमें तो मैं कभी करता भी नहीं मैं ठीक है समझ में आया तो बेसिकली जब चेंज की बात करें ध्यान से सुनना तेरा फोकस का होना चाहिए पहला कन्वर्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये ठीक है कन्वर्ट बॉडी राइजेस बाय टेम्परेचर ऑफ बॉडी राइजेज बाय मतलब ये देखा कि डेल्टा टी दिया है टी नहीं दिया बेटा ठीक है तो सीधा सीधा डिफ्रेंशिएशन कर लेगा और तेरा काम हो जाएगा ठीक है इसीलिए इसीलिए अब जब कैलविन में कन्वर्ट करने की बारी आती है तो जैसे तुम्हें सेल्सियस को कैल्विन में कन्वर्ट किया ठीक है तो कई बार ऐसा होता है कि सर सेल्सियस मतलब क्या है सी माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड माइनस जीरो इजिकल्स टू माइनस टू थ्री अपॉन थ्री थ्री माइनस टू थ्री तो सर सेल्सियस इजिकल्स टू कैलविन माइनस टू थ्री मैंने कहा यह बिल्कुल सही है लेकिन चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल्स टू चेंज इन केल्विन ठीक है जितना सेल्सियस स्केल में चेंज आया उतना ही केल्विन स्केल में भी चेंज आया ठीक है सेल्सियस और केल्विन स्केल में बराबर बराबर का चेंज आया क्लियर है चल भाई अब देख अब सवाल सॉल्व करते हैं बस तुझे एक लॉजिक तुझे एक ब्रह्मास्त्र तुझे एक बात याद रखनी है मेरी वो है ये वाली छोटा अपॉन बड़ा मैं लिख भी देता हूं कहीं छोटा अपॉन बड़ा बस रेशो बराबर रहता है बेटा छोटा अपॉन बड़ा छोटा अपॉन बड़ा छोटा अपॉन बड़ा ठीक है बस इतनी कहानी याद रख लेना अब देख सवाल पहला सवाल कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू फारेनहाइट 50 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है मैंने कहा 50 डिग्री सेल्सियस तो मैंने कहा कंडीशन क्या थी सी माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड माइनस जीरो एफ माइनस थर्टी टू यहां पे सॉल्व करता हूं कहें पहला एफ माइनस थर्टी टू हंड्रेड माइनस थर्टी टू पहले लिख देता हूँ टू वन टू माइनस थर्टी टू ठीक है तो सी कितना है पचास बाई सौ एफ माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई हंड्रेड एट्टी ये हो गया दो ये हो गया नाइन्टी तो एफ आ गया आपका नाइन्टी प्लस थर्टी टू वन ट्वेंटी टू डिग्री फेरन ठीक है ये आपका आ गया फेरन में रीडिंग क्लियर ये आपके आ गया फेरन में रीडिंग पहला पार्ट का आंसर बड़ा ही आसान हाँ सर ये तो बड़ा ही आसान था लल्लू सा सवाल था सर ये तो ठीक है अगला सवाल देख क्या बोलता है एट व्हाट टेम्परेचर फेरन एंड सेल्सियस विल गिव सेम रीडिंग देख यार मुझे आप मुझे इनका कभी आपस में फॉर्मुला याद ही नहीं हुआ आज तक मुझे बस ये याद रहता है ठीक है मैंने कहा सेल्सियस और फेरन को सेम रीडिंग देनी है मतलब सी माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड माइनस जीरो फारेनहाइट भी सेम रीडिंग दे रहा है, C -32 212 -32, ठीक है? तो सी अपॉन हंड्रेडिकल टू सी माइनस थर्टी टू अपॉन वन हंड्रेड लोगों को रिजल्ट याद है ना चल भाई तो ये कितना आ गया नाइन बाई फाइव सी सी माइनस थर्टी टू इसको उधर भेज देता हूं तो नाइन बाई फाइव माइनस वन सी माइनस थर्टी टू तो सी आपका आ जाएगा माइनस फोर्टी डिग्री फ़ारेनहाइट या फोर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है माइनस फोर्टी डिग्री फ़ारेनहाइट या फोर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है अब तीसरा पार्ट बॉडी इज हीटेड सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है थर्ड पार्ट कितनी आसानी से हो जाएगा देख भाई डेल्टा टेम्परेचर डेल्टा सी कितना दिया है थर्टी डिग्री सेल्सियस मुझे पता है सी माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड माइनस जीरो इजिकल्स टू एफ माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई टू वन टू माइनस थर्टी टू सी इजिकल्स टू फाइव बाई नाइन एफ माइनस थर्टी टू डेल्टा सी इज इजिकल्स टू फाइव बाई नाइन डेल्टा एफ डेल्टा सी तुमको दिया है तीस फाइव बाई नाइन टाइम्स डेल्टा एफ तो डेल्टा एफ आ गया पांच इकतीस नौ पंजे फिफ्टी फोर डिग्री फेरनाइट ठीक है फेरनाइट स्केल में फिफ्टी फोर डिग्री फेरनाइट का चेंज आएगा ठीक है अरे वाई आर मतलब मैं लिख रहा हूँ तुम लोग आंसर आंसर देते जा रहे हो बहुत ही बढ़िया ठीक है चल मजा आ गया पहला सवाल समझ में आया क्लियर है ठीक है हाँ तो अब अगला कर बहुत बढ़िया अगला सवाल अब देख गुमराह करने की कोशिश एक फॉल्टी थर्मामीटर है ठीक है अ फॉल्टी थर्मामीटर रीड्स माइनस टेन डिग्री सेल्सियस एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर एंड 120 बीस डिग्री सेल्सियस एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ठीक है जब थर्मामीटर बीस डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा है एक्चुअल टेम्परेचर बताना है ठीक है तो देख तुझे सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है ये सवाल जैसे ही तुझे दिखा फॉल्टी थर्मामीटर मतलब ये बात आ गई कस्टम स्केल की जो मैं बोल रहा था ना अगर तू किसी देश का राजा बन गया अगर तू किसी देश का राजा बन गया तो तूने अपना चला लिया सिस्टम ठीक है तो ये वही चीज है सर फॉल्टी थर्मामीटर यूज कर रहा हूं मैं ठीक है जहां जीरो डिग्री सेल्सियस बोलना था वहां क्या बोला है मैंने सर माइनस टेन डिग्री सेल्सियस जहां हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बोलना था वहां क्या बोला है सर एक सौ बीस डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है सर जब मैं बीस डिग्री सेल्सियस रीड करूंगा असल टेम्परेचर कितना होगा चमका ये क्या है सर ये तो कस्टम टेम्परेचर बन गया यूनिट सेम रख दी कस्टम टेम्परेचर मतलब क्या तुझे बरगलाने की कोशिश कर रहा है तुझे मूर्ख बनाने चाह रहा है कि देख अच्छा फॉल्टी थर्मोमीटर तू दिमाग लगाता है सब खन्ना क्या है सब कैसे करेंगे कैसे करेंगे अभी मैंने कहा छोटा अपॉन बड़ा लगाना रे ये क्या है छोटा ये क्या है बड़ा तो t माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड ठीक है ये क्या है छोटा ट्वेंटी माइनस अपॉन बड़ा क्या है ये वन ट्वेंटी माइनस माइनस टेन हो गया सवाल सॉल्व बस ठीक है तो टेम्परेचर कितना आ गया यही निकालना था आंटी कितना आ गया हंड्रेड अपॉन वन थर्टी इन थर्टी ये काट दे तीन सौ बाई तेरह तो असल टेम्परेचर ये है ठीक है तेरह छब्बीस कितना बचा चार बचा और तेरह तीनतालीस ट्वेंटी थ्री पॉइंट कुछ समथिंग वो आएगा ऑलमोस्ट ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस अभी तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं ना ठीक है तो ऑप्शन में डिपेंड करेगा दिख दूंगा ठीक आ गया ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो सेवन अरे वाह इतनी इतनी डिटेल में इतने डेसिमल में मत जाना सुन मेरी बात सुन ले ठीक है इतनी मेहनत करेगा तुझे वहां पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चार ऑप्शन दिखेंगे ठीक है चार में से कोई एक मार्क कर देना जो आसपास का देखे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरी बात आज सुन ले मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन पर नजर जरूर डालना यहां पे ऑप्शन नहीं है जेई मेंस में जब सवाल आएगा तो जो ऑप्शन चार दिखेंगे ठीक है सवाल सॉल्व करने से पहले हो सकता है एक आध ऑप्शन तो वैसे ही टपक जाए ठीक है या अगर किस्मत तेरी बहुत अच्छी रही तीन टपक सकते हैं तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो में लगाएगा ना तो तेरा आंसर सीधा झट से आ जाएगा ठीक है तो ऐसा मन नहीं है कि सर 300 हंड्रेड बाई थर्टीन देखा और लग गए कैलकुलेशन करने में दुम 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 दुम। और बाद में जाकर के कैलकुलेशन मिस्टेक कराए पहले ऑप्शन देखो कई बार ऐसा होता है चार ऑप्शन देगा 27.0 ठीक है और 39. नाइन समथिंग कुछ ऐसा या टू तो, टू या 2.270 ऐसे देख ठीक है ऐसे ऑप्शन देता है पॉइंट टू सेवन या टू सेवन इंटू टेन की पावर टू ऐसे ऑप्शन देगा तो जब तुझे चारों ही ऑप्शन में टू सेवन टू सेवन टू सेवन टू सेवन खेल रहा है तो तू पागल है यहां पर लिखने चलेगा मेरी बात समझ में आ रही है तेरे को हर सवाल सॉल्व करने के लिए नहीं होता है कुछ सवाल सिर्फ देख करके मैग्नीट्यूड देखने के लिए होते हैं कि अच्छा देख देखे कितना करता है बच्चा यहाँ पे लगा पड़ा है कैलकुलेशन करने में ये तो सुंदर है तो तूने आंसर आंसर बता दिया ठीक है तुझे क्या लगेगा अरे सर अभी के बहुत अर्चेंट में कैलकुलेशन दे देता तो फिर बैठ जाता तू ठीक है तो कहने का मतलब ये है हर सवाल पहले ऑप्शन तो देख ले ठीक तो ये बात याद रखना बेटा जेई मेन्स में बहुत काम आती है ये बात बच्चे लग जाते हैं आधा आधा घंटा खराब कर देते हैं एक एक में चल क्या बोल रहा है व्हाट इज एट व्हाट टेम्परेचर थर्मोमीटर विल गिव करेक्ट रीडिंग कितने temperature पर थर्मोमीटर सही रीडिंग देगा मैंने कहा इसका मतलब यह है कि सही रीडिंग का मतलब क्या है तो सेकेंड पार्ट में सर सही रीडिंग का मतलब यह है कि यहां पर भी जो सी होगा वह यहां पर भी सी होगा जीरो माइनस टेन यहां पर क्या है हंड्रेड और वन ट्वेंटी ठीक है तो सी माइनस जीरो या सी अपॉन हंड्रेड इजिकल्स टू सी माइनस माइनस टेन अपॉन वन थर्टी तो सीधे ही बोल सकता हूँ ठीक है चल भाई तो so, ये आ जाएगा सी इजिकल्स टू टेन बाई थर्टीन इंटू सी प्लस टेन ठीक है तो थर्टीन सी बाई टेन इजिकल्स टू सी प्लस टेन तो ये बनेगा टेन सी थ्री सी बाई टेन थ्री सी बाई टेन इजिकल्स टू टेन ठीक है हंड्रेड बाई थ्री आ जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर लिख रहा हूं सीधा सीधा हंड्रेड बाई थ्री डिग्री सेल्सियस बंद घड़ी भी दिन में दो बार सही टाइम दिखाती है तो फॉल्टी थर्मामीटर भी कहीं ना कहीं तो सही टेम्परेचर दिखाएगा ना ये वही चीज है थर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस ठीक है बहुत अच्छे चल अब देख ले जो मैं बात बोल रहा था वही बात इस साल के पेपर में हुई थी ठीक है और ये सवाल मैं आज से नहीं करा रहा हूं बेटा इस सवाल मैं पिछले चार पांच साल से करा रहा हूं ठीक है अगर भरोसा ना हो तो नोट्स उठा के देख लेना क्लास के कराए हुए सवाल एग्जाम में डेटा बदल करके झूके टूपी पूछे जाते हैं कई बार ठीक है चल भाई यहां देख क्या बोल रहा है फॉर्टी थर्मामीटर है डिग्री सेल्सियस रीड कर रहा है मेल्टिंग आइस में मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जीरो डिग्री सेल्सियस पर पांच डिग्री सेल्सियस रीड करता है ठीक है अब यहां क्या है 95 फाइव डिग्री सेल्सियस रीड करता है स्टीम में हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर 95 डिग्री सेल्सियस रीड करता है द करेक्ट टेम्परेचर ऑन एप्सोल्यूट स्केल विल बी इतना कैलविन में वेन फॉल्टी थर्मोमीटर रीड्स 41 डिग्री सेल्सियस पहले तो मैं यही निकाल देता हूँ सी पे ठीक है तो सीधा सीधा निकाल दूंगा और फिर उसको कैल्विन में कन्वर्ट कर दूंगा चल भाई तो मैंने कहा फोर्टी वन माइनस फाइव अपॉन नाइन्टी फाइव माइनस फाइव छोटा अपॉन बड़ा कर रहा हूं बेटा फोर्टी वन माइनस फाइव नाइन्टी फाइव माइनस फाइव सी माइनस जीरो हंड्रेड माइनस जीरो C की वैल्यू आ गई 41 वन माइनस फाइव क्या होता है थर्टी सेवन थर्टी सेवन थर्टी सिक्स इन टू 100 तो ये हो गया नौ चौक छत्तीस चालीस डिग्री सेल्सियस हो गया ठीक है तो कैल्विन में कितना आ जाएगा 273 सेवेंटी थ्री प्लस फोर्टी सात चार ग्यारह थ्री वन थ्री कैलविन ठीक है तो कैलविन में आंसर आ गया तीन सौ यूनिट देख लेना यहां पर एप्सल्यूट स्केल एप्सोल्यूट स्केल का मतलब होता है कैलविन स्केल या कैलविन में निकालना है ठीक है एप्सोल्यूट स्केल का मतलब होता है कैलविन में निकालना है अब मुझे यहां तक बता दे कि क्या तुझे थर्मोमेट्री समझ में आई या नहीं आई आज के बाद कभी भी तुझसे कोई भी टेम्परेचर कन्वर्ट करवा देगा कोई भी बोल देगा कि भैया मैंने एक नई स्केल बनाई है भैया जरा देख लेना ऐसे कन्वर्ट करके क्या होगा तो तू बना लेगा कि नहीं बना लेगा अगर समझ में आ गया तो बेटा थम्स अप या हार्ट करके दिखा दे मुझे तो मुझे समझ में आ जाएगा ठीक है कि मेहनत सफल हुई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है अरे वाह <laughs> हाँ, तो अब मुझे पता चल गया ना कि तुझे समझ में आ गया तो ये चमकने लगा ठीक है तो बस एक ही फॉर्मूला एक ही ब्रह्मास अच्छा खत्म काम ठीक है और अब ग्राफ ग्राफ खेल ले कई बार ऐसा करेगा कि ग्राफ प्लॉट करवाएगा जैसी फ़ारेनहाइट का सेल्सियस से ग्राफ प्लॉट करवाएगा ठीक है जैसे फ़ारेनहाइट का सेल्सियस से प्लॉट करवाएगा तो मैंने कहा सी क्या था 5 बाई नाइन एफ माइनस थर्टी ठीक है तो मैं एफ को क्या लिख सकता हूं 9 बाई फाइव सी प्लस थर्टी ध्यान देना एफ को यहां पर वाई एक्सिस पर लिखा है सी को यहां पर एक्स एक्सिस पर लिखा है तो वाई इज इक्वल्स थर्टी टू तो ग्राफ बनेगा इस तरीके से बत्तीस पे यहां पर कट करेगा ठीक सर प्लीज 2023 के क्वेश्चन मत कराओ क्यों भाई आएंगे नहीं क्या पेपर में एवी बस ठीक है चल भाई तो अब ऐसी कोई भी स्केल मान के चल इसको मैं पलट दूं कुछ और कर दू घबराएगा तो, तो नहीं तू ठीक है अगला सवाल देख ले क्या बोल रहा है ये द ग्राफ बिटवीन टू टेम्परेचर स्केल्स पी एंड क्यू ठीक है टू टेम्परेचर स्केल्स पी एंड क्यू है यहां पर फिगर में दे रखा है ठीक है सर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो बाबू मैंने शुरू कहाँ किया है अभी तो अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त अब थर्मोमेट्री के क्वेश्चन लगा देख एक बार पढ़ ले फिर तू चाहे जहां दुनिया जाके क्वेश्चन लगाइए मुझे कोई टेंशन नहीं ठीक है मुझे पढ़ा लेने दे फिर उसके बाद तू कहीं पे भी लगाइए फिर नहीं बने ठीक है तुम आ जाइयो बता दूंगा ठीक है ये भी बोल के दे रहा हूं तो कर दिमाग मारेगा समझ में आएगा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं ठीक है चल तो क्या कह रहा हूं टू टेम्परेचर uh, है? ठीक है टू टेम्परेचर स्किल्स इन फिगर ठीक है पी और क्यू के बीच में टेम्परेचर बिटवीन अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट देर आर वन फिफ्टी इक्वल डिवीजन ठीक है यहां पर एक सौ अस्सी अच्छा डेढ़ सौ इक्वल डिवीजन दे रखे यहां पर ये डेढ़ सौ डिवीजन दिए हैं अच्छा इसमें बना तो रखा है ठीक है uh, ऑन स्केल ऑफ पी ठीक है ये आपको पी स्केल दिया है एंड हंड्रेड डिविजन ऑन स्केल ऑफ क्यू ठीक है ये आपको क्यू स्केल दी है अब क्या पूछ रहा है द रिलेशनशिप फॉर कन्वर्जन बिटवीन टू ये सवाल है क्या सवाल है देखिए भाई क्या बोल रहा है मैंने कहा अरे यार ये सीधा सीधा ये नहीं कर सकता स्लोप इसकी लाइन की इक्वेशन लिख दे ठीक है तो मैंने कहा इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी ठीक है तो वाई क्या है सर पी स्लोप क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस वन फिफ्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड एक्स क्या है क्यू प्लस सी क्या है ये वाला सी वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया थर्टी ठीक है तो अब टी पी वी पी बोल दे जाए जो बोल दे उसको उससे फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो क्या बोल रहा है कुछ कुछ कन्वर्ट करवाने के लिए बोल रहा है मेरे को ठीक है तो इसको ऐसा लिख देता हूं वन फिफ्टी एक तो कॉमन कौम, दिया देख पहले तीन ऑप्शन में टी क्यू टी क्यू टी के टर्म में लिखना है तो मैं एक काम करता हूं तो Q इजिकल्स टू यानी कि 150 अरे क्या होगा भाई 150 फिफ्टी अपॉन हंड्रेड क्यू इजिकल्स टू पी माइनस थर्टी ठीक है ये कुछ हो जाएगा तो Q बाई हंड्रेड किसके बराबर हो जाएगा माइनस थर्टी अपॉन वन क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले एक बार पहले ये देख ले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीधा सीधा देख मैंने कहा देख तीन ऑप्शन देख मैंने बोला था ऑप्शन की टीक्यू बाईटी टीक्यू बाई दिस टीक्यू बाई दिस तो भैया एक सिंपल सी बात है टीक्यू के टर्म में निकाल दे पहले ठीक है तो मैंने कहा देख क्या, है? क्या है? क्यू बाई हंड्रेड आया तो ये दोनों खत्म हो गए ठीक है ये किसके बराबर है तो क्यू बाई हंड्रेड इजिकल्स टू पी बाई वन फिफ्टी पी माइनस ठीक है अरे यार सीधा ही आ गया नहीं तो अब चेक क्यों कर रहा हूं मैं ठीक है जब दो ऑप्शन काट ही दिए तो फिर तो अब यही बचेगा ना ठीक है बी आंसर आ गया चल भाई क्लियर अब आते हैं यहां तक की बात थी आपकी थर्मोमेट्री की बात ठीक है तो थर्मोमेट्री अब समझ में आ गया थर्मोमेट्री ठीक है सबसे पहले बोला था आपसे छोटा तो टॉपिक थर्मोमेट्री ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं कैलोरीमेट्री हम्म hmm. मैट्रिकवा गुशन चल <laughs> एक बच्चा भी ड्यूरेशन को लेकर रो रहा है क्या करेगा ड्यूरेशन जान के ऐसा क्या हो जाएगा ड्यूरेशन जानकर के मुझे बस ये बता दे कोई भी अगर मुझे बता दें ड्यूरेशन जान के आकर हो क्या जाएगा एट द मोमेंट चल भाई ठीक है तो कैलोरीमेट्री क्या है बेसिकली कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर के लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है ठीक है और उनकी स्टडी की जाती है कैलरी मैट्री मतलब कैलरी की मेजरमेंट ठीक है तो स्टडी ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन टू लिक्विड्स ठीक है या बिटवीन स्टडी ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट मटीरियल्स ठीक है यू टू टेम्परेचर डिफरेंस सिंस ये सारा एक्सपेरिमेंट ठीक है ये सारा एक्सपेरिमेंट एक इस तरीके के डिवाइस के अंदर होता है सिर्फ इसका नाम है कैलोरी मीटर ठीक है यहां पर आपका बेसिकली एक थर्मामीटर लगा रहता है यह आपका एक थर्मामीटर है जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट के काम में आएगा दिस इज योर थर्मामीटर ये यहां पर आपका एक स्टिरर होता है जो सामान को हिलाता है ठीक है ये यहां पर इग्नाइट करते हैं यहां पर हम कई सारी और चीजें हैं हमें इससे मतलब नहीं है ठीक है हमें इससे मतलब नहीं है हम कह रहे हैं कि हमें जो मतलब है वो है इस चीज से ठीक है अब मैं तुझे एक बात बोलता हूं ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनना तुझे बड़ी आसानी से बहुत लॉजिकल चीज समझ में आएगी और तुझे कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है तुझे कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है ठीक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है ठीक है बच्चे फॉर्मूला सिखाते हैं सब चीजें ज्ञान देते हैं ठीक है मैं ज्ञान नहीं दूंगा मैं कह रहा हूं तुझे अगर लॉजिक पता है तो तू बिना बिना पेन चलाए सारी चीजें कर लेगा सर एप्लीकेशन बताओ एप्लीकेशन ऐसा है कई सारी जगह काम आता है फ्यूल की इफिशियंसी नापने में किस तरीके का फ्यूल यूज करना चाहिए कौन सा फ्यूल इतना इसचर टॉलरेट कर सकता है जब इंजन डिजाइन किए जाते हैं इन सब चीजों में ये काम आता है ठीक है तो अब जरा ध्यान दीजिएगा एक कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड है ठीक है अब इस लिक्विड को आपने नीचे से गर्म करना शुरू किया आपने इस कंटेनर में क्या किया नीचे से आग लगा दी ठीक है और जब आपने इस कंटेनर में नीचे से आग लगाई तो क्या कर रहे हो आप बेसिकली आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक अच्छा, तो है? है अगर इस लिक्विड का जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गर्म करना था कोई बहुत सारा लिक्विड था मुझे पता करना है कितनी हीट लगेगी जैसे इस लिक्विड को दस डिग्री सेल्सियस से चालीस डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है तो मैंने पूछा कितनी हीट लगेगी? मैंने आपसे ये बस पूछा Q की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो आप कैसे लिक्विड इस, इस का अगर आपने एक ग्राम लिक्विड लिया और उसका एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया ठीक है एक ग्राम लिक्विड का आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाया डेल्टा टी ठीक है तो उसके लिए आपको कुछ हीट लगी है एस ठीक है एक ग्राम का एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर एस डिग्री बढ़ाने के लिए एस कैलोरी लगी तो मैंने कहा एम ग्राम का अगर मैं एम ग्राम लिक्विड ले लूंगा एम टाइम्स ले लिया और इसका भी टेंपरेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो अब बता अब कितनी हीट लगेगी ठीक है एक ग्राम का एक डिग्री बढ़ाने में अगर एस कैलोरी हीट लगी है तो एम ग्राम का एक डिग्री बढ़ाने में मास एम गुना कर दिया मैंने मास अगर एम गुना कर दिया तो हीट कितनी लगेगी एमएस लगेगी बहुत बढ़िया मैं यहां पर निकाल रहा हूं कितनी हीट देनी पड़ेगी एक ग्राम का एक डिग्री बढ़ाने में एस देना पड़ा तो एम ग्राम का एक डिग्री बढ़ाने में एमएस देना पड़ेगा तो एम ग्राम का ही डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितनी हीट देनी पड़ेगी एमएस डेल्टा टी ठीक है और हा यही तो फॉर्मूला है ये वाला वो फॉर्मूला है ठीक है तो हमारा क्या आ गया फॉर्मूला क्यू यानी हीट रिक्वायर्ड इजिकल्स टू एम एस डेल्टा टी क्यूजिकल्स टू एम एस डेल्टा टी अब अगर मुझे कोई बोल दे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको ही हम बोलते हैं एस को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है इस एस को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है क्या होता है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है क्या होता है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं तो इस लाइन से आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी एक ग्राम का एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट चाहिए होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है एक ग्राम का एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस हीट की रिक्वायरमेंट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है अब यहां देखिएगा यहां से अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालू तो क्या आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी ठीक है क्यू अपॉन एम डेल्टा टी क्या देखने में लग रहा है सर ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये डेल्टा टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऐसा ही देखने में लग रहा है ठीक है ऐसा ही देखने में लग रहा है क्या ये गलत तो नहीं लिखा मैंने ठीक है Q s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m डिनोमिनेटर में है s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t ठीक है लेकिन सच्चाई ये है सच्चाई ये है कि ये दोनों ही गलत हैं Q स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना तो मास पर डिपेंड करती है ना ही डेल्टा t पर डिपेंड करती है लेकिन सर इससे तो लग रहा है सर इससे तो दिख रहा है ना सर देखो एस मैंने कहा देख पहले लॉजिक तो सोच ठीक है अगर तूने मास डबल कर दिया ठीक है अगर तूने मास तू तो ना चाहते हुए किया ना अगर आपने डिनोमिनेटर को डबल कर दिया तो आप ना चाहते हुए भी आपको न्यूमिनेटर भी डबल हो जाएगा क्यों डबल पानी को गर्म करने के लिए डबल हीट चाहिए तो भैया क्यू कॉन्स्टेंट होता तब ये होता लेकिन क्यू कॉन्स्टेंट तो रख ही नहीं पा रहे ठीक है तो ना तो क्यू का मतलब क्या है सर क्यू इज द हीट क्यू इज यहां पर लिखा है बेटा हीट सप्लाइड ठीक है क्यू इज हीट सप्लाइड तो जो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना तो मास पर डिपेंड करती है ना ही डेल्टा टी पर ठीक है तो मैं लिख रहा हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल ओनली ठीक है इट डज नॉट डिपॉइंट इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड टेम्परेचर चेंज आपको यहां से कंफ्यूजन होता है आपको यह चीज कंफ्यूजन यहां से होता है लेकिन अगर आप इस चीज को यहां से देखोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप जरा देखो एक ग्राम का एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं ठीक है एक ग्राम का एक डिग्री तो मतलब क्या आपने जब मास भी फिक्स कर दिया आपने जब डेल्टा टी भी फिक्स कर दिया नहीं एक ही एक ही ग्राम लिक्विड लेना है ठीक है आपने डेल्टा बी फिक्स कर दिया तो भैया स्पेसिफिक हीट अपना फिक्स हो जाएगा ना कहने का मतलब यह है अगर किसी ने चार कंटेनर दिए मैंने कहा ठीक है सर एक कंटेनर यह है एक कंटेनर यह है ठीक है एक कंटेनर यह है ऐसे कुछ कंटेनर दिए सर एक के अंदर आपने पानी भर दिया ठीक है सर एक के अंदर मैंने कुछ तेल डाल दिया लेकिन कम मास रखा सर एक के अंदर मैंने पानी फिर से रखा लेकिन मैंने ज्यादा मास ले लिया पानी का ठीक है और मुझे पता करना था सर स्पेसिफिक हीट कंपेयर करनी थी मैंने कहा आप जरा ध्यान से सुन जब तुझे स्पेसिफिक हीट कंपेयर करनी है तो इन तीनों सैंपल से कोई फर्क नहीं पड़ता इसका मास कम है इसका मास ज्यादा है ये कुछ और ही मटेरियल है ठीक है इसका कोई मैटर ही नहीं करता तो जो तीनों से क्या करना है तो तीनों से एक एक ग्राम छोटा सा एक मान के चले कप लिया और उस कप को इसमें डुबाया एक ग्राम निकाला इसमें से भी एक ग्राम निकाला इससे भी एक ग्राम निकाला तो जब तीनों के मास बराबर हो गए और तीनों को एक एक डिग्री सेल्सियस ही गर्म किया जब तीनों को एक एक डिग्री सेल्सियस ही गर्म किया एक बच्चा बोल रहा है कैपेसिटेंस की तरह सर हाँ बिल्कुल सही पहचाना कैपेसिटेंस की तरह ही कैपेसिटेंस भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती थी ज्योमेट्री का फंक्शन होती थी बहुत अच्छे ठीक है चलो तो कहने का मतलब यह है कि अगर तूने मास भी स्पेसिफाई कर दिया तूने डेल्टा टी भी स्पेसिफाई कर दिया तो फिर बचा क्या तेरे हाथ में कुछ नहीं ठीक है इसीलिए ना तो मास पर डिपेंड करता है ना टेम्परेचर चेंज पर सिर्फ मटीरियल की प्रॉपर्टी होती है ठीक है कुछ डेटा जो कि आपको याद रखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है वन ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ठीक है सॉरी वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस होती है वन बाई टू कैलरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम होती है वन बाई टू कैलरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस एक ग्राम का मैं बार बार आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डेफिनेशन बार बार बोल रहा हूं स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है एक ग्राम का एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है एक ग्राम का एक डिग्री सेल्सियस हीट टेम्परेचर बढ़ाने पर जो हीट चाहिए होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ दुनिया में और याद रहे ना रहे पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जरूर याद रखना ठीक है दुनिया में कुछ और याद रहे या ना रहे पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी जरूर याद रखिएगा ठीक है पानी के एक ग्राम का एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए एक कैलोरी हीट लगती है ठीक है तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं चल भाई आते हैं बात डेफिनेशन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज दी हीट रिक्वायर्ड टू रेस टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई यूनिटी ठीक है अच्छा ये ऐसा यूनिट नहीं है जूल के पर केजी पर कैलविन होती है ऐसा यूनिट ठीक है जूल पर के जी पर, पर कैलविन ठीक है और एक और चीज एक कैलोरी वन कैलोरी इक्वल्स टू फोर पॉइंट टू जूल होता है फोर पॉइंट वन एट होता है हम फोर पॉइंट टू जूल से काम चला लेते हैं ठीक है वन कैलोरी इक्वल्स टू फोर पॉइंट टू जूल ठीक है ऐसा यूनिट क्या होती है जूल पर के जी पर कैलविन ठीक है तो जनरली यूज नहीं करते हैं पर कभी आए तो सेम वही ठीक है जेई में कई बार जेई में जनरली खास तौर से एडवांस में हमेशा ऐसा यूनिट ही देता है एडवांस में हमेशा यही देता है ठीक है अगर मैं इसको ऐसा SI यूनिट में लिखूंगा तो ये बनेगा 4200 जूल पर केजी पर केल्विन ठीक है अच्छा ध्यान दीजिएगा डेल्टा टी को कन्वर्ट करने में नहीं आ जाना ठीक है आपको सिर्फ कैलोरी कन्वर्ट करनी है ग्राम कन्वर्ट करना है यहां पे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज है तो एक डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज या एक कैलविन का टेम्परेचर चेंज बराबर होता है ठीक है कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सर यहां पे डिग्री सेल्सियस को सर टू सेवेंटी प्लस माइनस तो किया ही नहीं मैंने कहा टेम्परेचर चेंज है दिस इज डेल्टा टी ठीक है चल भाई क्या यहां तक की बात क्लियर मुझे फटाफट से बता दे अगर यहां तक की बात क्लियर है क्योंकि अब हम तक की बात कर चुके इसके आगे की बातें करेंगे ठीक है अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं अगर एक मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है ठीक है बहुत बढ़िया अगर एक मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो उसको गर्म करने में कम हीट लगेगी या ज्यादा लगेगी ठीक है सोचिएगा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर एक मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो उसको गर्म करने के लिए ज्यादा हीट लगेगी अगर ज्यादा हीट लगेगी इसका मतलब है कि उसको गर्म करना आसान होगा या मुश्किल होगा ठीक है हाई हीट कैपेसिटी ज्यादा तो मतलब गर्म करने में ज्यादा हीट लगेगी ठीक है और अगर गर्म करने में ज्यादा हीट लगेगी हां मुश्किल होगा इसका मतलब है गर्म करना मुश्किल है कंपैरेटिवली मुश्किल है और अगर गर्म करना मुश्किल है तो ऐसा मटेरियल, क्या मैं ये बोल सकता हूं हमारे लिए बेटर कूलेंट होता है ठीक है ऐसा मटेरियल हमारे लिए एक बेटर कूलेंट होता है कूलेंट क्यों ठीक है कूलेंट का काम क्या होता है कूलेंट का, का काम होता है सामने वाले से हीट ले ले और खुद गर्म ना हो ठीक है सोचो गाड़ी का इंजन में कार के इंजन में तुमने देखा होगा पानी डलता है ठीक है डिस्टिल्ड वाटर भी डाला जाता है वो एक किसी कूलेंट है ठीक है क्यों गाड़ी को ठंडा रखता है उसमें तेल क्यों नहीं डाल देते पता चला तेल डाल दिया गाड़ी थोड़ी सी गर्म हुई तेल और खोल गया आग ही लग गई तुम्हारी ठीक है तो कहने का मतलब यह है पानी जिस, पानी जिस सबसे अच्छा कूलेंट होता है पानी का जो स्पेसिफिक हीट है बाकी मटेरियल्स के मुकाबले काफी ज्यादा है ठीक है नेचर में पाए जाने मटेरियल्स में से नेचर में पाए जाने वाले मटेरियल्स में से पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यह काफी ज्यादा है तो इसीलिए वाटर इज अ बेटर कूलेंट ठीक है पानी एक बेटर कूलेंट है ठीक है तेल जैसे कि आपका कैरोसिन ऑयल वगैरह होता है या जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में खाना बनाने वाला वो तेल होता है उसका स्पेसिफिक हीट बहुत कम होता है इसीलिए तेल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है आपने देखा है तो सब्जियां बनाने के लिए यहां पे ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है आप पानी यूज नहीं करते आप तेल यूज करते हो तेल में पकौड़े तलते हो पानी में पकौड़े नहीं तलते हो ठीक है क्यों क्योंकि भाई तेल टेम्परेचर सस्टेन कर पाएगा ना बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा ठीक है चल भाई तो अब आते हैं अगले टर्म पर ठीक है अगला टर्म क्या है हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी क्या है भाई हमने देखा क्यू क्या होता है क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी ठीक है मैंने क्या बोला था यहां पर मैंने बोला था एक ग्राम को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो चाहिए होता है वो था एस एम ग्राम का एक डिग्री बढ़ाने के लिए जो चाहिए होता था उसको हम कहते थे एमएस और एम ग्राम का डेल्टा टी बढ़ाने के लिए चाहिए था एमएस डेल्टा टी किसी भी मास का एक डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी ठीक है तो हीट रिक्वायर्ड इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ एनी मास बाय यूनिटी ठीक है किसी भी बॉडी का एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी तो एम इंटू एस को हम क्या लिख देते हैं सी ठीक है तो हीट रिक्वायर्ड बाय यूनिटी ठीक है अब जरा देखिएगा सी किसके बराबर हो गया है एम इंटू एस सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास जितनी ज्यादा बड़ी बॉडी होगी उसकी हीट कैपेसिटी उतनी ज्यादा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी इसकी जूल पर कैलविन और कैलरी पर डिग्री सेल्सियस एक डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए किसी भी बॉडी को कितना हीट चाहिए तो जितनी बड़ी बॉडी होगी उसका एक डिग्री बढ़ाने के लिए उतना ज्यादा हीट चाहिए होगा जितनी छोटी बॉडी होगी उतना कम चाहिए होगा तो तो हीट हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ठीक है तो हीट ये क्या आ गया सी इन डेल्टा टी ठीक है यूनिट क्या है जूल पर कैलविन या कैलरी पर डिग्री सेल्सियस ठीक है तो किसी भी मास का देख एक ग्राम का एक डिग्री बढ़ाने के लिए जो भी चाहिए उसको स्पेसिफिक स्पेसिफिक मास का बढ़ाना है ठीक है अब किसी उसको जो टेम्परेचर ही उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी ठीक है बस अगर ये दोनों लॉजिक समझ में आ गए अब तीसरा और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है विच इज वॉटर इक्वेलेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है हीट हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी में एक ग्राम का एक डिग्री बढ़ा रहा हूं हीट कैपेसिटी में किसी भी मास का एक डिग्री बढ़ाने के लिए जो चाहिए होता है उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी मास स्पेसिफिक नहीं है ठीक है मास स्पेसिफिक नहीं है एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी बिल्कुल नहीं एस मटीरियल की प्रॉपर्टी है उसका डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है अरे भाई मैं बड़ी बड़ी बातें सीधा सीधा बोल रहा हूं एक ग्राम का एक डिग्री बढ़ाते हैं उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी मास का एक डिग्री बढ़ाने के लिए हम कहते हैं उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी है तो मैंने बोला कि किसी कोई एक पत्थर है इसका एक डिग्री बढ़ाने के लिए बीस कैलोरी चाहिए ठीक है तो दो डिग्री बढ़ाने के लिए चालीस कैलोरी तीन डिग्री बढ़ाने के लिए साठ कैलोरी तो वही तो किया टी इन टू डेल्टा टी ठीक है तो अब जितना बड़ा पत्थर होगा उसका एक डिग्री बढ़ाने के लिए उतना ज्यादा हीट लगेगी ठीक है चल भाई यहां तक की बात उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी और अब मैं आखिरी इस कैलोरी टॉपिक के टॉपिक का आखिरी थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं इसके बाद थ्योरी बंद होगी इसके बाद न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल खिलवाऊंगा और एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा उस ब्रह्मास्त्र से हर तरीके का सवाल बनेगा ठीक है कोई फॉर्मूला इसके बाद तुझे नहीं करना ठीक चल भाई वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है भाई देख अब एक समस्या आ जाती है ठीक है समस्या क्या आ जाती है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल में पानी वगैरह मिला दो या कोई दो अलग अलग मटेरियल मिला दो तो यार दिक्कत ये हो जाती है कि आपको पर्दे में प्रॉब्लम आती है कि सर ऑयल की कोई हीट कुछ और लेगा पानी की स्पेसिफिक हीट कुछ और होगी तो मैंने कहा यार सबसे आसान तरीका क्या होगा वाटर इक्विवेलेंट ठीक है वाटर इक्विवेलेंट क्या है कोई भी कोई भी मटीरियल कितने ग्राम पानी के बराबर है कितने ग्राम पानी के थर्मली बराबर है ठीक है तो अमाउंट ऑफ वॉटर अमाउंट ऑफ वॉटर विच इज थर्मली इक्विवेलेंट टू मटेरियल ठीक है दिए हुए मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाना है मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके पास एक कोई कंटेनर है अरे यार ले एक कंटेनर है इसके अंदर आपके पास कुछ एक ऑयल रखा हुआ है कोई भी एक ऑयल है ठीक है इस ऑयल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने दे दी है लेटेस्ट से वन बाई टू कैलरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और यहां पर मैंने 40 ग्राम ऑयल रखा है ठीक है यहां पर मैंने 40 ग्राम ऑयल रखा है ठीक है लेटेस से मैंने कहा इस 40 ग्राम ऑयल पर 40 ग्राम ऑयल पर मैंने कुछ हीट प्रोवाइड करी ठीक है तो मैंने कितनी हीट दी मैंने लेटेस से मैंने कहा कि कुछ क्यों हीट दी और इस तरीके से दी कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाए इसका टेम्परेचर लेटेस्ट से मैंने कहा बीस डिग्री या तीस डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए थर्टी डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए ठीक है चालीस ग्राम ऑयल को तीस डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी तो हमने कहा सर क्यूब किसके बराबर होता है एमएस डेल्टा टी के ठीक है तो मैंने कहा मास क्या है सर चालीस है स्पेसिफिक हीट क्या है सर वन बाई टू है डेल्टा टी क्या है थर्टी है तो तीस इंटू दो साठ 600 कैलोरी हीट चाहिए होगी ठीक है 600 कैलोरी हीट चाहिए होगी अब वाटर इक्विवेलेंट से मेरा क्या मतलब है मैं सेम अमाउंट ऑफ हीट कितने ग्राम पानी को दूं, जितनी हीट इसको दी है उतनी हीट इसको देनी है मुझे 600 कैलोरी ठीक है कितने ग्राम पानी को कितने ग्राम पानी को एम ग्राम वाटर मैं सेम अमाउंट ऑफ हीट दू सो दैट जितना ये गर्म हुआ है उतना ही ये भी गर्म हो जाए तो डेल्टा टी दोनों में सेम आ जाए सोचना अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा भाई मतलब क्या देख देख जो मैंने आपको पिछली क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टी में याद है मैंने वो वाली कहानी सुनाई थी कि घर में एक बच्चा है बच्चा बोलता है सर मुझे जिम जे, में जेई की तैयारी करनी है मम्मी और आज से मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा ठीक है तो क्या करना है खाना बेटा कैसे खाएगा मम्मी थाली रख जाया करना मैं खाना खा लिया करूंगा कहानी याद है लास्ट क्लास में बताई थी ठीक है सेम वही कहानी है ठीक है इसने बोला कि मम्मी ऐसा है कि दही की तैयारी करनी है आज से मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा ठीक है तो उसने बोला बेटा टेम्परेचर कैसे लेगा तो कोई बात नहीं यहां से नीचे से गर्म कर देना तो मम्मी टेम्परेचर दे रही है हीट दे रही है और यहां पर क्या आ रहा है टेम्परेचर चेंज आ रहा है ठीक है सेम वही चीज यहां पर करी मैंने कहा सेम हीट देने पर सेम टेम्परेचर चेंज आएगा तो मम्मी को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम गए गोवा और तुम्हारे दोस्त का भाई अंदर से ले लेके खाना खा रहा है हां तुमने गोवा वाली कहानी यार आ गई है ना सेम वही चीज मतलब क्या इस वाले मास की जगह इस वाले मास की जगह पानी ने ले ली है ये दुनिया में किसी को पता ही नहीं चल रहा क्यों हीट भी सेम ले रहा है टेम्परेचर चेंज भी सेम हो रहा है सब कुछ सेम हो रहा है तो भैया किसी को क्या पता चल रही कि अंदर कौन है कि अंदर तेल है कि पानी है किसी को क्या पता चल रही ठीक है सेम हीट देने पर सेम टेम्परेचर चेंज आ जाए तो जुगाड़ क्या है सेम हीट देने पर सेम टेम्परेचर चेंज चाहिए ठीक है मैंने कहा यार यहां पर कितना देना पड़ेगा मैंने कहा पानी है पानी की स्पेसिफिक हीट वन होती है तो क्यूज टू एम एस डेल्टा टी क्यू कितना दिया है मैंने? 600. एम क्या है सर निकालना है, A7, T है, 30, M आपका आ गया है कितना बीस ग्राम के बराबर बीस मतलब ग्राम, ग्राम पानी से रिप्लेस कर दूंगा तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी बंद डब्बे में क्या चल रहा है ठीक है बंद डब्बे में तेल पड़ा है कि पानी पड़ा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ठीक है जब तक डब्बा बंद रहेगा तो डब्बा बंद कर देता हूं भाई बार से किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना कि अंदर क्या कहानी चली तो ये हमारी तुम्हारी आपस की बात है ठीक है मोए मोए हो गया खोल के देखूंगा तब होगा मोए मोए हो ऐसे ही थोड़ी होगा अरे अब बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के क्या मोए मोए ठीक है खोल के देखने को पता चलता है

वन होता है तो वाटर इक्वलेंट इक्वल्स टू एम इंटू एस एम इंटू एस के बराबर का वॉटर इक्वेलेंट होता है दिस इज दी वाटर इक्विवेलेंट, दिस इज दी वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है ये है आपका वॉटर इक्वेलेंट एम एस बस खत्म हो गया ठीक है अरे हा एस डी डी हटा देना भाई ठीक है एमएस खाली तो वाटर वॉटर क्या हो गया है एम इंटू एस मास इन स्पेसिफिक हीट ठीक है क्या ये बात क्लियर यहां तक ठीक है सेम अमाउंट देने पर सेम स्पेसिफिक हीट ये तो अभी थोड़ी देर पहले एक और चीज देखी थी सर हीट कैपेसिटी भी तो सेम ही थी मैंने कहा हीट कैपेसिटी कहां गई ये रही हीट कैपेसिटी सर यही तो हीट कैपेसिटी होती थी सीकल्स टू एम एस कहां गया यही तो थी सर सी इजिकल्स टू एम एस तो मैंने कहा हीट कैपेसिटी और ये बिल्कुल सेम है ठीक है हीट कैपेसिटी इज़ और ये बिल्कुल सेम है, C MS भी है. और सर, कैलरी पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर कैलविन और यहां क्या यूनिट है यूनिट तो है कोई बता सकता है कि सेम यू, यूनिट अलग अलग कैसे है ठीक है इसकी यूनिट ऐसा यूनिट अगर बोलूंगा तो क्या हो जाएगा के जी और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम ये तो मास की यूनिट है अंतर ये है कि पानी की स्पेसिफिक हीट होती है वन और वो स्पेसिफिक हीट से स्पेसिफिक की यूनिट खत्म हो गई तो एक्चुअली में एम एस अपॉन स्पेसिफिक वाटर थी और इत्तेफाक से वन का डिवाइड करने पर मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं आता और यूनिट कट जाती है ठीक है वो इसीलिए खत्म हो रही है तो इसीलिए न्यूमेरिकली दोनों चीजें बराबर हैं हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट न्यूमेरिकली दोनों बराबर हैं लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग है ठीक है हीट कैपेसिटी और ये दोनों बराबर हैं एस यूनिटलेस नहीं है अपॉन एस, एस यूनिटलेस हो गया हा चल भाई क्लियर है बहुत बढ़िया अब सवालों के सिलसिला शुरू करते हैं दोबारा से ठीक है चल यहाँ तक की बात समझ में आ गई पहले मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दे कि यहां तक की बात क्लियर है तुझे ठीक है एक बच्चा तब से स्पैमिंग किए जा रहा है स्पैमिंग किए जा रहा है किए जा रहा है अरे बाबू थोड़ा सा तो सबर कर ले कीबोर्ड को भी राहत दे दे थोड़ी क्या मम्मी पापा को दिखाना है क्या देखो मम्मी सर ने पंद्रह घंटे का लेक्चर ले लिया सर बारह घंटे का लेक्चर ले लिया ये दिखाना है क्या, क्या नहीं नहीं आज तो छह घंटे का ही लेक्चर हुआ तब से ड्यूरेशन ड्यूरेशन चिल्लाए पड़ा है कैसे बता दू जब मुझे नहीं पता तो हां चल भाई समझ में आ गया तुम लोगों को ना एक आदत है उंगली करने की कि अगर अच्छा पढ़ रहा है समझ में आ रहा है सब तो सर क्या करें कैसे हम इसका ध्यान भटका सकते हैं ठीक है ठीके? अपना ध्यान तो हिला ही हुआ है चल

40 ग्राम ऑयल रख रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल इज इतना फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेंपरेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर भी दे रखा है ठीक है तो इस बार ध्यान दीजिएगा इस बार आपका कंटेनर भी हीट लेगा तो सवाल कुछ ऐसा है कि कोई कंटेनर है ठीक है और इसको मैं गर्म कर रहा हूं नीचे से तो इस बार कंटेनर का भी मास है इसके अंदर हमने कुछ तेल रख दिया है तो अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि खाली तेल तेल गर्म हो कंटेनर गर्म नहीं हो कंटेनर भी साथ साथ गर्म होगा ठीक है तो कितनी हीट चाहिए तो मैंने कहा यार प्लस एम टू एस टू डेल्टा टी कुछ हीट तो आपका ये ले लेगा पानी ले लेगा कुछ हीट आपका कंटेनर ले लेगा तो पानी का मास क्या है ठीक है पानी का मास है चालीस ग्राम पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है वन बाई टू कैलोरी डेल्टा टी क्या है बीस डिग्री सेल्सियस नहीं अच्छा इसी सवाल में पिछला ही सवाल तो ये यहां पे बीस डिग्री सेल्सियस से क्या करना है पचास डिग्री सेल्सियस जाना है मतलब वो हीट तो वही सेम ही चाहिए तो डेल्टा टी हो गया थर्टी प्लस मास ऑफ कंटेनर क्या एक किलोग्राम ठीक है और एक किलोग्राम को एक हजार ग्राम लिख देता हूं मैं एक हजार ग्राम क्यों लिख रहा हूं क्योंकि स्पेसिफिक हीट ये दे रखी है ग्राम में तो जीरो पॉइंट वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ध्यान दीजिएगा कंटेनर का आपको कहीं पर भी टेम्परेचर नहीं दिया है ठीक है इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये मान के चलिएगा कि जो टेम्परेचर आपका इसका है सेम वही टेम्परेचर कंटेनर का भी इनिशियल है क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि लिक्विड का टेम्परेचर कुछ और हो जाए कंटेनर का कुछ और हो जाए ये चीज पॉसिबल नहीं है ठीक है तो क्या आ जाएगा बीस छह सौ तो ये आ ही रहा था पिछली बार और ये एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया तो तीन हजार ये कैलोरी आ गया तो मतलब ये छत्तीस सौ कैलोरी इस बार आ गया है ठीक है कितनी हीट आ गई है थर्टी सिक्स हंड्रेड कैलोरी ठीक है तो इस तरीके की इतनी हीट मुझे चाहिए होगी चल भाई अगला ठीक है मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पर जब मैं लिक्विड्स को मिक्स करता हूं जैसे कि सर्दियां तो आ चुकी हैं और आपने अभी तक यह काम शुरू कर चुके हो गर्म पानी में जो हीटर से गर्म पानी निकलता है या ड्रॉट से आप जब गर्म पानी करते हो उसको ठंडे पानी में मिक्स करते हो तब जाके कुछ बीच का टेम्परेचर आता है ठीक है तो अब आपको यह बताना है कि वो टेम्परेचर कितना होगा ठीक है मैंने कहा सबसे आसान किस क्या होता है सर लेटेस्ट से मेरे पास एक कंटेनर है ठीक है अगर मैं बराबर बराबर मास मिक्स कर दूं, ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात सर अगर मान के चलो सर मेरे पास यहां पर पानी है ठीक है कितना ग्राम पानी है सर 40 ग्राम पानी है कितने डिग्री सेल्सियस पर सर 20 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है और सर यहां पर भी चालीस ग्राम पानी है ठीक है चालीस ग्राम पानी है इसका टेम्परेचर कितना है सर इसका है साठ डिग्री सेल्सियस ठीक है मुझे बिना पेन चलाए बता यार, ठीक है मुझे बिना पेन चलाए बता दे अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो क्या मिलेगा मिक्स करने पर हमें मिलेगा 80 ग्राम पानी ठीक है तो पानी तो डबल हो जाएगा और टेम्परेचर क्या रहेगा ना 40 न 20 ठीक है न 60 न 20 60 और 20 का बीचम बीच यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस ठीक है साठ और बीस का बीच और बीच सारी की चालीस डिग्री सेल्सियस आपने तुरंत बता दिया हाँ सर इसमें क्या बड़ी बात थी सर ना साठ रहेगा ना बीस रहेगा बीच में चालीस डिग्री सेल्सियस हो जाएगा पानी ऐसे ही तो मिक्स करते हैं मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही बात बोली तुमने ठीक है अब मैंने क्या किया सेम इसी सवाल में थोड़ा सा डेटा बदल देता हूं मैं ठीक है ठीक है यहां पर आपके पास कुछ पानी था कितना पानी है 40 ग्राम पानी एट 20 डिग्री सेल्सियस और यहां पर जो पानी है अस से दिस इज 60 ग्राम वाटर एट सिक्सटी डिग्री सेल्सियस ठीक है इन दोनों को मिक्स किया अब बताओ यार क्या मिलेगा मुझे पानी का वॉल्यूम तो बढ़ ही जाएगा ठीक है अब बताओ क्या मिलेगा ठीक है क्या किया सर एक ने गर्म किया एक ने ठंडा होगा एक गर्म होगा पहले बीच में कहां आ आ रहा रहा था था पिछली बार सर आ रहा था। इस बार सर 40 40 40 इस से आएगा। से ज्यादा आएगा कम तो कहा नहीं सकता अरे भाई ये 60 ग्राम पानी है ज्यादा पानी है तो इसके नजदीक आएगा ठीक है तो कैसे सॉल्व करेंगे सर इसने कुछ हीट इसको दी होगी मैंने कहा इसने कुछ हीट इसको दी होगी हीट लॉस्ट इज इक टू हीट गेन्ड तो हीट ठीक है मैं यहां लिखता हूं हीट लॉस्ट बाई बी इजिकल्स टू हीट गेन्ड बाई एसको मैंने नाम दिया है बी इसको मैंने नाम दिया है ए लेटेस्ट से इसका फाइनल टेम्परेचर आ चुका है टी ठीक है अब जरा बताना क्यू इजिकल्स टू इसका इसने हीट कितनी लॉस करी तो मैंने कहा यार इसका टेम्परेचर तो क्यू इजिकल टू एम एस डेल्टा टी तो सिक्सटी इंटू एस तो वन है डेल्टा टी मतलब 60 से 30 हो गया है तो टी हो गया है तो भैया कुछ लॉस करी 60 माइनस टी इसने कितना गेन किया पहले इसका मास क्या है 40 स्पेसिफिक हीट है वन डेल्टा टी इसका टेम्परेचर 20 से बढ़कर के टी हुआ है तो टी माइनस ट्वेंटी ध्यान दीजिएगा मैंने हमेशा क्या लिखा है इसने लॉस करा इसका मतलब 60 माइनस टी क्योंकि भैया पहले 60 था लेटेस्ट से 40 हो गया तो 60 माइनस फोर्टी बीस का लॉस हुआ ठीक है सर अब इसको सॉल्व कर दूंगा तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड माइनस सिक्सटी टी फोर्टी टी माइनस एट हंड्रेड ठीक है तो हंड्रेड टी इजिकल्स टू फोर्टी फोर हंड्रेड तो टी आपका आ गया फोर्टी फोर डिग्री सेल्सियस ठीक है ये आंसर आ गया ये थी आम जिंदगी ठीक है ये है आपकी आम कहानी बेसिकली ये है आपका एक नॉर्मल तरीका आपको किताबों में यही तरीका मिलेगा बुक्स में आपको यही तरीका मिलेगा लेकिन इस तरीके में एक रायता फैल जाता है क्या रायता फैल जाता है या तो तुम फॉर्मला याद कर लो पहला तरीका क्या है सर फॉर्मला याद कर लेंगे तो उससे हो जाएगा या फिर यहां रायता क्या फैलता है दो में तो सही है सर अगर चार पांच होते तो ठीक है हमें कैसे पता चलेगा कौन हीट लॉस कर रहा है कौन हीट गेन कर रहा है ठीक है यहां पर यह रायता फैल जाता है और अब आता है आपका ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र नंबर दो ठीक है चल भाई अब आता है मेंटा जिंदगी यानी कि ब्रह्मास्त्र ठीक है तो भाई ऐसा है बंदर और बिल्ली वाली कहानी तुमने बचपन में सुनी है या नहीं सुनी है मुझे बस ये बता दो ठीक है क्या तुमने बंदर और बिल्ली वाली कहानी बचपन में सुनी है अरे दो बिल्लियां लड़ाई कर रही होती हैं रोटी के एक टुकड़े के ऊपर बंदर आता है बीच में कि अच्छा भैया किस बात पर लड़ाई हो रही है तुम दोनों की तो बिल्ली बोलती है कि रोटी के टुकड़े को लेकर के लड़ाई हो रही है हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आधी आधी रोटी कैसे बांटे तो बंदर बोलता है इस बात की जिम्मेदारी आप मेरे कंधों पर छोड़ दीजिए रोटी मैं बांटता हूं ठीक है तो बंदर क्या करता है रोटी को दो हिस्सों में तोड़ता है और तराजू में रख देता है ठीक है जिस हिस्से से रोटी भारी होती है उसके थोड़ा सा टुकड़ा ले लेता है और खुद खा जाता है और ऐसे करते 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 पूरी रोटी बंदर निकल जाता है ठीक है अब यहां पर भी कहानी कुछ ऐसा ही है भाई ऐसा है कि मामला कुछ बिल्कुल सेम है तो ये दो बिल्लियां हैं ये दो बिल्लियां हैं ठीक है चीके? किस बात पर लड़ रही हैं दोनों की दोनों बिल्लियां टेम्परेचर को लेकर के लड़ रही हैं ठीक है दोनों की दोनों बिल्ली के, के लड़ाई जो हो रही है वो टेम्परेचर को लेकर के हो रही है कि यार मेरा टेम्परेचर ज्यादा है तेरा टेम्परेचर कम है हम बराबर बराबर बीच में पहले तो बीच में बात हो गई थी अब वो बीच में बात नहीं मानना चाह रहे ठीक है तो तुम आए बंदर बन के चौधरी ठीक है अरे भाई क्या हो रहा है हमारे इलाके में किस बात के लिए चल लड़ाई चल रही है तो तुम्हारी बात सुनते हैं मानते हैं भाई तुम चौधरी हो तुम्हारी बात तो कौन नहीं मानेगा ठीक है तो अपने गांव के मुखिया सरपंच तो कहने का मतलब तुम्हारी बातें तो सुनना पड़ेगा उनको ठीक है तो अब भाई क्या दोनों आए तुमसे सलाह कि कि अच्छा ऐसा है महाराज मुशुरा को लेकर लड़ाई चल रही है कि कोई हम मैं कह रहा हूं रह साठ पे रह जा तो उन्होंने कहा ठीक है लड़ाई किस बात पे है टेम्परेचर पे ना भाई आया है निपटारा करवा के जाएगा ठीक है रुक जा जाने कहा कि अच्छा ऐसा है किस बात पर लड़ाई है टेम्परेचर को लेके क्या टेम्परेचर है तुम्हारा चालीस बीस डिग्री सेल्सियस पर मैंने कहा एक काम कर पहले तू शांत हो जा ठीक है इतना लड़ना अच्छी बात नहीं है तो मैंने कहा इसको क्या करते हैं सर तो इसने तो भैया मुखिया जी तुमने बोला कि पहले ठंडे हो लो तुम ठीक है पहले ठंडे हो लो तो तुमने क्या बोला इसको ठंडा शांत करवाया तो क्या किया तुमने इसको जीरो डिग्री सेल्सियस पर ले आई सेल्सियस मतलब क्या चालीस ग्राम पानी at zero degree Celsius पर ठीक ठंडा तो हो गया मतलब मेरी हीट। तो मुझे दे ना बंदर मुझे दे ठीक है तो मैंने क्या किया अरे मैं सहेज के रखूंगा तेरी हीट ठीक है तू क्यों घबरा रहा है बंटवारा मैं करवाऊंगा अच्छे से करवाऊंगा चिंता मत कर ठीक है तो तुमने हीट से ले ली कितनी हीट ली बोल भाई एम मास अगर डेल्टा टी टेंपरेचर कम होता है तो एम एस डेल्टा टी हीट रिलीज करता है एम मास अगर डेल्टा टी रिलीज होता है तो तुम्हारे पास कितनी हीट आ गई मैंने कहा ठीक है सर ठीक है तो 40 ग्राम 20 डिग्री से जीरो पर पहुंच गया तो 40 एम इनटू टू एस तो वन है डेल्टा टी 20 माइनस अब बार बार ये 20 माइनस नहीं लिखूंगा सीधा बीसी समझ में आ जाएगा तो तुमने 800 सौ कैलोरी हीट दे दी ठीक है मतलब क्या इसने यहां पर 800 कैलोरी ही तुम्हारे हवाले कर दी और ये ठंडा हो गया शांत हो गया कोल्ड ड्रिंक पीने बैठ गया ठीक है अब दूसरा बंदर इनकी लड़ाई इनकी भी निपटारा करवाना है साठ ग्राम पानी है ठीक है तो तुमने कहा तुम्हारी क्या समस्या है यह भी बोलता है कि सर टेम्परेचर को लेके बस लड़ाई थी

इसको तो हटाई दूं इसकी तो कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो मैंने कहा मेरे पास कितनी आ गई मैं हीट क्यू लेफ्ट लिख रहा हूं मेरे पास कितनी आ गई तो एम एस डेल्टा टी यानी कि फोर्टी इंटू वन इंटू ट्वेंटी प्लस इसकी कितनी आ गई सिक्सटी इंटू वन इंटू कितनी है सिक्सटी है तो मेरे पास आ गई सर आठ सौ प्लस छत्तीस सौ यानी कि 4400 कैलोरी मेरे पास हीट आ गई ठीक है मैंने दोनों को शांत करा दिया मैंने दोनों को शांत कर दिया ऐसा है भाई लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं रखा ठीक है तो दोनों से हीट मैंने छीन ली अब मैंने दोनों से सवाल पूछा मैंने दोनों से सवाल पूछा अच्छा भाई हाँ किस बात में लेकर लड़ाई चल रही थी कोल्ड ड्रिंक पी ली ना अरे तो टेम्परेचर को लेके है टेम्परेचर को लेके अरे तुम्हारा टेम्परेचर क्या है जीरो डिग्री सेल्सियस तुम्हारा टेम्परेचर क्या है जीरो डिग्री सेल्सियस जीरो डिग्री सेल्सियस में जीरो डिग्री सेल्सियस पानी मिलाते हैं तो क्या मिलता है जीरो खत्म ठीक है मैंने कहा अच्छा मिलाओ मिलाओ हाथ हाथ इसी बात पर मिलाओ हाथ, और चेन से घर जाओ मतलब क्या जीरो डिग्री सेल्सियस के पानी में जीरो डिग्री सेल्सियस का पानी मिलाएंगे तो जीरो डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा तो इनने कहा हां ये तो बात हमने सोची नहीं हमारी तो लड़ाई टेम्परेचर को लेके थी टेम्परेचर को लेकर तो अब तो टेम्परेचर को भी लड़ाई नहीं बची यार ठीक है जीरो डिग्री सेल्सियस के पानी में जीरो डिग्री सेल्सियस का पानी मिलाया और जीरो डिग्री सेल्सियस का पानी मिल गया तो मेरे पास क्या मिला सर अब हमारे पास जो मिला है दिस इज हंड्रेड ग्राम वाटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस और मैंने कहा इनसे क्या अच्छा ठीक है चलो अपने अपने घर जाओ हो गया तुम्हारा निपटारा हो गया तो भाई ऐसा है दोनों तो ही मिलकर खड़े हो गए हमने बोला ऐसा है धरा चौधरी जी वो बंदर बिल्ली वाली कहानी हमने भी सुनी है ठीक है चुपचाप हमारे से जो लिया है ना माल जितना माल लिया है ना चुपचाप वापस कर दो तो, नहीं तो ठीक नहीं होगा आपकी सेहत के लिए ठीक है तो ऐसा था कि यार अब दिक्कत हो गई ठीक है मतलब क्या ले लिया है अगर इन दोनों को हमने ठंडा किया है तो हमें अब वापस देना भी पड़ेगा ठीक है तो दे दो वापस अब क्या करोगे अब लड़ने बैठ गए तो थोड़ी तुम कुछ कर सकते हो तो जितना भी तुमने क्यू लिया था इनसे अब उनको वापस कर दिया ठीक है अब बताना सौ ग्राम पानी जीरो डिग्री सेल्सियस पर क्यू लेफ्ट वापस किया मैंने कहा क्यू लेफ्ट क्या होता है ठीक है चार फोर्टी फोर हंड्रेड कैलोरीज एम एस डेल्टा टी एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी टी कितना आ गया फोर्टी फोर डिग्री सेल्सियस ठीक है जितनी हीट तुमने ली थी वो हीट अप सारी वापस कर दी सेम वही आंसर आया ठीक है जितनी हीट तुमने ली थी वो सारी की सारी वापस कर दी ठीक है सर लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लग गया मैंने कहा अबे अभी तो तेरे को समझा रहा था इसीलिए कितना किया ठीक है अगली बार से क्या करेंगे बस एक बाली एक कहानी बचेगी ठीक है ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि अभी तुझे लग रहा है कि सर कैसे करेंगे क्या करेंगे मैंने कहा अगली बार से जब भी आएगा तो क्या करेगा मैंने कहा सबसे पहले ब्रह्मास्त्र क्या है कन्वर्ट कन्वर्ट एवरीथिंग सभी कुछ को इनटू जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर इक्विवेलेंट वाटर इक्विवेलेंट ठीक है फाइंड जो भी Q लेफ्ट है ठीक है गिव बैक Q लेफ्ट टू एंटायर वाटर इक्विवेलेंट बस मतलब क्या तो फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा Q लेफ्ट इज इक्वल्स टू टोटल वाटर इक्विवेलेंट इनटू स्पेसिफिक हीट वन हो जाएगी इनटू डेल्टा टी टी माइनस जीरो जब तुम जीरो डिग्री के पानी में कन्वर्ट करोगे ना ये कैलकुलेशन बड़ी सुंदर हो जाती है क्योंकि पानी पानी बन गया पानी का स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी टी माइनस तो तुम्हारी कैलकुलेशन फट से हो जाएगी ठीक है तुमको अभी लग रहा है सर इसमें हमने नया क्या सीखा जब जैसे जैसे अब आगे बढ़ूंगा जैसे जैसे मैं कैलोरीमेट्री में आगे की चीजें बताऊंगा तुम देखोगे कन्वर्जन बड़ा आसान हो जाएगा कन्वर्जन ये जो कन्वर्जन है ना ये बड़ा ही आसान हो जाएगा अरे तुम्हें तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी रे ठीक है तुम्हें तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ठीक है तो ये है तुम्हारा ब्रह्मास्र। सवाल करवाता एक सवाल देखना कितनी जल्दी सॉल्व कर पाएगा ठीक है जो सवाल बताता हूं उस पर फोकस कर ठीक है ब्रह्मास्त्र लगाना सिखा रहा हूं तुझे मैं ठीक है देख भाई देखते तुम लोग कितनी जल्दी आंसर निकाल पाते हो अब मैं सारी कहानी बदल देता हूं। ले मेरे पास एक ऑयल है ठीक है हंड्रेड ग्राम ऑयल एट एट्टी डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल है वन बाई फोर कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ठीक है और इसमें मैंने मिक्स किया है लेट से सिक्सटी ग्राम चल ठीक है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव की जगह काम करता हूं फिफ्टी ग्राम वाटर ठीक है, एट टेन डिग्री सेल्सियस ठीक है अब आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है यहां पर आपके पास एक ऑयल है ठीक है यहां पर आपके पास पानी है और अब आपको बताना है फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया आ गया दुष्ट पापी आ गया बदमाश रोंग रोंग चिल्लाने वाला ठीक है स्क्रीन नॉट क्लियर तो अपनी आंखें साफ कर चश्मा गंदा होगा तेरा धूर्थ चल यहां पे ध्यान दे ले क्या बोल रहा है यार अरे यार मतलब दिला देता है चल क्या करना है कन्वर्ट कहा देख जीरो पर क्या है सौ ग्राम ऑयल है मैंने कहा इसको कितने ग्राम पानी में रख सकता हूं मैंने कहा सर मेरा हो जाएगा ये आ, 100 एम इंटू एस यानी कि हंड्रेड इंटू वन बाई फोर यानी कि पच्चीस ग्राम पानी कितने पर है 80 डिग्री पर अब इसको कन्वर्ट करूंगा 25 ग्राम पानी को 0 डिग्री पर तो ठंडा कर रहा हूं तो मुझे मेरे पास हीट मिलेगी तो मेरे पास कितनी हीट मिली सर इसको मिली 25 into so, uh, 25 m into s तो वन ही हो जाएगा m into 80 ठीक है सर इसको भी ठंडा करू तो ऑलरेडी पानी दे रखा है सर कितना है 50 ग्राम पानी 50 into 10 ठीक है टोटल मेरे पास कितनी आ गई 25 uh, 2500 100 25 200 तो 2000 प्लस पांच सौ सर मेरे पास ढाई हजार कैलरी आ गई ठीक है अब बता टोटल पानी कितना है सर टोटल पानी तो मैंने कहा सर पे कितना है पच्चीस ग्राम यहां पर कितना है पचास ग्राम टोटल पचहत्तर ग्राम पानी है ठीक है टोटल वाटर इक्विवेलेंट अब सारा पानी क्या हो गया ये भी जीरो डिग्री सेल्सियस पर ये भी जीरो डिग्री सेल्सियस पर ये क्या कर दिया मैंने पचास ग्राम पानी एट डिग्री सेल्सियस यहां पर क्या किया है पच्चीस ग्राम पानी एट जीरो तो पानी में कन्वर्ट किया पानी का एडवांटेज समझ में आया पानी की स्पेसिफिक हीट वन होती है ठीक है तो एम इंटू एस तो पच्चीस इंटू अस्सी एम इन टू टी तो पच्चीस इंटू सौ पच्चीस इंटू सॉरी पचास इंटू दस टोटल हीट आ गई मैंने कहा अब ये सारी की सारी हीट क्यू लेफ्ट किसके दे बराबर दे दूंगा टोटल मास इंटू एस इंटू डेल्टा टी कैलोरी टोटल मास कितना है 75. S क्या है क्या फाइनल मासनल जीरो का कारण क्या था कैलकुलेशन सुंदर हो जाएगी टी माइनस जीरो आपका टू फाइव डबल जीरो आ गया पंद्रह पांच सौ ठीक है सौ बाई तीन हो गया सॉल्व हो गया सॉल्व क्लियर ठीक है मास हंड्रेड अरे मास कुछ पचहत्तर लिया हंड्रेड लिया मैंने हंड्रेड कहां लिया भाई हंड्रेड ग्राम इंटू वन बाई फोर ट्वेंटी फाइव ग्राम वाटर प्लस पचास ग्राम वाटर टोटल पिचहत्तर ग्राम वाटर सही तो किया है मास हंड्रेड ग्राम फिर से सुन मेरी बात क्या एक ही ब्रह्मास्त्र यह है ब्रह्मास्त्र कन्वर्ट एवरीथिंग कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर इक्विवेलेंट सभी कुछ को सभी कुछ को जीरो डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट कर जीरो डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट कर तो मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने इसको पानी में कन्वर्ट किया ये मेरे पास क्या है सर 100 ग्राम ऑयल है इसका स्पेसिफिक है 1 by 2. तो मुझे पता है पानी का वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है एम इंटू तो हंड्रेड इंटू वन पता चला ये पच्चीस ग्राम पानी के बराबर है और ये पचास ग्राम पानी है ठीक है अब 25 ग्राम पानी को अब अब तो ये ऑयल ऑयल भूल जा अब मत दे कि कितना सौ ग्राम ऑयल है कि 50 ग्राम, पानी है। ग्राम पानी है मैंने कहा भूल जा अब छोड़ गया पच्चीस ग्राम पानी जिसका टेम्परेचर अस्सी है ठीक है अब तू भूल जा कि तेरे पास कभी सौ ग्राम ऑयल था तेरे पास पच्चीस ग्राम पानी है अस्सी पर अब पच्चीस ग्राम पानी को ठंडा किया तो एमएस डेल्टा टी पच्चीस इंटू एस क्या है 1 है. डेल्टा टी क्या है? 80, 25 into 80 हो गया ठीक है. है? पर भी क्या है? 50 into, uh, 10 हो गया. दोनों को ठंडा किया ये टोटल देख बेटा बहुत सिंपल है Ms डेल्टा टी अब एस की वैल्यू वन है इसीलिए नहीं लिख रहा हूं डेल्टा टी सिर्फ अरे जीरो पर करने का फायदा यही है ना अस्सी से जीरो जीरो दस से जीरो सीधा आंसर आ जाएगा ठीक है हाँ भाई यहां तक की बात समझ में आ गई अब जो भी हीट आई वो सारे के सारे टोटल पानी को दे दी तो 25 ग्राम पानी और 50 ग्राम पानी मिलकर के कितना होता है 75 ग्राम पानी टोटल हीट दे दी मुझे फटाफट से बता दे क्या ये ब्रह्मास्त्र अब तुझे चमक रहा है क्या क्या अब तुझे ये बात चमक रही है किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं मुझे फटाफट से बता दे यार अब ये क्या ये ब्रह्मास्त्र पसंद आया हाँ, अब कमेंट कर दे भाई मुझे बता तो दे क्या रेस्पॉन्स है तुम्हारा अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हो मजा आ गया चल सर ब्रेक सर नहीं ब्रेक हुए हैं भाई सर बिल्कुल सही सलामत बिल्कुल साबुत खड़े हैं सर ठीक है ब्रेक मिलेगा नौ बजे स्पीड अप सर जी नहीं बिल्कुल सही स्पीड पे चल रहे हैं ठीक है ना स्पीड अप होंगे ना स्लो डाउन होंगे सही स्पीड पे चलते रहेंगे ठीक है अगला सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है फाइंड फाइनल टेम्परेचर इफ वन थर्टी ग्राम वाटर इज एडेड टू ग्राम लिक्विड एट एटी डिग्री सेल्सियस कैप्ट इन द शोन कंटेनर इस बार कंटेनर दे रखा है कंटेनर दे रखा है ठीक है चल भाई तो कंटेनर दिया हुआ है हम तो ठीक है क्या करें हम्म hmm. आठ बजे कौन सा खाना खाते हो बे? चलो आठ कर लो सर बार्गेनिंग चल रही है <laughs> नहीं भाई आठ नहीं नौ नौ मतलब नौ हो सकता है सवा नौ ठीक है चल यार अब यहां ध्यान दे लेना क्या है 130 ग्राम पानी मैंने ऐड किया है साठ ग्राम लिक्विड है 80 डिग्री सेल्सियस पर स्पेसिफिक हीट है 1 न्यूमेरिकल सॉल्व कर फटाफट से फालतू की बात अब गई ठीक है मैंने कहा सर यहां पर इस कंटेनर में मैंने 60 ग्राम पानी और ऐड किया है ठीक है मैंने कहा सबसे पहले क्या करते हैं ये जो लिक्विड है ना इसको और, इसको पानी में कन्वर्ट कर सिक्सटी इंटू वन कितना बच गया मैंने कहा सर वॉटर इक्वलेंट आ गया बीस ग्राम ठीक है अरे साठ इंटू वन ठीक है तो 20 ग्राम पानी आ गया ठीक है 20 ग्राम पानी यहां पे इसका वाटर इक्वलेंट ही दिया है हीट कैपेसिटी दे, दे वाटर इक्ट ये 50 ग्राम पानी है ठीक है अब मैंने कहा यार एक बात बता 130 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पर है ठंडा कर कितना हीट मिलेगा मेरे पास जो हीट आई है फटाफट से देख मैंने कहा 130 थर्टी एम एस तो वन होता है डेल्टा टी 10 से जीरो हो गया प्लस एम कितना है थर्टी ट्वेंटी ग्राम एस क्या है वन डेल्टा टी अस्सी हो गया मैं बार-बार दिखा रहा हूं, लेकिन अब मैं थोड़ी देर बाद दिखाना बंद कर दूंगा एम एस डेल्टा टी में ये एस का क्या काम है यार ठीक है अस्सी से जीरो पर आ गया ये भी ठंडा हो गया पानी ये कितना है पचास ग्राम इस बार कंटेनर भी लेना है स्पेसिफिक हीट वन हजार ग्राम का कंटेनर किसी मतलब का नहीं है तुमको क्या ध्यान देना है कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट क्या है या कंटेनर की हीट कैपेसिटी ये तो एक्चुअल मास है दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ कंटेनर उससे हमें क्या करना दिस इज द वाटर इक्विवेलेंट हमें तो वाटर इक्विवेलेंट से मतलब है ठीक है हमें तो वाटर इक्विवेलेंट से मतलब है एम एस डेल्टा टी ठीक है इसको कितने पर है अच्छा ये भी अस्सी पर ही होगा अगर कुछ नहीं बोला तो इसका भी टेम्परेचर अस्सी ही है टोटल हीट थर्टीन हंड्रेड प्लस आठ दूनी सोलह सिक्सटीन हंड्रेड प्लस आठ पंजे चालीस चार हजार ठीक है ये आ जाएगा चार हजार पांच हजार ठीक है 6000 हजार छ हजार नौ सौ कैलोरी हीट है मेरे पास ठीक है और टोटल मास कितना है तो टोटल मास Uh, 130 ग्राम पानी प्लस 20 ग्राम पानी प्लस 50 ग्राम पानी तो प, 130 150 200 ग्राम पानी बच गया ठीक है तो फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा क्यू लेफ्ट टोटल मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा ई तो मैंने कहा 6900 नाइन हंड्रेड इजिकल्स टू टोटल मास कितना है 200 और ये पानी है तो पानी का स्पेसिफिक हीट 1 t माइनस जीरो टी की वैल्यू आ गई 69 नाइन बाई टू यानी कितना हो गया 70 बाई दो होता है 35 34.5 डिग्री सेल्सियस और हमने तुरंत आंसर को निकाल लिया है ठीक है हमने तुरंत आंसर को निकाल लिया है समझ में आया है इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस कंटेनर का टेम्परेचर भी वही होगा जो इसका टेम्परेचर होगा ठीक है इसीलिए हमने 80 लिया है क्यों क्योंकि कंटेनर के अंदर पहले ये रखा था बाद में ऊपर से पानी डाला है इसीलिए कंटेनर का टेम्परेचर 80 लिया है बहुत बढ़िया ठीक है अगला सवाल फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर तीन लिक्विड को मिक्स किया ठीक है तीन लिक्विड को मिक्स किया मैं चाहता हूं इस सवाल का जवाब मेरे से पहले तुम लोग दे दो ठीक है मैं नहीं चाहता मैं सवाल का जवाब दूं मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस सवाल का जवाब दे दो बेटा हाँ तो सर 100 ग्राम क्यों दिया है उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया था ना 100 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट था ठीक है अरे इसका हजार ग्राम का इसका एक्चुअल मास था उसका वाटर इक्विवेलेंट साथ में दिया है पचास ग्राम ठीक है हंड्रेड ग्राम कहां दिया है चले आप तो मैंने कहा सबसे पहले चालीस ग्राम स्पेसिफिक हीट वन बाई तो ये दस ग्राम पानी बन गया दस ग्राम पानी एट बीस पर साठ ग्राम वन बाई थ्री सिक्सटी इंटू वन बाई थ्री बीस ग्राम पानी डिग्री सेल्सियस ठीक है अब दस इंटू बीस एम एस डेल्टा टी अब बार बार थोड़ी लिखूंगा बीस ग्राम पानी चालीस से जीरो पर लेकर आया तो बीस इंटू चालीस प्लस बीस ग्राम पानी अस्सी से जीरो पर लेकर आया तो बीस इंटू अस्सी टोटल हीट मेरे पास ये रही और टोटल मास क्या है दस प्लस बीस प्लस बीस ठीक है तो दो सौ प्लस आठ सौ चार दूनी आठ प्लस आठ दूनी सोलह सौ सो, डिवाइडेड बाई पचास तो चौबीस सौ और दो छब्बीस सौ बाई पचास पांच एक पचम पच्चीस एक बचा 5 फिफ्टी टू डिग्री सेल्सियस सवाल तो सॉल्व करने के लिए मेरे को खाली चार लाइन लगी बहुत बढ़िया अनमोल फरीदा जीशान अरे वाह कांजल, टिंटू राज बहुत बढ़िया चल यार समझ में आ गया आसान है मजा आया जुगाड़ पसंद आई ब्रह्मास समझ में आया कि नहीं आया ठीक है सबको जीरो डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करो और फिर सॉल्व करो अच्छा ठीक है पता है इसका फॉर्मूला क्या है ठीक है मैं बस केवल केवल तेरी तसल्ली के लिए फॉर्मूला बता देता हूं टी फाइनल इस तरीके से लिखा जाता है अब बच्चे भूल जाते हैं फॉर्मूला ये फाइनल टेम्परेचर इजिकल्स टू एम वन एस वन टी वन प्लस एम टू एस टू टी टू प्लस ऐसे जितने भी हैं डिवाइडेड बाई एम वन एस वन जितने भी हैं ठीक है ठीके? ये है फाइनल फॉर्मूला टेम्परेचर का मैं कह रहा हूं तुझे जरूरत ही नहीं है हालांकि हम कर वही रहे हैं ठीक है ठीके? लेकिन ये तुझे जरूरत नहीं है सर क्यों जरूरत नहीं है ठीक है मत याद करना इसीलिए जरूरत नहीं है अभी थोड़ी देर में स्टेट चेंज आने वाला है कि आइस मेल्ट होगी पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा वहां पर फिर ये फॉर्मले काम नहीं आते हैं वहां पर मेरा ब्रह्मास्त्र ही काम आएगा ठीक है वहां पर तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में ना फॉर्मले बहुत लिमिटेड है ठीक है तो मैं नहीं चाहता अननेसेसरी तू फॉर्मला याद करे फिर तू बाद में कंफ्यूज हो जाए ठीक है तो ऐसे ही काम चला अब कई बार इक्विवेलेंट वाटर कैपेसिटी पूछ लेता है ठीक है इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी तो मैंने कहा यार सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूं इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा एम वन एस वन एम टू एस टू जितने भी हैं डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस जितना भी मास है दिस इज इक्विवेलेंट वाटर कैपेसिटी इक्विवेलेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसमें कोई दिक्कत यह है इक्वलेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है एस इक्लेंट एम इंटू एस इक्वलेंट डेल्टा टी एम वन एस वन डेल्टा टी एम टू एस टू डेल्टा टी सबको बराबर कर दो तो ये सेम आएगा ठीक है तो दिस इज द इक्वलेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी मिक्सर कभी पूछ ले ठीक है अलग अलग मिक्सचर बना करके ठीक है सर इलेवेंथ वाले बच्चे देख सकते हैं क्या बिल्कुल देख सकते हैं भाई ठीक है जैसा कि वादा किया गया था जीरो से लेकर के हीरो ठीक है बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के सभी सवालों को सॉल्व करवाया जाएगा तो आप शायद देख रहे होंगे मैं बहुत ही बेसिक से उठाया है ठीक है अब धीमे धीमे एडवांस की तरफ अभी मेंस पे आ रहे हैं ठीक है बस चल भाई लेटेंट हीट अब जरा देखेगा हमने देखा था कि यार लेटेंट हीट क्या होता है अब बेसिकली हमने अभी तक सिर्फ चीज़ों को गर्म करना सीखा है ठीक है लेकिन जब मैं किसी आइस को गर्म करता हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल आइस है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस पर तो आइस जो है वो पहले जीरो पर जाती है और जीरो पर उसका स्टेट चेंज होने लगता है ठीक है तो लेटेंट हीट बेसिकली दो टाइप की होती है ठीक है अगर हम बात करें तो लेटेंट हीट हालांकि वैसे तीन टाइप की होती है सब्लिमेशन भी होती है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है ठीक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ठीक है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है किसी भी बॉडी को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो भी हीट चाहिए ठीक है और लिक्विड से गैस में जब आप कन्वर्ट करते हो तो जो हीट लगती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ठीक है अब जरा ध्यान दीजिएगा अगर एक ग्राम को मेल्ट करने के लिए एक ग्राम सॉलिड को एक ग्राम लिक्विड करने के लिए आपको हीट चाहिए लेटेस्ट से एल फ्यूजन वाली ठीक है तो एम ग्राम को ठीक है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मतलब क्या मैंने कहा पर मेरे पास क्या है मास है, है? मास ठीक ग्राम को मेल्ट करने के लिए एल चाहिए तो एम ग्राम को मेल्ट करने के लिए कितनी चाहिए होगी एम इन टू एल तो जो आपकी हीट आ गई है एम इंटू लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन ठीक है ये है आपकी फॉर्मूला ठीक है पानी के लिए पानी के लिए ऑफ़ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम एक ग्राम पानी को मेल्ट करने के लिए एक ग्राम पानी को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट की जरूरत होती है एक ग्राम पानी को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट की जरूरत होती है ठीक है तो कुछ और याद रहे या ना रहे ये दोनों बातें याद रखना ठीक है लेट एंड ऑफ फ्यूजन क्या है एक ग्राम आइस को एक ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए एक ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम कहते हैं लेट एंड ऑफ फ्यूजन ठीक है अब हीट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है एक ग्राम मास को वेपराइज करने के लिए जो हीट चाहिए इसको हम कह रहे हैं लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन तो एम ग्राम को कितनी चाहिए होगी एम इन टू एल ठीक है तो फॉर्मूला अब दोनों के लिए एम एल ही है ठीक है और लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन और स्टीम सॉरी फॉर वाटर कितनी है 540 कैलोरी पर ग्राम ठीक है ये वो डेटा है जो आपको याद रखना है एक ग्राम पानी को स्टीम में बनाने के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए होती है आखिर अब ये हीट क्यों चाहिए होती है ठीक है उसका रीजन है कि जब एक बॉडी सॉलिड से लिक्विड में जाती है तो बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड में तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फिक्स हैं ठीक है लिक्विड में मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं तो उन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ रही है ठीक है अब उस काइनेटिक एनर्जी को देने के लिए बेसिकली वो क्या है इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है ठीक है तो वहां पर आपको ये हीट लगती है मतलब क्या है ये जो हीट है इसकी स्टेट की इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स की खुद की काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो चाहिए गैसेस के लिए कंपेरेटिवली काफी ज्यादा चाहिए क्यों लिक्विड में मॉलिक्यूल्स फिर भी कंपैरेटिवली पास पास होते हैं लेकिन गैसेस में एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से रिश्ता ही खत्म हो जाता है तो सिंस मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर चले जाते हैं तो उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो आपके वॉन्डर फोर्स होते हैं जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है उनको तोड़ना पड़ता है और उसको तोड़ने के लिए कुछ हीट की जरूरत पड़ती है तो कहने का मतलब यह है ये सारी की सारी जो हीट दे रहा हूं ना इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रही है ठीक है मतलब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टेट चेंज में खर्च हो रही है ठीक है इसको आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा बेटर फील होगा ठीक है सवाल है फाइंड हीट रिक्वायर रिक्वाय टू रेस टेम्परेचर ऑफ बीस ग्राम आइस फ्रॉम माइनस टेन टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है तो यहां पर क्या है बीस ग्राम आइस का टेम्परेचर बीस ग्राम आइस का टेम्परेचर माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक आपको बढ़ाना है ठीक है 20 ग्राम आइस का टेम्परेचर माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक आपको इंक्रीज करना है तो कहा सबसे पहले मेरे पास क्या है सर हमारे पास है बीस ग्राम आइस कितने टेम्परेचर पर है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस पर ठीक है अब इसको मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि सर बीस ग्राम आइस को सीधा सीधा मैं माइनस टेन से एक सौ चालीस से पहुंचा दूं नहीं पहले मैं इसको आइस को हीट दूंगा सोचना आपके पास एक कंटेनर है ठीक है इस कंटेनर के अंदर एक आइस है आइस में यहां पर मॉलिक्यूल्स कैसे हैं फिक्स हैं ये मॉलिक्यूल फिक्स हैं जब आप इसको हीट देंगे तो ये हीट क्या करेगी सबसे पहले तो इसका आइस का टेम्परेचर बढ़ाएगी ठीक है धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ेगा फिर ये क्या होगा ये आइस धीमे धीमे इधर से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी मतलब ये मॉलिक्यूल इधर उधर भागना शुरू हो जाएंगे और जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती ये क्या होगा इसका टेम्परेचर लगातार चल भाई देखना ठीक है चल तो मैंने कहा बीस ग्राम आइस सबसे पहले क्या करूंगा बीस ग्राम आइस का मैं बीस ग्राम आइस ही बनाऊंगा लेकिन जीरो डिग्री सेल्सियस पर ठीक है तो यहां पर क्या लगेगा सर यहां पर हमको कुछ हीट लगेगी कितनी हीट लगेगी मैंने कहा यहां को हीट लगेगी q1 इतना होता है ms डेल्टा t m कितना है सर 20 ग्राम है स्पेसिफिक हीट क्या होता है आइस का 1/2 डेल्टा t है 10 तो भाई ऐसा है 10 10 100 कैलोरी हीट यहां पर लग गई ठीक है मेरी यहां पर कितनी हीट लग गई है 100 कैलोरी हीट लग गई है ठीक है अब क्या करेंगे अब सर आइस जो है वो मेल्ट होगी तो 20 ग्राम आइस कितने पर बनेगी ग्राम वाटर में कन्वर्ट होगी लेकिन इसका टेम्परेचर भी जीरो डिग्री सेल्सियस ही रहेगा ठीक है आइस जो मेल्ट होगी वो पानी में कन्वर्ट होगी और उसका टेम्परेचर भी सेम ही रहेगा तो अब यहां पर फिर से कुछ हीट जाएगी ठीक है कितनी हीट जाएगी Q2 क्या हो जाएगा M इंटू एल एक ग्राम आइस मेल्ट होने के लिए 80 कैलोरी चाहिए होती थी 20 ग्राम आइस मेल्ट होने के लिए 1600 कैलोरी हीट चाहिए आप देख पा रहे हो टेम्परेचर बढ़ाने से कई गुना ज्यादा हीट आपको आइस को मेल्ट और आइस को आ, मेल्ट करने में लगती है ठीक है तो वाटर को वेपराइज करने में लगेगी चल भाई अगला अब 20 ग्राम पानी है जो कि गर्म होगा अभी तो स्टीम बनेगा तो पहले हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाता हूं तो एक हीट यहां पर और जाएगी ठीक है Q3 MS डेल्टा T 20 पानी का स्पेसिफिक हीट वन डेल्टा T हो गया 100 दो हजार कैलोरी हीट यहां खर्च हो गई ठीक है अब क्या होगा भाई 20 ग्राम पानी से हम बन जाएंगे 20 ग्राम स्टीम लेकिन वो स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहने वाली है ठीक है तो फिर से हीट लगेगी इस बार Q4 बोल देता हूं इसको, कितनी हो जाएगी m इन टू एल ठीक है यहां पर फ्यूजन की लगी है यहां पर वेपराइजेशन 20 इंटू फाइव फोर्टी चार दूनी आठ पांच दूनी दस दस हजार आठ सौ कैलोरी हीट लग गई ठीक है अच्छी खासी हीट लग गई अगला अब इसको कन्वर्ट करोगे 20 ग्राम स्टीम में एट 140 डिग्री सेल्सियस और अब यहां पर फिर से आखिरी हीट दूंगा विच इज Q5। ठीक है कितनी हो जाएगी MS डेल्टा टी बीस इंटू स्टीम का स्पेसिफिक हीट वन बाई टू डेल्टा टी है चालीस दस इंटू चार सौ कैलोरी यहां लग गई ठीक है तो टोटल हीट कितनी लगेगी अब इन सबको ऐड करो तो so, Q टोटल Q1 वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर प्लस क्यू फाइव ठीक है कितनी सौ प्लस सत्रह सौ सत्रह सौ और थर्टी सेवन हंड्रेड थर्टी सेवन हंड्रेड और फोर हंड्रेड कितना हो गया फोर्टी वन हंड्रेड 4100 और 4900 14900 कैलोरी अगर मैंने कैलकुलेशन सही करी है तो ठीक है 14900 कैलोरी अगर कैलकुलेशन गड़बड़ है तो भाई तुम लोग देख लेना सही कर लेना ठीक है मुझे लगता नहीं कि ऐसा है लेकिन अगर है तो देख लेना ठीक है इस तरीके से टोटल हीट लगती है आप में से काफी सारे बच्चों ने शुरुआत का या एंड के कहीं ना कहीं कोई, कोई ना कोई पार्ट मिस किया था शुरू शुरू में जब आप सॉल्व कर रहे थे ना आप में से काफी सारे बच्चों ने जल्दी में एक ना एक स्टेप मिस कर दिया हाँ आ, आ गया सही बहुत बढ़िया सौरभ वेदांत बहुत बढ़िया संतोष शिवम ठीक है तो बेसिकली क्या किया पहले आइस को गर्म किया आइस जीरो डिग्री पर लाया फिर आइस को मेल्ट कराया फिर आइस को पा, फिर पानी को गर्म किया हंड्रेड पर लाया फिर पानी को वेपराइज किया फिर पानी को फिर स्टीम को बढ़ा दिया ठीक है अब अगर इसी का मैं टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करता हूं जरा ध्यान दीजिएगा ठीक है मैं इसी यहां पर अब टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं ठीक है तो मेरा वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में और एक्स एक्सिस पर लेटेस्ट से मैंने बना दिया है हीट ठीक है अब कई बार हीट का ग्राफ बना देते हैं कई बार लोग टाइम का ग्राफ बना देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो जरा देखिएगा इनिशियली क्या था इनिशियली आपकी आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा था ठीक है इनिशियल टेम्परेचर क्या था आपका आपका इनिशियल टेम्परेचर था माइनस टेन डिग्री सेल्सियस फिर आप कहां पहुंचे जीरो माइनस टेन से आप कहां पहुंचे जीरो डिग्री सेल्सियस पर अब जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है आपके आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता पूरी आइस पहले मेल्ट होगी तब जाके टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर आपके पास क्या था यहां पर सर हमारे पास सिर्फ आइस थी ठीक है यहां पर क्या है मेरे पास आइस है और वाटर का मिक्सचर है और एक बार पूरी आइस मेल्ट हो गई इसके बाद आपका टेम्परेचर बढ़ेगा ठीक है कुछ इस तरीके से कब तक बढ़ता रहेगा जब तक ये फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता ठीक है और जैसे ही 100 पहुंचा फिर से टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा ठीक है और फिर से एक बार पूरा जब मेल्ट हो चुका होगा उसके बाद फिर से ये टेम्परेचर बढ़ेगा ठीक है ध्यान से देखिएगा एक रीजन है कि यहां पर मैं हर जगह इस चीज को बहुत स्पेसिफिकली लिख रहा हूं ठीक है चल भाई टेम्परेचर ऑफ वॉटर डज नॉट चेंज टिलर आइस इज मेल्टेड जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक टेम्परेचर आइस का वॉटर uh, का चेंज नहीं होता है पहली चीज तो यह है ठीक है दूसरी चीज अगर आप इस ग्राफ पर थोड़ा नोटिस करना तो यहां का ग्राफ काफी स्टीप बनाया है मैंने और यहां का ग्राफ काफी स्लोप हॉर्जोटल कर रखी है और फिर से मैंने यहां पर स्टीप बनाया है इसका रीजन क्या है मैंने कहा ग्राफ किसका है टेम्परेचर का और क्यू का तो मैंने कहा क्यू इजिकल्स टू एम एस डेल्टा टी यहां पर ये मेरा क्या है दिस इज माई वाई एक्सिस और ये क्या है एक्स है तो मैं इसको लिख सकता हूं वाई टू x अपॉन एम इंटू एस जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा आपका स्लोप उतना कम हो जाएगा तो टेन थीटा कितना हो जाएगा थीटा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा तो स्लोप कम हो जाएगा ठीक है स्लोप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा आपका स्लोप उतना कम होगा इसीलिए पानी का टेंजेंट यहां पे मैंने ऐसा बनाया है ठीक है क्यों पानी ज्यादा हीट लेगा ना पानी एक अच्छा कूलेंट था पानी ज्यादा हीट लेगा तो एक्स एक्सिस की तरफ झुक जाएगा ठीक है आइस जल्दी जल्दी गर्म होगी तो टेंपरेचर जल्दी जल्दी राइज हो रहा है स्टीम भी जल्दी जल्दी गर्म होगी स्टीम का भी टेंपरेचर जल्दी जल्दी राइज हो रहा है ठीक है और इसके हिसाब से जरा देखेगा अगर अगर इस वा, इस वाली लाइन का स्लोप क्या है जीरो तो इस वाले केस में अगर टेन थीटा जीरो है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी इनफिनिटी यानी कि यहां पर स्पेसिफिक स्पेसिफिक दोनों का स्पेसिफिक आपका क्या होता है इनफाइनाइट होता है सर क्यों इनफाइनाइट होता है मैंने कहा इमेजिन कर स्पेसिफिक हीट का मैंने तुझे बहुत प्रैक्टिकल मतलब बताया है. क्या होता है एक ग्राम पानी का एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट चाहिए ठीक है तेरी यहां पर एक ग्राम पानी में एक डिग्री बढ़ाने के लिए आधा कैलोरी चाहिए मैंने कहा अब आइस मेल्ट होना शुरू हो गई ठीक है जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा तो क्या लग रहा है तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सिंस टेम्परेचर डेल्टा टी जीरो है सर हमें पता है एस क्या होता है क्यू अपॉन एम डेल्टा टी सर मैं हीट दिए जा रहा हूं दिए जा रहा हूं दिए जा रहा हूं और सर टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा तो मुझे क्या लगेगा एक ग्राम का एक डिग्री बढ़ाने के लिए सर इनफाइनाइट हीट चाहिए होगी तभी तो ऐसा फील होगा ना क्यों जब मैं टेम्परेचर दिए मैं हीट दिए जा रहा हूं दिए जा रहा हूं दिए जा रहा हूं बॉडी का टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा है तो क्या लगेगा सर एक ग्राम का एक डिग्री बढ़ाने के लिए इनफाइनाइट हीट चाहिए तो जब जब मिक्सचर होगा स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या लगेगी इनफाइनाइट लगेगी ठीक है क्लियर है तो डेल्टा t जीरो हो गया अब डेल्टा t जीरो हो गया तो स्पेसिफिक इनफाइनाइट हो गई ठीक चल भाई ये था आपका चेंज इन स्टेट जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर अब बता दे भाई ओहो हो हो इतने सारे हार्ट्स आ रहे हैं ना दिल गदगद -गद हो गया मेरा है ये बकरे क्यों आ रहे हैं बकरे सांप कछुए स्नेल पता नहीं तुम लोग क्या क्या बनाए जा रहे हो ठीक यहां तक की बात क्लियर हाँ तो मैं भी बकरे को इंग्लिश में गोट ही बोलते हैं इतनी अंग्रेजी मेरे को भी आती है वाओ जस्ट लाइक अ चल भाई ओहो हो अच्छा थैंक यू थैंक यू फॉर दिस ऑनर uh, बट मैं इस लाइक नहीं हूं ठीक है चल भाई बहुत बड़े बड़े लोग हैं ठीक है पढ़ने पे ध्यान दे ले बाकी सब दुनिया सब दुनियादारी है हमें सब चीजों के चक्कर में नहीं पढ़ना है ठीक है uh, चल यार तो यहाँ तक की बात मैं तुझे को एक एक बातें समझा चुका हूँ बहुत डिटेल में बेटा मैंने बात करी है और मैं हर चीज को बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका रीजन तुझे समझ ले मैंने सिर्फ ये बोला है कि स्टेट चेंज ऐसा नहीं होता ये एब्रप्ट प्रोसेस नहीं होती है ठीक है आप क्या है पहले सॉलिड से लिक्विड जाएगा फिर लिक्विड पहले सॉलिड का टेम्परेचर जीरो पर आएगा फिर सॉलिड से लिक्विड जाएगा फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा फिर लिक्विड स्टीम में आएगा हर प्रोसेस में मुझे हीट देनी पड़ती है अरे भाई बहुत अच्छे थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ठीक है चल भाई ब्रेक नौ बजे ही मिलेगा ब्रेक पहले नहीं मिलेगा इससे ठीक है तो अगर तू ये सोच रहा हो कि ब्रेक जल्दी मिल जाएगा नहीं ठीक ये इसका ग्राफ अब शुरू करते हैं आइस वाटर मिक्सचर। आइस वाटर मिक्सचर, ठीक है ब्रह्मास्त्र याद है ना देख ऐसे सवालों में ऐसे सवालों में बच्चे बड़े परेशान होते हैं ठीक है तुझे अगर मेरा ब्रह्मास्त्र याद है तो तू झट से सवाल सॉल्व कर देगा ठीक है क्या करना होता है आइस वाटर मिक्सचर में आपको एक में आइस देगा मिक्सचर पानी देगा ठीक है और पूछ लेगा बेटा फाइनल टेम्परेचर बता दे बेटा फाइनल कॉम्पोजिशन बता दे बेटा कुछ भी बता दे तू ठीक है ऐसा कुछ कुछ पूछ लेगा कि आइस देगा पानी देगा मतलब कुछ भी ऐसे ठीक है तो फाइनल टेम्परेचर बताना है ठीक है दिस इज योर आइस दिस इज योर वाटर ठीक है कुछ टेम्परेचर पर ठीक है आपको बताना है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ठीक है चल एक और कहानी सुनाता हूँ ठीक है एक और कहानी सुनाता हूं तो ऐसा था भाई कि एक बच्चे का बर्थडे था ठीक है और उस बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं जो है अपने सारे दोस्तों को पिक्चर दिखाना चाहता हूं ठीक है तो डिसाइड कर लिया बर्थडे पर पिक्चर मूवी देखने जाना है ठीक है तो उसने डिसाइड किया कि ऐसा है कि मेरे पास मेरे उसने पहले दोस्तों की लिस्ट बनाई ठीक है कितने दोस्त हैं तो उसने कहा बीस दोस्त हैं मेरे ऐसे जिनको मैं मूवी दिखाना चाहता हूं तो ट्वेंटी नंबर ऑफ फ्रेंड्स नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं सर ट्वेंटी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं मूवी दिखाना चाहता हूं ठीक है उसने कहा ठीक है बच्चे बोल रहे कौन सी मूवी कौन सी मूवी सवाल बड़ा अच्छा है ठीक है लोग बता दो कौन सी मूवी एनिमल देखोगे ओहोहो मैं क्या बोलूं अब तुम्हारी चॉइस पे मैं ठीक है दाद देता हूं चलो भाई ठीक है अब कॉस्ट ऑफ वन टिकट देखते हैं तुम लोग कैलकुलेशन कितनी अच्छी है एक टिकट की कॉस्ट है लेटेस्ट से अस्सी रुपए ठीक है पिक्चर दिखाना चाहता हूं एक टिकट की कॉस्ट कितनी है अस्सी रुपए ठीक है अब अगर एक टिकट की कीमत अस्सी रुपए है तो टोटल मनी रिक्वायर्ड कितनी है बीस इंटू अस्सी पर सोलह सौ सो रुपए की जरूरत है ठीक है सोलह सौ सो रुपए की जरूरत है मैंने कहा ठीक है पापा ने कितने रुपए दिए तो भाई पापा ने अभी गिन सोलह सौ सो रुपए दिए ठीक है तुमने पापा से मांगा तुमने कहा कि सर आ, पापा मेरे को अपने बर्थडे मेरा कल बर्थडे आ रहा है कि मुझे दोस्तों को पिक्चर दिखानी है ठीक है पैसे दे दो तो पापा ने कहा हाँ बेटा कोई बात नहीं एंजॉय कर जा सोलह सौ सो रुपए दे दिए ठीक है तो देख के सोलह सौ रुपए मुंह तर गया तो पापा को भी पता है पिक्चर कितने की आती है ठीक है तो सोलह सौ रुपए की टिकट सोलह सौ रुपए की पापा ने रुपए दिए तो कितने दोस्त पिक्चर देखेंगे पूरे के पूरे बीस दोस्त ठीक है पूरे के पूरे बीस दोस्त पिक्चर देख लेंगे मतलब पापा ने बिल्कुल गिन के रुपए दिए थे मैंने कहा ठीक है चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब अगला सीन सुनो भाई ये था कहानी का पहला सीन ठीक है अब आते हैं कहानी के दूसरे अध्याय पर ठीक है तो बीसी दोस्त हैं ठीक है पार्टी करनी है अभी भी दो पिक्चर देखने जानी है बर्थडे पार्टी अभी भी सेलिब्रेशन है ठीक है अब तुमने कहा कि सोलह सौ रुपए की जरूरत है ठीक है और इस बार इस बार पापा ने रुपए दिए तुमको आठ सौ ठीक है पापा ने रुपए दिए आठ सौ सोलह सौ रुपए की जरूरत थी पापा ने कितने दिए आठ सौ ठीक है मतलब क्या किल्लत हो गई ठीक है अरे वाह संतोष बहुत अच्छे एक बच्चा पहले ही संतोष बोल रहे हैं दस लोगों को धोखा दे दो ठीक है मतलब क्या भैया बीस दोस्त तो किसी के नहीं होते ये तो तुमको भी पता है बीस दोस्त मतलब भीड़ होती है सच्चाई नहीं है दोस्त असली कितने होते हैं तो अब तुम दस लोग चुनोगे ऑब्वियसली बात है नौ दोस्त चुनोगे अबे दस खुद भी नहीं जाओगे बैठोगे क्या ठीक है तो क्या होगा मैंने कहा रुपए कुछ कम पड़ गए है ना सिर्फ तो या तो ऐसे सोच लो कि आठ सौ रुपए में आठ सौ रुपए में कितने दोस्त पिक्चर देखेंगे जितने दोस्त पिक्चर देखेंगे बाकी बचे हुए दोस्त बाहर बैठेंगे या मैं ऐसा सोचूं कि कितने रुपए कम पड़ गए ठीक है तो मैंने कहा सोलह सौ की जरूरत थी आठ सौ पापा ने दिए तो सर आठ सौ रुपए की कमी छा रही है मेरे पर ठीक है तो एक टिकट की कीमत कितनी थी आठ सौ रुपए ठीक है तो आठ सौ रुपए में कितने टिकट आती दस टिकट तो दस दोस्त पिक्चर नहीं देख पाए होंगे, ठीक है तो कितने दोस्त पिक्चर नहीं देख पाएंगे कितने दोस्त पिक्चर नहीं देख पाएंगे तो तुमने कहा सर जितने रुपए कम पड़े मतलब क्या आठ सौ रुपए कम पड़े एक टिकट की कीमत थी अस्सी रुपए तो सर दस दोस्त नहीं देख पाएंगे और कितने दोस्त पिक्चर देखेंगे तो या तो आप लिख लो सर जितने रुपए मिले हैं आठ सौ रुपए मिले हैं ठीक है ठीके? और एक के टिकट की कीमत है अस्सी रुपए तो दस ही दोस्त देख लेंगे या आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे बीस माइनस दस ठीक है ध्यान देना मैं कलर स्पेसिफिक बातें कर रहा हूं मैं हमेशा मैं हर चीज को कलर कर रहा हूं क्यों जितने रुपए पापा ने दिए ठीक है उसको मैं रेड से लिख रहा हूं जितने रुपए की कमी पड़ी उसको मैं ब्लू से लिख रहा हूं तो जितने रुपए की कमी पड़ी उतने दोस्त पिक्चर नहीं देख पाएंगे अब एक बात बताओ ठीक है अब एक बात बताओ क्या क्या ऐसा सीन हो सकता है क्या कि अगर अगर दस दोस्त पे बाहर सिनेमा हॉल के बाहर खड़े हैं तो क्या तुम अंदर पॉपकॉर्न मंगाओगे क्या भैया पॉपकॉर्न तो खाना बनता है ना कैसा करोगे अबे बाहर दस दोस्त तेरे पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं ठीक है तो ऐसे केस में ऐसे केस में पिक्चर नहीं देख पाएंगे ठीक है पॉपकॉर्न नहीं खाएंगे मतलब पार्टी वार्टी बस खाली पिक्चर देखोगे पॉपकॉर्न नहीं खाओगे ठीक है अब अगला केस ठीक है इस बार पापा ने दिलदारी दिखा दी ठीक है इस बार तुमने फिर से डिसाइड किया पिक्चर देखनी है लेकिन इस बार पापा ने तुम्हें दिलदारी दिखाई ठीक है तो कितने रुपए की जरूरत थी सोलह सौ रुपए की ठीक है तुमने क्या डिसाइड किया पापा ने जो रुपए दिए वो कितने दिए पापा ने दिए तुम्हें दो हजार का कड़कड़ाता हुआ नोट जा बेटा ऐश कर, ठीक है पापा ने दिए दो हजार रुपए बहुत बढ़िया पापा बिल्कुल आज तो दिलेर हो गए बिल्कुल मतलब ठीक है तो पापा ने दो हजार रुपए दिए ठीक है, बता भाई रुपए कम पड़े एक्स्ट्रा मिल गए ठीक है इस बार एक्स्ट्रा मिले कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले सर 2000 माइनस सोलह सौ दो, सो। दो रुपए की टिकट थी पापा ने दिए सोलह सौ रुपए टिकट में खर्च हो गए सर इस बार हमारे पास चार सौ रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं ठीक है चार सौ रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं क्या करोगे चार सौ रुपए का पापा को वापस दे के आओगे पापा पार्टी हो गई लो आपके चार सौ रुपए बच गए वापस ले लो। जिंदगी में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने पैसे वापस किए होंगे क्या करते हैं पापा ने एक्स्ट्रा रुपए दिए पापा वो तो खर्च हो गए 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 वो तो उड़ गए ठीक है मतलब क्या इस बार जितने रुपए बचे वो तुम्हारे क्या हो गए पापा उसके तो हम पॉपकॉर्न खा गए चार सौ रुपए बचे थे तो चार सौ रुपए के पॉपकॉर्न खा गए तो कितने दोस्त पिक्चर नहीं दे पाएंगे ये तो सीन ही नहीं बनेगा इस बार है ना सारे दोस्त पिक्चर देख पाएंगे ठीक है कितने दोस्त पिक्चर देखेंगे तो मैंने कहा सारे के सारे जब रुपए बच गए फिर क्या टेंशन है ठीक है सारे और पार्टी के लिए रुपए पार्टी के लिए एक्स्ट्रा रुपए ठीक है तो ये कितने हैं भैया चार सौ रुपए जो बच गए उसकी तुम पार्टी करोगे उसके तुम पॉपकॉर्न खाओगे कोल्ड ड्रिंक पियोगे ठीक है कहने का मतलब ये है कि ये तीसरा केस था ठीक है ये तीनों केस समझ में आ गए अब देख भाई ठीक है तेरे पास सीन देख एक कंटेनर है ठीक है इस कंटेनर के अंदर कुछ आइस रखी हुई है ठीक है कितने ग्राम आइस है नोटिस करना यहां पर 20 ग्राम आइस है कितने पर जीरो डिग्री सेल्सियस पर ठीक है यहां पर मेरे पास कुछ पानी है कितने ग्राम पानी है ठीक है लेटेस्ट से मैंने कहा 40 ग्राम पानी है ठीक है कितने पर चालीस डिग्री सेल्सियस पर ठीक है चालीस ग्राम पानी है चालीस डिग्री सेल्सियस पर ठीक यहां तक की बात समझ में आई मैंने पहला ब्रह्मास्त्र जी क्या बताया था सर पहला ब्रह्मास्त्र बताया था कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू जीरो डिग्री सेल्सियस पानी जीरो डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट कर लो तो मैंने कहा सर कितनी हीट बचेगी मेरे पास मैंने कहा एक बात बता ये पानी ठंडा होगा तभी तो जीरो में कन्वर्ट होगा तो मिल जाएगा जीरो डिग्री है, लेकिन जीरो डिग्री में आइस है जीरो डिग्री पर आइस है क्या ये जीरो डिग्री का पानी है नहीं मैंने क्या बोला था कन्वर्ट एवरीथिंग इंटू जीरो डिग्री सेल्सियस का पानी तो भैया एक ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए अस्सी कैलोरी चाहिए थी मूवी की टिकट भी कितने की थी अस्सी रुपए की ठीक है पिक्चर कितने की थी अस्सी रुपए की बीस दोस्त यानी कि ग्राम आइस तो कितनी हीट चाहिए मैंने कहा सर 20 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 20 ग्राम आइस को मैं एक ग्राम को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी चाहिए थी सर 20 ग्राम को मेल्ट करने के लिए 20 इंटू अस्सी चाहिए था मतलब सर 1600 कैलोरी हीट चाहिए थी सर जितनी हीट इसने दी जितनी हीट इसने दी वो सारी की सारी हीट खर्च हो गई कन्वर्ट एवरीथिंग कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर इक्विवेलेंट ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने इस चालीस ग्राम इसने दिया ये पापा है भाई इनने रुपए दिए और इनने गिन के रुपए दिए तो बता क्या हुआ सर क्या मेरे पास कुछ हीट बची टोटल हीट लेफ्ट कितनी हो गई जीरो कैलरी। बंदर यानी कि तुम तुम्हारे पास कुछ हीट बची तुमने इससे हीट हीट ली तुमने इससे हीट ली और इसको देनी पड़ गई ठीक है पहले तो दोनों से ले लेते थे मिक्सर में याद है दोनों से अरे ला ना मैं बंटवारा करता हूं तो पहले तो दोनों से ले लेते थे लेकिन इस बार इससे इसको ठंडा किया भैया तू शांत हो जा तू इतना भी इतना कूल क्या है बे थोड़ा सा मेरे से ले, ले। तू तो जीरो के पानी तो बन पहले तो मैंने कहा पानी को इसको मेरे को दी ठीक है तो भैया मेरे पास क्या बची जीरो निल बटे सन्नाटा तो पता क्या हुआ अब सर सारे दोस्तों ने पिक्चर देख ली मतलब एंटायर आइस हैज मेल्टेड तो ये कौन सा केस हो गया ठीक है एंटायर आइस जस्ट मेल्टेड ये सारी की सारी आइस बस अभी मेल्ट हुई हुई है बस फ्रेश मेल्ट हुई है बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है तो फाइनल टें बताना क्या होगा क्या आप तुम पार्टी करोगे अरे सर फाइनल टेम्परेचर जीरो पार्टी करने लायक रुपए ही कहां बचे पापा ने गिन के रुपए दिए सोलह सो सोलह सो लैसो की पिक्चर लग गई ये आइस को मेल्ट कराने में खर्च हो गए ठीक है तो क्या हो गया सर जस्ट मेल्ट हो गया तो फाइनल टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कॉम्पोजिशन ठीक पहला सवाल सेम वही अब देख अगला केस ठीक है इस बार इस बार चालीस ग्राम पानी लेकिन कितने डिग्री सेल्सियस पर था लेटस से तीस डिग्री सेल्सियस पर था इस बार पानी डिग्री सेल्सियस पर था मैं जो जो बता रहा हूं उसको एक एक बात को ध्यान से सुन लेना बेटा तेरे सवाल सॉल्व हो जाएंगे तुझे फॉर्मुले रटने नहीं पड़ेंगे इसमें नहीं तो बहुत सारे केसेस बना बना के सिखाया जाता है कि ये होगा तो ये होगा ये होगा तो ये होगा अभी कुछ नहीं दिमाग लगाना ठीक है मैंने कहा आप देख बता तुझे हीट कितनी चाहिए थी सर चालीस ग्राम ने कितना दिया चालीस ग्राम ने दिया सर बारह सौ चालीस इंटू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी सर 1200 कैलोरी इसने दी है ठीक है जिसमें से सर आइस को मेल्ट करने में 20 इंटू अस्सी सोलह कैलोरी लग गया मेरा तो मेरे पास हीट कितनी बची माइनस चार कैलोरी बोल यार 400 कैलोरी की मेरे पास एक्सेस है चार सौ रुपए कम पड़ गए इस बार चार सौ रुपए क्या हुआ इस बार चार सौ रुपए कम पड़ गए और बेटा अगर 400 सौ नेगेटिव है माइनस साइन देख लेफ्ट नहीं है चार सौ रुपए की कमी पड़ गई बेटा तो मतलब क्या हुआ पापा ने उतने रुपए भी नहीं दिए थे सेकंड केस देख पापा ने कितने दिए थे इस बार आठ सौ मैंने इस बार बारह मैंने और थोड़ा दिलेरी दिखा दी मैंने बारह सौ दे दिए ठीक है अगर बारह सौ रुपए दे दिए तो भैया चार सौ रुपए की कमी पड़ गई ना चार सौ रुपए कम पड़ गए कि नहीं पड़ गए ठीक है तो ये क्या हो गया क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता चार सौ रुपए कम पड़ गए ठीक है और अगर चार सौ रुपए कम पड़ गए बताना एक ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए अस्सी रुपए चाहिए थे एक, एक इंसान को पिक्चर देखने के लिए अस्सी रुपए चाहिए थे चार सौ रुपए की पिक्चर चार सौ रुपए कम पड़ गए मतलब कितने लोग पिक्चर नहीं देख पाए होंगे ठीक है कितनी आइस बची होगी अमाउंट ऑफ आइस लेफ्ट क्या हो जाएगा मैंने कहा सर जितने रुपए कम पड़ गए डिवाइडेड बाई एक पिक्चर की कीमत सर पांच ग्राम आइस बच गई मतलब क्या पांच ग्राम आइस बच गई मतलब पंद्रह ग्राम आइस मेल्ट हो चुकी होगी ठीक है अमाउंट ऑफ सर पंद्रह पंद्रह प्लस चालीस पंद्रह ग्राम मेल्ट हो गया प्लस चालीस पचपन ग्राम पचपन ग्राम पानी हो गया अब कोई बोले फाइनल टेम्परेचर कितना होगा मैंने कहा भाई फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का हमेशा क्या रहता है जीरो डिग्री सेल्सियस जब पूरी आइस मेल्ट ही नहीं हुई तो क्या कभी फाइनल टेम्परेचर आ सकता है फाइनल टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस क्लियर है ठीक है तो पांच जितने रुपए कम पड़े उतने लोग पिक्चर नहीं देख पाए जितने रुपए उतने डिवाइड बाई पिक्चर का प्राइस तो भार सौ रुपए में पांच टिकट आती हैं तो पांच लोग पिक्चर नहीं देख पाए पांच लोग पांच ग्राम आइस बच हो गया सर कम क्यों हुए क्योंकि बेटा ये आइस उतना दे ही नहीं पा रही बारह सो कैलरी दे पा रही थी बेचारी इसको चाहिए था मेल्ट होने के लिए सोलह सौ सो कैलरी अगर आइस ये पानी उतना हीट दे ही नहीं पा रहा तो कुछ तो कम पड़ेगा ना यार ठीक है अगर दे ही नहीं पा रहा तो कुछ तो कम पड़ेगा ही पड़ेगा ठीक है चल भाई अब जरा सोच इसके अगला वाला केस तो खुद से अब देख इमेजिन करने लगा है कि सवालों को कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं ठीक है कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर इक्विवेलेंट बस यही कर रहा हूं ठीक है अब मैंने कहा सर मेरे पास तो पचास डिग्री सेल्सियस का पानी था मैंने कहा ठीक है तो अब कितनी हीट दूंगा चालीस इंटू एक इंटू एम एस डेल्टा टी कर रहा हूं सबको जीरो पे ही कन्वर्ट कर रहा हूं सर पचास ठीक है दो हजार कैलरी मैंने हीट दे दी दो हजार कैलरी हीट दी ठीक है माइनस सोलह सौ कैलरी हीट लगनी थी तो क्यू लेफ्ट कितना हो गया सर इस बार हम पर चार सौ रुपए बच गए चार सौ कैलरी हीट बच गई अब सोच क्या होगा चार सौ एक्स्ट्रा बच गए अब क्या करेगा पार्टी करेगा पार्टी का मतलब क्या इस बार सारी आइस मेल्ट हो गई है और अब बचा हुआ हीट टेंपरेचर बढ़ाएगा ठीक है बची हुई हीट के क्या करेगा टेंपरेचर बढ़ाएगा तो भाई ऐसा है एंटायर आइस हैज मेल्टेड जैसे ही तुझे दिखा क्यू पॉजिटिव बच गया ठीक है तो मैं लिख देता हूं अब यहां पर बोल सकता हूं एंटायर आइस हैज मेल्टेड सारी की सारी आइस क्या हो चुकी है मेल्ट हो चुकी है मास ऑफ आइस जीरो मास ऑफ वाटर चालीस प्लस बीस साठ ग्राम अब क्या करना है फाइनल टेम्परेचर मैंने कहा फाइनल टेम्परेचर क्या रहता है तो मैंने कहा क्यू लेफ्ट इज़ इक्वल्स टू एम एस मास टोटल मास इनटू एस इनटू डेल्टा टी सर चार सौ रुपए बचे थे इसकी पार्टी करते हैं कितना मास है मेरे पास साठ ग्राम एस है वन फाइनल ये हो हो जाएगा तो फोर हंड्रेड बाई सेल्सियस अच्छी चीज ये है आपको दोनों में से सिर्फ एक ही चीज सोचनी पड़ेगी या तो अगर आइस मेल्ट हो गई सारी तो फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा और अगर आइस मेल्ट ही नहीं हुई तो फाइनल टेम्परेचर जीरो है, का निकालना पड़ेगा ठीक है खटाक से सॉल्व हो जाएंगे सारे चल भाई मुझे फटाफट से बता दे यहां तक की बात समझ में आ गई है या नहीं आई ठीक है सर अस्सी कहां से आया भैया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की एक ग्राम आइस मेल्ट होने में अस्सी कैलोरी लगती है ठीक है तो भाई अब मुझे बता दे क्या मेरी पुराने जो कहानी थी अब उस कहानी को इस सवाल से तू रिलेट कर पा रहा है मुझे फटाफट से बता दे यार अगर कर पा रहा है तो तीनों केस समझा दिए बेटा तीनों केस रफा ठीक है हाँ देख भाई जब मैं पूछता हूं तो प्लीज कमेंट किया कर रिप्लाई किया कर तो मुझे समझ में आएगा कि हां नहीं तो स्पैमर्स बहुत भरे पड़े हैं जो कि नाना नाना चिल्लाए जा रहे हैं ठीक है मैं चार बार बोल चुका हूं अस्सी कैलरी क्या होता है हर चीज के बारे में बता चुका हूं और अगर तू कमेंट नहीं करेगा जब मैं पूछता हूं तब तू कमेंट नहीं करेगा तो क्या होगा फिर मैं वही चीज रिपीट करवाऊंगा ठीक है तो इसीलिए बहुत बढ़िया ठीक है चल अब ये फाइन फाइनल टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन ठीक है फटाफट से देख जल्दी जल्दी करना फाइनल टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन वाटर क्या दिया है सिक्सटी एट माइनस सिक्सटी नहीं एट सिक्सटी ठीक एट सिक्सटी डिग्री सेल्सियस आइस एट माइनस ट्वेंटी क्या करना है सबसे पहले, सबसे पहले, पहले निकालना है। तो मैंने कहा सबसे पहले convert everything into zero degree Celsius पानी। तो सर साठ इंटू तीस एम एस डेल्टा टी तीस इंटू साठ इतनी हीट देगा सर इसमें से आइस को मेल्ट करने में लग जाएगा ये क्या है सर बीस ग्राम आइस तो एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी माइनस सर 20 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए एक ग्राम को मेल्ट करने के लिए 80 चाहिए होती है इतनी चाहिए होती है छतिया अठारह अठारह सो माइनस चार सौ बाई दो सौ हो जाएगा माइनस आठ दून सोलह सौ सो हो गया जीरो बन गया एंटायर आइस इज मेल्टेड सारी की साइज आइस क्या होगी बस मेल्ट ही होगी ठीक है सारी की सारी आइस मेल्ट होगी ठीक है तो मास ऑफ आइस जीरो मास ऑफ वाटर तीस प्लस बीस पचास और फाइनल टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस हो गया सर ठीक है क्या किया तूने ब्रह्मास्त्र चलाया वे कन्वर्ट एवरी इंटू जीरो डिग्री सेल्सियस पानी और जो बचा उसको हीट निकाल दिया तो मैंने कहा जब ये पानी गर्म था 60 डिग्री पर था तो पानी गर्म था तो ठंडा होगा 60 से कितना होगा एमएस डेल्टा टी हीट रिलीज करेगा ठीक है फिर यहां पर क्या है सर आइस को मेल्ट कराना है पहले माइनस से सीधा मेल्ट तो होगा नहीं पहले क्या होगा आइस गर्म होगी अब गर्म होगी तो भैया उसको मुझे ही तो हीट देनी पड़ेगी जब चीजें ठंडी हो रही हैं, तो भैया मेरे हिस्से में हीट आ रही है मेरे पास हीट आई जब चीजें को गर्म करना है तो मुझे ही देना है तो इसीलिए मैं माइनस में लिख रहा हूं तो एम एस डेल्टा टी प्लस एम इन टू एल तो जो मेरे पास हीट लेफ्ट आई इतफाकन जीरो आ गई ठीक है चमका चल भाई ये शायद सेम ही सवाल के मैंने अलग अलग केसेस बता रखे हैं ठीक है ठीके? ये अस्सी पर अब ये नहीं करवाऊंगा ठीक है क्योंकि अब सेम सवाल वही करवा दिए मैंने ये सवाल ये सवाल सब करवा दिए हैं ठीक है फाइनल टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन 40 ग्राम 50 पर 20 ग्राम 10 पर माइनस टेन पर ठीक है एक बार करके देखना 40 ग्राम 50 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है ये वाला करके देख फॉर्मूला नहीं है इसमें यही तो कहानी है यही तो रोना है फॉर्मूला नहीं है मैं कैसे बताऊं फॉर्मूला और अगर ऐसे फॉर्मूला बताऊंगा केसेस में फॉर्मुले बनते हैं क्यू लेफ्ट इज दिस इफ क्यू लेफ्ट इज दैट अरे यही तो रायता है यार कम से कम किताब तो देख लेना तुझे समझ में आ जाएगा फॉर्मूला नहीं है केसेस बना बना के सॉल्व करवाता है मैं जो तुझे जुगाड़ बता रहा हूँ तुझे सोचना नहीं है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ आइस वन बाई टू मास्क कर दे तो बीस ग्राम आइस है तो दस ग्राम हो जाएगा दस ग्राम वाटर इक्विवेलेंट और वाटर इक्विवेलेंट है ठीक है चल भाई तो मैंने कहा ये क्या है मेरे पास Q लेफ्ट कितना आया चालीस है पचास डिग्री सेल्सियस पर एमएस डेल्टा टी ठीक है ये मुझे ये मुझे मिलेगी बीस ग्राम आइस मतलब दस ग्राम पानी एमएस इसको दस डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया मैं चाहूं तो ऐसा ही लिख देता हूं एमएस डेल्टा टी तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे माइनस बीस ग्राम आइस को मेल्ट कराना है बीस इंटू अस्सी चालीस इंटू पांच चार पांच बीस दो हजार माइनस सो माइनस सोलह सो तीन सौ कैलोरी बच गई सारी आइस मेल्ट हो गई ठीक है एंटायर आइस मेल्ट और फाइनल टेम्परेचर कितना आ जाएगा ट्यू लेफ्ट इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एस इनटू डेल्टा टी बीस ग्राम आइस और चालीस ग्राम आइस मतलब ये अरे दोनों आईसी आइस क्यों लिख दिए यार बीस ग्राम आइस चालीस ग्राम पानी ठीक है चालीस ग्राम पानी है ये ठीक है बेटा चल भाई तो क्यूलेफ्ट कितना है हमारे पास तीन सौ कैलोरी एम एस डेल्टा टी मास कितना है चालीस और बीस साठ एस वन डेल्टा टी टी लिख दूं खाली तो टी आ जाएगा तीन सौ बाईस पांच डिग्री सेल्सियस बहुत बढ़िया मैं ऑप्शंस कमेंट देख रहा था मैंने कहा 5 5 क्या है 5 फाइनल टेम्परेचर है बहुत ही अच्छे ठीक है कमाल है मतलब तुम लोगों को अब चमक रहा है ना कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है ठीके? चल आइस और स्टीम का मिक्सचर ठीक है आइस और स्टीम का मिक्सचर क्या करेंगे सेम वही चीज अभी भी करनी है जो यहां पर कर रहे थे सेम ब्रह्मास्त्र सब कुछ सेम बस इस बार टिकट की कीमत बदल जाएगी स्टीम जब कंडेंस होगा तो पांच सौ चालीस रुपए देकर के जाएगा ठीक है तो सेम ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे यूज सेम ब्रह्मास्त्र बिल्कुल नहीं घबराना है वही ब्रह्मास्त्र यूज करते हुए चलते पड़ जाना है ठीक है कुछ भी नहीं परेशान होना है चल भाई क्लियर है ये चीज बीस इंटू अस्सी कैसे आया यार अब मैं कैसे बताऊस एम इन टू एल मैं बार बार बोल रहा हूं पानी का लेटेंट हीट आइस का लेटेंट हीट होता है 80 कैलोरीज पर ग्राम एक ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी लगती है तो 20 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 20 इंटू अस्सी लग रही है वो डेटा आपको याद करना है अस्सी कैलोरी पर ग्राम ये तो मैंने बहुत पहले बोल रखा है ठीक है चल भाई सवाल है फाइंड मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली मेल्ट दी आइस आपको पूरी की पूरी आइस मेल्ट करानी अब देख मेरी बात सुन ले चाहे आइस वाटर मिक्सचर हो चाहे वाटर स्टीम मिक्सचर हो चाहे आइस स्टीम मिक्सचर हो चाहे कोई भी दुनिया का मिक्सचर हो ठीक है सेम ब्रह्मास्त्र लगाना है सेम लॉजिक लगाना है अब तेरा कोई लॉजिक नहीं बदलने वाला है ठीक है बस एक चीज दिमाग में रख लेना अभी थोड़ी देर में आएगा अभी मैं समझाऊंगा भी ठीक है पहले इस सवाल को सॉल्व कर ध्यान दीजिएगा चल भाई तो यहां पर आपको ये एम निकालना है, कम से कम कितना अमाउंट ऑफ स्टीम होना चाहिए सो दैट पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाए ठीक है ठीक है चल, तो मैंने कहा यार अगर मुझे पूरी आइस मेल्ट करनी है, सबसे पहले क्या करूंगा स्टीम कंडेंस होगी ठीक है तो क्यू लेफ्ट कितना होगा मैंने कहा सर क्यू लेफ्ट इक्वल्स टू पर ये स्टीम कंडेंस होगी तो कोई शीट रिलीज करेगी तो m into l यानी कि 540 रिलीज करती है ठीक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टीम की कितनी होती है 540 कैलोरीज पर ग्राम एक ग्राम स्टीम जब ठंडी होगी तो हीट को रिलीज करेगी स्टीम इस बार हीट को रिलीज करेगी ठीक है और आइस क्या करेगी अब्सॉर्ब करेगी -80 80 ग्राम आइस है 80 कैलोरी ही अब्सॉर्ब कर लेगी ठीक है और मुझे क्या चाहिए मिनिमम अमाउंट चाहिए मिनिमम अमाउंट मतलब क्या आइस बस मेल्ट हो जाए बस मेल्ट हो जाए तो क्यू लेफ्ट क्या होना चाहिए ठीक है ही मैंने देखा मिनिमम अमाउंट क्यू लेफ्ट क्या होना चाहिए फोर हंड्रेड तो एम तो की वैल्यू आ गई सिक्स फोर डबल जीरो डिवाइडेड बाई फाइव फोर्टी यानी कि सिक्स फोर्टी डिवाइडेड बाई फिफ्टी फोर ग्राम ठीक है ये आंसर आ गया क्लियर है हा इलेवन पॉइंट समथिंग और अगर आपने भी यही किया है तो मुबारक हो 80 into 80 ऐसे बेटा 80 ग्राम आइस है जीरो पर एक ग्राम आइस मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी चाहिए होती है ठीक है तो 80 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 80 into 80 चाहिए ठीक है अब रायता क्या फैला रायता ये फैला कि जब स्टीम मेल्ट होती है ध्यान दीजिएगा जब आपकी स्टीम कंडेंस होती है स्टीम का टेंपरेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है और जब यह कंडेंस होगी तो ये पानी बनती है लेकिन पानी का टेम्परेचर भी क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और पानी अभी और ठंडा हो सकता है क्योंकि मैंने क्या बोला था कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू जीरो डिग्री सेल्सियस वॉटर सोच यहां पर एम ग्राम स्टीम थी कंडेंस होकर के क्या बन गई एम ग्राम पानी लेकिन कितने पर है 100 पर आइस में हीट दे दिया अभी पानी और हीट दे सकता है कि नहीं दे सकता है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि भैया आंसर कुछ और आएगा। ठीक है तो सर क्या करें मैंने कहा सबसे पहले चल कन्वर्ट एवरीथिंग तो मैंने कहा क्यू लेफ्ट फिर से दोबारा से कैलकुलेट करते हैं तो क्यू लेफ्ट तरीका यही है बस तुमने एक स्टेप मिस कर दिया पानी अभी और हीट रिलीज करेगा ठीक है कितना वाटर को जीरो डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए तो मैंने कहा पहले कितनी हीट रिलीज करी m into 540 रिलीज करी फिर और कितना हीट रिलीज करी मैंने कहा m into 100 ms डेल्टा t 100 रिलीज करी और इसने कितना रिलीज एब्जॉर्ब करी 80 into 80 सिंस बोला है मिनिमम तो मेरे पास कोई हीट अब बचनी नहीं चाहिए बस ये सारी आइस मेल्ट हो जानी चाहिए तो m 640 6400 तो m आपका आ गया है 10 ग्राम ठीक है एम आपका आ गया है दस ग्राम यानी कि यानी कि दस ग्राम आइस अस्सी ग्राम सॉरी दस ग्राम स्टीम अस्सी ग्राम आइस को मेल्ट कर सकती है जो कि जीरो डिग्री सेल्सियस पर है ठीक है वन इस टू एट का रेशियो होता है ठीक है देख भाई अगर यहां पर मैंने कहा कि इसका रेशियो क्या है वन ठीक है मतलब एक ग्राम आइस ठीक है तो वन ग्राम स्टीम एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस कैन कंप्लीटली मेल्ट एट ग्राम आइस एट जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है एक ग्राम स्टीम आठ ग्राम आइस को मेल्ट करने की ताकत रखती है ठीक है तो बस जो तुमने गड़बड़ करी होगी यही गड़बड़ करी होगी कि बेटा एम ग्राम एम एस सर इसने हीट दी इसने कर ली मानता हूं लेकिन ये हीट अभी और भी दे सकता है अगर तुम इतना मास ले रहे हो ना तो, तो ये इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा ठीक है एक ग्राम स्टीम पहले ऐसा नहीं है स्टीम पहले सीधा पानी जीरो डिग्री का पानी नहीं बनता है स्टीम सौ डिग्री का पानी बनता है और फिर वो पानी भी ठंडा होगा तो और एक्स्ट्रा हीट दे पाएगा ना ठीक है सर आइस को वॉटर मैंने कन्वर्ट कर दिया तो भाई कैसे कन्वर्ट करूं एक ग्राम आइस मेल्ट करने के लिए अस्सी चाहिए तो अस्सी ग्राम ये एट्टी ग्राम आइस है मैं लिख देता हूं एट्टी ग्राम आइस एट जीरो डिग्री सेल्सियस एक ग्राम आइस मेल्ट करने के लिए अस्सी कैलोरी चाहिए होती है तो अस्सी ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए अस्सी इंटू अस्सी कैलोरी लगेगी हिंदी में क्या मैं फारसी में बोल रहा हूं ए यार फाइनल टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन दस ग्राम आइस है स्टीम में अस्सी ग्राम आइस है दस ग्राम स्टीम है हंड्रेड पर अस्सी ग्राम आइस है चालीस डिग्री सेल्सियस पर कॉल कर सबसे पहले स्टीम को किसमें कन्वर्ट करूंगा पानी में ठीक है दस ग्राम स्टीम है एक ग्राम पांच सौ चालीस हीट रिलीज करती है तो दस ग्राम इतना करेगी फिर पानी को किसमें कन्वर्ट करूंगा जीरो डिग्री सेल्सियस में तो एम डेल्टा टी एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी अब आइस को पहले माइनस चालीस है माइनस चालीस से क्या होगा पहले जीरो डिग्री पर लेकर आऊंगा तो क्या लगेगी मेरी हीट चली जाएगी तो एम डेल्टा टी एट्टी इंटू वन बाई टू इंटू डेल्टा टी माइनस अब आइस मेल्ट हो जाएगी अस्सी इंटू अस्सी ठीक है तो टेन इंटू सिक्स फोर्टी माइनस फोर्टी इंटू फोर्टी चार चौक सोलह सोलह सौ माइनस सिक्सटी फोर हंड्रेड ठीक है सिक्सटी फोर हंड्रेड से सिक्सटी फोर हंड्रेड खत्म हो गया सिक्सटीन हंड्रेड कैलोरी के बराबर हीट बच जाएगी और नेगेटिव में कम पड़ गई और होना भी था इस बार क्या हो रहा है भैया देख 10 ग्राम स्टीम 80 ग्राम आइस को मेल्ट करती थी जो जीरो डिग्री पर है इस बार तो जीरो से भी कम पर है तो कुछ ग्राम इस कुछ बच जाएगी हीट ठीक है पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी और अगर पूरी आइस मेल्ट नहीं हो रही तो भाई क्या होगा मैंने कितनी आइस कम कितनी हीट कम पड़ गई सोलह सौ कैलोरी क्या मैं लिख सकता हूं फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा फाइनल टेंपरेचर सर फाइनल टेंपरेचर इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री सेल्सियस एंटायर आइस हैज नॉट मेल्टेड ठीक है तो मास ऑफ आइस कितना हो जाएगा सर 1600 कैलोरी हीट कम पड़ गई एक ग्राम आइस मेल्ट होती है इतने में आठ 2 सोलह 20 ग्राम आइस बच जाएगी तो 20 ग्राम अगर आइस बच गई तो बची हुआ पानी निकाल लेना ठीक है तो मास ऑफ वाटर दस ग्राम यहां पे था अस्सी ग्राम यहां पर था तो नब्बे माइनस बीस सत्तर ग्राम पानी है जब अच्छा स्टीम नहीं बचेगी बिल्कुल भी जब फाइनल टेम्परेचर जीरो है, तो इसका मतलब स्टीम तो है ही नहीं है ठीक है तो आंसर ये आ जाएगा सत्तर ग्राम पानी हाँ चल भाई क्लियर है समझ में आया जुगाड़ क्या था ठीक है मैं तुझे तो को हर सवाल सेम ब्रह्मास्त्र से सॉल्व करवा रहा हूं बेटा सेम एक ही एक ही लाइन बता रहा हूं क्यू लेफ्ट निकालना ठीक है तो देख सबसे पहले स्टीम था स्टीम क्या करता है सर हमारा पता है कि स्टीम सर ठंडा होता है तो स्टीम जब कंडेंस होगा तो पानी बनेगा लेकिन पानी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर बनता है ना ठीक है स्टीम भी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर है ना तो यहां से कुछ हीट देगा क्या हीट देगा सर Q1 हीट देगा पहले मुझे गर्म मुझे पानी से स्टीम बनाना था तो मुझे देना था स्टीम ठंडी हो रही तो मुझे दे रही तो देख यह, यही चीज Q1 लिख दी मैंने दिस इज माई क्यू ठीक है फिर पानी जो है और ठंडा होगा कहां पर जाएगा मैंने बोला है जीरो डिग्री सेल्सियस पर जाना है तो यहां पर और ठंडा होगा तो Q2 देगा हीट तो वो मैंने Q2 टू यहां लिख दी एम एस डेल्टा टी करके और ये वाला जो आइस है जो माइनस चालीस पर है ये क्या करेगा पहले आइस बनेगा जीरो डिग्री सेल्सियस पर तो यहां पर मुझे हीट देनी पड़ेगी तो Q3 तो मेरे हिस्से से कुछ कम हो गया मेरा शेयर फिर आइस जीरो डिग्री से अब क्या बनेगा पानी बनेगा तो फिर से मेरे हिस्से से कुछ चीट कम हो जाएगी Q4 और ये मैंने Q4 लिख दिया ठीक है रॉन्ग कैलकुलेशन माइनस ट्वेंटी वन हंड्रेड होगा सोलह सो सोलह सो 540, सौ चालीस सौ छः सौ चालीस सौ कैलरी तो हुआ सोलह सौ बाई अस्सी बीस ग्राम सत्तर ग्राम सही तो किया साठ प्लस वन टोटल नब्बे ग्राम है ना अस्सी ग्राम आइस है दस ग्राम स्टीम है टोटल नब्बे ग्राम पानी है बीस ग्राम आइस बच गई तो सत्तर ग्राम पानी हो गया क्या रोंग कैलकुलेशन किया है भाई हो 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 करेक्ट किया यार ठीक है चल भाई अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर के सवाल पर क्या बोल रहा है देख ठीक है बोल रहा है कैलोरी मीटर है जिसका वाटर, देख देख सवाल मैंने क्या बोला था कैलोरी मीटर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट है 20 ग्राम कंटेंस 180 ग्राम ऑफ वाटर एट पच्चीस डिग्री सेल्सियस मैंने बोला था कंटेनर का भी मास दे देता दे है तो भैया कैलोरी मीटर पच्चीस बीस ग्राम 180 ग्राम पानी तो टोटल वाटर कितना हो गया अबे यार ये भी तो काउंट करेगा 20 ग्राम ये एट कितने पर है ये भी 25 पर है अगर कैलरी मीटर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो जो उसके अंदर का पानी है वही कैलरी मीटर का भी टेम्परेचर है तो 180 ग्राम पानी 20 ग्राम पानी कितना हो जाएगा 200 ग्राम पानी हो जाएगा कितने डिग्री सेल्सियस पर 25 एम ग्राम ऑफ इज टिल एंडेडर मिक्सचर बिकम्स अच्छा फाइनल दे दिया 31 डिग्री सेल्सियस अब तो और आसान कर दिया उसने बोल दिया सारा पानी का टेम्परेचर आइस तो है फिर तो चैनता ही नहीं है वैल्यू ऑफ एम इज क्लोज टू ठीक है एक बात बताना ध्यान से सुन ठीक है मेरे पास स्टीम है एम ग्राम कितने पर है 100 डिग्री सेल्सियस पर इस स्टीम इस को इसने क्या करना है इसने बोला है सर ये स्टीम ठंडी होकर के क्या बन रही है पानी बन रही है कितने पर फाइनल टेम्परेचर कितना दिया है थर्टी वन डिग्री सेल्सियस तो इसने हीट क्या किया होगा लॉस किया होगा और ये जो पानी है ये पानी क्या है सर एक दो सौ ग्राम पानी है एक सौ अस्सी प्लस बीस कंटेनर का जो पानी है ग्राम वाटर कितने पर है सर पच्चीस डिग्री सेल्सियस पर तो इसने हीट क्या किया होगा गेन किया होगा क्या मैं अब सीधा जब मुझे हीट दे ही दिया फाइनल टेम्परेचर दे दिया तो मैं सीधा लिख दू ना क्यों हीट लॉस जितना हीट इसने लॉस किया है टू हीट इसने उतना ही गेन किया है अब बताना एम ग्राम स्टीम सबसे पहले क्या होगा कंडेंस होगा तो m सौ चालीस प्लस एम एस डेल्टा टी एम एस इंटू डेल्टा टी क्या हो गया सर 100 से 31 पर पहुंचना है हीट गेन ये 200 ग्राम पानी था एम एस थर्टी वन से 31 पर पहुंचा हो गया सॉल्व ठीक है तो एम इंटू फाइव फोर्टी प्लस सिक्सटी सेवेंटी सिक्सटी नाइन फिजिकल्स टू टू हंड्रेड इन टू कितना ये पाँच और एक छः ठीक है तो so, एम की वैल्यू आ गई आपकी छूनी बारह सौ डिवाइडेड बाई ये हो गया छः सौ सौ नौ ठीक है तो so, दो से कुछ कम आएगा कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने 540 प्लस 31 वन टेम डिग्री सेल्सियस ही बोला है ना तो 70 69 हो गया ठीक है 540 सौ चालीस और 600 609 हो गया ठीक है और यहाँ पर कितना है 180 और 200 ठीक है एट इतना तो 180 सौ अस्सी प्लस बीस दो सौ दो सौ इन पच्चीस से छः इकतीस पहुँच रहा ही है ये ठीक है तो कितना हो गया पाँच और एक छः हैदूनी बारह सौ बारह सौ बाई छः सौ नौ कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को ठीक है बारह सौ भाई छह सौ क्या लग रहा है ठीक है आंसर तो दो टू पॉइंट समथिंग टू से कुछ कमी हो गया तो टू ही मार्क करूंगा अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ठीक है द वैल्यू ऑफ एम इस क्लोज टू बोल रहा है यूज कर दिया ना उसने क्लोज टू द वैल्यू ऑफ एम इज क्लोज टू मतलब दो के आसपास है ठीक है हाँ भाई आपको कोई कुछ बोलना चाह रहा है इज क्लोज टू बहुत अच्छे ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्लोज है हाँ मैंने लिख दिया देख लिया मैंने ठीक है चल यार, समझ में आया सवाल आसान था मुश्किल तो नहीं लगा मुश्किल तो सवाल नहीं लगा भाई मुझे देख बताता जा प्लीज मेरे को साथ साथ बताता जा कि तू मेरे साथ अभी जिंदा है कि तू निपट गया फटाफट से बता दे <laughs> चल ब्रेक दे दो नहीं पहले खत्म करेंगे ठीक है उसके बाद चल यार तो अगला सवाल क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है ठीक है अच्छा फोर्टी टू हंड्रेड जूल पर के जी ठीक है हमें पता है क्या होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ थ्री पॉइंट फोर टेन की पावर फाइव हंड्रेड ग्राम ऑफ आइस एट जीरो डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन टू हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट एज टेम्परेचर ऑफ वाटर रीजेस तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा ये पूछ रहा है कितनी आइस मेल्ट हो गई बस अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट जो बची जाएगी आइस निकाल देता हूं ठीक है तो कितना है मैंने कहा क्यू लेफ्ट कितना है सबसे पहले मैंने कहा पानी पानी कितना है प्लेस्ड इन टू हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर तो दो सौ ग्राम पच्चीस डिग्री सेल्सियस पर है ठीक है इसमें से सौ ग्राम आइस है जो कि जीरो डिग्री पर है तो इसमें से हंड्रेड इन टू खा गया ठीक है 25 दूनी 50 5000 हजार माइनस आठ हजार तीन हजार कैलोरी की हीट की कमी पड़ गई लेफ्ट कितना है तीन हजार कैलोरी ठीक है लेफ्ट कितना आ गया तीन हजार कैलोरी देख भाई मैंने क्या किया मैंने बोला ये मेरे पास 200 ग्राम पानी है 25 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है तो 200 ग्राम पानी जब 25 डिग्री सेल्सियस पर है इसको ठंडा किया मैं बार बार एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं कन्वर्ट एवरीथिंग कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर इक्विवेलेंट ठीक है सर वाटर का जीरो वाटर को जीरो करो हाँ बस हर जगह यही करता जा रहा हूं तो ये हो गया पांच तो इसने पांच कैलोरी हीट रिलीज करी अब मैंने कहा आइस है सौ ग्राम एक ग्राम आइस मेल्ट होने के लिए अस्सी कैलोरी तो सौ ग्राम मेल्ट होने के लिए आठ हजार कैलोरी तीन हजार कैलोरी की कुछ कमी पड़ गई तो मास ऑफ आइस कितना होगा तीन हजार डिवाइडेड बाई कितना हो गया डेढ़ सौ बाई चार यानी कि 75 फाइव बाई टू ठीक है इतने ग्राम आइस बचिया तो मास ऑफ आइस मेल्टेड तो मास ऑफ आइस तो आइस मेल्टेड ये कितना हो जाएगा तो मैंने कहा सर इनिशियल कितना था सौ ग्राम सौ में से पिचहत्तर बाई दो ग्राम खत्म हो गया दो सौ माइनस पिचहत्तर बाई दो तो बच गया एक सौ पच्चीस बाई दो सिक्सटी टू पॉइंट फाइव ग्राम आइस मेल्ट हो गई ठीक है रफली रफली सिक्सटी टू पॉइंट फाइव अब कैलकुलेशन कर लेना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें स्पेसिफिक ये तो सही दिया है ठीक है अगर मैं इसको 4.2 से डिवाइड करूं तो 3.4 10 की पावर 5 जूल का मतलब है 4.2 से डिवाइड कर दिया और किलोग्राम है जूल मतलब 4.2 कैलोरी ठीक है और एक के जी है तो के जी को मतलब हज़ार से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो गया 10 की पावर 200 हंड्रेड ठीक है तो ये बन गया थ्री फोर्टी डिवाइडेड बाई फोर पॉइंट टू ठीक है कॉल करूँगा तो कितना हो जाएगा एक सौ सत्तर बाई टू पॉइंट वन इसको अधर भेज देता हूँ ठीक है तो सत्रह सौ बाई इक्कीस को चाह रहा है बीस का अस्सी करूँगा सोलह सौ इसमें लेटेंटिटी बड़ी अजीब सी दे दी है ठीक है क्लोज टू इन ग्राम्स कुछ लेट एंड अजीब सी आई है मतलब इसने सवाल में ही लेट एंड बदल दिया ठीक है uh, कितना हो जाएगा अगर 20 का मैं इसको 20 से डिवाइड कर देता हूँ ना तो 20 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 170 सौ सत्तर बाई दो तो uh, दो अट्ठे सोलह एक बचेगा पिचासी कुछ हो जाएगा ठीक है एट्टी कैलोरी के आसपास दिया है इसने तो मतलब जो यहाँ पे मैं ये दिख रहा था ना कितना एम इन बस ये एट्टी कर देना ठीक है तो इतना हंड्रेड इंटू

सत्रह जो पिचासी होता है ठीक है सत्रह चौके फोर पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ठीक है सेवन हंड्रेड बाई सेवेंटीन में से माइनस कर अब इसको माइनस ही कर देना यार तो ये आ जाएगा हंड्रेड माइनस सेवन हंड्रेड बाई सेवनटीन ठीक है तो ये आ जाएगा सत्रह सौ माइनस सात सौ सेवनटीन हंड्रेड माइनस सेवन हंड्रेड बाई सेवनटीन थाउजेंड बाई सेवेंटीन ठीक है, पिचासी सत्रह पंचानवे सत्रह फाइव समथिंग कुछ होना चाहिए ठीक है अब मेरे ख्याल से तो यही बचेगा एक कुछ वन के आसपास देख लेना एक बार कितना आ रहा है कैलकुलेट कर लेना इन्होंने कुछ नहीं किया भाई कैलकुलेशन गंदी कर दिया बस मतलब से एक रायता फैलाया केवल ये कि के इन्होंने स्पेसिफिक जो है थ्री पॉइंट फोर इंटू टेन की पावर फाइव कुछ कर दिया है ठीक है अब कैलकुलेशन कैलकुलेशन एक बार खेल लेना जो भी आंसर आएगा मैं नहीं जानता मैं तुमको पहले ही एक चीज बोल रहा था कि सवाल बहुत आसान आ सकता है बस इसमें एक ही चीज परेशान करती है वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ठीक है तो भाई क्या करूंगा मैं गड़बड़ कर दिया तो उसने कर दिया मैं क्या कर सकता हूं ठीक है चल कैलकुलेशन कर लेना बाकी सब ठीक है चल अब क्या बोल रहा है तो माइम ग्राम ऑफ स्टीमेंट हंड्रेड इन Water, etter, सही दिया है। तो यहां पे क्या है m ग्राम ऑफ स्टीम को मिक्स किया है 200 ग्राम ऑफ आइस में ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात आपका यहाँ पर एक कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर इसने बोला है कि हमने एम ग्राम स्टीम सप्लाई करी है तो सवाल में ही बोल दिया एम ग्राम ऑफ स्टीम एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है Celsius, सवाल समझिएगा यहां पर क्या है एम ग्राम स्टीम एम ग्राम स्टीम है इतने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है इस मिक्स विथ टू हंड्रेड ग्राम आइस 200 ग्राम आइस से मैंने मिक्स किया है ठीक है इसको मैंने 200 ग्राम आइस से मिक्स किया है डिग्री सेल्सियस पर आइस है ठीक है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर इफ इट प्रोड्यूस फाइनल ये मुझे फाइनल टेम्परेचर क्या दिया है चालीस डिग्री सेल्सियस मुझे दे दिया है फाइनल टेम्परेचर है मतलब क्या पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो चुकी होगी और फाइनल भाई पार्टी वाला सीन हो गया तो थर्ड केस हो गया तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं हीट लॉस्ट बाय स्टीम स्टीम ने जितनी हीट लॉस करी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस अब स्टीम कितना हीट लॉस करेगा मैंने कहा जब फाइनल टेम्परेचर दे दिया है तो एम इन टू पहला तो कंडेंस होगा 540 रिलीज करेगा प्लस अब कितना रिलीज करेगा मैंने कहा सर अब मेरा जो रिलीज करेगा आ, m फाइनल टेंपरेचर एस डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस जाना है 60 डिग्री सेल्सियस का लॉस आ रहा है 100 40 इज इक्वल्स टू अब 200 ग्राम आइस पहले मेल्ट होगा तो 200 ग्राम आइस अब्सॉर्ब करेगा हीट को तो 200 80 प्लस 200 ग्राम आइस का पानी बन गया 200 ग्राम ms डेल्टा t तो 40 फाइनल टेंपरेचर है इनिशियल 0 है ठीक है अब ये क्या आ गया 540 फोर्टी एम प्लस सिक्सटी एम तो सिक्स हंड्रेड एम फिजिकल्स टू आठ दूनी सोलह सोलह हजार प्लस चार चौबीस हजार डिवाइडेड बाई छोक चौबीस चालीस ग्राम कुछ आ जाएगा ठीक है आंसर आ जाएगा चालीस फोर्टी ना बात 40 ग्राम आंसर आ जाएगा ठीक है सिंपल है मुश्किल तो नहीं लग रहा मुझे ठीक है तो देख सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है इसमें किस्मत अच्छी थी सुंदर वैल्यू दे दी पिछले में किस्मत खराब निकली डेटा ही गंदा कर दिया इसमें थोड़ा डेटा सुंदर लग रहा है मतलब m1 m2 के टर्म में बात कर रहा है m added to m gram water इतना फाइनली आई नो आइस इज लेफ्ट एंड द वॉटर इज एट जीरो डिग्री सेल्सियस वैल्यू ऑफ latent heat हीट ऑफ आइस आइस का लेट एंड हीट देख भाई मैं तेरे को बार बार एक ही बात बोलता आ रहा हूं और कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ ठीक है सेम ब्रह्मास्त्र चलवा रहा हूँ सेम चीजें करवा रहा हूँ सेम तरीके सवाल देख तुझे दिख रहे हैं हर साल आए हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आ रहे कैलोरी से भर भर के सवाल आते हैं और इसी टाइप के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं ठीक है कि इतने ग्राम आईस इसमें इतने ग्राम पानी मिला दिया इतने में ये कर स्टीम में ये कर दिया फिर बता देना क्या होने वाला है बस ये कहानी चलती रहती है तो मैंने कहा इस बार क्या है एम वन ग्राम आइस है माइनस टेन पर तो मैंने कहा मेरे पास एम वन ग्राम आइस है माइनस टेन पर और ये जस्ट मेल्ट हो रही है ठीक है सबसे पहले क्या करूंगा स्पेसिफिक जीरो पॉइंट फाइव है तो पहले इसको देख इसने जस्ट मेल्ट किया है तो मुझे साफ साफ सवाल में ही बोल दिया है ठीक है द फाइनल टेम्परेचर द वॉटर इज एट जीरो डिग्री सेल्सियस एंड देर इज नो आइस लेफ्ट तो ये तो भैया सबसे वो पापा ने गिन के रुपए दिए थे वही वाली सिनेरियो है पापा ने गिन के रुपए दिए थे तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं हीट एब्सॉर्ब्ड बाय आइस देख ब्रह्मास्त्र वो वाला तब चलाते हैं जब तुझे तो फाइनल टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं पता कि तू उससे पूछे फाइनल टेम्परेचर बता दे कितनी आइस बची जब उसने बोल दिया कि भैया ये वाला केस है आइस बस मेल्टी हुई है ठीक है तो मैंने कहा यार जितनी ही, हीट हीट आइस ने दी होगी इज इक्वल्स टू लॉस्ट बाय वाटर तो इसमें आप दिमाग नहीं चलाना ठीक है तो इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी सबसे पहले एम वन इंटू एस है जीरो हो गया है तो इतनी हीट तो इसने एब्जॉर्ब करी प्लस एम वन इंटू लेटेंट हीट पानी ने कितनी हीट दी एमएस डेल्टा टी तो एम टू इन टू स्पेसिफिक हीट वन डेल्टा टी है पचास ठीक है तो एम वन या एल लिख देता हूं फाइव एम वन प्लस एल इंटू एम वन फिफ्टी इंटू एम टू एल इज फाइव प्लस एल एम वन फिफ्टी एम टू एल इक्वल्स टू फिफ्टी टाइम्स एम टू अपॉन एम वन माइनस फाइव गणित का काम तुम्हारा तरीका मेरा ठीक है आंसर आ गया ऑप्शन ए ए दिख रहा है मेरे को तो अगर मेरी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ नहीं है तो मेरे हिसाब से आंसर ए ही है ठीक है हाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी तो भाई तो तुम्हारे हवाले है, ठीक है देख ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मेरी न्यूमेरिकल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है ठीक है तो इस बात पर मत जाना बस मैं जो ये चीज़ बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना बाकी तरीका हर सवाल का यही बनने वाला है तो इस बात पर तू चिंतित मत हो ठीक है तो जो सवाल में एग्जाम में तुझे ऐसी सवाल दिख जाएंगे ये सवाल अच्छा है ठीक है चल भाई क्या बोल रहा है यहां पर तो बोला हुआ है एक कॉपर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज एट टी ही ड्रॉप किया है जिसका मास है 100 ग्राम ठीक है फिल्ड विथ वन ग्राम ऑफ वॉटर एट रूम टेम्परेचर सब्सिक्वेंटली टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज फाउंड टू बी सेवेंटी डिग्री सेल्सियस टी इज गिवन बाय ठीक है कॉपर मास इतना फिल्डेजन रूम टेम्परेचर पर है रूम टेम्परेचर दिया है क्या रूम टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस अच्छा दिया है सवाल में और स्पेसिफिक भी दे दिया है ठीक है सवाल बहुत ही अच्छा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात क्या बोलना चाह रहा है सवाल समझने की कोशिश करते हैं ये बोल रहा है कि एक मेरे पास एक कैलरी मीटर है ठीक है कैलरी मीटर में कितना है बोलता है सौ ग्राम का कैलरी मीटर है हंड्रेड ग्राम का कॉपर है, ठीक है, 100 ग्राम का है, और कितने डिग्री सेल्सियस पर है? रूम टेम्परेचर पर है, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पर है। मैंने कहा ठीक है, और इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है। मैंने कहा कितना पानी भरा हुआ है? तो इसने बोला हमारे पास जो पानी भरा हुआ है, मैं पहले सबसे पहले सवाल पढ़ा उसके बाद में सवाल का डायग्राम बना रहा हूं और इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है क्या बोल रहा है कॉपर की बॉल है सौ ग्राम की टेम्परेचर है टी पर मैंने कहा कॉपर की बॉल है सौ ग्राम की टेम्परेचर है टी पर चल भाई तो ये कॉपर की बॉल है इसका भी मास सौ ग्राम है इसका भी मास सौ ग्राम हंड्रेड ग्राम कॉपर एट टी ठीक है हंड्रेड ग्राम कॉपर एट थर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है इन अ कॉपर कंटेनर मास 100 ग्राम फिल्ड विद 170 ग्राम ऑफ वाटर ठीक है अच्छा पानी का भी मास दे दिया 170 ग्राम तो मैंने कहा पानी है 170 ग्राम 30 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है कॉपर 30 डिग्री पर पानी 30 डिग्री पर यहां से मैंने एक कोई कंटेनर लिया इसको मैंने गिरा दिया और अब यहां पर बात चल रही है ठीक है अब इसने क्या बोला है इसने बोला है कि फाइनल टेम्परेचर क्या है 75 फाइव हो गया है तो अभी इनिशियली हालात ये थे ठीक है इनिशियली हालात ये थे अब जब थोड़ी देर बाद इसको मैंने गिरा दूंगा तो हालात क्या बने भाई जब ये गिर जाएगा इसके अंदर और फाइनल इसने बोल दिया है ठीक है कि इसका जो सबका फाइनल टेम्परेचर हो चुका है दिस इज़ 75 डिग्री सेल्सियस ठीक है अब जरा देखना यार क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि यार जितना हीट कॉपर ने लॉस किया उतना ही हीट इसने गेन किया फाइनल टेम्परेचर दिख रहा है तो हीट लॉस बाय बाय कॉपर बॉल इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर मीटर और ध्यान देना कैलोरीमीटर मीटर को पहले पानी इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉपर uh, का क्या है स्पेसिफिक हीट पॉइंट वन ग्राम है पॉइंट वन तो मैंने कहा यार इसको मैं पानी में कन्वर्ट करता हूं तो एम इन टू एस तो हंड्रेड इंटू पॉइंट वन ग्राम वाटर ठीक है तो कितना हो गया 10 ग्राम पानी ये बन गया अब बता 10 ग्राम पानी ये है एक 170 ग्राम पानी ये है कितना हो गया एक 180 ग्राम पानी एम एस डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट वन हो गया डेल्टा टी कितना है तो मैंने कहा 25 30 डिग्री से 75 पहुंच गया है 75 30 और इसने भी रिलीज किया होगा इसका अरे ये भी 10 ग्राम पानी बना तो 10 एम एस डेल्टा टी टी माइनस सेवेंटी फाइव ठीक है तो एक दस से ये खत्म कर देता हूँ। टी माइनस सेवेंटी फाइव इजिकल्स टू एटीन इंटू थर्टी माइनस सेवेंटी, फोर्टी फोर्टी फाइव ठीक है एटीन इंटू फोर्टी फाइव प्लस सेवेंटी फाइव ये आंसर आ जाएगा टी की वैल्यू ठीक है अठारह पंजे नब्बे अठारह दूनी छत्तीस अठारह चौबहत्तर बहत्तर और नौ कितना हो गया सेवेंटी टू एट्टी टू एट्टी वन एट वन जीरो प्लस फाइव तो आंसर आ गया एट हंड्रेड एट्टी फाइव डिग्री सेल्सियस ठीक है ये आंसर आ जाएगा आठ सौ पिचासी कोई दिख रहा है अरे वाह मैच कर गया ठीक है एट हंड्रेड एट्टी फाइव डिग्री सेल्सियस काम कर गया ठीक है सॉल्व तो करना ही पड़ेगा भाई अब क्या करोगे ऑप्शन डी आंसर आ गया ठीक है क्लियर है फटाफट से बता दे क्लियर है अगला सवाल क्या बोल रहा है यहां पर इन एन एक्सपेरिमेंट एल्यूमियम ऑफ मास पॉइंट टू ग्राम इज हीटेड अप टू इतना इमीजिएटली पुट इन टू वॉटर ऑफ वॉल्यूम वन फिफ्टी सेवेंटीमीटर क्यूब एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस कैप्ट इन अ कैलरी मीटर ऑफ वॉटर इक्वल एंड पॉइंट जीरो टू फाइव के जी फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज चालीस स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज ठीक है एल्यूमिनियम का आपको स्पेसिफिक हीट निकालना है सर आपने कंटेनर का वेट नहीं जोड़ा बेटा जोड़ लिया था मैंने कंटेनर का वेट देख 180 ग्राम इसीलिए लिखा है 170 ग्राम तो पानी है ही है और ये 10 ग्राम पानी बन सौ अस्सी ग्राम ले तो लिया ठीक है बिल्कुल जोड़ लिया है ठीक है चल यार अब यहां ध्यान दे लेना मैं क्या बोल रहा हूं अगला सवाल देखना क्या बोल रहा है एक एल्यूमिनियम है जिसका मास है पॉइंट टू के जी पॉइंट टू के जी छोड़ो दो सौ ग्राम बोलो दो सौ ग्राम एल्यूमिनियम है ठीक है हीटेड अप टू डेढ़ सौ डिग्री सेल्सियस इसको मैंने पानी में डाला है डेढ़ सौ सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या डेढ़ सौ ग्राम पानी है ठीक है इन अ कैलोरी मीटर ऑफ वॉटर इक्वलेंट जीरो पच्चीस ग्राम का ये वाटर इक्विवेलेंट है तो टोटल वाटर इक्विवेलेंट क्या हो गया मैंने कहा सर कैलोरी मीटर का ऐसा मेरे पास कैलरी मीटर है ठीक है ये पच्चीस ग्राम का है इसके अंदर डेढ़ सौ ग्राम पानी है तो so, टोटल कितना हो गया सर टोटल हो गया 175 ग्राम। तो so, ये टोटल हो गया आपका 175 ग्राम दिस इज दी टोटल अमाउंट तो मैंने कहा यार और यहां पर क्या आपका एल्यूमिनियम का स्फीयर है यहां पर आपका एल्यूमिनियम का स्फीयर है ये एल्यूमिनियम का स्फीयर मैंने इसके अंदर डाला है ठीक है फाइनल टेम्परेचर दे रखा है तो so, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ट लॉस्ड बाई एल्यूमिनियम इज टू हीट गेन्ड बा चल भाई कैलकुलेशन गंदी लग रही है मुझे और तो कुछ भी नहीं है हीट लॉस मास कितना है टू हंड्रेड ग्राम एस कितना है निकालना है डेल्टा टी मैंने कहा इनिशियल टेम्परेचर कितना है इसका डेढ़ सौ वन फिफ्टी फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया है फाइनल टेम्परेचर ये देखा है चालीस डिग्री सेल्सियस इजिकल्स टू यहां पर देख टोटल मास कितना है स्पेसिफिक हीट ऑफ डेल्टा डेल्टा टी टी गया सत्ताईस से चालीस हो गया है तो फोर्टी माइनस ट्वेंटी सेवन ठीक है तो ये आपका आ गया एस इजिकल्स टू वन सेवनटी फाइव इंटू तेरा डिवाइडेड बाई दो सौ इंटू वन हंड्रेड टेन ठीक है तो ये कर दूंगा शायद आठ सात बाई आठ तेरह इंटू सात डिवाइडेड बाई ग्यारह एक सौ दस इंटू आठ ठीक है अब जो भी होगा ये सॉल्व कर लेना और इसको ये कैलोरी को फिर उसमें इस ध्यान देना यूनिट पर जूल पर के जी में लिखा है ये कन्वर्ट जरूर कर लेना ये कैलोरी में आया है दिस इज कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और इसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल पर के जी पर पर डिग्री सेल्सियस पर कल में ठीक है तो रायता वहां पर बस ये आंसर मत देख लेना जाना कि अक्सर ये मैच करेगा ठीक है चल ठीक है अगला सवाल क्या बोल रहा है यहां पर तो बोला हुआ है एक बॉल है जिसकी दो सौ मीटर से आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड एंटायर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी विच हीट फाइन दी क्या है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉल ठीक है देख सवाल बड़ा अच्छा है सवाल बहुत ही अच्छा है ये सवाल आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाएगा एक बॉल है जिसका मास एम है दो मीटर से गिराई है ठीक है एक बॉल है जिसका मास एम है इसको मैंने 240 मीटर से गिराया है तो जब ये 240 मीटर गिरा तो इसने टकराने के बाद ठीक है आफ्टर हिटिंग दी ग्राउंड एंटायर काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जो कि बॉल को हीट करने में यूज हो गई तो मैंने कहा एक बात बता यहां पे जब बॉटम पर आया होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मैंने कहा वही होगी जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया होगा ठीक है तो एमजीएच के बराबर होगा ठीक है और सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में जा रही है तो एम जी एच इजिकल्स टू एम एस डेल्टा टी उसने डेल्टा टी पूछ लिया मैंने कहा ये खत्म कर दो डेल्टा तो टी कितना आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कितना है टेन मान लो हाइट क्या है दो सौ चालीस स्पेसिफिक हीट दे रखा है ठीक है पॉइंट टू कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा टी ठीक है तो सौ बीस वन ट्वेंटी इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज आएगा इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज आएगा बारह हजार सत्यम ऐश, नितिन बहुत बढ़िया ठीक है हाँ और मुबारक हो क्या हुआ है एक और कॉमन मिस्टेक हुई है क्या गड़बड़ करी इस बार यूनिट कन्वर्जन का ध्यान नहीं दिया क्या गड़बड़ करी है भाई ये जो यूनिट है ये जूल में है और ये किसमें है कैलरी में है तो कन्वर्ट तो कर लेता ये एस में दिया है निपट गया सब सही करते हुए निपटा दिया क्यों सर एस यूनिट में कैलरी में जी एच मीटर में जी बी मीटर में तो भाई, नहीं किया, बस यही कहानी थी तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा जी एच अपॉन एस तक सही है जी कितना है टेन एच है दो सौ चालीस स्पेसिफिक जीरो पॉइंट टू कैलरी एक कैलोरी में कितना होता है ठीक है चल भाई तो मैंने कहा कितना दिया है अब बस ये कन्वर्ट करने की कहानी बची है बाकी सब तो हो ही गया तो मैंने कहा सर एक कैलोरी होता है एक कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये होता है 4.2 जूल ठीक है तो मैंने कहा सर ये क्या है जीरो पॉइंट टू कैलरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस तो जीरो पॉइंट टू एक कैलोरी होता है फोर पॉइंट टू जूल ग्राम का क्या करूंगा किलोग्राम टेन की पावर माइनस थ्री के जी पर डिग्री सेल्सियस या पर कैलविन बोल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है चल भाई तो ये आ जाएगा फोर uh, तो पॉइंट 8.4 एट पॉइंट फोर तो पॉइंट एट फोर इंटू टेन की पावर थ्री जूल पर के जी पर कैलविन तो पॉइंट एट फोर यानी कि इसको मैं एक काम करूं दो जीरो से खत्म ही कर दूं ठीक है 840 बोल देता हूं 840, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया ठीक है 24, 12 और चार और दो बयालीस छ और ये 21, साठ बाई इक्कीस तीन सत्तर इक्कीस तीन उन्नीस 20 बीस बाईस सात डिग्री सेल्सियस आंसर आया ठीक है ट्वेंटी बाई सेवन डिग्री सेल्सियस हाँ टू पॉइंट जो भी है क्लियर है गड़बड़ समझ में आई ये तुम अकेले नहीं कर रहे हो तुम अकेले नहीं हो जो ये एक जो ये गड़बड़ करोगे बहुत बच्चे करते हैं ठीक है बहुत सारे बच्चे गड़बड़ ये करते हैं तो अब तू तो नहीं करेगा यार देख ले भाई मैं तुझे मैं तेरे को तेरे मुंह पे कह रहा हूं ये देख तू अकेला नहीं है जो ये गड़बड़ करके आया है ठीक है हजारों बच्चे करते हैं हर साल ऐसे सवाल आते हैं सर वाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बेटा इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा जो आपने पुराने पाप किए ना कि लॉस वर्क एनर्जी थ्योरम में जब हमने पढ़ाए थे जब वर्क पावर एनर्जी कराया था तो वहां पर ये बताया था कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी बताया था किसी जमाने में ठीक है तो कहीं तो भुगतना पड़ेगा बाबू चार पांच क्वेश्चन छह क्वेश्चन अभी तो बहुत है क्वेश्चन ही क्वेश्चन खत्म हो रही है चल फिर अब एक काम करते हैं थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं आ जा ठीक है तो पंद्रह मिनट का वक्त है आपके पास ठीक है आइए पंद्रह मिनट बाद मुलाकात करते हैं ठीक है चल हाँ लेट ओपी हो गया चलो तो अगर तुम लोगों का लेट ओपी चालू हो जाए वापस से शुरुआत करते हैं अगले सवाल से क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमें भी दे दो कॉफी कॉफी नहीं है भाई चाय है कुछ और नहीं है वन चाय वाले आदमी है

ठीक है समझने की कोशिश कीजिएगा सवाल बड़ा ही मजेदार है बोल रहा है कि तीन कंटेनर हैं बेटा पहला कंटेनर दूसरा कंटेनर और तीसरा कंटेनर ठीक है तीनों कंटेनर अलग अलग टेम्परेचर पर हैं तो तीनों कंटेनर अलग अलग टेम्परेचर पर हैं इस वाले कंटेनर का नाम दे दिया इसने C1 C2 C3 इसका टेम्परेचर लेटेस्ट से मैंने बोल दिया है टी वन टी वन टी टू और टी थ्री ठीक है तीनों ही कंटेनर में पानी है कुछ भी अमाउंट है कुछ भी हो सकता है मतलब पानी बराबर नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कि पानी बराबर है ठीक है अब इसने क्या बोला है कि जब मैंने एक लीटर और दो लीटर को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर क्या मिला है सिक्सटी डिग्री सेल्सियस मिला है ठीक है मैंने कहा सर इसका टेम्परेचर क्या है टी वन है ठीक है इसका टेम्परेचर क्या है टी टू है और जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो जरा बताना इसका टेम्परेचर टी वन एक लीटर ये लिया है तो मैंने कह, कह, क्या क्या फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालता हूं तो फाइनल टेम्परेचर मैं निकालता हूं ठीक है एम वन एस वन टी वन या सबसे पहले याद क्या करते हैं हम जीरो डिग्री पर हीट है कितनी है मैं इसको ठंडा कर लेता हूं सर कितना ठंडा करूंगा मैंने कहा यार अगर एक लीटर यानी कि एक लीटर मतलब एक किलोग्राम ठीक है सर यहां पे कितना होगा मुझे मुझे कहा रिलीज करेगा ठीक है एम वन एस वन टी वन ही, ये M1, S1, प्लस ये कितनी रिलीज करेगा एम एस टी टू एम टू एस दो लीटर दिया ना एम एस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई मास अगर ये एक लीटर लिया है ये दो लीटर लिया है तो टोटल मास कितना हो गया गया तो क्या आ टी तो कितना दिया है साठ डिग्री सेल्सियस आता है ना ठीक है जब पहला एक लीटर और दो लीटर लिया है तो साठ डिग्री सेल्सियस आपको यहां पर मिलता है तो टू इंटू थ्री इंटू सिक्सटी ठीक है एक इक्वेशन ये बन गई अब जरा देखिएगा अगले में क्या बोल रहा है जब अगला कहां गया यार ठीक है जब यहां पर एक लीटर और दो लीटर ये लिया है तो थर्टी डिग्री सेल्सियस बन रहा है ठीक है तो मतलब यहां पर टी टू यहां पर कितना है थर्टी इजिकल्स टू तो टू इंटू टी टू एम एस डेल्टा टी प्लस थ्री यहां पर कितना लिया है क्या हो रहा है यार ये ठीक है एक लीटर और दो लीटर लिया है तो वन इंटू टी टू प्लस टू इंटू टी थ्री वन टी टू एक लीटर ये लिया है प्लस दो लीटर ये लिया है डिवाइडेड बाई तीन लीटर तो टी टू प्लस टू टी थ्री इजिकल्स टू नाइनटी ये दूसरी इक्वेशन बन गई तीसरी इक्वेशन क्या आएगी दो लीटर और ये लीटर लिया है ठीक है तो टू टी वन टू टी वन प्लस टी थ्री डिवाइडेड बाई थ्री ये वापस से सिक्सटी के बराबर आ गया है ना तो ये कितना हो गया टू टी वन प्लस टी थ्री अठारह एक सौ अस्सी अब आपके पास तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल्स, ठीक है चल भाई तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल भाई बार-बार यार ये पतंगा परेशान कर रहा है चल ठीक है सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा तीन कंटेनर है पहले में एक लीटर और दो लीटर लिया है ठीक है तो मैंने कहा क्या करते थे सबसे पहले जब भी आपको फाइनल टेम्परेचर निकालता था सबको जीरो डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट कर लेते थे तो मैंने कहा सर इसका टेम्परेचर टी वन था ठीक है एम एस टी वन इसने हीट रिलीज करी एम टू एस टू टी टू इसने रिलीज करी एस तो सबके लिए वन है पानी है तो एम इन टू वन इन टू टी वन टू इन टू टी टू क्योंकि इसने बोला सारे के सारे पानी है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा सुन तो ले तो ले कमेंट करना बंद करेगा इधर ध्यान देगा तब तो तेरे को समझ में आएगा मैंने क्या बोला इसने बोला है एक लीटर C1 कंटेनर से पानी लिया दो लीटर C2 कंटेनर से पानी लिया और जब दोनों को मिलाया तो 60 डिग्री सेल्सियस फाइनल पानी आया तो मैंने कहा यहां से एक लीटर एम एस टी ठीक है प्लस एम एस टी ठीक है और फाइनल टेम्परेचर कितना आया सिक्सटी डिग्री तो इज इक्वल्स टू सिक्सटी लिख दिया ठीक है तो अब यह कितना आ गया टी वन प्लस टू टी टू इजिकल्स टू वन एटी तो मैंने कहा पहली इक्वेशन क्या गई टी वन प्लस टू टी टू एक सौ अस्सी के बराबर है ठीक है फिर ऐसे ही उसने मुझे दोबारा से बोला कि अब यहां पे एक लीटर सी टू का ले दो लीटर इसके ले तो मैंने कहा टी टू वन एम एस टी तो वन इंटू टू वन इंटू वन इंटू टी टू एस एस को क्यों लेना है ठीक है अब जरा ध्यान दीजिएगा मैंने कहा टी टू प्लस टू टी थ्री इजिकल्स टू नाइन तो टी टू प्लस टू टी थ्री ये 90 के बराबर है ठीक है तो ये आपकी एक सौ वाली पहली इक्वेशन थी ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई ठीक है और तीसरी इक्वेशन है आ, टू टी टू वन प्लस टी थ्री टू टी वन प्लस टी थ्री वन एट्टी के बराबर ये भी है अब क्या करें तो मैंने कहा यार अच्छा अब इसने बोला है तीसरे में लास्ट में क्या बोला है कि जब मैंने तीनों का एक एक लीटर लिया तो फाइनल टेंपरेचर थीटा है ठीक है तो मैंने कहा तीनों का एक एक लूंगा तो क्या मिलेगा सर एम वन एस वन प्लस एम टू एस प्लस एम टू एस डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल्स टू थीटा सिंस तीनों का एक 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 लीटर है तो इसीलिए मैंने कहा एम वन बी वन एस वन एस बी ये मन हो गए तो टी तुमको निकालना है टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री और जैसे ही आ जाएगा इसका तीन से डिवाइड कर दूंगा तो मैं एक काम करता हूं अगर मैं टू टी वन यहां पर है इन दोनों को जो मैं तीनों को जोड़ देता हूं तीनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं तो ये क्या बन जाएगा थ्री टी वन थ्री टी टू थ्री टी थ्री ये एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी अठारह तीन सौ साठ तीन सौ साठ और चार चार सौ पचास आ जाएगा तो वन प्लस टी टू प्लस टी थी थी की वैल्यू आपकी आ जाएगी डेढ़ सौ और इसका तीन से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा पचास ठीक है और यही वैल्यू आपकी थीटा है ठीक है तो थीटा की वैल्यू आपकी आ गई फिफ्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है आंसर आ गया फिफ्टी बस खाली मैथ्स मैथ्स से आप और कुछ भी नहीं है भाई ठीक है चल क्लियर है अगला सवाल देखना यार क्या बोल रहा है यहां पर तो बोला हुआ है अ मेटल बॉल ऑफ मास इज हीटेड टू डिग्री सेल्सियस इन ड्रॉप इन वेसल ऑफ इतना एंड कंटेनिंग इतना वॉटर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वॉटर दे रखा है वेसल का दे रखा है अप्रोक्सिमेट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर ऑफ वॉटर इज भाई अब ये सवाल तो हम अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा कर चुके हैं ठीक है सेम इसी तरीके का सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये करवाया हुआ है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं मुझे पहले बता दो भाई ये चैट पे स्पैमिंग स्पैमिंग चल रही है पहले तुम लोग बता दो क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है ठीक है पहले बता दो यार हमने अभी तक जितनी भी बातें करी तो मैंने दो टॉपिक्स अब तक पढ़ा चुका हूं थर्मोमेट्री पढ़ा दिया है कैलरी पढ़ा दिया है दोनों टॉपिक्स के हमने अब अच्छे खासे नंबर्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं ठीक है फटाफट से बता दो यार समझ तो में आ रहा है हां बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत ही अच्छे ठीक है चल तो अब ये वाला सवाल बना लेगा ऐसा तो नहीं है कि नहीं सर ये नहीं बनाएंगे हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल किया हुआ है बहुत बढ़िया टू कॉइल्स का हाँ ये सवाल थोड़ा सा अलग लग रहा है तो आपको सॉल्व करते हैं ठीक है क्या बोल रहा है यहाँ पर तो बोला हुआ है दो कॉइल है, है तो भाई ऐसा है कि पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ठीक है मान के चल मुझे एक कोई कंटेनर है जिसको गर्म करना है ठीक है इस कंटेनर को मुझे कुछ गर्म करना है और सबसे पहले मैंने एक लिक्विड लिया या एक कॉइल ली फिर मैंने दूसरी कॉइल ली फिर मैंने तीसरी दोनों कॉइल एक साथ ली ठीक है तो जब मैंने पहली कॉइल इस तरीके से ली तो इस पानी को जो गर्म किया मैंने वो कितने सेकंड में कर दिया ये जो पानी है ये 20 मिनट में गर्म हो रहा है अच्छा गर्म होने में तो उतनी ही हीट लगेगी ठीक है लेकिन यहां से ये बताता है कि इसकी पावर कितनी है लेटेस्ट इसकी पावर है P1, ठीक है तो टोटल टाइम कितना लगता है मैंने कहा सर टाइम होता है टी वन टू टोटल हीट डिवाइडेड बाई पी वन ठीक है क्यू कितना है क्यू इज दी हीट रिक्वायर्ड ठीक है हीट रिक्वायर्ड तो मैंने कहा जब मैंने केवल अकेले इसको P1 पावर सप्लाई करी तो इतनी हीट लग रही है अब जब मैं सेम पानी को दूसरी कॉइल से गर्म करने चला तो भाई जब दूसरी कॉइल से गर्म करने चला तो कितनी पावर लग रही है ठीक है इसने कुछ पावर प्रोवाइड करी होगी पी टू ठीक है तो यहां पर कुछ नया टाइम लगा टी टू अपॉन पी टू ठीक है सामने ही बुलाए साठ मिनट लग रहे हैं प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हीट एनर्जी मतलब क्यों ही सेम है ठीक है वेन कनेक्टेड सेपरेटली इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरल अरेंजमेंट टू तो सेम सोर्स मतलब क्या अब मैं इन दोनों को ही साथ, साथ में कनेक्ट कर रहा हूं ठीक है तो पहला एनर्जी ये हो गया है दूसरा आपका ये हो गया है और सेम सोर्स से मैंने कनेक्ट किया तो दोनों की दोनों अब पैरल में मतलब क्या हो गया दोनों एक साथ हीट दे रहे हैं ठीक है तो अब बताना भाई पी वन प्लस पी टू हीट देने लगेंगे वन ये दे रहा है और पी टू दे रहा है तो अब ये पूछ रहा है टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जो टाइम निकालना है ये क्या कर दूंगा टोटल क्यू प्यू प्लस पी टू हो जाएगा ठीक है अब पी वन को मैं क्या रख सकता हूं Q अपॉन पी वन को रख सकता हूं Q टी वन Q टी वन ठीक है ऐसे ही पी टू को मैं लिख सकता हूं क्यू अपॉन टी टू तो वैल्यू छाप देता हूँ यहाँ पर तो टाइम इजिकल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू अपॉन टी वन प्लस क्यू अपॉन टी टू ये खत्म हो गया तो रिजल्ट मिल गया वन अपॉन टी इजिकल्स टू वन अपॉन टी वन प्लस वन अपॉन टी टू एक ले रहा है तीस मिनट एक ले रहा है साठ मिनट टोटल लग जाएगा टी की वैल्यू बीस मिनट ठीक है कैलकुलेट करके देख लीजिएगा बीस ही आंसर आएगा ठीक है सर आप इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो और साठ का मैंने कहा यह वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन हम रेसिस्टेंस में बहुत ज्यादा पड़ चुके हैं वन अप पॉइंट थर्टी प्लस वन अपंट सिक्सटी वन अपॉइंट ट्वेंटी होता है ठीक है तो इसीलिए हमको ये पहले से याद है याद क्या रटा हुआ है एक तरीके का ठीक है आप कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर भी सेम ही आएगा चल भाई अगला सवाल क्या करें करेंट कैरिंग वायर हीट्स मेटल रॉड जेई एडवांस 2019 का सवाल है देखिएगा ठीक है बहुत ही अच्छा सवाल है बोल रहा है कि करेंट कैरिंग वायर है जो कैरिंग हीट्स अ मेटल रॉड एक मेटल रॉड को गर्म करता है द वायर प्रोवाइड्स कांस्टेंट पावर पी तो हमारा वायर जो है वो कांस्टेंट पावर पी प्रोवाइड कर रहा है ठीक है टू द रॉड ठीक है अब द मेटल रॉड इज एनक्लोज इन एन इंसुलेटेड कंटेनर इट इज ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ मेटल रॉड चेंजेस विथ टाइम एज दिस ये हमें टेम्परेचर दे रखा है ठीक है वेयर बीटा इज इज डायमेंशन टी नॉट ठीक है हीट कैपेसिटी आपको बतानी है आपको ध्यान से सुनना आपको हीट कैपेसिटी बतानी है सवाल बड़ा ही अच्छा है अब जरा समझिएगा आपको क्या बोल रहा है एक करंट कैरिंग वायर है जिसके मेटल रॉड को हीट कर रहा है तो मान के चलो ये आपकी एक मेटल की रॉड है ठीक है ये आपकी एक मेटल की रॉड है और इसको हमने यहां पर एक कोई करंट कैरिंग वायर से हीट कराना शुरू किया ठीक है यहां से मैं करंट प्रोवाइड कर रहा हूं यहां से मैं करंट वापस ले जा रहा हूं तो ये जो हीट है ये पावर पी पावर प्रोवाइड कर रहा है ठीक है सवाल में मुझे दिया है द वायर प्रोवाइड्स कांस्टेंट पावर पी तो एक सेकंड में पी जूल प्रोवाइड करेगा तो टी सेकंड में कितना प्रोवाइड करेगा तो टी सेकंड में जो हीट सप्लाइड है ठीक है तो मैंने कहा हीट सप्लाइड बाय वायर हीट सप्लाइड बाय वायर इन टी सेकेंड्स तो टी सेकेंड्स में या मैं ऐसे लिख सकता हूं रेट ऑफ इट चलो भाई टी सेकंड ठीक है तो Q की वैल्यू P इन टू टी के बराबर है अब जरा ध्यान दीजिएगा इट इज ऑब्जर्व दैट देंपरेचर चेंज दे रखा है तो इस वायर का टेम्परेचर चेंज दे दिया है ठीक है तो मैंने कहा हैचर क्या बोल रखा है तो टेम्परेचर हमें बोल रखा है T नॉट और क्या क्या दिया है वन प्लस बीटा टी की पावर वन बाई फोर वन प्लस बीटा टी की पावर वन बाई फोर और आपसे क्या पूछा है आपसे सवाल में पूछा हुआ है हीट कैपेसिटी वे आर टी नॉट कॉन्स्टेंट है हीट कैपेसिटी मैंने कहा सर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मैंने कहा जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा हीट कैपेसिटी होता है क्यू इजिकल्स टू सी इन टू डेल्टा टी ठीक है तो अगर मुझे टेम्परेचर दिया है पावर तो मुझे पता है क्यों तो पता है पी इंटू टी हो जाएगी सर पी इंटू टी पावर इंटू टाइम सी इंटू डेल्टा टी मैंने कहा ऐसा कुछ कर लेता हूं लेकिन अब एक रायता है रायता क्या है सर यहां पर मुझे इससे ज्यादा काम नहीं बनेगा ठीक है मैंने कहा सर अब इससे मुझे क्या निकालना है सी निकालना है ठीक है तो मैंने कहा एक काम करता हूं क्या मैं ऐसा बोल देता हूँ छोटी छोटी पावर को मैं डी टी लिख देता हूं डी टी सेकंड में ठीक है तो मैंने कहा सर यहां पर जो dq क्यू हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सर dq क्यू विल भी टू सी इन टू मैंने कहा बात सही है तो dq क्या हो जाएगा अब dq मैं लिख देता हूं p इन टू डी टी सी इन टू डी कैपिटल टी कैपिटल टी आपका टेम्परेचर है ध्यान दीजिएगा कैपिटल टी आपका टेम्परेचर है स्मॉल टी आपका टाइम है मैं हमेशा यही सिंबल यूज करूंगा ठीक है कैपिटल टी टेम्परेचर है तो सी इंटू डी कैपिटल टी ठीक है डिवाइडेड बाई ये हो गया अब जरा देखना सी क्या हो जाएगा C टू पी अपॉन डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल ठीक है अब बस तुमको इसका डिफरेंशिएशन ही तो करना है यार हो गया ठीक है तो बस डी कैपिटल यहां से निकाल लेता हूं वन का डिफरेंशिएशन जीरो बीटा टी नॉट इनटू बीटा इनटू वन बाई फोर टी की पावर माइनस थ्री बाई फोर ठीक है यह कुछ आ जाएगा तो अब मैंने कहा ये सी कितना था हमारा पी पावर डिवाइडेड बाई तो पी डिवाइडेड बाई टी नॉट बीटा बाई फोर स्मॉल टी की पावर माइनस थ्री बाई फोर तो पी फोर पी टी की पावर थ्री बाई फोर अपॉन टी नॉट इंटू बीटा ठीक है फोर पी बीटा अ कांस्टेंट ठीक है कुछ रायता फैला क्या सी निकालना था मुझे टेम्परेचर मुझे ये दे रखा है ठीक है अगर मुझे टेम्परेचर दे रखा है तो मुझे uh, Q इजिकल्स टू एम एस डेल्टा टी या सी डेल्टा टी लिख देता हूँ डी तो की हो जाएगा सी डी टी ठीक है टी टाइम में पावर अच्छा चल डी टी मान लिया ये सी निकाल दूंगा ठीक है डी निकाल दिया डी तो टी अपन स्मॉल टी ये लिख दिया ठीक है आया तो यही अच्छा टी की वैल्यू भी तो हटानी पड़ेगी ना ठीक है ठीक है गड़बड़ नहीं लिखा है गड़बड़ नहीं लिखा है सही लिखा है ठीक है ये टी तो हमने माना है स्मॉल टी टाइम में ठीक है ये टी तो हमने माना है ना भाई चल अब देख तो ले यहां पे इसकी वैल्यू इसने अच्छा, माइनस भी किया देख ठीक है तो बस इसकी वैल्यू छापनी पड़ेगी हमको पी नॉट पी दे रखा है बीटा दे रखा है टी नॉट दे रखा है बाकी सब चीजें दे रखी हैं ठीक है पी बीटा टी नॉट सब दे रखा है और मैंने कहा मुझे ये टी चाहिए था टी की पावर थ्री बाई फोर ठीक है तो टी की पावर थ्री बाई फोर को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं तो इसको यहां से कहीं इसने रिप्लेस किया है बस और कुछ नहीं किया ठीक है तो देख भाई अगर मैंने कहा टी इजिकल्स टू टी नॉट प्लस नॉट बीटा टी की पावर वन बाई फोर ठीक है तो ये क्या हो जाएगा टी नॉट बीटा की पावर बीटा टी की पावर वन बाई फोर यह क्या हो जाएगा टी माइनस टी नॉट ठीक है तो टी की पावर वन बाई फोर क्या हो जाएगा और इसने शायद इसी को रिप्लेस कर दिया है हमारे ऊपर क्या है ऊपर न्यूमरेटर है पी टी की पावर थ्री बाई फोर तो पी कुछ दिख रहा है यहां पर पी तो कोई है ही नहीं ठीक है खाली टी की पावर वन बाई फोर वन बाई फोर लिख दो तो क्या हो जाएगा टी माइनस टी नॉट बाई बीटा टी नॉट ठीक है ये हो जाएगा तो T की पावर थ्री बाई फोर क्या हो जाएगा T माइनस टी नॉट बाई बीटा टी इसका होल क्यूब हो जाएगा ठीक है बस इससे रिप्लेस कर देना है यहां पर तो आंसर सही आया था फोर पी डिवाइडेड बाई टी नॉट बीटा अब उसने फैंसी बना दिया है क्या है फैंसी ये है T माइनस टी नॉट बाई बीटा टी नॉट माइनस टी नॉट बाई बीटा टी नॉट होल का फोर पी डिवाइडेड बाई टी नॉट की पावर फोर बीटा की पावर फोर ठीक है और ये आप इसमें आप देख टी को क्या लिख दिया टी को इसने बड़े फैंसी टर्म में टी कैपिटल टी ऐसा कुछ करके लिख दिया है ठीक है तो होल क्यूब वाला टर्म आ रहा है होल क्यूब वाला टर्म ये आ रहा है ठीक है और देर इज़ अ वेरी हाई प्रोवलिटी कि यहाँ पे कुछ कट कटा तो नहीं रहा ठीक है बस एक बार बस बाकी सब चीज़ें चेक कर लेना एक मिनट इसकी पावर माइनस थ्री बाई फोर ई की पावर थ्री बाई फोर था ठीक है जब मैंने थ्री बाई फोर रखा इसकी पावर मेरे में फोर ही आ रही है ठीक है हाँ लेकिन एक बार बस ये मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील आ रहा है कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है ठीक है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है या हो सकता है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी हूँ ठीक है लग तो मुझे यही रहा इसी टाइप का कि क्यूब वाला ठीक है तो करना कुछ नहीं आ आंसर वही था स, आ, आंसर वही है सब कुछ वही है बस यहाँ पर इसने ये होशियारी दिखा दी कि अब इसको टर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ा ठीक है तो टी की पावर थ्री बाई फोर उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया चल पूछ लिया तो पूछ लिया ठीक है चल अगला सवाल ठीक है अब यहां ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है वाटर हीटर ऑफ पावर 2000 थाउजेंड वॉट इज यूज टू हीट वॉटर वाटर हीटर है जो पावर क्या है 2000 हजार वॉट ठीक है तो इट इज यूज टू हीट वॉटर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वॉटर ये तो हमको पहले से ही पता है इफिशियंसी ऑफ हीटर इज 70 परसेंट सत्तर परसेंट इफिशियंसी पे काम करता है मतलब क्या अगर मान के चलो इसने एक हजार सौ वॉट पावर है सौ वॉट में खाली सत्तर वॉट पावर डिलीवर कर पाएगा मतलब सत्तर वॉट का गर्म कर पाएगा ठीक है तो पावर कितनी है दो हजार तो पावर डिलीवर्ड ये कितनी हो जाएगी इट विल बी 70 परसेंट ऑफ रेटेड पावर जो भी इसकी रेटेड पावर है ठीक है तो 70 पॉइंट सेवन इंटू टू थाउजेंड एक जीरो से चौदह फोर्टीन हंड्रेड वॉट करेगा टाइम रिक्वायर्ड टू हीट टू के जी ऑफ वाटर फ्रॉम टेन डिग्री टू वाट को मैं देता हूं, जूल पर सेकंड. एक सेकंड में चौदह सौ जूल प्रोवाइड कर रहा है ठीक है तो कितने टाइम में ये गर्म कर देगा मैंने कहा क्यूजिकल्स टू एम एस डेल्टा टी क्यू क्या हो जाएगा पावर इन टू टाइम एमएस डेल्टा टी पावर कितनी है 1400 हंड्रेड जूल इन टू टी निकालना है मास कितना डेल्टा है? है? है. है? टी 10 से 60 यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस ठीक है तो टी निकलाएगा यहां से एज्यूम स्पेसिफिक हाँ, वो तो हम पहले से मानते आ रहे हैं तो दो जीरो से दो जीरो उड़ा दो ठीक है बयालीस इंटू दो चौरासी एट्टी फोर इंटू फिफ्टी डिवाइडेड बाई फोर्टीन चौदह पंजे सत्तर चौदह चौरासी छः छः पंजे तीस तीन सौ सेकेंड्स कुछ लग रहे हैं ठीक है ये कुछ आंसर आ जाएगा थ्री हंड्रेड सेकेंड्स ठीक है सारी चीज़ें ऐसा ही में ही ले रखी हैं मैंने कुछ अंतर नहीं किया इसीलिए सारी आंसर सेम ही आएंगे ठीक है उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा चल भाई क्लियर अगला सवाल हम्म hmm. क्या बोल रहा है कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 5 के जी इज हीटेड टू 500 हंड्रेड इज प्लेस इन लार्ज आइस ब्लॉक व्हाट इज द मैक्सिमम आइस दैट इट कैन मेल्ट Uh, कितनी ज्यादा से ज्यादा आइस मेल्ट कर सकता है मतलब देख जैसे इसने बोला ना मैक्सिमम आइस दैट इट कैन मेल्ट तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस का मतलब है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होने वाला है जीरो डिग्री सेल्सियस होने वाला है तो कॉपर कितनी हीट सप्लाई करेगा तो मैंने कहा हीट सप्लाइड बाय हीट सप्लाइड बाय कॉपर इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब बाई आइस ठीक है आइस आइसर कितनी हीट सप्लाई कर सकता है एम डेल्टा टी सारी चीजें ऐसा SI यूनिट में लिखी हैं तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है तो मास कितना है पांच के जी स्पेसिफिक हीट कितना है जीरो पॉइंट थ्री नाइन जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है ठीक है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है यहां पर ध्यान रख लेना जूल पर ग्राम है तो पांच के है और यहां पर पांच ग्राम कर लेता हूं इसको मैं फिर हजार ग्राम ठीक है तो फाइव थाउजेंड इन पॉइंट थ्री नाइन ठीक है इन टू टेम्परेचर कितना है पांच सौ पांच सौ से फाइनल हो गया है जीरो डिग्री सेल्सियस मतलब बॉडी ठंडी हुई है इनिशियल टेम्परेचर कितना था पांच सौ ठंडा होकर के क्या हो रहा है जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है बस एक बात याद रख लेना इसमें तुम्हें गुमराह करने के लिए यहां पर फाइव के बोल दिया है और यह बोल दिया जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ठीक है तो के को ग्राम में कन्वर्ट कर लो पांच से ग्राम लिख दो इज टू तो हीट आइस तो यहां पर देख ये क्या लिखा है हीट, तो मैंने कहा कितना थ्री थर्टी फाइव जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस यहां पे भी आंसर ग्राम में ही आएगा ठीक है ग्राम में ही आएगा सब चीजें खत्म हो रही हैं तो अब कुछ काट पीट लो जो भी आंसर आएगा तो फाइव थाउजेंड इंटू थर्टी नाइन इंटू फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड का दो ज़ीरो ख़त्म कर दो इंटू फाइव कर दो इजिकल्स टू एम इंटू थ्री थर्टी फाइव ठीक है तो एम आ जाएगा फाइव हंड्रेड इंटू फाइव इंटू थर्टी नाइन डिवाइडेड बाई थ्री थर्टी फाइव इतने ग्राम्स में आएगा ठीक है तुमको तो के जी में निकालना है कैलकुलेशन गंदी जा ही रही है वो तो दिख ही रहा है ठीक है हज़ार का और मल्टीप्लाई इसका हज़ार का डिवाइड कर दो ना फाइव हंड्रेड इंटू थर्टी नाइन इंटू फोर सेवेंटी चालीस का दो नहीं अस्सी सेवेंटी एट डिवाइडेड बाई थ्री थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई थाउजेंड के जी तो ये कर दो, दो ये हो गया कितना एक मिनट ये कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने कैलकुलेशन में फाइव हंड्रेड इंटू पांच नम पैंतालीस पांच तीन पंद्रह पंद्रह और चार सोलह उन्नीस वन नाइनटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव इंटू हंड थाउजेंड इतना के जी तो ये हो गया दो ठीक है वन नाइनटी फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स हंड्रेड सेवेंटी के जी ठीक है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या एक जीरो की कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे लग रही है कही कहीं ना कहीं हाँ ये लो ज़ीरो की मिस्टेक दिख गई ये पाँच सौ क्यों कर दिया मैंने ये पाँच हजार था ना ठीक है पाँच हजार था तो भाई वन नाइन फाइव जीरो तो सिक्सटी सेवन ये लगभग लगभग तीन टाइम के आसपास तीन के आसपास आएगा तो लगभग लगभग आंसर सी होना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के मत बैठ जाना वन नाइनटी फाइव डिवाइडेड बाई सिक्सटी सेवन ठीक है छत्तीस अठारह एक सौ अस्सी के आसपास मतलब जाता है तो मैंने कहा टू पॉइंट नाइन हो गया ठीक है आ, एक जीरो पर हमने मिस कर दिया था चल अगला सवाल क्या बोल रहा है यहां पर तो बोला हुआ है टेम्परेचर ऑफ इक्वल लिक्विड, X, y, Z, आर रेस्पेक्टिवली दस बीस एंड तीस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर व्हेन एक्स इज मिक्स्ड विद वाई इज दिस वाई इज मिक्स्ड विद जेड इज दिस टेम्परेचर ऑफ मिक्सर अभी थोड़ी देर पहले वो टेबल वाला काम किया था ठीक है अभी थोड़ी देर पहले ही जो टेबल बना के सॉल्व किया था सेम वही तीन इक्वेशन बनेंगी सॉल्व करना पड़ेगा टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस इस बार यहां पे मास बराबर दे रखा है लेकिन स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगी ठीक है तो एम इंटू एस वन इंटू टी वन इससे कुछ करना पड़ेगा ठीक है करना पड़ेगा कर लोगे ठीक है चल भाई यहां तक की बात बता दे मुझे यहां तक की बात क्लियर है पर कितने क्वेश्चन हैं सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा बस सिर्फ इतना अंतर है कि यहां पर स्पेसिफिक हीट इसकी एस वन मान लेना इसकी स्पेसिफिक हीट और इसकी स्पेसिफिक हीट एस थ्री और फिर वही चीज के इसको इससे मिक्स किया इसको इससे मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर वगैरह दे रखे हैं ठीक है अरे यार खत्म ही नहीं हो रहे सवाल हाइट ऑफ विक्टोरिया फॉल इज वॉट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर अब यार ये तो अभी थोड़ी देर पहले किया है मैंने क्लास में ही कराया है देख थोड़ी देर पहले कराया था एक बॉल है एच हाइट से नीचे गिर गई है तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा ये सेम वही सवाल है तो भैया ऐसा है मैंने सवाल कैसा कराया था मैंने ये कराया था कि एक बॉल को एच हाइट से ड्रॉप किया है बता देना टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा तो एम जी एच इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी के बराबर किया था अब इसने क्या बोला इसने बोला नहीं 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 बॉल नहीं गिराऊंगा झरने में पानी का डिफरेंस बता दे तो भैया एक बात बता चाहे झरना गिरा चाहे कुछ भी कर तू कहानी तो सेम वही है ना एम जी एच इज टू एम एस डेल्टा टी बस यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रख लेना यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रख लेना एक आइस क्यूब डायमेंशन इज प्लेस्ड इन अ वॉल बॉक्स कीपिंग द बॉक्स एट जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ब्रॉट फोर्टी रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज अप्रोक्सीमेटली आ, ये नहीं अभी करना है ये अभी आएगा ठीक है ये अभी आएगा और ये क्या है चल भाई ब्लॉक ऑफ आईस एट जीरो डिग्री थ्री हंड्रेड एट इतना एक्स के जी ऑफ आई स्मेल वाटर इतना वैल्यू ऑफ एक्सिस ये तुम्हारे हवाले वतन साथियों भाई ये तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कराया है ये क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कितनी ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी ब्लॉक ऑफ आइस 120 ग्राम पर है ठीक है टेम्परेचर जीरो है. इस पुट इन 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस x ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स एज रूम टेम्परेचर रीचेस ठीक है जीरो डिग्री सेल्सियस बता देना कितना करेगा ठीक है मैंने कहा यार अभी तो स्लाइड यही तो कराया है क्वेश्चन जब मैं आइस वाटर मिक्सचर करा रहा था सेम यही तो कर रहा था ठीक है अच्छा अब पता नहीं क्यों मेरे को दिमाग में एक चीज आ रही है ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात एक सवाल इस तरीके का भी कभी कभी रेयरली कभी कभी आता है लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं पूछ सकता ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनना और देखते हैं इस बार कितने लोग इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे देखते हैं तुम में से मैंने कहा सर यहां पर मैंने यहां पर मैंने लेटेस्ट से दस ग्राम स्टीम ली है कितने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है और यहां पर मेरे पास आइस है वो भी क्या है दस ग्राम आइस है कितने पर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर अरे हंड्रेड डिग्री पर कैसे जीरो डिग्री सेल्सियस पर ठीक है आपको फिर से वही निकालना है क्या करना है सर फाइनल टेम्परेचर और फाइनल कॉम्पोजिशन फाइंड टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन मैंने कहा ठीक है सर आ, क्या है सर स्टीम आइस बन जाए स्टीम आइस बन बनाने के लिए आइस को बहुत नीचे टेम्परेचर पर हो बिल्कुल बन सकती है बिल्कुल बन सकती है सारी की सारी स्टीम आइस बन सकती है लेकिन उसके लिए मास ऑफ आइस वो भी जीरो पर नहीं होगा बहुत नेगेटिव पर होगा माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर आइस रखिए ठीक है बहुत सारी आइस रखी है जरा सी स्टीम है स्टीम पहले कंडेंस हो जाएगी मतलब क्या आपने मेल्ट किया सारी की सारी आइस भी कंडेंस हो गई क्यू नेगेटिव इतना आ गया इतना नेगेटिव आ गया कि सारा जितना आइस था ना उससे ज्यादा स्टीम निकल आई वो भी कन्वर्ट हो गया ठीक है आ सकता है सेम वही लॉजिक यहां पर भी देख यार मैंने कहा क्या बोला था सबसे पहले क्या करना होता है कन्वर्ट एवरीथिंग इंटू जीरो डिग्री सेल्सियस वॉटर इक्विवेलेंट तो भाई ऐसा है ए सर Left, कितना आएगा मैंने कहा सॉल्व करके देख ले तो 10 ग्राम स्टीम है M, S, Delta, T, 540 से खा जाएगी। कितना खा जाएगी एम इन टू एल आठ सौ कैलोरी खा गई तो टेन इंटू सिक्स फोर्टी माइनस एट हंड्रेड सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड कैलोरी में से आठ सौ कैलोरी आइस ने खा लिए कितना बचा पांच हजार छह सौ कैलोरी बच गया बोलो यार क्यू लेफ्ट बच गया है पॉजिटिव में तो इसका मतलब क्या है सारा का सारा पानी सॉरी सा, सारी, सारी की सारी आइस क्या हो चुकी है सर सारी की सारी आइस मेल्ट हो चुकी है सारी की सारी आइस मेल्ट हो चुकी है ठीक है सर अगर सारी आइस मेल्ट हो चुकी है इसका मतलब यह है कि सर अब क्या बनेगा अब फाइनल टेम्परेचर जीरो से ऊपर जाएगा ठीक है फाइनल टेंपरेचर क्या होगा सर फाइनल टेम्परेचर हमारा जीरो डिग्री सेल्सियस से ऊपर की ओर जाएगा मैंने कहा कितना फाइनल टेंपरेचर होगा तो क्यू लेफ्ट इजिकल्स टू एम एस डेल्टा टी मैंने कहा ठीक है सर क्यू लेफ्ट कितना है पांच हजार छह सौ एम कितना है सर बीस ग्राम दस ग्राम ये था दस ग्राम ये था पानी है तो ऐसा ये हो गया टी माइनस जीरो फाइनल टेम्परेचर टी की वैल्यू कितनी आ गई 560 बाई दो ठीक है ढाई सौ दो सौ अस्सी कितना आ गया 280. अब कई बच्चे, कई बच्चे क्या करते हैं बिना सोचे समझे 280 पे मार्क कराते हैं जरा नोटिस करना एक चीज सोचना मेरे भाई क्या पानी का टेम्परेचर कभी 280 डिग्री सेल्सियस हो सकता है क्या सोच 100 डिग्री सेल्सियस की तूने स्टीम ली 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम ली और 280 डिग्री सेल्सियस का पानी बना दिया वाह ये कौन सा कंजर्वेशन लॉ है भाई गड़बड़ समझ में आई तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि सर सारी आइस मेल्ट हो गई अब इतनी हीट फिर भी बच गई अब ये हीट जो है दे रहा है सौ डिग्री तक जा चुका है मतलब क्या अब स्टेट चेंज दूसरा लेवल पर कर गया पहला क्या था कन्वर्ट एवरीथिंग आइस वॉटर ठीक है वाटर सारी आइस मेल्ट हो गई अब पानी गर्म होना देख ये पानी सारी सारा आइस क्या हो गया मेल्ट हो गया अब ये पानी गर्म होना शुरू हुआ और पानी गर्म होते 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 100 डिग्री तक पहुंच चुका है तब भी अभी भी स्टीम बची है

20 ग्राम पानी को 100 डिग्री तक पहुंचाने में कितनी आए, कितना और हीट लग जाएगी मैंने कहा कितना है इसने मैंने जीरो डिग्री पर वाटर में कन्वर्ट किया मैंने कहा सर इसने कितनी हीट दे दी मेरे को छह जिसमें से 800 कैलोरी इसको मेल्ट करने में लग गई हाँ सर अब सारा का सारा क्या बन चुका है सर जीरो डिग्री का पानी मेरे पास कितनी हीट बच गई है पांच हजार छह सौ अब ये बची हुई हिट से हम क्या कर रहे हैं पार्टी कर रहे हैं लेकिन भैया पूरे सिनेमा हॉल में इतने पॉपकॉर्न नहीं है जितने की तुमने पार्ट तुम्हारे पास जेब में रुपया है तो क्या करोगे अब सिनेमा हॉल छोड़ के किसी अच्छी जगह जाएंगे ठीक है किसी कहीं लेविश जगह जाएंगे जहां पर हम पैसा उड़ा सकें वापस नहीं करेंगे ठीक है तो अब क्या किया मैंने मैंने कहा सर पहले तो सारे सिनेमा हॉल के सारे पॉपकॉर्न खरीदो ठीक है तो मैंने कहा सर जीरो डिग्री सेल्सियस के पानी से, तो 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 से पहुंचाना है मास कितना है सर बीस ग्राम एस है वन और डेल्टा टी हो गया सौ दो हजार कैलोरी खर्च हुआ है बस मेरे पास कितना था हजार छह सौ इसमें से ठीक है ये क्या है दिस इज दी जीरो डिग्री सेल्सियस से हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में पानी को खर्च किया हुआ अमाउंट तो 2000 खर्च हो गया अब कितना क्यू लेफ्ट बचा अब जो क्यू लेफ्ट बचा नया वाला तो पांच हजार छ सौ में से दो हजार और खर्च हो गया बचा कितना तीन हजार छ सौ और इसका क्या करेंगे अब पानी को स्टीम बनाना शुरू करेंगे तो मास ऑफ स्टीम यू लेफ्ट जितनी भी बची है डिवाइडेड बाई 540 इस बार टिकट महंगी हो गई है तो 3600 डिवाइडेड बाई 540 ठीक है इतने ग्राम स्टीम बनेगी और जैसे स्टीम बनना शुरू हो गई मतलब फाइनल टेम्परेचर तो जीरो डिग्री सेल्सियस ही होगा तो टी फाइनल इजिकल्स टू सॉरी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऊपर टेम्परेचर नहीं हो सकता है ठीक है तो फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम का मास भैया जो भी हीट बची बची कुची अब उसको मैंने हीट पर कन्वर्ट कर लिया ठीक है तो 360 सिक्सटी बाई फाइफ्टी जो भी आंसर आएगा ठीक है सर मास 15 नहीं लेंगे क्या प्लीज क्लियर 15 क्यों लेंगे भाई 10 ग्राम ये है 10 ग्राम ये है तो 20 ग्राम ही तो लेंगे 15 क्यों लेंगे 15 लेने का क्या पर्पज बनेगा सोचो 10 ग्राम आइस मेल्ट होके 10 ग्राम पानी बनेगी 10 ग्राम स्टीम होकर कंडेंस होकर के 10 ग्राम का पानी बनेगा ठीक है चल यार क्लियर है अब ये चीज कभी-कभी ऐसे सवाल भी पूछ लेता है खास तौर से जेई एडवांस में जब घुमाना होता है तो ऐसे सवाल से घुमाता है ठीक है आइस क्यूब डायमेंशन इज प्लेसड इन एन इन इंसुलेशन बॉक्स अच्छा ये तो अभी कराई थी तो मैंने बोला था मना करने को ठीक है एम ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्स विद टू हंड्रेड ग्राम ऑफ आइस कर चुके वेपराइजेशन कितना होता था? 540 मतलब क्या एक ग्राम वाटर को स्टीम बनाने के लिए 540 सौ लाइए चाहिए मेरे पास जो बचा था उसका 540 से डिवाइड किया ये सवाल हम कर चुके हैं ना ठीक है ये सवाल हम कर चुके हैं मुझे लग रहा है चल भाई इस बार क्या है सवाल में तो बोल रहा है कि पांच ग्राम का बुलेट है ट्रेवलिंग विद स्पीड 210 हंड्रेड टेन स्ट्राइक सा फिक्स वर्न टारगेट ठीक है तो बुल, बुलेट जो है ध्यान से सुनना पांच ग्राम की बुलेट है एक मेटल टारगेट से स्ट्राइक करती है स्पीड दे रखी है 210 मीटर पर सेकंड ठीक है ये आपका वुडन टारगेट है ये आपकी बुलेट है ठीक है मास दिया है इसका पांच ग्राम और ये मूव कर रही है 210 मीटर पर सेकंड से ठीक है, हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू कन्वर्टेड इंटू हीट है राइज इन टीट ऑफ इसकी काइनेटिक एनर्जी थी उसकी आधी काइनेटिक एनर्जी एम एस डेल्टा टी में चली गई है ठीक है तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी कितनी है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी है बुलेट की हाफ एम वी तो एम एस डेल्टा टी फिजिकल्स टू आधा काइनेटिक एनर्जी यानी कि वन बाई फोर एम वी स्क्र एम से एम तो उड़ गया आपसे पूछा होगा शायद डेल्टा टी ठीक है क्या पूछ रहा है इट इज वाइल अदर ऑट द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द बुलेट इफ स्पेसिफिक हीट मटेरियल की दे रखी है ठीक है चलिए यार डेल्टा टी पूछ रहा है वी स्क्वेर बाई फोर एस बस ये आंसर आ जाएगा ध्यान देना मेरी बात ध्यान से सुन लेना यहां तुम फिर से गच्चा खाओगे क्या गच्चा खाओगे तुम ये गच्चा खाओगे कि देख v की वैल्यू क्या है सर मीटर पर सेकंड में और स्पेसिफिक हीट में तो उसको कन्वर्ट कर ले जूल में जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो एक कैलरी होता है फोर पॉइंट टू झूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ठीक है ये कन्वर्ट जरूर कर लेना नहीं तो फिर तुम्हारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं बेटा सवाल बहुत लल्लू आने वाले हैं न्यूमेरिकल वाइज हो सकता है थोड़े से आड़े तिरछे हो जाएं लेकिन एक बात ध्यान से देख लेना बेटा यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रख लेना नहीं तो बहुत रायते फैल जाएंगे ठीक है क्योंकि तू बार बार सब सही करके तू यूनिट कन्वर्जन में निपटा देगा ठीक है सब सही करके तू ये बोलेगा सर यूनिट कन्वर्जन कैसे करे सर हमने सर ये भूल गए कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लिया जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर ले ठीक है चल लास्ट सवाल इस टॉपिक का ठीक है लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस पर एक लिक्विड है स्पोर्ड वेरी स्लोली इनटू अ कैलोरी मीटर ये एडवांस 2022 19 का सवाल है ठीक है कैलरी uh, मीटर में डाल रहा है दैट इज एट टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस ठीक है द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 80 डिग्री सेल्सियस अच्छा जी इस लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पर है। कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 110 है ठीक है ठीक है तो मेरे पास ये कैलोरीमीटर है इस कैलोरीमीटर में मैं लिक्विड डाल रहा हूं ठीक है कैलोरी का टेम्परेचर क्या है एक डिग्री सेल्सियस पहले ही बोल रखा है ठीक है 30 डिग्री का लिक्विड है इसको मैंने कैलोरीमीटर मीटर में डाला है ठीक है मैं सबसे पहले करता हूं हाँ, 30 डिग्री का लिक्विड कंप्लीटली इवेपोरेट पहले 5 ग्राम तो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो गया आफ्टर पोरिंग अनदर 80 ग्राम ऑफ लिक्विड द इक्विलिब्रियम टेंपरेचर इज फाउंड टू बी 50 डिग्री सेल्सियस ठीक है रेशियो ऑफ लेटेंट हीट ऑफ द लिक्विड टू इट्स स्पेसिफिक हीट इज ठीक है चल भाई सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना मेरी बात जब मैं पहले धीमे धीमे डाल रहा हूं पहले पांच ग्राम तो पूरा का पूरा वेपराइज ही हो गया है पूरा पांच ग्राम वेपराइज हो चुका है मतलब क्या मतलब ये कि जब आप लिक्विड डाल रहे थे यहां से ठीक है आप यहां से लिक्विड पोर कर रहे थे ठीक है तो पांच ग्राम लिक्विड तीस डिग्री सेल्सियस से कहा पहुंच चुका है तीस डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री पर पहुंच करके और इसके बाद वेपराइज भी हो गया है वेपर बन गया है ठीक है तो मैंने कहा सर और अच्छा अगर वेपर बन गया है इसका मतलब वेपर तब तक नहीं बन सकता जब तक यहां पर क्या हो जाएगा 80 नहीं पहुंच जाए तो मतलब इसका टेम्परेचर भी 110 से कितना पहुंच चुका होगा 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका होगा ठीक है तो पांच ग्राम को कितनी हीट दी होगी मैंने कहा एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी तीस से अस्सी यानी कि अस्सी माइनस तीस इतनी हीट तो पहले लगी होगी फिर इसके बाद इसको वेपराइज भी किया होगा तो फाइव इन टू एल लगी और ये वही हीट होगी दिस विल बी क्स जो इसमें कैलोरी मीटर में लगी होगी कैलरी मीटर का कुछ स्पेसिफिक हीट दिया है नहीं दिया है है ना तो कैलोरी मीटर में कितने में खर, खर्च हो गया है ठीक है कैलरी मीटर एक सौ दस से एक सौ दस से अस्सी पर आ गया है ठीक है चल भाई तो मैंने कहा कैलरी मीटर का हीट कैपेसिटी में सी ले लेता हूं C इंटू एक सौ दस माइनस अस्सी ठीक है ध्यान दीजिएगा मैं करना क्या चाह रहा हूं सवाल बहुत ही अच्छा है समझने की कोशिश कीजिएगा यहां पर यह बोल रहा है जितना हीट आपके लिक्विड ने लिया हीट एब्सॉर्बड बाय लिक्विड लिक्विड ने जितना हीट एब्सॉर्ब किया फिजिकल्स टू हीट रिलीज बाय कैलोरीमीटर मीटर और कैलोरी मीटर पहले कितने था 110 पर था 110 से 80 पर हो गया तो इतनी हीट रिलीज करी होगी इसने ठीक है और इसने एम एस डेल्टा टी प्लस एम एल ठीक है तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो 50 इंटू पांच तो 250 फिफ्टी एस प्लस फाइव एल इजिकल्स टू थर्टी इंटू सी ठीक है तो यहां पे मैं थोड़ा सा और कॉमन निकाल लेता हूं तो ट्वेंटी फिफ्टी एस प्लस एल टू सिक्स मैंने कहा ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई अब जरा ध्यान दीजिएगा अब इसके बाद कोई भी स्टीम स्टीम अब अब पानी लिक्विड अब नहीं बन पाएगा ठीक है अब क्या होगा ठीक है आफ्टर पोरिंग अस्सी ग्राम और लिक्विड डाला ठीक है तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो चुका है फाइनल टेम्परेचर पचास हो चुका है अनदर एट्टी ग्राम ठीक है तो अब सेकेंड कंडीशन देखना अब इसके बाद मैंने 80 ग्राम और डाला है जिसका टेम्परेचर कितना था तीस डिग्री सेल्सियस से खाली पचास डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाए बस ठीक है तीस डिग्री से पचास डिग्री तक बढ़ाए और उस केस में इसका टेम्परेचर अस्सी से पचास तक डिक्रीज होगा ठीक है तो फिर से ध्यान दीजिएगा सेकेंड कंडीशन तो हीट एब्सॉर्ब बाय लिक्विड इक्वल्स टू हीट supplied by calorimeter ठीक है सर इसने लिक्विड ने कितनी एब्जॉर्ब करी तो मैंने कहा वही चीज ms डेल्टा t तो लेकिन 80 है इस बार इसका स्पेसिफिक हीट s है डेल्टा t 30 से 50 हो गया है कैलोरीमीटर ने कितना सप्लाई किया c डेल्टा t इसका टेंपरेचर 80 से 50 हो गया है ठीक है तो ये कितना हो जाएगा ms डेल्टा t तो 50 minus 30 अस्सी इंटू एस इंटू ट्वेंटी थर्टीसी के बराबर हो गया ठीक है तो यहां से मुझे पता चल गया थ्री सी के बराबर हो गया ठीक है अब स्पेसिफिक सी की वैल्यू मैं उठा के यहां छाप देता हूं ये सेकंड इक्वेशन आ गई चाहो तो मैं सी लिख देता हूं वन एटी एस बाई थ्री सेकेंड इक्वेशन इस कैलरी मीटर की वैल्यू इस सी की वैल्यू में उठा करके इस वाली इक्वेशन में छाप देता हूं तो फिफ्टी एस फिफ्टी एस प्लस एल इज टू सिक्स ऑफ वन एटी एस बाई थ्री ठीक है तो ये हो जाएगा थ्री टू है आठ दूनी सोलह ये कुछ अभी गड़बड़ लिखा है कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी 160 हो जाएगा ना, 180 क्यों लिख रहा हूं मैं ठीक है हाँ हाँ चल करेक्ट कर लिया uh, तीन दूनी बत्तीस तो फिफ्टी एस प्लस एल इजिकल्स टू सोलह दूनी बत्तीस थ्री ट्वेंटी एस के बराबर इसको उधर भेज देता हूं तो 320 मतलब कितना हो गया 270s l तो इसने क्या पूछा है रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ लेटेंट हीट टू इट्स स्पेसिफिक हीट तो लेटेंट हीट मतलब l अपॉन एस पूछ रहा है तो l अपॉन एस किसके बराबर आ गया 270 के बराबर आ गया ये है आपका फाइनल आंसर ठीक है सवाल बहुत ही अच्छा था सोचने वाला सवाल था मतलब ये सवाल बेसिकली वाकई में हाँ एडवांस लेवल का ही है ना हाँ ये एडवांस में एडवांस 2019 में आया है ठीक है तो सवाल शायद तुमको समझ में आ रहा होगा कितना तगड़ा सवाल था क्या बोल रहा है कि पहले ग्राम को आप पता बच्चे क्या गड़बड़ हैं इसमें इस सवाल में जैसे ही बोलते हैं ना कि सर पहले पांच ग्राम खाली वेपराइज हो गया तो खाली बस एम ले एल लेते हैं फाइव इन लिख देते हैं अब पांच ग्राम तीस से यहां पर भी तो जाएगा सुन ले मेरी बात ठीक है सुन ले मेरी बात बच्चे यहां पर गड़बड़ करते हैं क्या करते हैं सर पांच ग्राम स्टीम बन गया ठीक है मतलब पांच ग्राम को कितना चाहिए तीस डिग्री पर था अस्सी पर तो ले जा ठीक है चल भाई यहां तक की बात अगर समझ में आ गई है तो मुझे बता दीजिए अब शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक की विच इज थर्मल एक्सपेंशन हां भाई कैलोरीमीटर 80 पर क्यों आया अरे सवाल में ही लिखा है मुझे 80 पर ये बॉईल हो रहा है तो अस्सी पर बॉयल हो रहा है इसका मतलब क्या कैलरी मीटर का भी तो टेम्परेचर एक सौ दस से अस्सी आया होगा अरे इक्विल भी बनेगा ना फाइनल ठीक है चल मेरी बात क्लियर है देख अगर यही सवाल करता रहेगा हाउ मेनी स्लाइड्स कितना टाइम लगेगा तो फिर बता दे भाई मैं थ्योरी थ्योरी पढ़ा के खत्म कर देता हूं काे इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने ऐसा नहीं कराया हो जिसका प्रीवियस ईयर में नहीं आ रहा हो छोड़ देना चला जाए यार जिसको पढ़ना है जो सॉल्व कर रहा है वो तो करने थे उसको कम से कम तुझे नहीं पढ़ना छोड़ दे कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है अगर तुझे लगता है तेरे कैपेसिटी के बाहर की चीज है तुझे लगता है तेरे ड्यूरेशन से ज्यादा जा रहा है तो तू छोड़ दे भाई मैं बोल रहा हूं बाद में आके देख ले ब्रेक ले और वापस आ जा यार फिर ये पता है क्या बोलेगा बाद में जाकर के फिजिक्स समझ में नहीं आती पता नहीं कैसे सवाल आ कुछ भी सवाल आ जाता है यार कहीं से कुछ भी बोझ लेते हैं पढ़ना है तो पढ़ ले यार नहीं पढ़ना तो तुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है एक आखिरी मौका देने का बस वादा किया था कि तुझे आखिरी मौके पे एक बार और मौका दे लेते हैं कि नहीं तू अभी अगर तैयारी करना चाहता है तो अभी हम तेरे साथ में लग के तैयारी करवाते हैं यार पर तुझे अभी भी नहीं फोड़ना है तो ठीक है भाई बाद में बहाने बना लियो कोई बात नहीं कि मेरी तबीयत खराब थी पेट दर्द हो गया था माथे में दर्द था बस यही चीज थी मैं तो मैं सह में निकाल लेता अटेम्प्ट वन तो क्या ही था मैं हाल निकाल देता ठीक है पर क्या हुआ कि आ, उस पता है ना स्कूल के एग्जाम्स आने वाले थे फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी चल बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में ठीक है किसी भी लिक्विड को किसी भी सॉलिड को किसी भी मटेरियल को इन जनरली जब आप गर्म करते हैं तो वो बॉडी क्या होती है एक्सपेंड करती है ठीक है कितना एक्सपेंड करती है मैंने कहा अब जरा ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले मैं बात करता हूं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ठीक है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है जब भी आपकी वन डायमेंशनल बॉडी को आप गर्म करेंगे जब भी आप किसी वन डायमेंशन फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर एक रॉड है ठीक है और मैं इस रॉड रॉड को गर्म करता हूं तो रॉड को गर्म करने रॉड को गर्म करने पर इस रॉड की लेंथ क्या होगी सर रॉड की लेंथ एक्सपेंड होगी ठीक है मैं एक साइड यहां पर जान बूझ करके मैं, मैं चाह रहा हूं कि एक ही साइड की हमें स्टडी करनी पड़े तो इसीलिए मैं एक साइड यहां पर आपके लिए दीवार लगा देता हूं इस दीवार का कोई और रोल नहीं है बस ये दीवार सिर्फ ये बता रही है आपको कि नहीं यार एक साइड की लेंथ बढ़ेगी ठीक है अगर मैं दोनों साइड फ्री रखता तो दोनों साइड की लेंथ बढ़ती हालांकि वो दोनों साइड की लेंथ मिलकर के इसी के बराबर होती तो उससे कोई अंतर नहीं आता है अगर इसकी लेंथ है एल या एल नॉट बोल देता हूं इनिशियल लेंथ ठीक है अब फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी ये एल नॉट में कुछ लेंथ डेल्टा एल बढ़ जाएगी ठीक है अब जरा एक चीज बताइएगा ये जो चेंज इन लेंथ है ये जो लेंथ बढ़ रही है ये किसके प्रोपोर्शनल होगी मैंने कहा सर जितना ज्यादा मैं गर्म करूंगा जितना ज्यादा मैं गर्म करूंगा डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ठीक है सर जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा लेंथ बढ़ेगी हां सर बिल्कुल सही बात है जितनी लंबी रॉड होगी उतना ज्यादा एक्सपेंड करेगी सर हर एक सेक्शन सोचो so, जितनी लंबी रॉड होगी उसमें ऐसे छोटे 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 उतने सेक्शन बनेंगे हर सेक्शन बढ़ेगा अगर हर सेक्शन जैसे फॉर एक्साम्पल एक एक मिलीमीटर के छोटे छोटे सेक्शन बनाए हर एक एक मिलीमीटर पॉइंट वन मिलीमीटर बढ़ रहा है क्योंकि सबका टेम्परेचर ही बढ़ा तो जितनी लंबी रॉड होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है तो भाई क्या मैं ये बोल सकता हूं अब इसके कांस्टेंट ले लेता हूं तो डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा एल इजिकल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी या मैं लिख देता हूं एल नॉट अल्फा डेल्टा टी ठीक है अल्फा क्या है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इसको हम बोलते हैं थर्मल को इफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन थर्मल कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन का थर्मल कोफिशियंट क्या है ठीक है दिस इज नोन एज ये किसकी प्रॉपर्टी है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल भैया लोहे की रॉड कर रहे हो कि लकड़ी की रॉड गर्म कर रहे हो उस पर भी तो डिपेंड करना चाहिए ना डेल्टा टी और एल नॉट तो सबके सेम हो सकते हैं ठीक है चीके? तो कौन सी रॉड गर्म कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करना चाहिए तो इसीलिए इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मैंने कहा ठीक है अब फाइनल एल लेंथ कितनी लिखूंगा तो फाइनल लेंथ इज़ इक्वल्स टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल यानी कि एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी एल नॉट कॉमन लेता हूं एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी ये आपकी आ गई है फाइनल लेंथ ऑफ दॉड एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी ये है आपकी रॉड की फाइनल लेंथ ठीक है रॉड की लेंथ इतनी बढ़ जाएगी अब कोई बोले नहीं सर डेल्टा एल अपॉन एल बता दीजिए फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट विल बी बीक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ठीक है फ्रैक्शनल चेंज इन इन लेंथ ऑफ़ ध्यान दीजिएगा सभी सभी में इस 5 की का होता है ठीक है अल्फा की डायमेंशन क्या होगी तो अल्फा की यूनिट होगी अगर मैं बात करूं यहां पर देखिएगा वन तो डायमेंशन लेस है तो अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी अल्फा की यूनिट हो जाएगी पर डिग्री सेल्सियस ठीक है यूनिट ऑफ अल्फा और डायमेंशन क्या हो जाएगी टी की पावर माइनस वन ठीक है ये है यूनिट और डायमेंशन अल्फा की कभी ऐसा हमें जरूरत पड़े तो हमने कहा क्या चीज आ गई एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी दिस इज द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जब भी आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो ये ऐसा होता है यूजुअली अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है ठीक है तो मैं लिख देता हूं यूजुअली जनरली अल्फा इज वेरी स्मॉल इससे क्या फायदा होता है मतलब बाइनोमियल वाले आ, आ, जो आ, आ, एस्टिमेशन थे वो आपके यहां पर लग जाते हैं ठीक है चल भाई अब बात करते हैं सेकंड टाइप के एक्सपेंशन की ठीक है एरियल थर्मल एक्सपेंशन ठीक है अब अगर आपके पास कोई एक बॉडी है जिसका एरिया है कुछ ठीक है लेटेस्ट से मैंने इस तरीके की एक बॉडी बना दी इसकी लेंथ मैंने लिख दी है एल नॉट इसकी विथ मैंने लिख दी है बी नॉट तो गर्म करने पर जब मैं इस बॉडी को गर्म करूंगा तो इसका लेंथ का और ब्रेथ दोनों ही चेंज होगा तो मैंने कहा एरिया क्या लिख सकता हूं मैं तो इसका एरिया लिख सकता हूं ए नॉट इजिकल टू एल नॉट इन टू बी नॉट जब मैं इसको गर्म करूंगा तो लेंथ भी बढ़ेगी और ब्रेथ भी बढ़ेगी तो दोनों की दोनों इंक्रीज हो जाएंगी ठीक है फाइनल लेंथ लेटे से मैंने बोल दी है एल है फाइनल ब्रेथ मैंने बोल दी है लेटेस्ट से बी है तो फाइनल एरिया मैं इसको लिख देता हूं एल इन टू बी एल नॉट भी बिल्कुल लीनियरली एक्सपेंड करेगा और बी नॉट भी लीनियरली एक्सपेंड करेगा तो ये क्या हो जाएगा एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी बी नॉट क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा बी नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी तो इसको मैं लिख देता हूं एल नॉट इन बी नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर अब जो ये एरिया आ गया इट इज इक्वल्स टू ए नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का यूजुअली अल्फा कैसा होता है बहुत ही छोटा होता है अल्फा डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा बहुत ही छोटा हो जाएगा तो ए विल बी इक्वल्स टू ए नॉट अल्फा डेल्टा टी और इसी को हम लिख देते हैं इज इक्वल्स टू ए नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी ठीक है डेल्टा ये बहुत ही छोटा होता है ये वाला टर्म बहुत ही छोटा होता है वेरी स्मॉल ठीक है तो ये हो गया अब बीटा को हम क्या कहते हैं बीटा इज थर्मल को ऑफ एरियल एक्सपेंशन ठीक है और बीटा की वैल्यू टू अल्फा के बराबर है बीटा की वैल्यू टू अल्फा के बराबर है तो भाई ये तुम्हारा सेकंड वो आ गया तो भाई देखना क्या है एक्सपेंशन एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी एरियल एक्सपेंशन ए नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी सेम वही चीज आप यहां पर यह भी बोल सकते हो कि सर डेल्टा ए चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा बीटा ए नॉट डेल्टा टी डेल्टा ए अपॉन एरिया फ्रैक्शनल चेंज बीटा डेल्टा टी इन पूरी प्रोसेस में इस पूरी प्रोसेस में डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है जब ऑब्जेक्ट्स गर्म करके एक्सपेंड करते हैं तो डेंसिटी में कमी आती ही आती है यहां पर एरियल डेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है अगर कोई बोल देना इसका सिग्मा एरियल डेंसिटी तो इसकी एरियल डेंसिटी में लिख सकता हूं इट इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट वन माइनस बीटा डेल्टा टी वही बाइनोमियल से ठीक है ये क्या है एरियल डेंसिटी अगर कहीं कोई पूछ ले ठीक है अब अगर मैंने लीनियर एक्सपेंशन निकाल लिया मैंने एरियल एक्सपेंशन निकाल लिया तो ठीक इसी के बेसिस पर मैं यहां पर यह भी निकाल सकता हूं भाई कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन निकाल सकता हूं तो थर्ड केस जो आएगा इट विल बी वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन ठीक है तो अगर आपका कोई एक वॉल्यूमेट्रिक जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक क्यूब है ठीक है एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है एल नॉट ब्रेथ है बी नॉट और हाइट है एच नॉट तो इस सेम इसी प्रिंसिपल पर मैं लिख सकता हूं फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी अर गामा इज थर्मल कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ठीक है थर्मल कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ठीक है तो ये है आपका वॉल्यूम में एक्सपेंशन थर्मल कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन अब जरा देखिएगा गामा की वैल्यू किसके बराबर होगी सर गामा की वैल्यू हो जाएगी थ्री अल्फा के बराबर ठीक है क्योंकि भैया क्या हो जाएगा एल नॉट बी नॉट एच नॉट ठीक है वन प्लस गामा अल्फा डेल्टा टी का क्यूब बनेगा इस बार ठीक है तो क्यूब बनेगा तो आपका यहां पर आ जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा अगर मुझे वॉल्यूम पता चल गया आप जैसे फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी चलो सबसे पहले तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा वी नॉट गामा डेल्टा टी डेल्टा वी अपॉन वी नॉट फ्रैक्शनल वॉल्यूम में चेंज गामा डेल्टा टी आपको सिर्फ यह फॉर्मूला याद रखना है बाकी कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है आप अपने आप यह चीजें बता रहा हूं मैं हर जगह हाईलाइट जरूर कर रहा हूं आप नोटिस कीजिएगा जब जब मैं फॉर्मलेस बताता हूं जिन जिन फॉर्मुलेस को मैं गोला लगा रहा हूं ठीक है मैं इसीलिए वो लगा रहा हूं सो देट आप वो फॉर्मलेस याद रखें यहां पर भी देखिएगा मैं हमेशा स्टार और गोले लगा रहा हूं ठीक है चल भाई तो अब जरा यहां देखिएगा अगर हमें लेंथ ब्रेथ और वॉल्यूम पता चलेगा लेंथ एरिया और वॉल्यूम का एक्सपेंशन समझ में आ गया तो अब बस मुझे डेंसिटी के और बारे में बात करनी है ठीक है आखिरी पार्ट क्या बचा है डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है सर मास अपॉन वॉल्यूम लेट अस से ओरिजिनल डेंसिटी क्या थी एम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मास तो उतना तो तो ही रहने वाला है मास तो कभी चेंज होता नहीं तो सर अब जो नई डेंसिटी आ जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी इसको मैं लिख देता हूं एम नॉट एम अपॉन वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी की पावर माइनस वन एम अपॉन वी नॉट को ओरिजिनल डेंसिटी तो मेरे कहा जो डेंसिटी आ जाएगी रो नॉट वन माइनस गामा डेल्टा टी क्योंकि माइनस वन है सेम वही बाइनोमियल फिर से लग गई अब जरा देखिएगा एक तरफ जहां पर एक तरफ जहां पर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है डेंसिटी क्या हो रही है कम हो रही है मतलब क्या डेंसिटी आपकी कम होती जा रही है तो धीमे धीमे इसका एक्सपेंशन होता जाएगा और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती जाएगी ठीक है मास कांस्टेंट रहता है चल भाई क्या यहां तक की बात सभी को क्लियर है क्या यहां तक की बात आप सभी को क्लियर है फटाफट से बता दो यार ठीक है फटाफट से बता दो बहुत बढ़िया ठीक है चल यार अब अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है तो अब जरा देखिएगा ये वाला अरे यार ये सवाल बार 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 पीछे आ रहा है उसको भी थोड़ी देर में बात करते हैं इससे इससे थोड़ी देर में निपटेंगे ठीक है इफेक्ट ऑन शेप ठीक है अगर आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो उस चीज के शेप पर क्या असर पड़ता है ठीक है तो मैं बस एक चीज आपको बोलूंगा ठीक है अगर आइसोमेट्रिक एक्सपेंशन है मतलब कि हर डायरेक्शन में सेम तरीके से तो थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक अ डिजिटल जूम ठीक है पिक्चरों को जूम कर करके तो तुमने देखा ही है थर्मल एक्सपेंशन इज सिमिलर टू जूमिंग एन इमेज एक इमेज को जूम करना है ठीक है इट डज नॉट चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है और ध्यान देना आइसोमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहा हूं ठीक है चल यार तो भाई ऐसा है कि थर्मल जूम क्या होता है आपको एक्सपेंशन है बेसिकली मतलब क्या समझिएगा जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ठीक है फाइंड द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन आर वन आर टू एंड आर वन माइनस आर टू बेसिकली क्या है आपके पास यहां पे एक कोई इस तरीके का डिस्क है ठीक है एक इस तरीके की आपके पास यहां पर एक डिस्क है और इस डिस्क के अंदर ठीक है यहां पर आपका सामान भरा हुआ है जो भी सामान है ठीक है अब मैंने इसको गरम किया, तो जब गरम किया, तो क्या होगा R1 पर क्या असर पड़ेगा आर टू पर क्या असर पड़ेगा और आर वन माइनस आर टू पर यह है आपका आर वन यह है आपका आर टू और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ठीक है चल भाई तो ध्यान दीजिएगा हमेशा याद रखिएगा थर्मल एक्सपेंशन में सारी की सारी चीजें एक्सपेंड ही करती हैं मतलब क्या सर ये जो है टू जो है ये क्या करेगा ये बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगा सर ये बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगा मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब ठीक है अब कुछ बच्चों को ये लगता है सर जब एक्सपेंड करेगा सर ये अंदर भी तो आ सकता है सर, ये अंदर आ जाए मैंने कहा देख जब एक बात बता ठीक है जब तेरे घर में लाइट नहीं होती है ठीक है बहुत गर्मी होती है मतलब बिल्कुल भका भक्क बिल्कुल गर्मी वाला मौसम है ठीक है टेम्परेचर हो रहा है चालीस डिग्री सेल्सियस बालीस डिग्री सेल्सियस ठीक है बिल्कुल कड़कड़ाती कल धूप है ठीक है अब एक बात बता ऐसे में क्या तू तो ये बोलता है कि घर के सारे सदस्यों को कि नहीं 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 सब लोग इधर आ जाओ सब लोग एक ग्रुप हक करते हैं ऐसा करते हो क्या <laughs> कि मम्मी आ जाओ पापा आ जाओ सब लोग एकदम मतलब तो यही एक ही जगह चुपक के बैठते हैं मम्मी ऐसा तो नहीं करते ना ठीक है क्या करते हैं अभी दूर हट भाई से क्या बोलते हैं अरे दूर हट गर्मी बहुत हो रही है कूलर चला पंखा चला कुछ नहीं है तो पास में मता ठीक है कहने का मतलब यह है कहने का मतलब यह है जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो एक दूसरे के पास में नहीं आते हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं तो यहां के जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे ये वाला मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है ये वाला मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है ये वाला मॉलिक्यूल तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे ना यार तो ये पास में क्यों आना चाहेंगे ये एक दूसरे से दूर जाएंगे और अगर दूर जाएंगे तो ये भी डिस्टेंस बढ़ेगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो भैया डिस्टेंस बढ़ती है ठीक है तो हर चीज की डिस्टेंस बढ़ती है मतलब क्या सर ये भी दूर जाएंगे और सर ये भी दूर जाएगा मैंने कहा बिल्कुल सही बात है ये भी दूर जाएगा और सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने कहा वो भी दूर जाएगा ठीक है तो कि सेम वही चीज हर जगह हो रही है सर फिर ऐसा कैसे हो सकता है सर 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 अगर मान के चलो ये ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया ये भी दो सेंटीमीटर गया भी इसके बीच का डिस्टेंस तो रह जाएगा मैंने कहा नहीं ठीक है ध्यान से तो सुनना जो जितना बड़ा होगा वो उतनी तेजी से दूर जाएगा मतलब क्या ये अगर दो सेंटीमीटर दूर गया तो ये खाली एक ही सेंटीमीटर दूर जाएगा तो ये बीच में ये भी एक सेंटीमीटर बढ़ जाएगा ठीक है कहने का मतलब ये है हर चीज इंक्रीज ही होती है तो आर वन भी बढ़ेगा आर टू भी बढ़ेगा आर टू माइनस आर वन भी बढ़ेगा ठीक है अंतर क्या आएगा हमें पता है लेंथ होती है एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी जिसका एल नॉट कम होगा उसका ये बढ़ने का रेट भी तो कम होगा ना ठीक है वो कम जिसका एल नॉट कम वो ये बढ़ेगा भी कम ठीक है सोचो डेल्टा एल क्या है डेल्टा एल है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी जिसका एल नॉट कम उसका डेल्टा एल भी कम तो बड़ी रेडियस ज्यादा बढ़ेगी छोटी रेडियस कम बढ़ेगी ओवरऑल हर चीज बढ़ेगी ही बढ़ेगी तो एक श्योर शॉर्ट तरीका बता रहा हूं कभी भी कोई भी सवाल आ जाए हमेशा यह मान लेना कि डिजिटल जूम कर रहा हूं तो हर चीज एक्सपेंड करती है ठीक है हर चीज एक्सपेंड करती है चल भाई अब यहां देखिएगा सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है वॉट विल बी इफेक्ट ऑन हीटिंग ऑन ए एंड बी जब मैं इसको गर्म करूंगा तो ए और बी के बीच में क्या असर आएगा एक रॉड है इस तरीके से इसको मैं गर्म करूंगा तो ए और बी के बीच में क्या असर आएगा क्या ये गर्म होकर के एक दूसरे के पास में आ जाएंगी या दूर चली जाएंगी या सेम रहेंगी फटाफट से बता दो यार ठीक है डिस्टेंस बढ़ेगा कम होगा या कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है आ... इंक्रीज करेगा बहुत बढ़िया ऐसा लगता है सर जब ये गर्म हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के पास में आ जाएंगी मैंने कहा मैंने अभी क्या बोला था हर चीज एक्सपेंड करती है तो ये जो है ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंड करेगा ये यहाँ पहुंच जाएगा ये वाला डिस्टेंस यहाँ पहुंच जाएगा और अब जो आपकी रॉड है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये जो इस तरीके से हो जाएगी तो आप देख पा रहे होंगे हर चीज एक्सपेंड करती है तो ए और बी के बीच में जो नया वाला डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा ठीक है तो ये नया वाला डिस्टेंस बढ़ गया थीटा जो है ये कांस्टेंट रहेगा ये कभी नहीं बदलेगा क्यों शेप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है शेप में कोई भी परिवर्तन कोई भी बदलाव नहीं आता है क्लियर है ये चीज चल भाई अब जरा ध्यान दीजिएगा ठीक है तो शेप के बारे में अगर कुछ बात कर ली है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा एक रॉड है रॉड ऑफ लेंथ नॉट एंड लीनियर अल्फा है इट इज बेंड टू फॉर्म अ रिंग इफ रिंग इज नाउ हीटेड फाइंड चेंज इन रेडियस एंड एरिया ऑफ रिंग ठीक है आपको बताना है एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है अल्फा है लेंथ uh, नॉट है इसको मैंने बेंड करके एक रिंग में कन्वर्ट कर दिया ठीक है आपको बताना है कि इसकी जब मैं गर्म करूंगा तो रेडियस में क्या चेंज आएगा ठीक है मैंने कहा गर्म करने पर क्या होगा सर एल जो है एल विल be इक्वल्स टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी मैंने कहा ठीक है मतलब सर इस रॉड को गर्म करूंगा तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा यानी कि सर इसका सरकमफेरेंस भी बढ़ जाएगा और सरकम क्या होता है सर एल होता है सर टू पाई आर एल नॉट क्या हो जाएगा टू पाई आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी नोटिस कीजिएगा रेडियस कैसे बढ़ रहा है आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी हर एक लीनियर फिजिकल क्वांटिटी हर एक लीनियर फिजिकल क्वांटिटी सेम बिल्कुल वैसी इंक्रीज करती है जैसे लेंथ बढ़ रही है मतलब रेडियस भी देखो रेडियस यहां तो कोई मटेरियल भी नहीं है यहां पर तो कोई मटेरियल भी नहीं है लेकिन फिर भी रेडियस बिल्कुल वैसे ही बढ़ रही है जैसे मान के चलो एक रॉड यहां पर ऐसी लगा दी होती अगर आर नॉट लेंथ की रॉड लगा दी होती तो आर नॉट लेंथ की रॉड क्या हो जाती है ना हो ठीक है हर लीनियर चीज सेम तरीके से एक्सपेंड होती है और अगर रेडियस ऐसे एक्सपेंड हो रही है तो एरिया कैसे एक्सपेंड होगा ए नॉट वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी ठीक है हर चीज सेम तरीके से एक्सपेंड होती है क्या मेरी बातें आप सभी तक यहां तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही है फटाफट से बता दो यार क्या आप सभी को ये बातें समझ में आ रही हैं जल्दी बता दे यार ठीक है फटाफट से बता दे क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है हा ओके भाई ठीक है तो यहां तक की माहौल बिल्कुल सही है रहा है ठीक है बस यहां तक की कहानी अगर आपने समझ ली तो अब आप न्यूमेरिकल आराम से बनने लगेंगे ठीक है थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल्स अब यहां देखना यार क्या बोल रहा है एक अरे यार ये फिर सवाल आ गया वहीं पे <laughs> मान ही नहीं रहा मान ही नहीं रहा अभी रुक जाए इसको मैं अभी थोड़ी देर में निपटाता हूं ठीक है इसकी तो थोड़ी देर में हम यहां खबर लेते हैं ठीक है सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है बार बार वही सवाल आए जा रहा है आए जा रहा है ठीक है तो सवाल ये बोल रहा है कि एक रिम है ठीक है एक आयरन की रिम है जिसकी रेडियस है पॉइंट टू मीटर इस टू बी फिटेड वुडन व्हील ऑफ रेडियस अरे यार डेटा भी गलत लिखा है पॉइंट एट मीटर या पॉइंट नाइन मीटर कर देना चलो पॉइंट एट मीटर कर दो ठीक है ये ये डेटा गलत है पॉइंट एट मीटर की रिम है के उसमें आपको फिट करनी है ठीक है अब आपको बताना है इसमें अल्फा दे रखा है मैंने 0.002 पर डिग्री सेल्सियस ठीक है कितना टेम्परेचर करना चाहिए याद लीजिएगा ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सिनेरियो है जहां पर आप क्या करना होता है आपने अगर देखा होगा बैलगाड़ी जो है बैलगाड़ी में ठीक है आपने कभी भी अगर ये बैल ये जो लकड़ी का पहिया होता है ठीक है पहिया हमेशा लकड़ी का होता है क्यों क्योंकि भैया बैलगाड़ी को हल्का रखना है पहली चीज आयरन कॉस्टली भी है और भारी भी कर देगा इसको ठीक है तो ये जो पहिया होता है लकड़ी का होता है ठीक है यहाँ सेंटर से इस तरीके से स्पोक्स लगी रहती हैं लेकिन इस पर चारों तरफ अगर आप नोटिस करेंगे तो इस पहिए पर आयरन की एक हम ये चढ़ाते हैं स्ट्रिप चढ़ाते हैं ठीक है मतलब क्या अगर आप इस बैलगाड़ी पर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर इस आयरन की स्ट्रिप चढ़ाई जाती है अब आयरन की स्ट्रिप चढ़ाने के पीछे का लॉजिक क्या है ठीक है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात कर लेनी चाहिए मुझे लगता है इस तरीके से हल्की सी आप एक स्ट्रिप चढ़ाते हो ठीक है इस पहिए के ऊपर आप हल्की सी एक स्ट्रिप चढ़ाते हो अब सवाल आता है कि स्ट्रिप को चढ़ाया क्यों जाता है इस इस स्ट्रिप स्ट्रिप का का आखिर क्या है? इस की स्ट्रिप का क्या एडवांटेज 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 है तो है 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 ठीक पहिए की तो जरा ध्यान दीजिएगा यह कि लकड़ी का पहिया ठीक है माना हल्का होता है लेकिन उतना मजबूत नहीं होता जब किसी पत्थर पर पड़ेगा तो लकड़ी में डेंट आते हैं ठीक है उन डेंट्स को बचाने के लिए यहां पर पतली सी लोहे की स्ट्रिप चढ़ाई जाती है ठीक है इस लोहे की स्ट्रिप से एक फायदा क्या होता है आपके पहिए की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है ठीक है फायदा समझ में आ गया अब लेकिन एक दिक्कत है हम इस स्ट्रिप को नॉर्मली नहीं चढ़ा सकते सर क्यों नहीं सकते अगर मैंने इस स्ट्रिप को नॉर्मली चढ़ा दिया और मैंने कील ठोक दी पहिया सर्कुलर नहीं रहेगा दिक्कत हो जाएगी तो कीलों से दिक्कत हो जाएगी इंपैक्ट पड़ेगा ठीक है फिर क्या कर सकते हैं सर मैंने कहा इसमें हम क्या करेंगे भाई यहां पर हम देखो छो इसकी हल्की सी छोटी सी रेडियस का रिंग लगाते हैं मतलब क्या हम एक पहिया लेते हैं जिसकी रेडियस थोड़ी सी कम होती है ठीक है आयरन की रिम जो है आयरन की रिम की रेडियस थोड़ी सी कम होती है तो कम होने से क्या फायदा होगा जब मैं इसको गर्म करूंगा तो गर्म करने पर ये क्या करेगा रिम एक्सपेंड करेगा और एक्सपेंड करने के बाद जब ये पूरा फिट हो जाएगा इसमें ठीक है पूरा फिट हो जाएगा तो फिर भाई इसमें मैं इसको एकदम से ठंडा कर देते हैं ठंडा कर देंगे तो उस पर चुपक जाएगा शेप भी नहीं बिगड़ेगा काम भी चल जाएगा तो मैंने कहा यार रेडियस क्या थी पहले आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी फाइनल रेडियस जो चाहिए मैंने वो लिख दिया फाइनल रेडियस चाहिए वन मीटर यहां पर है जीरो पॉइंट एट वन प्लस जीरो जीरो टू इंटू डेल्टा टी इसको दर भेज देता हूं प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू इंटू डेल्टा टी तो ये हो जाएगा टेन बाई एट फाइव बाई फोर तो फाइव बाई फोर माइनस वन तो क्या बनेगा वन बाई फोर ठीक है इजिकल्स टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू डेल्टा टी तो डेल्टा टी आ जाएगा वन बाई फोर इंटू जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू यानी कि एक हजार बाई आठ यानी कि पांच सौ बाई चार ढाई सौ बाई दो एक सौ पच्चीस डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी आ गया ठीक है दिस इज दी टेम्परेचर चेंज ठीक है एक सौ पच्चीस डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया बहुत बढ़िया ठीक है अगला सवाल देखिएगा सेम यही है एक होल है इज ड्रिल्ड इन अ मेटल शीट ऑफ ठीक है सत्ताईस डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर डायमीटर दिया हुआ है पांच सेंटीमीटर जब शीट को मैंने 177 डिग्री सेल्सियस हीट किया है चेंज इन डायमीटर इज दिस ठीक है वैल्यू ऑफ डी विल बी आपको डी की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो तो मैंने कहा क्या है डायमीटर दिया है तो मेरे यार आ, हमारा मुझे पता है फाइनल डायमीटर इज इक्वल्स टू ऑरिजिनल डायमीटर वन प्लस अल्फा डेल्टा टी ठीक है तो फाइनल डायमीटर निकालना है चेंज इन अच्छा चेंज इन डायमीटर निकालना है ठीक है यार ऑरिजिनल कितना दिया है पांच सेंटीमीटर तो पांच सेंटीमीटर ठीक है वन प्लस अल्फा कितना दिया है वन पॉइंट सिक्स टेन की पावर माइनस फाइव ठीक है और टेम्परेचर चेंज कितना किया डेल्टा टी वन सेवनटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन तो 150 डिग्री सेल्सियस का चेंज किया है तो यहां पर भी 150 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो जाएगा ठीक है इसकी वैल्यू छाप दी वन अब जरा ध्यान दीजिएगा ये मुझे फाइनल डायमीटर मिल जाएगा ठीक है क्या पूछ रहा है चेंज इन डायमीटर ऑफ होल तो चेंज इन डायमीटर पूछ रहा है तो फाइनल निकालने का क्या फायदा मैंने कहा सीधा सीधा करता हूं ना चेंज इन डायमीटर क्या होता है डी नॉट अल्फा डेल्टा टी सीधा सीधा लिख देता हूं तो पांच इन टेन की पावर माइनस टू पांच सेंटीमीटर अल्फ़ा की वैल्यू है वन पॉइंट सिक्स टेन की पावर माइनस फाइव इंटू वन फिफ्टी ठीक है तो सोलह पंजे अस्सी आठ इंटू वन फिफ्टी इंटू टेन पे माइनस फाइव ठीक है इतना सेंटीमीटर का डायमीटर चेंज आया तो पंद्रह अठे एक सौ बीस इंटू टेन की पावर माइनस फोर सेंटीमीटर ठीक है तो ये हो गया बारह इंटू टेन की पावर माइनस थ्री सेंटीमीटर का डेल्टा डी आया ठीक है आपसे क्या पूछ रहा है d इंटू टेन की पावर माइनस थ्री डी की वैल्यू आ गई बारह ठीक है d की वैल्यू आ गई है बारह सिंपल सॉल्व हो गया ठीक है कैलकुलेशन भी इस बार थोड़ी सी इजी थी बस ये याद रखना है सारी की सारी लीनियर फिजिकल क्वांटिटी सेम तरीके से चेंज होती है क्लियर है चल भाई यहां तक की बात समझ में आ गई अगला सवाल बोल रहा है कि जब टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी विल बी ठीक है मास डेंसिटी में कितने का चेंज आया होगा ठीक है तो मास डेंसिटी क्या होती है तो मास अपॉन लेंथ लिख देता हूं इस बार में टेपरेचर ऑफ मेटल वायर बोल रहा है ठीक है तो अगर वायर में जीरो अच्छा मास अपॉन वॉल्यूम लिख देता हूं ठीक है, लीनियर नहीं है नॉर्मल डेंसिटी है लेंथ कितनी बड़ी है पॉइंट जीरो टू परसेंट अब एक बात बताना अगर लेंथ पॉइंट टू परसेंट बड़ी है ठीक है लेंथ अगर डेल्टा एल बाई एल दिया है जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट ठीक है तो डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं तीन गुना होगा यानी कि जीरो पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट ठीक है वॉल्यूम में कितने का चेंज आएगा छह परसेंट का और ये क्या है मास अपॉन वॉल्यूम तो मैंने कहा यार इसमें कितना परसेंट आएगा तो डेंसिटी डेल्टा रो अपॉन रो इजिकल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन वी यानी कि माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट ठीक है उसने खाली मैग्नीट्यूड पूछा है आंसर आ गया छह ठीक है जीरो ठीक है सॉल्व हो गया चल भाई यहां तक की बात समझ में आ गई सभी को ठीक है अगला सवाल एरिया एरिया ऑफ 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 क्रॉस क्रॉस सेक्शन सेक्शन इस बार दिया है है अ रेलवे ट्रैक इज इतना ठीक पॉइंट जीरो स्क्वायर टेम्परेचर वेरिएशन दे रखा है टेन डिग्री सेल्सियस है कोविशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये दे रखा है एनर्जी स्टोर्ड इन मीटर ट्रैक इज ठीक है आपको एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है ध्यान से सुनिएगा अच्छा ये मिनट यंग्स स दिया है ना अब इसको मेटलिक प्रॉपर्टी सॉलिड किस से बात करते हैं ठीक है चल भाई अब इसको सॉलिड के बाद देखते हैं अब यहां ध्यान दीजिएगा अब क्या बोल रहा है यहां पर बोला हुआ है कि यार सर अलग अलग वायर है टू डिफरेंट वायर सेविंग लेंथ L1 वन एंड एल टू रेस्पेक्टिवली डिफरेंट टेम्परेचर कोफिशियंट अल्फा वन अल्फा टू जॉइन डेट ठीक है एंड टू एंड इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ठीक है, इफेक्टिव लेंथ क्या है पीछे वाला समझ नहीं आया भाई इसमें क्या था पीछे वाले में अरे लेंथ अगर दो परसेंट बढ़ेगी अगर लेंथ पॉइंट टू परसेंट बढ़ेगी या पॉइंट जीरो टू परसेंट बढ़ेगी तो वॉल्यूम पॉइंट जीरो थ्री तीन गुना बढ़ जाएगा अरे यार वॉल्यूम क्या होता है एल का क्यूब ऐसा बोल सकता हूं तो डेल्टा वी बाई वी

सेम वही कॉन्सेप्ट आपके आगे चल के भी काम आएंगे ठीक है हीट कंडक्शन में आपके यही कॉन्सेप्ट काम आएंगे तो मैंने कहा अगर यहां पर ये लेंथ है L1, ये वाली लेंथ है L2, ठीक है इसका कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा वन इसका कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा टू तो मैंने कहा यार इसमें अगर मैंने कहा इफेक्टिव पूछा है तो यार मैंने कहा इसकी जो डेल्टा एल कितना टोटल डेल्टा एल कितना होगा तो मैंने कहा टोटल डेल्टा एल विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एलवन पहले की लेंथ में चेंज प्लस डेल्टा एल टू ठीक है दोनों की लेंथ में जो चेंज आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा एड कर दूंगा अब जरा बताना यार डेल्टा एलवन कितना हो जाएगा एलवन अल्फा वन डेल्टा टी एल टू अल्फा टू डेल्टा टी और टोटल कितना हो जाएगा तो एल वन प्लस एल टू अल्फा इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा टी ठीक है तो डेल्टा टी से डेल्टा टी उड़ा दो हमें क्या निकालना है अल्फा इक्विवेलेंट एल वन अल्फा वन एल टू अल्फा टू डिवाइडेड बाई एल वन प्लस एल टू ठीक है आंसर आ गया ऑप्शन क्लियर है तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया है ठीक है कोई दिक्कत हो कुछ भी परेशानी हो तो इसमें बोल दो भाई ठीक है मैंने क्या किया मैंने कहा यार इन दोनों को अगर मैं एक रॉड से रिप्लेस कर देता अल्फा इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इन दोनों ही रॉड को हटा करके आप एक रॉड से रिप्लेस कर दीजिए ठीक है आपने दोनों रॉड हटाई आपने इन दोनों रॉड को हटा करके एक रॉड से रिप्लेस कर दिया और जितना एक्सपेंशन इस वाले इन दोनों का मिलकर के होगा जितना एक्सपेंशन इन दोनों का मिलकर के होगा उतना ही सेम एक्सपेंशन इसका भी आना चाहिए तो इसका एक्सपेंशन क्या है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी ठीक है क्लियर है चल भाई यहां तक की बात समझ में आ गई अगला सवाल ठीक है अब चल इसको देख ही लेते हैं ठीक है क्या बोल रहा है यहाँ पर बोला हुआ है एक आइस एक मिनट कंडक्टिंग वाला है ना यार अरे यार ये कंडक्शन हीट ट्रांसफर में आएगा ये अभी नहीं आएगा ठीक है इसको मैं हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर कहाँ पहुँच कहीं लास्ट में छोड़ के आता हूँ यहाँ कहीं हाँ अब देखते हैं भाई ठीक है नॉन आइसोट्रोपिक थर्मल एक्सपेंशन ठीक है हाउ मेनी टॉपिक्स लेफ्ट बेटा टॉपिक तो खाली बस दो ही लेफ्ट है ठीक है एक थर्मल कंडक्शन दूसरा रेडिएशन ठीक है प्रैक्टिस तो करनी है ना चल भाई सबसे पहला अब क्या बोल रहा है बोल रहा है नॉन आइसोट्रोपिक थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या इस बार अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एक्सपेंशन होगा तो ध्यान दीजिएगा बस एक बात याद बांध लीजिएगा ठीक है कि इस बार जो गामा होता है तो गामा विल बी इक्वल्स टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री ठीक है नॉन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है अलग अलग डायरेक्शन में अल्फा अलग अलग है ठीक है तो इसका बस सिंपल सा मतलब है अलग अलग डायरेक्शन में अल्फा कैसा है अलग अलग है तो इस बार आपको गामा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री बीटा निकालने के लिए अल्फा वन प्लस अल्फा टू ठीक है बस इतनी सी कहानी है और कुछ भी नहीं है अब जरा देखिएगा सवाल क्या है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एनर्जी स्टोर्ड भी नहीं अभी थर्मल एक्सपेंशन आएगा तब बात करेंगे ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन आएगा ठीक है चल भाई अब यहां पर ध्यान दे लेना क्या बोल रहा है यहां पर, बोला हुआ है metal, बोला, जैसी मुझे सॉलिड मेटल क्यूब कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखे हैं अल्फा वन की वैल्यू कितनी दे रखी है अल्फा वन बोला अल्फा वन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है फाइव इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स

फिफ्टी इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स पर डिग्री सेल्सियस ठीक है दस का मल्टीप्लाई कर देता हूं अब मैंने कहा क्या होता है अल्फा तो गामा क्या होता है गामा होता है अल्फा अलोंग एक्स एक्सिस अल्फा अलोंग वाई एक्सिस अल्फा अलोंग जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो गया पचास टेन की पावर माइनस छ प्लस टू टाइम्स ऑफ वाई और जेड सेम ही दिए हैं फाइव इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स दस और पचास साठ इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स पर डिग्री सेल्सियस ठीक है तो ये सी की वैल्यू आ गई आपकी सी की वैल्यू आ गई आपकी सिक्सटी सॉल्व हो गया आसान था चल भाई आते हैं अब थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पर थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है जब आप किसी बॉडी को गर्म करते हैं ठीक है अच्छा जरा ध्यान से सुनेगा मेरी बात अब बहुत ध्यान से सुनेगा ठीक है आपको ये चीज आराम से समझ में आ जाएगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ठीक है अगर मैंने कहा मेरे पास एक रॉड है ठीक है इस रॉड की नेचुरल लेंथ क्या है सर एल नॉट है ठीक है मैं इस रॉड को फ्रीली एक्सपेंड होने देता हूँ ठीक है ये रॉड कहां रखी हुई है सर ये रॉड एक सरफेस पर रखी हुई है रॉड आपकी फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखी हुई है इस तरीके से ठीक है अब मैंने इस रॉड को गर्म किया चल भाई इस रॉड को जब मैं गर्म करूंगा तो गर्म करने पर रॉड क्या होगी हमारी रॉड हमारी एक्सपेंड होगी तो मैं ये कह रहा हूं जब रॉड आपकी एक्सपेंड होगी तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रॉड सेम यहां पर ऐसी की ऐसी रह जाए ठीक है अगर रॉड आपकी एक्सपेंड होगी तो रॉड की ये वाली लेंथ क्या होगी इधर जाएगी ये वाली लेंथ क्या होगी इधर जाएगी ऐसे सिनेरियो में अगर मैं रॉड को फ्री एक्सपेंड होने दू अगर मैं रॉड को फ्री एक्सपेंड होने दू देखो रॉड की नेचुरल लेंथ ही बदल गई ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात ठीक है इफ रॉड इज एक्स अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली रॉड इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली अगर मैं रॉड को फ्रीली एक्सपेंड करने दूं ठीक है तो इस केस में थर्मल स्ट्रेस कुछ ही नहीं आएगा तो इस केस में थर्मल स्ट्रेस क्या होगा जीरो कोई स्ट्रेस नहीं कोई स्ट्रेन नहीं थर्मल स्ट्रेन भी क्या होगा दिस विल आल्सो भी जीरो ठीक है उसका रीजन बता देता हूं भैया हमें पता है स्ट्रेस इक्वल्स टू Press क्या होता है यंग्स मॉडल टाइम्स ऑफ स्ट्रेन ठीक है यंग्स टाइम्स ऑफ स्ट्रेन तो अगर मैंने, अगर मैंने मैंने फ्रीली एक्सपेंड करने दिया तो फिर तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है ये यह चारा लेंथ एक्सपेंड करना मैंने कहा ठीक है भैया कर ले हम तो रोक ही नहीं रहे तेरे को तो कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है दिक्कत कब आती है जब मैंने सेम इसी रॉड को ठीक है सेम इसी रॉड को मैंने क्या किया मैंने एक दीवार के बीच में रख दिया ध्यान से देखिएगा यहां पर आपकी एक रॉड थी और आपने दोनों तरफ से इसको एक फिक्स दीवार में बांध दिया इसके बीच में रख दिया। ठीक है रॉड की एल नॉट है अब आपने रॉड को गर्म किया तो जब आपने रॉड को गर्म किया तो ये रॉड क्या करना चाहती थी रॉड तो, तो एक्सपेंड होना चाहती थी रॉड तो बिल्कुल मस्त इधर उधर जाना चाहती थी ठीक है, लेकिन क्या आपने इसको एक्सपेंड करने दिया मैंने कहा नहीं सर मैंने तो इसको बिल्कुल यहीं पर बांध करके रखा है तो ना इधर जाने दिया ना इधर जाने दिया तो बताओ भाई ये रॉड अब क्या फील करेगी क्या ये रॉड फ्री रहेगी या कंप्रेस्ड फील करेगी ठीक है क्या ये रॉड क्या ये रॉड अपने आप को फ्री फील करेगी या अपने को कंप्रेस्ड फील करेगी ये अपने आपको कंप्रेशन में फील करेगी ठीक है ये क्या करेगी सर इसको ऐसा लगेगा मैं तो अभी भी बंधन में हूं मैं मेरी लेंथ क्या होनी चाहिए थी सर ये वाली मेरी लेंथ होनी चाहिए थी ठीक है और मेरी लेंथ है क्या है यही लेंथ अभी भी रह गई है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा एक स्ट्रेन आ जाएगा तो थर्मल स्ट्रेन किसके बराबर होगा सर थर्मल स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई एल नॉट हालांकि मुझे लिखना होता है एल ठीक है लिखना होता है एल लेकिन ये ऑलमोस्ट हम एल नॉट के बराबर लिख देते हैं क्योंकि लेंथ में एक्सपेंशन बहुत ज्यादा नहीं होता है ठीक है तो लेंथ में एक्सपेंशन सिंस बहुत ज्यादा नहीं होता है इसीलिए मैं यहां पर क्या लिख देता हूं डेल्टा एलोपोन एल नॉट लिख देता हूं ठीक है ये क्या आ गया आपका थर्मल स्ट्रेन आ गया अब मैंने कहा सर थर्मल स्ट्रेन आ गया तो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है तो थर्मल स्ट्रेस होगा आपका वाई टाइम्स ऑफ थर्मल स्ट्रेन ठीक है तो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल नॉट और डेल्टा एल अपॉन एल नॉट तो हमको पता है ना ठीक है क्या होता है सर डेल्टा एल अपॉन एल नॉट दिस इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी ये तो अल्फा डेल्टा टी होता है तो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू आ जाता है वाई अल्फा डेल्टा इज नोन एज थर्मल स्ट्रेस ठीक है ये है आपका थर्मल स्ट्रेस वाई अल्फा डेल्टा टी क्या ये बात आपको समझ में आ रही है ठीक है ये डेल्टा इलेक्न एल तो हमको पता है ना क्या होता है अल्फा डेल्टा टी अल्फा डेल्टा टी छाप दिया मैंने ठीक क्लियर है भाई यहां तक की बात इसी को हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस तो ये आपका हो गया थर्मल स्ट्रेन ये हो गया थर्मल स्ट्रेस ठीक है रॉड विल बी इन कंप्रेशन रॉड कैसा फील कर रही है कंप्रेशन में फील कर रही है खुद को ठीक है ये आई ना बात चल भाई यहां तक साथ है अब जरा ध्यान से देखना अगला सवाल ठीक है क्या बोल रहा है बोला हुआ है कि अगर मेरे पास एक स्टील रॉड है जिसके पास ये आ, यंग्स मॉडल से चार सौ तो एक्सटेंड टेंशन प्रोड्यूस इन दी रॉड इज ठीक है आपको टेंशन निकालना है मैंने कहा यार ध्यान से सुनना मैंने कहा थर्मल स्ट्रेस क्या होता है सर थर्मल स्ट्रेस होता है वाई अल्फा डेल्टा टी थर्मल स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया ठीक है फोर्स अपॉन एरिया आपसे पूछ रहा है ये फोर्स कितना है ये जो टेंशन है इसको फोर्स टेंशन फोर्स कितना है तो y अल्फा डेल्टा t इंटू ए वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है टू इन टेन की पावर इलेवन अल्फा कितना दिया है टेन की पावर माइनस फाइव डेल्टा t कितना है जीरो से चार सौ एरिया कितना है दस सेंटीमीटर स्क्वायर टेन इंटू टेन की पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर हो जाएगा अब भैया बस सॉल्व ही करना है तो 10 की दो इंटू चार आठ टेन की पावर 11 10 की पावर 13 10 की पावर माइनस फाइव टेन की पावर एट बचेगा और 10 की पावर माइनस थ्री तो 10 की पावर फाइव बचेगा एट इंटू टेन की पावर फाइव न्यूटन आ जाएगा ठीक है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ये आपका आंसर आ गया एक्स ठीक है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आठ आ गई क्लियर है देख कितना आसान था बस अगर आपको यह बात पता चल गई कि नहीं सर सिग्मा क्या होता है थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स ऑफ थर्मल स्ट्रेन थर्मल 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 स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेन और क्या होता है सर थर्मल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल तो भैया मैंने उसकी वैल्यू रख दी अल्फा डेल्टा टी ठीक है तो आपसे अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो डायरेक्टली इसी फॉर्मूले पे ज्यादा आते हैं ठीक है ये है आपका थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्लियर है चल भाई अब यहां पर ध्यान देना अब ये वही वाला सवाल इनर्जी पर मीटर इन है इनर्जी स्टोर्ड पर मीटर मैंने कहा इनर्जी डेंसिटी क्या होती है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन यू इज इकू इनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन ठीक है और पर मीटर बोला है मतलब क्या हो जाएगा इनर्जी अपॉन लेंथ इनटू एरिया हाफ इनटू थर्मल स्ट्रेस इनटू थर्मल स्ट्रेन तो इनर्जी पर यूनिट लेंथ हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू एरिया ए ठीक है अब जरा ध्यान देना हमें एक एक चीज के बारे में पता है एनर्जी पर यूनिट लेंथ वन बाई टू स्ट्रेस क्या होता है थर्मल स्ट्रेस तो वाई अल्फा डेल्टा टी थर्मल स्ट्रेस हो गया थर्मल स्ट्रेन क्या हो जाएगा डेल्टा अपॉन एल अल्फा डेल्टा टी मैंने कहा ये भी ठीक है एरिया हमें शायद क्वेश्चन में दे रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है वन बाई टू वाई अल्फा स्क्वायर ए डेल्टा टी का स्क्वाई टू यंग्स मॉडलर्स कितना दिया है टेन की पावर इलेवन अल्फा कितना दिया है ठीक है अल्फा 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 टेन की पावर माइनस फाइव टेन की पावर माइनस फाइव का स्क्वायर एरिया कितना दिया है जीरो पॉइंट जीरो वन डेल्टा टी टेन का स्क्वायर तो ये कितना हो गया ग्यारह दस दस बचा टेन की पावर थ्री टेन की पावर माइनस टू टेन बाई टू आंसर आ गया पांच जूल पर मीटर इतनी एनर्जी स्टोर्ड होगी ठीक है इतनी एनर्जी स्टोर्ड होगी बस आपको यही निकालना था ठीक है तो कुछ नहीं किया आपने बस सॉल्व करते गए और आंसर सीधा सीधा निकाल दिया दे। देख भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ रहा है ठीक है बस ये याद रखना कि एनर्जी क्या होती है एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी ये होती है हाफ इंटू स्ट्रेस स्ट्रेन ठीक है अगर ये बात याद है तो बाकी सब चीजें आसान है ठीक है क्लियर है चल भाई अब टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मतलब क्या करेगा देख पता था है? अब थर्मल एक्सपेंशन तूने पढ़ लिया थर्मल एक्सपेंशन हर जगह का सेम है लेकिन अब कई बार तुझे घुमा फिरा करके सवाल पूछेगा जैसे टाइम पीरियड के बारे में पूछ लेगा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल देना ठीक है मैंने कहा सर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है अगर हम बात करें एक कोई सिंपल पेंडुलम की इस तरीके का पेंडुलम है ठीक है तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई अब थर्मल एक्सपेंशन की वजह से थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इस वायर का लेंथ बदल जाएगा लेंथ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और अगर वायर का लेंथ बढ़ गया मान के चलो उसको गर्म कर दिया तो लेंथ बढ़ गया गर्म करने पर अगर लेंथ बढ़ गया तो उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा सर कितना बढ़ेगा मैंने कहा यार अगर मैं लिखूं टी यहां पर डेल्टा टी बाई टी चेंज इन टाइम पीरियड ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू वन बाई टू डेल्टा एल बाई एल क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं टाइम पीरियड में एरर याद कीजिएगा मैं क्यों लिख रहा हूं मैंने कहा अगर मेरे पास y है x की पावर n तो y में जो फ्रैक्शनल चेंज आता है डेल्टा y बाई वाई एन टाइम्स डेल्टा x बाई एक्स लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब चेंजेस स्मॉल होते हैं ठीक है फॉर स्मॉल चेंज ठीक है तो छोटे चेंज के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्लियर है ये चीज जब चेंज छोटा होता है तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो अब मैंने कहा यार वन बाई टू अल्फा अब डेल्टा एल बाई एल तो हमको पता है वन बाई टू अल्फा डेल्टा टी अच्छा यहां पे डेल्टा थीटा लिख देता हूं ठीक है यहां पर डेल्टा थीटा क्या है ये टेम्परेचर चेंज है कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए इसीलिए ठीक है दिस इज दी फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडल ठीक है तो ये आपका फॉर्मूला आता है डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू वन बाई टू अल्फा डेल्टा थीटा डेल्टा टी अपॉन टी किसके बराबर आ गया वन बाई टू अल्फा डेल्टा थीटा के बराबर आ गया है चल भाई आया ना कोई दिक्कत यहां तक अब पता है इसका एडवांटेज उठाता है ठीक मतलब, तो अब बता देना कि उसके टाइम पीरियड में कितने का एरर आएगा मतलब कब सही टाइम देगा कब गलत टाइम देगा ऐसे सवाल पूछता है ठीक है इसका एक बहुत ही की कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ध्यान से सुनना ये जो डेल्टा टी अपॉन टी है ध्यान से सुनना ये क्या बता रहा है एक सेकंड में कितने का टाइम का चेंज आया ठीक है एक सेकंड में डेल्टा टी का चेंज आया ध्यान से सुन डेल्टा टी अपॉन टी का मतलब क्या है सर डेल्टा टी अपॉन टी का मतलब है ठीक है कि एक सेकंड में अगर मैं टी को एक सेकंड मानता हूं ठीक है तो एक सेकंड में कितना चेंज आया ठीक है और अगर कहीं आपने डेल्टा टी को एक घंटे एक दिन मान लिया ठीक है इफ दिस इज वन डे तो ये क्या बताएगा एक दिन में कितना चेंज आया ठीक है अब जरा सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना अगर अगर एक पेंडुलम है ध्यान से सुनना देख ठीक है मान के चल मान के चल कुछ टी नॉट टेम्परेचर पर बिल्कुल करेक्ट टाइम दिखाता है ठीक है मैंने जब मशीन बनाई थी ये, ये मैंने बनाया था तो टी नॉट टेम्परेचर पर क्या था टी नॉट टेम्परेचर पर करेक्ट टाइम दिखाता था अगर टी नॉट टेम्परेचर पर करेक्ट टाइम दिखाता था तो अगर मैंने टेम्परेचर जो है वो टी नॉट से बड़ा कर दिया इस केस में क्या हो जाएगा बोलो यार ठीक है जब मैंने कोई घड़ी बनाई इसका टेम्परेचर जो है वो टी नॉट से बड़ा कर दिया ठीक है इस केस में ये पेंडुलम ज्यादा टाइम लेगा पेंडुलम क्या करेगा सर ये पेंडुलम ज्यादा टाइम लेगा और अगर पेंडुलम ज्यादा टाइम लेगा तो बताना यार ये पेंड... घड़ी आपकी क्या हो जाएगी जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है एक पेंडुलम है इस पर चल रहा है करेक्ट टाइम दिखा रहा है मतलब क्या एक सेकेंड में आपका एक टिक कर रहा है एक टिक मतलब क्या आपकी जो घड़ी का कांटा है वो एक एक सुई आगे बढ़ जाता है ठीक है तो मैंने कहा यार अगर ये ज्यादा टाइम लेगा तो अब क्या करेगा ठीक है अब एक टिक कितने टाइम बाद होगा ठीक है अब जो एक टिक होगा इट विल बी इन ग्रेटर देन वन सेकेंड एक, एक से ज्यादा टाइम देगा एक सेकेंड से हाँ तो अगर एक सेकेंड से ज्यादा टाइम लेगा तो इसका इसका मतलब क्या हो जाएगा घड़ी स्लो हो जाएगी मतलब हो सकता है 1 .1 में एक टिक दिखाए तो आपको एक सेकंड दिखेगा लेकिन असली टाइम कितना निकल चुका है 1 .1 second, तो इसको क्या बोलते हैं घड़ी स्लो हो गई और बिकम स्लो एंड लूज टाइम और ये हम बोलते हैं कि टाइम क्या कर रही है टाइम लूज कर रही है ठीक है और अगर कहीं कैलिब्रेटेड टेम्परेचर से कम हो गया मैं यहां पे बात कर रहा हूं टेम्परेचर की ठीक है तो इस केस में क्या होगा क्लॉक विल बिकम फास्ट क्लॉक जो है वो आपकी फास्ट हो जाएगी एंड विल गेन टाइम इसको हम बोलते हैं ये क्या कर रही है टाइम को गेन कर रही है मतलब क्या भैया एक सेकंड में एक टिक दिखाना था अब आधे सेकंड में ही एक टिक दिखा दिया तो भैया आधा सेकंड बचा लिया ना ठीक है तो हो सकता है एक सेकंड में दो टिक दिखा दे तो आपको लगेगा दो सेकंड हो गए लेकिन बीता खाली एक ही सेकंड है ठीक है क्या ये बात यहां तक की समझ में आ गई है क्या यहां तक की मेरी बात समझ में आ रही है चल भाई फटाफट से बता दे फिर न्यूमेरिकल करते हैं चल भाई अब यहां ध्यान देना ठीक है सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है तो इसने बोला हुआ है कि क्लॉक वर्किंग ऑन सिंपल प्रिंसिपल इज कैलिब्रेटेड टू रन करेक्टली एट पेंडल डिग्री सेल्सियस दस डिग्री सेल्सियस पर हमारी घड़ी बिल्कुल सही सही ठीक ठीक टाइम देती है ठीक है द क्लॉक इज ऑपरेटेड एट फोर्टी डिग्री सेल्सियस चालीस डिग्री सेल्सियस पर मैं घड़ी चला रहा हूं तो कितना टाइम गेन या लूज करेगी मैंने कहा पहली बात तो यह कि लूज करेगी इतना तो तय है क्यों ज्यादा पर चल रही है तो टाइम ज्यादा लेगी ठीक है अब ध्यान से सुनना सवाल क्या बोला है हाउ मच टाइम विल इट लूज और गेन इन अ डे मतलब तुमको एक बात बताओ ठीक है तुमसे ये क्या पूछना चाह रहा है क्या ये डेल्टा टी पूछना चाह रहा है या डेल्टा टी अपॉन टी पूछना चाह रहा है ठीक है अगर तुम ये पहचान गए तो तुम्हारा सवाल हो गया ठीक है बेसिकली ये पूछना चाह रहा है एक दिन में वन डे में कितना टाइम लूज करेगा डेल्टा टी तो बेसिकली ये जानना चाह रहा है डेल्टा टी अपॉन टी जब मैं टी की वैल्यू वन डे रख दूंगा तो डेल्टा टी पर डे में निकल आएगा क्या ये बात समझ में आ रही है ठीक है हाँ सर समझ में आ गई तो मैंने कहा डेल्टा टी अपॉन टी क्या होता है डेल्टा टी अपॉन हो टी तो तो होता है वन बाई टू अल्फा डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज तो वन बाई टू अल्फा कितना दिया है जीरो पॉइंट डिग्री पर चल रहा है चालीस माइनस तो तीस हो गया तो so जीरो टू तीस बाई दो पंद्रह दिस इज डेल्टा टी बाई टी कितना हो जाएगा की पावर माइनस थ्री सेकंड देना अगर मैंने कहा कि डेल्टा टी बाई टी ये है तो एक दिन में कितना लूज करेगा तो डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू फिफ्टीन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री इंटू कैपिटल टी अगर मैं इसको एक दिन रख दूंगा तो यहां पर मुझे एक दिन का टाइम मिल जाएगा ठीक फिफ्टीन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री इंटू बताओ भाई एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं ठीक है इन अगर यहां पे आप एक सेकंड रखते हो जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां पे टी की वैल्यू एक सेकंड रखा तो एक सेकंड में लूज होने वाला टाइम मिलेगा अगर आपने टी की वैल्यू एक दिन रख दी तो एक दिन में लूज होने वाला टाइम मिल जाएगा ठीक है हाँ एट सिक्स फोर डबल जीरो बस छाप दो ठीक है कितने सेकंड्स पर डे बस हो गया सॉल्व ठीक है जो भी है आप सॉल्व कर लेंगे क्लियर है एट्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड अगला सवाल देखिएगा ठीक है यह सवाल अच्छा है क्या बोल रहा है एक क्लॉक जो है बीस सेकेंड पर डे गेन कर रही है पांच डिग्री सेल्सियस पर और दस सेकेंड पर डे लूज कर रही है थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस पर फाइन टेम्परेचर इट विल एट विच इट विल मेजर करेक्टली ठीक है तो भाई इसने बोला है पांच डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रही है बीस सेकंड एक दिन में गेन कर रही है ठीक है और पैतीस डिग्री पर दस सेकंड लूज कर रही है तो मैंने कहा एक काम करता हूं सही टेम्परेचर को टी नॉट मान लेता हूं ठीक है तो मैंने कहा यार डेल्टा टी अपॉन टी फिजिकल्स टू क्या था वन बाई टू अल्फा डेल्टा थीटा तो alpha, मैं कह देता हूं वन बाई टू अल्फा डेल्टा थीटा को मैं लिख देता हूं थीटा माइनस थीटा नॉट ठीक है अगर टाइम बढ़ेगा तो लूज करेगा और अगर टाइम कम होगा तो ये गेन करेगा मैंने कहा देख भाई ये गेन कर रहा है मतलब डेल्टा टी अपॉन टी कैसा होगा नेगेटिव में होगा माइनस ट्वेंटी सेकेंड पर डे वन बाई टू अल्फा डेल्टा थीटा ये कितना है टेम्परेचर क्या है पांच डिग्री सेल्सियस माइनस थीटा नॉट ठीक है सुन ले भाई सुन जब टाइम गेन कर रही है गेन का मतलब क्या घड़ी तेज चल रही है घड़ी तेज चल, चल रही है कब चलेगी भैया जब टाइम पीरियड कम हो जाएगा टाइम पीरियड कम होगा मतलब क्या टाइम पीरियड कम होने का मतलब डेल्टा टी टी अपॉन कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा कम हो चुका होगा तो माइनस में लिखा अब यहां पर क्या कर रहा है लूज कर रहा है तो मैंने कहा डेल्टा टी अपॉन टी प्लस टेन है वन बाई टू अल्फा कितने डिग्री पर थर्टी फाइव डिग्री पर माइनस थीटा नॉट सेकेंड इक्वेशन ठीक है अब दोनों का रेशियो ले लेता हूं तो वन बाई टू अल्फा से वन बाई टू अल्फा खत्म हो गया तो ये बन गया आपका माइनस टू इजिकल्स टू फाइव माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय थर्टी फाइव माइनस थीटा नॉट तो ये आ जाएगा आपका माइनस सेवनटी प्लस टू थीटा नॉट फाइव माइनस थीटा नॉट थ्री थीटा नॉट इजिकल्स टू सेवेंटी फाइव थीटा नॉट कितना आ गया पच्चीस डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस पर ये करेक्ट टेम्परेचर देगा एट 25 डिग्री सेल्सियस इट विल गिव करेक्ट टेम्परेचर ठीक है क्लियर है ये चीज सिंपल सा लॉजिक लगाया वन बाई टू अल्फा डेल्टा थीटा होता था अगर ये घड़ी तेज चल रही है तो मतलब डेल्टा टी कुछ कम हो चुका होगा तो नेगेटिव लिखा अगर घड़ी धीमे चल रही है तो डेल्टा टी पॉजिटिव हो चुका होगा ये कुछ ऐसा लिखा ठीक है अब बस दोनों के रेशियो ले लिए सॉल्व कर डाला ठीक है अब इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से समझिएगा ठीक है ये सवाल का तो सॉल्व करने का एक पहला तरीका था मैंने कहा यह तरीका मैथमेटिकल है ठीक है हालांकि इसमें उतनी फील नहीं आती है मैंने कहा अब देख इसका जुगाड़ देख ठीक है सर जुगाड़ क्या है मैंने कहा कि मेरा जो डेल्टा टी अपॉन टी है ये 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 क्या था वन बाई टू अल्फा ये था अल्फा डेल्टा थीटा कैसा तरीका है सर ये मुझे दिख रहा है कि सर ये तो लीनियर है डेल्टा थीटा में तो मैंने कहा एक काम करता हूं देख एक लाइन बनाता हूं यहां पे ठीक है इसने क्या बोला था पांच सेकंड पर पांच डिग्री सेल्सियस पर ये क्या कर रहा है पांच डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा घड़ी है बीस सेकंड एक दिन में गेन कर रहा है ठीक है पांच डिग्री सेल्सियस पर यह हमारा पर डे बीस सेकेंड गेन कर रहा है तो मैंने कहा पर डे बीस सेकंड गेन कर रहा है यानी कि प्लस ट्वेंटी सेकंड पर डे दे लिख देता हूं ठीक है और थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस पर ये क्या कर रहा है थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस पर सर ये हर रोज लूज कर रहा है कितना लूज कर रहा है दस सेकेंड पर डे लूज कर रहा है ना तो माइनस टेन लिख देता हूं मैं टेन सेकेंड पर डे सिंस गेन को मैंने प्लस में लिखा है तो लॉस को माइनस में लिखा होगा ठीक है जब मैंने गेन को प्लस में लिखा है तो लॉस को क्या लिखूंगा बेटा लॉस को मैं माइनस में लिखूंगा अब एक बात बताना ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जहां पर ये करेक्ट टेम्परेचर देगा ना तो गेन ना लॉस मैंने कहा एक बात बता 5 से 35 डिग्री मतलब क्या तीस डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज किया तो टेम्परेचर में चेंज कितने का किया थर्टी डिग्री सेल्सियस में इसमें टाइम पीरियड में कितना चेंज आ गया सर पहले प्लस ट्वेंटी था माइनस टेन है तो थर्टी का चेंज आ गया ठीक है जब तीस डिग्री सेल्स, अ, सेल्सियस चेंज करने पर थर्टी का चेंज आया तो मुझे क्या चाहिए बीस का चेंज चाहिए तो बीस का, तो का चेंज कितने पर आएगा सर 20 डिग्री सेल्सियस पर मैंने कहा पांच में 20 बढ़ा दे 25 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया ठीक है पांच में 20 बढ़ा दे आंसर आ गया 25 डिग्री सेल्सियस क्या करना था भाई देख इनिशियल टेम्परेचर कितना था पांच ठीक है उधर कितना था पैंतीस एक में लूज कर रहा है एक में गेन कर रहा है तो मैंने कहा यहां पे क्या था प्लस यहां क्या था माइनस मैंने कहा लीनियर रिलेशन है तो भाई तीस टेन तीस डिग्री सेल्सियस का चेंज करने पर हाइट में तीस सेकंड पर डे का चेंज आया तो 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज करने पर हाइट में 20 सेकेंड पर डे का चेंज आएगा खत्म हो गया सवाल अब क्या बचा सवाल में कुछ नहीं ठीक है यहाँ पे करेक्ट टेंपरेचर 25 डिग्री यही तो आंसर आया था ठीक है चल भाई अगला क्या बोल रहा है यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सवाल ठीक है देख ऐसे सवाल आते हैं मिक्स कर करके सवाल आते हैं इस बार क्या बोल रहा है डिस्क है जिसका मास एम है रेडियस आर है

आपको नई एंगुलर वेलोसिटी बतानी है मैंने कहा यार जब इसको मैं गर्म करूंगा तो हमारी डिस्क क्या करेगी हमारी सर डिस्क जो है वो एक्सपेंड कर जाएगी ठीक है तो जो हमारी अब जो नई डिस्क एक्सपेंड होकर के हो जाएगी लेटेस्ट से सर ये वाली डिस्क हो गई मैंने कहा अगर इस तरीके से एक्सपेंड कर रही है तो भाई इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा अगर रेडियस बढ़ गई अगर इसकी अब नई रेडियस कैपिटल आर हो गई है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा मैंने कहा क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई वन ओमेगा टू आई वन क्या है डिस्क है हाफ एम आर नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट आई टू फाइनल मैंने कहा हाफ एम मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा आर रेडियस बदल जाएगा क्या हो जाएगा आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा का होल स्क्वायर अब रेडियस ये हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ठीक है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिख दिया अब जरा देखिएगा आर आर नॉट नॉट स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा ओमेगा नॉट क्या बन जाएगा वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर ओमेगा और जरा देखिएगा ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर ओमेगा नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर माइनस टू क्या लिख दूं ओमेगा नॉट अल्फा डेल्टा टी ठीक है इतनी आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई फाइनल ठीक है दिस इज योर आंसर क्योंकि अल्फा डेल्टा टी काफी छोटा है इसीलिए मैंने बाइनोमियल लगा दिया ठीक है अगर बड़ा होगा तो नहीं लगा पाऊंगा ठीक है चल भाई ये सवाल समझ में आया क्या ये सवाल आपके समझ में आया ध्यान से सुन लेना यार ऐसे सवाल पूछे जाएंगे ठीक है क्या बोल रहा है डिस्क है इसको घुमा रहा था मैं इस तरीके से अब डिस्क एक्सपेंड हो गई जब किसी चीज की जब किसी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है यह है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या थर्मल फिजिक्स से डायरेक्ट सवाल नहीं किया उसने थर्मल को रोटेशन से क्लब कर दिया उसने थर्मल को है ठीक है तो इस तरीके से सवाल घुमा फिरा के पूछता है, है यहां पे अभी पूछ ले बॉडी है जो कि डूब रही थी अब बता देना गर्म हो गई तो एक्सपेंड कर गई बता देना कितना क्या हो गया थर्मल को फ्लूड से मिक्स कर सकता है, वाले से? ठीक है? इतने पर डूब रही थी इतने पर बराबर आ गई ठीक है तो कहने का मतलब यह है बेटा सवाल सेम है बस घुमा फिरा करके ऐसे तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा है अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ठीक है लिक्विड का अपेरेंट एक्सपेंशन कितना होता है तो मैंने कहा यार अगर आपको लिक्विड का किसी भी लिक्विड का अपेरेंट एक्सपेंशन देखना है जरा तो ध्यान से सुनिएगा ठीक है कोविशियंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन क्या होता है अगर मैंने एक कंटेनर लिया लेटे से आपका कंटेनर है ठीक है और इसके कंटेनर के वॉल्यूम को नापने के लिए आपने ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात यह बड़ा ही लॉजिकल सा पार्ट है और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं ठीक है बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा उसकी हेल्प से आप तुरंत ये बता पाओगे कि कंटेनर का क्या एक्सपेंशन हुआ है ठीक है अच्छा अब एक बात बताना अगर आपके पास एक कोई कंटेनर है यहां पर ऐसा कुछ है ठीक है इनिशियल वॉल्यूम कितना है सर लेटेस्ट से मैंने कहा इनिशियल वॉल्यूम है मेरे पास हंड्रेड मिली ठीक है या मैं लिख देता हूं हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब उससे फर्क नहीं पड़ता क्या लिख रहा हूं मैं ठीक है मैंने कहा इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब मैंने कहा कि यार अगर अगर ये लिक्विड जो है मैं इसको गर्म करता हूं ठीक है और गर्म करने के बाद गर्म करने के बाद यहां पर देखा तो मैंने कहा यार सर यहां पर जैसे मैंने उसको गर्म किया ना तो यहां पर ये कुछ बाहर आ गया है लिक्विड ठीक है मैंने उसको गर्म करना भी शुरू किया है और आफ्टर सम टाइम यहां पर इस तरीके की कंडीशन बन चुकी है ठीक है लेटस से अगर मैंने बोला कि यहां पर जो है तीन सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बाहर फ्लो कर गया ठीक है भाई इसके पास गर्म होने के लिए कुछ जगह नहीं थी तो गर्म हुआ तो ये क्या हो गया ये कुछ लिक्विड बाहर आ गया तीन सेंटीमीटर क्यूब ये बाहर आ गया ठीक है अब एक बात बताइएगा ये लिक्विड कितना एक्सपेंड किया ठीक है जब मैंने इसको गर्म किया तो लिक्विड क्या हो गया तीन सेंटीमीटर क्यूब बाहर आ गया ठीक है तो लिक्विड के वॉल्यूम में डेल्टा भी कितना है अगर मैं डेल्टा वी कैलकुलेट करना चाहूं ठीक है डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी बोलो यार कितना वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया यहां का हाँ तीन सेंटीमीटर क्यूब सर एक्सपेंड कर गया इसमें कौन सी बड़ी बात थी डेल्टा आ गया तीन सेंटीमीटर क्यूब आ गया मैंने कहा एक बात सोचना तूने इसको गर्म किया ठीक है अब मैं अगर तुझे बोलूं ध्यान से सुनना ठीक है क्या ये कंटेनर जो है ये कंटेनर का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा क्या क्या ये कंटेनर का वॉल्यूम नहीं बढ़ा क्या तूने कंटेनर का वॉल्यूम सोचा भी तो सर कंटेनर का वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा सर, हमने तो दिमाग ही नहीं लगाया हमने तो सीधा सीधा बोला जितना लिक्विड एक्सपेंड हुआ वो सारा बाहर आ गया ठीक है यही गलती यही गलती शुरुआत से सब लोग करते आ रहे थे कंटेनर का वॉल्यूम कोई दिमाग ही नहीं अबे कंटेनर भी तो एक्सपेंड किया होगा ठीक है तो ये जो एक्सपेंशन है ठीक है ये जो एक्सपेंशन तीन सेंटीमीटर क्यूब है जो बाहर निकला इसको हम कहते हैं अपेरेंट एक्सपेंशन ये असली एक्सपेंशन नहीं है ये अपेरेंट एक्सपेंशन है ये वो एक्सपेंशन है जो सारी दुनिया को लग रहा है कि भैया जो बाहर निकला।, निकला लेकिन अब जरा ध्यान से सुनना ठीक है इनिशियली लिक्विड का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब तो कंटेनर का वॉल्यूम भी क्या है हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब इसमें क्या बड़ी बात है मैंने कहा ठीक है अब अगर कंटेनर का वॉल्यूम एक्सपेंड होकर के 102 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है कंटेनर का वॉल्यूम एक्सपेंड होकर के 102 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है ठीक है अब मेरी बात बता दे लिक्विड कितना सेंटीमीटर क्यूब एक्सपेंड कर गया लिक्विड कितना सेंटीमीटर क्यूब एक्सपेंड कर गया लिक्विड का एक्चुअल एक्सपेंशन कितना है लिक्विड का एक्चुअल एक्सपेंशन कितना है आ! पांच सेंटीमीटर क्यूब सर तीन नीचे टपक गया और दो ये बढ़ा दो कंटेनर भी बढ़ गया ठीक है पांच सेंटीमीटर क्यूब तो एक्चुअल एक्सपेंशन कोफिशेंट ऑफ लिक्विड अगर असली एक्सपेंशन देखना है तो थ्री टाइम्स ऑफ अल्फा कंटेनर का प्लस अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ठीक है क्या ये बात समझ में आई मैंने कहा सर क्या है डेल्टा वी एक्चुअल चेंज एक्चुअल में जो चेंज आया होगा वो किसके बराबर होगा कंटेनर का वॉल्यूम डेल्टा वी ऑफ कंटेनर कंटेनर का वॉल्यूम कितना बड़ा प्लस जो बाहर टपका मतलब डेल्टा वी अपेरेंट ठीक है और ये क्या होता है डेल्टा वी वी नॉट गामा डेल्टा टी ठीक है वी नॉट थ्री अल्फा डेल्टा टी सर इसमें थ्री अल्फा क्यों लिख रहा हूं क्योंकि जनरली आपको सॉलिड्स का गामा नहीं देता सॉलिड्स का आपको जनरली अल्फा देता है ठीक है और प्लस वी नॉट इनटू गामा अपेरेंट इंटू डेल्टा टी देखो भाई डेल्टा टी वी नॉट डेल्टा टी वी नॉट काट डाले क्या बचा ठीक है थ्री अल्फा डेल्टा टी ये वाला ठीक है अब जरा ध्यान दीजिएगा ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं हमने बोला थ्री अल्फा ये इतना बड़ा जैसे सोचना अगर कोई भी लिक्विड बाहर नहीं निकलता ठीक है गामा अपेरेंट क्या हो गया जीरो लेकिन हकीकत में क्या है सर कंटेनर का वॉल्यूम एक सौ हुआ तो इसका मतलब इसका भी वॉल्यूम एक सौ दो गया तो दो सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गया है ठीक है कहने का मतलब यह है हमें ऐसा लग रहा है सर कंटेनर पहले कोई भी हमें ऐसा था ठीक है सर मैंने कहा अगर बाहर कोई भी लिक्विड नहीं निकलता तो क्या होता उस केस में भी भैया जितना ये एक्सपेंड किया उतना भी तो ये एक्सपेंड किया कर गया, कंटेनर कर गया और लिक्विड कम एक्सपेंड किया उस केस में गामा नेगेटिव हो सकता है ठीक है तो ये भी पॉसिबल है चल भाई तो क्या ये फॉर्मूले का लॉजिक समझ में आ रहा है क्या ये फॉर्मूले का लॉजिक समझ में आ रहा है ठीक है उम्मीद करता हूं यह बात क्लियर होगी गामा पेरेंट कैसे निकालते हैं ठीक है अच्छा अब इसका कई बार ऐसा भी सवाल पूछ लेता है ठीक है देख भाई घुमाने वाली बात है अब कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि मेरे पास एक कंटेनर है ठीक है इस तरीके का कंटेनर है और ये कंटेनर मेरा पूरी हाइट तक नहीं भरता वो कंटेनर बोलता मैं सिर्फ यहीं तक भर रहा हूं मुझे नहीं पता ठीक है मैं सिर्फ यहीं तक भर रहा हूं और मैंने कहा अगर मैं इसको गर्म करता हूं अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो इसका एक्चुअल एक्सपेंशन या अपेरेंट एक्सपेंशन क्या होगा मैंने कहा देख अगर इसका डेल्टा भी ठीक है तो मैंने कहा देख अगर इसका वॉल्यू अच्छा इस बार इसकी हाइट से लेने लेना लेना नहीं रहेगा क्यों अगर पूरा ब्रिंक तक नहीं भरा पूरा ब्रिम तक ऊपर तक नहीं भरा तो फिर आपको बस एरिया देखना पड़ेगा मैंने कहा एरिया क्या है ए है ठीक है हाइट क्या है एच है आप वॉल्यूम कैसे नापोगे आप एच से नापोगे ठीक है आप वॉल्यूम कैसे नापोगे आप एच से नापोगे ठीक है तो मैंने कहा यार इसका वॉल्यूम क्या होगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा वी इजिकल्स टू ए इन टू एच के बराबर होगा हाँ सर ठीक है मैंने कहा वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा वी ठीक है कितना हो जाएगा वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी ठीक है और एरिया बढ़ेगा एरिया क्या हो जाएगा ए नॉट जो ओरिजिनल एरिया है वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी और यहां से आप नाप लोगे हाइट ठीक है है कई बार ऐसा होता है कि आपको अल्फा ये हाइट पूछ लेगा ठीक है और ये ये हाइट आपको अपेरेंट एक्सपेंशन बता देगा कि यार बढ़ रहा है या कम हो रहा है ठीक है तो डिपेंड करता है जब आपको पूरा नहीं भरे तो फिर बस खाली एरिया एरिया का एक्सपेंशन लेना ऊपर वाली हाइट का एक्सपेंशन का कोई काम नहीं है ठीक है लेकिन 99% केसेस में अगर बात करेगा तो इस वाले केस की बात करेगा ठीक है इस किस वाले किसकी रेयरली कभी बात करता है हाँ, जे वाला कुछ भी कर सकता है पर कुछ कह नहीं सकते ठीक है? लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा है यार जब ये एक्सपेंड जो फॉर एग्जांपल एरिया तो हाइट क्या होने लगेगी आपकी कम होने लगेगी एरिया तो हाइट क्या होने लगेगी बढ़ने लगेगी ठीक है तो जो आपको एच लिखूंगा मैं एच क्या लिखूंगा एच विलॉन ए नॉट वन प्लस गामा माइनस टू अल्फा डेल्टा टी ठीक है ये लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन एच नॉट एच नॉट ओरिजिनल वन प्लस गामा माइनस अल्फा डेल्टा टी इस तरीके का हाइट का वेरिएशन आएगा दिस इज वेरिएशन ऑफ हाइट दिस इज वेरिएशन ऑफ हाइट ठीक है सर थ्री कांस्टेंट थ्री कांसर आ गया 3 हाँ भाई 3 तो ही होता है कौन सा थ्री आ गया अरे ये तो मैंने रैंडमली कोई लेके समझाया है यार ये थ्री मतलब ऐसा थोड़ी हर जगह अपेरेंट एक्सपेंशन इसको बोलते हैं एक्चुअल एक्सपेंशन निकालना है तो क्या होगा कंटेनर का एक्सपेंशन प्लस अपेरेंट एक्सपेंशन ये तो कोई रैंडम एक्साम्पल लेकर के समझा रहा हूँ भाई मैं ठीक है ऐसा मत कर यार चल मेजरमेंट बाय अ स्केल अगर एक स्केल से मेजरमेंट करना है जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ठीक है ये बहुत ही अच्छा सवाल आता है इसका ठीक है देख अब जो जितने भी तेरे को एप्लीकेशन समझा रहा हूं ठीक है ये जेई मेंस के हाई एंड और जेई एडवांस के क्वेश्चंस का लेवल समझा रहा हूं ठीक है ये अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ठीक है मेजरमेंट बाय स्केल ये सभी के सभी सवाल तेरे को नॉर्मल केसेस में जेई मेंस में नहीं देखने को मिलेंगे आ, मैं ये भी बोलता हूं जेई मीन में अगर तीस सवाल आने वाले हैं तो तीस में से बीस से बाईस सवाल तो बहुत हलुआ लेवल के आते हैं ठीक है पांच सात सवाल अच्छे आते हैं ठीक है और एक से तीन सवाल के लगभग अगर बात करूं ठीक है अगर मैं एक से तीन सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे ठा लेवल के होते हैं बिल्कुल मतलब जेई एडवांस लेवल को टच करते हैं वो ठीक है तो भाई ऐसा है कि किस्मत के ऊपर रहता है कौन से सेट में ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे सेट में सारे सवाल उस लेवल के पहुंचेंगे नहीं ठीक है लेकिन कोई लेवल अच्छे सवाल में पहुंचते ही पहुंचते हैं ठीक है थीके? तो तैयार रहना उस चीज के के लिए तो इस लेवल के सवाल भी आते हैं ठीक है थीके? चल भाई मेजरमेंट मेजरमेंट बाय स्केल स्केल अब एक का के बारे में बात करते हैं कोई एक स्केल कितनी तर, किस तरीके से रीडिंग देती है मैं सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आपको किसी रॉड की लेंथ नापनी है ठीक है रॉड की लेंथ कैसे नापोगे सर मैं रॉड की लेंथ नापने के लिए एक स्केल यूज करता हूं तो आप जो स्केल यूज करने वाले हैं इस स्केल में क्या होता है सर स्केल में थोड़े थोड़े ऐसे डिविजन्स होते हैं ठीक है चल सबसे पहला केस सबसे पहला केस मैंने कहा ये जो रॉड है इसका रॉड का अल्फा है ये ठीक है अल्फा रॉड का है और ये स्केल जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रॉड आपकी आयरन की बनी है मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और ये आपकी ये क्या है आपकी स्केल बनी है वुड की दिस इज योर फर्स्ट केस ठीक है जो आपने स्केल देखी है वो किसकी बनी है आपकी स्केल बनी है लकड़ी की रॉड किसकी बनी है आयरन की ठीक है अगर मैंने कहा कि इस रॉड की ओरिजिनल लेंथ आपकी ठीक है, लेटेस्ट से एल नॉट है यार रीडिंग जो आपकी आई ठीक है अब जरा देखिएगा, क्या 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 पर पर इस case में, क्या यहां पर इस case में, इस में, में, का, wood का expansion, thermal expansion तो क्या होता है, ना के बराबर होता है वुड का थर्मल एक्सपेंशन होता ही नहीं है तो जब मैं गर्म करूंगा तो ये रॉड क्या करेगी सर ये रॉड एक्सपेंड करेगी ठीक है तो ये रॉड जो है आपकी एक्सपेंड करेगी और जब आपकी रॉड एक्सपेंड करेगी तो रॉड की लेंथ क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ठीक है तो मान के चलो किसी भी टी टेम्परेचर पर आपको रीडिंग निकालनी है ठीक है टी नॉट पर दे दी टी नॉट टेम्परेचर पर दे दिया ठीक है तो मैंने कहा टी टेम्परेचर पर इसकी जो रीडिंग होगी तो रीडिंग विल बी इक्वल्स टू रीडिंग एट टेम्परेचर टी ठीक है क्या हो जाएगी मैंने कहा एल विल बी इक्वल्स टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी ठीक है क्या हो जाएगा सिर्फ आपका आयरन एक्सपेंड करेगा ओनली ओनली रॉड विल एक्सपेंड ओनली रॉड इज एक्सपेंडिंग जो कि आपका नॉर्मल केस है रॉड बढ़ेगी तो इसका लेंथ बढ़ेगा रॉड अगर गर्म होगी तो लेंथ बढ़ेगी रॉड अगर गर्म नहीं होगी तो इसकी लेंथ सेम रहेगी अच्छा पता है कई बार क्या क्या लालच करता है ठीक है ये बोल देगा कि एक रॉड है इसका टेम्परेचर बीस डिग्री सेल्सियस पर इतना है ठीक है और पांच डिग्री सेल्सियस पर निकाल दो या ऐसे कुछ निकाल दो मतलब जो स्केल है जो सही टेम्परेचर इतने पर नापती है इस वाले केस में आपको कोई दिक्कत नहीं कई बार आपको एल नॉट देगा कई बार आपको एल देगा तो जो भी देगा आप इजीली निकाल सकते हो ओरिजिनल लेंथ भी पूछ सकता है कि मतलब बीस डिग्री सेल्सियस पर इस रॉड का लेंथ इतना है तो बता देना इसका ओरिजिनल लेंथ कितना होगा जीरो डिग्री सेल्सियस पर ऐसा सवाल भी पूछ सकता है कुछ भी पूछ सकता है इसमें ठीक है मतलब पूछेगा इन दोनों में से कोई एक जनरली आप जरा ध्यान दीजिएगा कई बार अब क्या होता है सेकंड केस ठीक है सेम इसी सवाल में सेम इसी सवाल में अब थोड़े से परिवर्तन करता है क्या परिवर्तन करता है ठीक है परिवर्तन ये करता है कि मटेरियल बदल देगा मतलब क्या इस बार आपका रॉड हो जाएगी जो है वुड की और यह हो जाएगा आयरन का तो रॉड हो गई आपकी वुड की और यह बना है आयरन ठीक है मतलब अब ये रॉड एक्सपेंड हो नहीं सकती अब आपका सिर्फ यही एक्सपेंड होगा ठीक है और इसका एक्सपेंशन बोल देता हूं अल्फा इंटू एस ठीक है स्केल का एक्सपेंशन ठीक है अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा ऐसे केसेस में आपको विशेषतः सतर्क होना पड़ेगा सर क्यों मैंने कहा देख यार अगर रॉड स्केल एक्सपेंड होने लगी ठीक है तो अगर स्केल एक्सपेंड होने लगी तो इसका मतलब आपकी स्केल गड़बड़ रीडिंग दे सकती है ठीक है तो लेटेस्ट से एट टी नॉट टेम्परेचर ठीक है ये स्केल बिल्कुल कैलिब्रेटेड बिल्कुल सही रीडिंग दे रही है ठीक है स्केल इज रीडिंग करेक्टली टी ठीक है तो सही लेंथ कितनी दी है इसने एल नॉट दी है ठीक है करेक्ट रीडिंग कितनी दी है एल नॉट दी है अब मान के चल मैं इस स्केल को बढ़ाता हूं ठीक है इसको गर्म करता हूं ठीक है अब जरा एक बात बताना जब मैं इस स्केल को गर्म करूंगा तो रीडिंग जो है ये जो लेंथ है बोले यार अब इसकी रीडिंग बढ़ेगी या कम होगी ठीक है बोल यार क्या होगी इस बार कम हो जाएगी क्यों कम हो जाएगी जब ये स्केल एक्सपेंड होगी तो भैया हर एक मिलीमीटर -एक mm जो है वो बढ़ता जाएगा वो अब वो एक मिलीमीटर mm, एक मिलीमीटर mm थोड़ी रहे वो 1.1 पॉइंट मिलीमीटर हो जाएगा तो जो रीडिंग होगी वो कैसी हो जाएगी कम हो जाएगी तो रीडिंग आफ्टर डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीमेंट जब मैंने डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया है तो अब रीडिंग क्या हो जाएगी मैंने कहा एल हो जाएगी तो अब जो नई रीडिंग कितनी हो जाएगी एल विल बी इक्वल्स टू एल नॉट वन माइनस अल्फा एस इन डेल्टा टी ठीक है वन माइनस अल्फा एस इन डेल्टा टी क्या हो जाएगी इस बार रीडिंग कम हो जाएगी क्यों कम हो जाएगी भाई अगर स्केल एक्सपेंड हो गई तो स्केल का नंबर ऑफ ये फिगर्स बढ़ने लगेंगे तो भैया रीडिंग क्या करने लगेगी कम करने लगेगी आपको सिंपल सी बात बस ये सोचना है कि क्या कोई रीडिंग बढ़ाएगा या रीडिंग कम करेगा बस ठीक है बढ़ाने और कम करने का गेम खेलना है बाकी प्लस और माइनस हर जगह सेम ही रहना है ठीक है कम होगा ठीक है अब मैंने कहा अगर दोनों ही क्लब केसेस को मिक्स कर दूं तो अगर मैं दोनों ही केसेस को मतलब क्या केस वन प्लस केस टू मतलब केस थ्री इस बार रॉड भी एक्सपेंड हो रही है और आपकी स्केल भी ठीक है लेटेस्ट से रॉड का एक्सपेंशन कुछ और बोल दूंगा अल्फा वन अल्फा टू दोनों ही बोल देता हूं ठीक है तो इसका एक्सपेंशन है अल्फा वन इसका एक्सपेंशन है अल्फा टू ठीक है केस क्या है both rod and scale टेन expand ठीक है तो लेट अस से इसने करेक्ट टेम्परेचर टी नॉट पर ठीक है मैंने कहा करेक्ट रीडिंग कितनी है करेक्ट रीडिंग एट टी नॉट टेम्परेचर टी नॉट टेम्परेचर पर क्या है आपकी एल नॉट है ठीक है तो रीडिंग एट टेम्परेचर टी नॉट में मैंने कुछ डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया अब रीडिंग कितनी होगी तो मैंने कहा यार रीडिंग मतलब क्या करेगा ये रॉड एक्सपेंड होगी तो क्या करेगा लेंथ बढ़ाएगा और स्केल एक्सपेंड होगी तो क्या करेगा अल्फा रॉड माइनस अल्फा ऑफ स्केल इनटू डेल्टा टी ठीक है मैं इस इस तरीके तरीके से से लिख देता लेंथ लेंथ ऑफ 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 रॉड स्केल स्केल अल्फा ठीक है इस तरीके से. तो बता देना रॉड एक्सपेंड करेगा तो क्या करेगा रीडिंग बढ़ाएगा और स्केल एक्सपेंड करेगी तो क्या करेगा रीडिंग को कम करेगा तो इस तरीके से आपका चेंज आएगा क्लियर है ठीक है चल भाई तो ये है आपका स्केल ज योर फाइनल फॉर्मूला अब सिंपल सा लॉजिक यही लगाना तुम्हें बस ये देखना है क्या चीज कोई क्या चीज रीडिंग बढ़ाएगी या कम करेगी बस इतनी बात अगर तुमने देख ली तो सारा साल सारा गेम हो गया ठीक है अगर कोई चीज रीडिंग बढ़ा रही है अब पता है कई बार क्या गेम खेलता है बोलेगा कि आ, मान के चल डेल्टा टी पर यहां पर रीडिंग दे देगा मतलब आपको एल दे देगा दे और एल नॉट पूछ लेगा तो भाई ये कहानी जस्ट उल्टी हो जाती है ठीक है मतलब क्या जैसे बोलेगा दस डिग्री सेल्सियस पर मैंने स्केल बनाई थी कैलिब्रेट करी थी ठीक है और पच्चीस डिग्री सेल्सियस पर लेंथ आई है चार मीटर तो दस डिग्री उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या होगी रॉड की उसकी असली लेंथ मतलब आपसे एल नॉट पूछ लेता है, असली लेंथ तो अगर कभी असली लेंथ पूछ लेगा तो भैया इसको इधर डिनोमिनेटर में भेज देना फिर क्या हो जाएगा अल्फा स्केल माइनस अल्फा रॉड ठीक है बस उल्टा पलट देना इतनी सी कहानी कर लेना भाई ये दिमाग लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे रहेगा लिनियर ही क्योंकि बाइनोमियल हर जगह लग रही है ठीक है आपकी बस ये चीज याद रख लेना कई बार ये शरारत करेगा शरारत क्या करता है आपको एल नॉट नहीं देगा एल दे देगा और एल नॉट पूछ लेगा ठीक है जैसे तो घुमा घुमा के सवाल पूछता है घबराना नहीं उसमें कि नहीं सर ये तो हम सर हम तो यही करके आ रहे थे अभी ये तो देख ले बोला क्या है सवाल में ठीक है बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या होती है ठीक है तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप कुछ भी नहीं बड़ी सिंपल सी चीज होती है शायद ये रही ठीक है ये है एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप ठीक है एक साइड आपका एक तरीके का मटेरियल जैसे फॉर एग्जांपल इस साइड आपका कॉपर है और अगर मैं यहां पर दिखाऊं इस साइड आपका शायद स्टील वगैरह कुछ है ठीक है और दोनों को एक दूसरे के साथ में आपने रिविटेड कर दिया है मतलब क्या ये है आपकी एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप ठीक है दो मटीरियल को अलग अलग इस तरीके से आपने रख दिया एक मटीरियल ऐसा है दूसरा मटीरियल आपने इसके साथ में ही चुपकाया है ठीक है सेम ऐसा देखने वाला मटेरियल है ठीक है इसको हम कहते हैं बायमेटेलिक स्ट्रिप इसको हम कहते हैं बायोमेटेलिक स्ट्रिप अब अगर मैं इस बायटलिक स्ट्रिप में ठीक है इसको गर्म करता हूं ठीक है तो गर्म करने पर क्या होता है ये स्ट्रिप या तो एक साइड बेंड हो जाती है ठीक है किस साइड बेंड होगी जरा ध्यान दीजिएगा मैंने सिंस हर जगह से इसको बांध रखा है मैंने हर जगह से मैंने बिल्कुल बीच में ऐसा नहीं कि ये छोड़ सकता है ठीक है अगर मैंने कहा इसका थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा वन ठीक है इसका थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशेंट है अल्फा टू लेटेस्ट से मैंने बोला अल्फा वन इज ग्रेटर देन अल्फा टू मतलब क्या ये ज्यादा एक्सपेंड होगी ये कम एक्सपेंड होगी ठीक है और अगर ऐसा होता है तो भाई थोड़ी देर के बाद आप सोचिएगा कायदे से क्या होना चाहिए था ये ऐसा होना चाह रहा है आइडियली ये चीज ऐसी होनी चाह रही है ठीक है, लेकिन तुमने तो बांध के रखा हुआ है तुमने तो इसको ऐसा करने ही नहीं दे रहा तो जब तुम करने नहीं दोगे इस तरीके से शेप इसे सेम नहीं करने दोगे तो क्या होगा ये बैंड होने लग जाएगा और इस तरीके से बैंड होगा कि ये बाहर जो ज्यादा एक्सपेंड होना है उसको आउटर वाले साइड पे हो जाएगा और जिसको कम एक्सपेंड होना है उसको इनर वाली साइड पे हो जाएगा इस तरीके से आपकी बायोमेट्रिक स्ट्रिप बनती है ठीक है इस तरीके से आपकी कुछ बायोमेट्रिक स्ट्रिप बनती है तो इट विल कर्व टुवर्ड्स दी साइड विच हैज लोअर अल्फा ठीक है जिस साइड आपका अल्फा जिसका अल्फा कम उसकी साइड बेंड होगा क्या यह बात क्लियर है जिसका अल्फा कम उसकी साइड बेंड होगा ठीक है तो स्ट्रिप उस साइड बेंड होगी जिस तरफ अल्फा कम होगा ठीक है पहले किसी जमाने में एंगल पूछते थे कि कितना एंगल आएगा यह आएगा अब ऐसा कुछ भी नहीं पूछते हैं ठीक है तो इसीलिए मैं आपको इसका एंगल वगैरह भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं वो अब आपको नहीं निकलवा रहा हूं क्योंकि उसका टाइम खराब करने का कोई पॉइंट नहीं है ठीक है सवाल देखिएगा बड़े ही आसान सा एक सवाल आया था एक बार ठीक है दो हज़ार बाईस में यूनिट स्केल इज इस प्रिपेयर्ड हुज लेंथ डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर ठीक है एक यूनिट स्केल को बनाया गया है जिसकी लेंथ टेम्परेचर के साथ साथ नहीं बदलती है ठीक है एंड रिमेन्स ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है यूजिंग अ बायोमेट्रिक स्ट्रिप मेड ऑफ ब्रास एंड आयरन ठीक है ब्रास और आयरन की बायोमेट्रिक स्ट्रिप बनाई है ईच ऑफ डिफरेंट लेंथ ठीक है लेंथ ऑफ कॉम्पोनेंट वुड चेंज ठीक है इन सच अ वे डिफरेंस बिटवीन लेंथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट मतलब क्या यार ये इस तरीके से बदलेंगी कि डेल्टा एलवन माइनस डेल्टा एल टू यह कैसा रह रहा है कांस्टेंट रह रहा है ठीक है तो क्या लिख सकता हूं एल वन अल्फा वन डेल्टा टी माइनस एल टू अल्फा टू डेल्टा टी ठीक है ये ऐसा है 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 ये ये बेसिकली जीरो जीरो हो हो रहा है. हो रहा कांस्टेंट क्या ठीक जितनी लेंथ इसने बढ़ाई उतनी लेंथ ये बढ़ गई तो लेंथ का डिफरेंस कैसा रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा डेल्टा टी से डेल्टा टी उड़ा दो एल वन अल्फा वन इजिकल्स टू एल टू अल्फा टू ठीक है इफ लेंथ ऑफ ब्रास इतना है लेंथ ऑफ आयरन विल भी आपको बस ये निकालना है ठीक है तो चालीस इंटू लेंथ ऑफ ब्रास कितना है वन पॉइंट एट टेन की पावर माइनस फाइव इजिकल्स टू वन लेंथ एल वन पॉइंट टू इंटू टेन की पावर माइनस फाइव ये उड़ा देना ठीक है एल आ जाएगा चालीस इंटू वन पॉइंट एट डिवाइडेड बाई वन पॉइंट टू सिक्सटी सेंटीमीटर आ जाएगा ठीक है 60 सेंटीमीटर आ जाएगा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसने बोला है सवाल में ही सब कुछ दे रखा है इसने क्या बोला है सच दैट डिफरेंट लेंथ यूज करी है ठीक है इफ द लेंथ ऑफ बोथ कंपोनेंट्स वुड चेंज इन सच वे दैट डिफरेंस बिटवीन देम डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ कांस्टेंट है तो मतलब l1 l2 ये कांस्टेंट है ठीक है तो ये कब होगा जब l नॉट ठीक है या डेल्टा l1 टू डेल्टा एल टू जितना ये बढ़े उतना तो ही ये बढ़ जाए तो डेल्टा ये तो सेम तभी होगा था ना ठीक है इसीलिए बस ठीक है चल भाई अगले और आखिरी टॉपिक हीट ट्रांसफर की बात शुरू करते हैं तो बेसिकली हीट ट्रांसफर के तीन प्रमुख तरीके होते हैं पहला है थर्मल कंडक्शन दूसरा है थर्मल कन्वेक्शन और तीसरा है थर्मल रेडिएशन ठीक है कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ब्रेक ठीक चलो तो जनता की बेहद मांग पर कितने मिनट का ब्रेक चाहिए बोल Hmm. पंद्रह मिनट का दस मिनट का बहुत है चल भाई तो दस मिनट का ब्रेक ले लो या चलो पंद्रह मिनट कर लो ठीक है पंद्रह मिनट बाद फिर से दोबारा शुरू करते हैं कितना पार्ट बचा है देख तो लूँ मैं hmm. हम्म ओके हम्म 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 पचास सेकंड स्टार्ट करें आ गए सब चल भाई तो चाय रखते हैं साइड में 20 सेकंड बचे हैं फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई थर्मल कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन चल ठीक है अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं थर्मल कंडक्शन बेसिकली अब हीट ट्रांसफर है हीट ट्रांसफर कितने तरीके से हो सकती है तीन तरीके से हो सकती है थर्मल कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन कंडक्शन किसमें होती है जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कोई चम्मच ली ठीक है और इस चम्मच को इस एंड से आपने गर्म करना शुरू किया तो आप देखोगे कि ये जो ये वाला एंड है ये भी अपने आप थोड़ी देर में ये भी गर्म होने लगता है तो मतलब जो हीट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है तो जब भी किसी कंडक्टर से जब भी किसी थर्मल कंडक्टर से हीट फ्लो होती है इसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्शन ठीक है यहां पर कन्वेक्शन यहां पर क्या होता है मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है मीडियम इज रिक्वायर्ड इस केस में मीडियम आपका रिक्वायर्ड होता है ठीक है ओनली हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस टेक्स प्लेस नो मैटर इज ट्रांसफर्ड कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं होता है ठीक है ये जनरली इन सॉलिड्स होता है ये जनरली किसमें होता है कंडक्शन सॉलिड्स में होता है ठीक है जबकि कन्वेक्शन क्या है कन्वेक्शन जनरली फ्लुइड्स में होता है आपने किसी कंटेनर में कोई एक लिक्विड रखा और इस लिक्विड को आपने गर्म करना शुरू किया तो जब आप इस लिक्विड को गर्म करना शुरू कर रहे हो तो जरा देखिएगा लिक्विड के नीचे वाले मॉलिक्यूल्स कुछ एनर्जी लेंगे और ये ऊपर भाग जाएंगे और ऊपर वाले मॉलिक्यूल कुछ नीचे आएंगे फिर ये एनर्जी लेंगे फिर ऊपर भाग जाएंगे तो अगेन इसमें मीडियम तो रिक्वायर्ड है मीडियम इज रिक्वायर्ड मीडियम के बिना तो काम नहीं चलेगा ठीक है लेकिन यहां पर मीडियम मतलब खुद से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो इट इज इन इट हैपन्स इन फ्लूइड्स इन फ्लूइड लिक्विड और गैसेस में होता है ठीक है और यहां पर बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर ठीक है एक्स प्लेस मतलब मास भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है ठीक है तो मास और एनर्जी दोनों एक साथ ट्रांसफर होते हैं ठीक है मास और एनर्जी दोनों एक साथ ट्रांसफर होते हैं जबकि रेडिएशन में क्या है कोई भी चीज अगर मान के चलो आपकी है तो ये क्या करती है अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ थर्मल रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर करती है ठीक है चारों तरफ कुछ ना कुछ थर्मल रेडिएशन एमिट करती है और इसकी हेल्प से हीट लॉस करती है तो थर्मल रेडिएशन में ठीक है कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है तो मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड बिना मीडियम के भी हो जाएगा मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड ठीक है कोई नो मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस कोई मास ट्रांसफर नहीं होता इसमें कोई भी मास ट्रांसफर नहीं होता ठीक हैपन्स इन ऑल बॉडीज सभी में सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो ठीक है मतलब सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो कुछ भी बना रहे सब में होती है ठीक है एपन्स एट ऑल टेम्परेचर सभी टेम्परेचर्स पर होती है एंड इट इज दी फास्टेस्ट वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर सबसे तेज तरीका है एनर्जी ट्रांसफर का क्यों क्योंकि रेडिएशन में जो भी वेव निकल रही है वो लाइट की स्पीड से थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकंड से आपकी एनर्जी एनर्जी कैरी कैरी कर रही है। तो दिस इज फास्टेस्ट वे टू ठीक है जबकि यहां पर मीडियम की भी जरूरत है अगर मीडियम नहीं है तो नहीं हो सकता ठीक है आपने देखा होगा कि जो एक वो होते हैं थर्मस वाले फ्लास्क होते हैं जिसमें अंदर का सामान गर्म का गर्म रहता है और बाहर का सामान ठंडा रहता है या अगर आपने अंदर सामान ठंडा रखा है तो वो लंबे टाइम तक ठंडा रहता है वो बेसिकली कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद उनमें भी सामान ठंडा होता है आप नोटिस करेंगे तो एक्चुअली में जब भी आप किसी भी थर्मस को अंदर से देखेंगे ठीक है तो थर्मस का प्रिंसिपल क्या होता है थर्मस में इस तरीके से दो वेसल्स लगाए जाते हैं एक तो आपका ये ऊपर ओपनिंग हो गई है और यहां पर ये इस तरीके से ये चैंबर क्रिएट किया जाता है और इस चैम्बर में वो जनरली एक अच्छा खासा इंसुलेटर रखते हैं ठीक है बहुत ही तगड़ा इंसुलेटर रखते हैं यहां पे अंदर क्या भरते हैं इंसुलेटर और अंदर चाहे कैसा भी इंसुलेटर रख दो लेकिन यार कुछ ना कुछ तो हीट इधर उधर ट्रांसफर लॉस होती है दूसरी चीज यहां पे अंदर जो भी आप लिक्विड रखोगे ठीक है ये लिक्विड आप क्या करेगा ये लिक्विड कुछ ना कुछ हीट रेडिएशन तो देगा ही देगा ना ठीक है और जब ये लिक्विड आपका हीट रेडिएशन देता है तो इसकी वजह से हीट लॉस तो होनी ही होनी है ये हीट लॉस कम से कम हो इसीलिए यहां पर इसके अंदर वाला सरफेस आप मेटेलिक बनाते हो मेटेलिक क्यों बनाते हैं सो दैट ये शाइनी हो जाए तो शाइनी होगा तो क्या होगा यहां से हीट जाएगी इससे टकराएगी और टकरा करके वापस आ जाएगी इसमें फिर यहां से जाएगी यहां टकरा के तो मतलब बेसिकली ये चाह रहा है कि यहां पे हीट ऐसे टकरा करके ट्रैप हो जाए तो रेडिएशंस बाहर ना निकल पाए लेकिन चाहे जितना भी परफेक्ट बनाने की कोशिश कर लेना कुछ ना कुछ हीट लॉस तो होनी ही होनी है इसीलिए थर्मस में भी आठ दस घंटे के बाद आपका जो अंदर अगर गर्म चाय रखी है तो वो ठंडी हो जाती है चाय के नाम से याद आया कि इससे पहले कि मेरी चाय ठंडी हो जाए एक आध घुट तो ले ही लेता हूं वैक्यूम रहता है ना बेटा हाँ कुछ में वैक्यूम भी रहता है कुछ में ये भी रहता है ठीक है डिपेंड करता है ठीक है जनरली वैक्यूम क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है 100% वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाते हैं ठीक है और जैसा कि मैंने बताया था वैक्यूम के, के केस में बहुत ही जल्दी वैक्यूम में जो आ, क्या कहते हैं स्ट्रेंथ नहीं रहती मतलब क्या एटमोस्फेरिक प्रेशर दबा सकता है खत्म कर सकता है इसीलिए हम वैक्यूम जनरली नहीं रखते हैं ठीक है चल यार तो अब बात करते हैं हीट कंडक्शन की थर्मल कंडक्शन एक चीज ध्यान देखना हमारे सिलेबस में ठीक है हमारे सिलेबस में थर्मल कंडक्शन पूरा है थर्मल रेडिएशन पूरा है थर्मल कन्वेक्शन का सिर्फ नाम है सिर्फ नाम है ठीक है तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं थर्मल कंडक्शन के बारे में तो जब भी एक बॉडी से एक हॉट सोर्स से हमने एक हॉट कोल्ड सिंक पे हमने रखा है तो क्या होता है गर्म टेम्परेचर से ठंडे टेम्परेचर तक बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है तो यहां पर कुछ हीट अंदर जाती है और यहां से कुछ हीट बाहर निकलने लगती है ठीक है अच्छा शुरुआत में क्या होता है ध्यान ध्यान से से सुनना सुनना मेरी अब एक एक बात ठीक है शुरू शुरू में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक गर्म कमरा रखा या कोई यहां पे गर्म चीज रखी यहां पर आपने एक ठंडी चीज रखी तो शुरू शुरू में क्या होगा इस जो ये जो बीच में आप कनेक्टर है ना ठीक है ये जो आपका कनेक्टर है इसमें क्या होगा इसका टेम्परेचर धीमे धीमे पहले बढ़ना शुरू होगा ठीक है इस तरीके से बढ़ेगा कि इसके जो जस्ट बगल वाला एंड है ये वाला एंड है तो इसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा सर इसका टेम्परेचर टी हो जाएगा राइट right साइड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं लेफ्ट एंड से लेकर के राइट right एंड तक का मैं टेम्परेचर का कर्व बनाऊं तो लेफ्ट वाला एंड क्या होता है सिंस ये गर्म है तो सबसे ज्यादा यहां का टेम्परेचर रहेगा सबसे ज्यादा टेम्परेचर और राइट right वाला एंड का टेम्परेचर क्या होगा सबसे कम होगा और इसके बीच में जैसे 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 चलता जाएगा धीमे 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 टेम्परेचर कम होता जाएगा तो यहां का टेम्परेचर कुछ कम हो जाएगा ठीक है यहां का टेम्परेचर कुछ और कम हो जाएगा यहां का टेम्परेचर कुछ और ही कम हो जाएगा तो आप देख रहे होंगे धीमे 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 टेम्परेचर कम होता जा रहा है ठीक है यहां का टेम्परेचर कुछ और कम हो जाएगा इस तरीके से टेम्परेचर में वेरिएशन आता जाता है ठीक है

साइड में कुछ मैं इस तरीके से थर्मल इंसुलेटर लगा देता हूं सर इसका क्या लॉजिक है मैंने कहा इसका लॉजिक ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां से हीट आ रही है और ये हीट एनवायरमेंट में लॉस हो जाए ठीक है तो मैं उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया है एक बीच में थर्मल इंसुलेटर लगा दिया है अब इससे क्या होगा सर जितनी हीट आएगी अब जब एक स्टेडी स्टेट सेट हो गई है ठीक है इन स्टेडी स्टेट इन स्टेडी स्टेट स्टेडी स्टेट में जितनी भी हीट हर सेकंड अंदर आएगी उतनी ही हीट हर सेकंड में बाहर जाएगी। q in is equal to q out. तर ऐसा क्यों? मैंने कहा पाइप जितना गर्म होना था हो चुका तो पाइप अब कुछ अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके नहीं रख सकता है और अगर पाइप अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके नहीं रख सकता है तो जितनी एनर्जी एक साइड से लेगा उतनी एनर्जी दूसरे साइड देना ही पड़ेगा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक पाइप है यहां पर पानी भरा हुआ है पानी यहां से जितना अंदर आएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लुइ जो अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने आपको मंडे वाले लेक्चर में बताया था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है जितना पानी अंदर आएगा एक सेकंड में उतना ही पानी बाहर निकलेगा ए वन वी वन टू ए टू वी टू और मैं आपको कह रहा हूं चाहे वो लिक्विड का फ्लो हो चाहे वो हीट का फ्लो हो या फिर आने वाले चैप्टर्स में आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो देखेंगे सबका बिहेवियर बिल्कुल आइडेंटिकल होता है मतलब क्या आपने अगर किसी एक का बिहेवियर पढ़ लिया तो आपने तीनों का बिहेवियर एक साथ पढ़ लिया ठीक है सबका बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है ठीक है अब बात करते हैं सर ये हीट फ्लो होता कितना है चाय बार बार पीने का रीजन यह है कि गला जिंदा रहे बचता रहे ठीक है चल यार थर्मल कंडक्शन इज सेम है लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बिल्कुल सही कह रहा है बेटा थर्मल कंडक्शन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जैसा ही होता है बस वेरिएबल्स अलग अलग है पैरामीटर्स अलग है यहां पर हीट फ्लो होती है वहां पर करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं इतना सा अंतर है ठीक है अब यहां पर ध्यान दीजिएगा मैं अब निकालना चाहता हूं कि पर सेकेंड कितना हीट फ्लो हो रहा है रेट ऑफ हीट फ्लो ठीक है तो ध्यान दीजिएगा मैंने कहा सर मैं बात करता हूं डीक्यू बाई डी टी की ठीक है डीक्यू बाई डी टी क्या है दिस इज रेट ऑफ हीट फ्लो ठीक है यूनिट क्या होगी इसकी तो सर इसकी ऐसा यूनिट होगी जूल पर सेकंड और इसी को हम कहते हैं वॉट्स हर सेकंड में कितना हीट फ्लो हो रहा है तो डीक्यू बाई डी टी तो मैंने कहा यार जो डीक्यू बाई डी टी है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ठीक है जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट उतनी ज्यादा तेजी से फ्लो करने की कोशिश करेगी मैंने कहा बिल्कुल सही बात है और किसके प्रोपोर्शनल होगा सर इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करेगा जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगी मैंने कहा यह भी बात सही है और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जितनी ज्यादा इसकी लेंथ होगी उतना कम हीट फ्लो करेगा सर ये कुछ समझ में नहीं आया लेंथ हीट फ्लो में कम कैसे होगा जितना ज्यादा लेंथ होगी मैंने कहा सोचना जरा ठीक है अगर इसका टेम्परेचर है सौ डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है दोनों का सौ डिफरेंस तो उतना ही है अगर इन दोनों के बीच में मान के चल इतना सा दूरी है तो मैंने कहा सर एक मीटर जाने पर सौ डिग्री सेल्सियस का चेंज है ठीक है लेकिन अगर मैं इस पाइप को एक किलोमीटर लंबा बना ठीक है सर एक पाइप इधर है इससे एक किलोमीटर दूर जाकर के जीरो डिग्री सेल्सियस है क्या इसको आसपास में भनक भी लगेगी कि अभी एक जीरो डिग्री सेल्सियस कहां उधर कोने में जाके एक किलोमीटर दूर तो भैया जितना लंबा पाइप हो जाएगा ठीक है जितना लंबा वायर हो जाएगा हीट फ्लो का रेट उतना कम होता जाएगा ठीक है हाँ सर इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इनफैक्ट एक्चुअली में रेट ऑफ हीट फ्लो T1 वन माइनस टी और L1 वन अपॉन एल पर नहीं बल्कि इनके कंबाइंड अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दू तो T1 वन माइनस टी टू अपॉन एल पर डिपेंड करता है इस टर्म को हम बोलते हैं इस टर्म को हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट जिस तरीके से विस्कोसिटी में अगर आपको याद हो ठीक है क्या होता था आ, रो वी डी ठीक है रो ए वी इटा ए वी बाई एल ठीक है विस्कस फोर्स यही बोलता था ईटा ए वी बाई एल और वी बाई एल को हम क्या बोलते थे वेलोसिटी ग्रेडियंट यहां हम क्या बोल रहे हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट ठीक है तो डेल्टा टी बाई एल को हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट अब मैंने कहा सर इस पूरे चीज में

रेट ऑफ हीट फ्लो ठीक है के क्या है आपका प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट के को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ठीक है के को हम क्या बोलते हैं को इफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ठीक है, कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये बताता है कि कोई मटीरियल कितना thermal conducting है, या थर्मली कंडक्टिंग है या नहीं है कंडक्टर्स के लिए जैसे मेटल्स वगैरह के लिए के बहुत ही कम होता है सॉरी बहुत ही ज्यादा होता है और इंसुलेटर्स जैसे लकड़ी वगैरह उसके लिए के बहुत ही कम हो जाता है ठीक है चल भाई यहां तक की बात समझ में आ गई बता दो यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है चल यार दो टाइम लिखा है क्या दो टाइम लिख दिया अरे सॉरी ये दो टाइम लिख दिया एल एरिया के प्रोपोर्शनल होता है ठीक है अब सही कर दिया ठीक है तो के अपॉन एल डेल्टा टी ये है फाइनल फॉर्मूला आप समझ में आ गई है तो अब जरा ध्यान दीजिएगा लैग हो रहा है हाँ मेरे में भी लैग हो रहा है हाँ. क्या अब ठीक आ रही है क्या अब वीडियो मेरी ठीक आ रही है क्या फिक्स हो गई ओके चल भाई अब यहां पर ध्यान दे लीजिएगा सवाल क्या दिया हुआ है ये 80 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है वो 100 ग्राम आइस है आइसो डिग्री सेल्सियस पर इस सवाल में मैंने कैलोरी मैट्री और हीट ट्रांसफर को दोनों को मिक्स कर दिया है क्या बोल रहा है मैंने कहा ये पूछा है कितने टाइम बाद ये पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी मैंने कहा रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है डी क्यू बाई डी टी फिजिकल्स टू के ए अपॉन एल एल्टा टी मैंने कहा कितना दिया है के दिया है टू हंड्रेड वॉट अच्छा के की यूनिट आप देख पा रहे हो गे मैंने कहा सर की यूनिट क्या है वॉट पर मीटर पर कैलविन क्यों डी क्यू बाई डी टी क्या है आपका के ए अपॉन एल डेल्टा टी तो के क्या लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी ठीक है इन टू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस ये हो गया आपका वॉट इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू कैल्विन वॉट पर मीटर पर कैलविन ठीक है अगर कोई इसका डायमेंशन पूछे तो निकाल लोगे क्या इसका डायमेंशन निकाल लोगे डायमेंशन एनालिसिस कर लोगे ठीक है यार अब यहां पर ध्यान कर लोगे ना तो 200 तो ये दे रखा है एरिया कितना दे रखा है वन सेंटीमीटर स्क्वायर टेन की पावर माइनस फोर कर देता हूं डिवाइडेड बाई एल वन मीटर डेल्टा टी अट्टी अस्सी डिग्री सेल्सियस दिस इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी या डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ठीक है ये आ गया आठ दूनी सोलह टेन की पावर माइनस वन वन पॉइंट सिक्स जूल पर सेकेंड ठीक है हर सेकेंड में हर सेकंड में वन पॉइंट सिक्स जूल एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी कुछ नहीं किया मैंने ठीक है अब यहां पर ध्यान दे दीजिएगा आपसे क्या पूछा है कि कितने टाइम मैंने कहा एक सेकंड में 1.6 जूल ट्रांसफर हो रही है तो आइस को मेल्ट होने में कितना टाइम लगेगा मैंने कहा यार टोटल हीट रिक्वायर्ड तो मैंने कहा टाइम इज इक्वल्स टू टोटल हीट डिवाइडेड बाई डीक्यू बाई डी टी टोटल टी सॉरी एम इन टू एल एम एस डेल्टा टी एम इन टू एल डिवाइडेड बाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टोटल हीट और हर सेकेंड में कितनी आ रही है उसका डिवाइड कर दिया तो ये क्या किया एम एन टू एल मास कितना है सौ ग्राम अस्सी कैलोरी ध्यान दीजिएगा कैलरी को या इसको यूनिट कन्वर्जन का जरूर ध्यान दीजिएगा तो 8000 हज़ार इंटू फोर पॉइंट टू जूल डिवाइडेड बाई वन पॉइंट सिक्स जूल पर सेकेंड जूल से जूल खत्म हो गया सोलह दूनी बत्तीस ठीक है और सॉल्व कर लीजिएगा आप वैसे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर आठ दूनी सोलह खत्म हो जाएगा ये हो जाएगा इक्कीस ठीक है और इक्कीस और इत इक्कीस हजार सेकेंड शायद टाइम लगेगा मेरा अंदाजा बोल रहा है हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो शायद इक्कीस हजार सेकेंड टाइम आंसर आना चाहिए ठीक है ट्वेंटी वन थाउजेंड सेकेंड बाद ये क्या है ये पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी ठीक है चल भाई अब जरा ध्यान दीजिएगा अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो ये जो अगला पार्ट है ये आपको बड़ी आसानी से फील हो जाएगा ठीक है लेटेस्ट से मैंने कहा आपके पास ये दो बॉडीज हैं ठीक है ठीके? और इनके बीच में हमने क्या किया था इनके बीच में हमने एक कंडक्टर लगा दिया था ठीक है तो मैंने कहा यार रेट ऑफ हीट फ्लो यहां पर क्या था T1 और T2 ठीक है तो मैंने कहा रेट ऑफ हीट फ्लो हमने क्या निकाला था dQ क्यू बाई डी टू के ए अपॉन एल इंटू डेल्टा टी क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल अपॉन के ए रेट ऑफ हीट फ्लो अब जरा नोटिस कीजिएगा ठीक है नोटिस कीजिएगा मैं मुझे पता है कि आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है सर करेंट इलेक्ट्रिस में अगर हमारे पास एक कोई वायर होता है ठीक है और इसके वायर के जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बोल दूं कि ये मेरे पास एक कोई रेसिस्टेंस है ठीक है इसका रेसिस्टेंस आर है यहां पर अगर वोल्टेज वी वन है यहां का वोल्टेज अगर वी टू है तो सर हमें पता है कि वी इक्वल्स टू क्या होता है आई इंटू आर अगर करेंट जा रहा है आई तो वी इजिकल टू आई आर सर ये वी क्या होता है वी वन माइनस वी टू पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर करंट क्या आ जाता है V1 वन माइनस वी टू बाई आर ये हो जाता है और किसी भी वायर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये वायर में किसका फॉर्म है सर ये वायर तो किसी इसका फॉर्म होगा ना वायर कुछ ऐसा दिखाई देगा सर वायर की लेंथ क्या है एल है वायर का एरिया क्या है ए है और सर वायर की रेसिस्टिविटी क्या होती है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है रो तो सर इसको हम लिख देते हैं आई इज इक्वल्स टू v1 वन माइनस वी टू अपॉन रो एल अपॉन ए और हमने एक और चीज देखी थी ठीक है सर इसी को हम लिख देते थे डेल्टा वी खैर चलो और इसको सर लिख देते हैं एल अपॉन के ए के क्या है के इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है ठीक है रो क्या है इलेक्ट्रिक सॉरी रो है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और के है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ठीक है अब जरा देखिएगा इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में बिल्कुल आपको सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है ठीक है मतलब क्या अगर मैं आपको एक जगह करंट इलेक्ट्रिसिटी दिखा दूं कि सर ये आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरी जगह आपको मैं थर्मल करंट दिखा दूं तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों बिल्कुल ही सेम सेम से हैं कुछ दोनों में अंतर है ही नहीं तो कहा सर अगर ऐसा है ये एल है ये आपका एरिया ए है ठीक है क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं थर्मल करेंट मैं इसको एक नाम देता हूं थर्मल करेंट ठीक है आई ये इसको मैं क्या नाम दे दूं सर इसको हम नाम दे देते हैं थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस और इसको हम क्या नाम दे दें? इस पूरे टर्म को हम नाम दे देते हैं थर्मल रेसिस्टेंस तो किसी भी वायर का थर्मल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा थर्मल रेसिस्टेंस इक्वल्स टू एल अपॉन के ए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है ये आपका इलेक्ट्रिकल ये टोटल क्या था दिस इज योर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस तो जैसा आपका इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस है वैसा ही थर्मल रेसिस्टेंस है बस अंतर कितना आया है अंतर सिर्फ इतना आया है कि डेटा में नंबर बदल जाएगा एल ए एबी सेम है बस थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों का नंबर डेटा अलग अलग है ठीक है दोनों का डेटा अलग अलग है यहां पर थर्मल करेंट जूल पर सेकेंड है यहां इलेक्ट्रिकल करेंट कूलम पर सेकेंड यानी कि एम्पियर्स में है ठीक है तो कहने का मतलब यूनिट्स अलग है फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग हैं लेकिन बिहेवियर दोनों का सेम है तो चीजों को आसानी से समझने के लिए मैं अब इसको एक रेसिस्टेंस की तरह मान लूंगा मैं मान लूंगा कि भैया मेरे पास एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है किसके बीच में टी और टी टू टेम्परेचर के बीच में तो जैसे जैसे हम लोग जो जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं क्योंकि हम लोग करंट इलेक्ट्रिस बहुत डिटेल में बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं और एक बार अगर मैं वो डेप्थ में पढ़ा यार, ये भी चीज़ से तो अपने आप हो जाएगी ठीक है तो न्यूमेरिकल्स को आसान करने के लिए इजीली सॉल्व करने के लिए हम इसको करेंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है तो दिस इज थर्मल रेसिस्टेंस क्या अब आपको ये थर्मल रेसिस्टेंस समझ में आया है क्या अब आपको थर्मल रेसिस्टेंस समझ में आ गया ठीक है लव यू फ्रॉम अर्जुना टू टू बेटा लव यू टू बट प्लीज इस मत कर ठीक है बहुत मेहनत चल रही है अब यहां पे पढ़ना है तो पढ़ ले ठीक है टाइम खराब अपना भी मत कर दूसरों का भी मत कर ठीक है चल भाई बहुत बढ़िया ठीक है चल अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब बस हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं अब थर्मल कंडक्शन की यहां तक की थ्योरी थी ठीक है अब मैं बस तुम्हें जुगाड़े और सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है वो सिखाने वाला हूं ठीक है चल तो सबसे पहला सवाल देखना क्या है ए हीट सोर्स ऑफ 10 की पावर 3 इज कनेक्टेड टू अनदर रिजर्वयर ठीक है यहां पर हीट सोर्स क्या है

यूनिट क्या है वॉट पर मीटर स्क्वायर मतलब पावर पर यूनिट एरिया फ्लक्स का मतलब है टोटल हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाई एरिया ठीक है तो मैंने कहा करेंट थर्मल करेंट क्या होता था डीक्यू uh, क्या होता था डी क्यू बाई डी होता था के ए बाई एल डेल्टा टी मैंने कहा ठीक है अब जरा देखना डीक्यू डी का अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दू वॉट पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा डेल्टा टी बाई एल ठीक है इसने बोला है कि आपकी एक कोई कॉपर की स्लैब है मान के चलिए आपकी कॉपर की स्लैब है इस स्लैब की थिकनेस जो है ठीक है इस स्लैब की जो थिकनेस है वो है वन मीटर के दिया हुआ है एक साइड का टेम्परेचर टेन की पावर थ्री है एक साइड का टेम्परेचर टेन की पावर टू है तो यहां का टेन की पावर थ्री है ठीक है और यहां का टेन की पावर लविन है तो जरा देखेगा जो हीट फ्लो होगी वो इसी तरीके से फ्लो होगी ठीक है यहां से हीट अंदर एंटर करेगी और यहां से हीट बाहर निकल जाएगी ठीक है तो जब ऐसा हो रहा है तो इस बार एरिया तो ये आ जाएगा लेंथ ही आ जाएगी ठीक है तो के तुमको दिया हुआ है के कितना है जीरो पॉइंट वन ठीक है वॉट पर कैल्विन पर मीटर वॉट पर कैल्विन हाँ यही यूनिट होती है डेल्टा टी कितना दिया है हजार माइनस सौ डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है एक मीटर तो नौ सौ इन पॉइंट वन नाइंटी वॉट पर मीटर स्क्वायर आ गया ठीक है तो आंसर पहले ही आ गया बहुत सही ठीक है आंसर आ गया ऑप्शन ए ठीक है बिल्कुल सही आंसर आया नंदनी का भी आया है और किसका आया है भाई इतना लंबा चौड़ा एच वाई जी नाम लिख दिया मैं कैसे बोलूंगा यार ठीक है वर्णित बहुत बढ़िया रवि ठीक है सुमित चल भाई तो उम्मीद करता हूं सवाल बड़ा ही आसान सा लग रहा होगा अब अगला सवाल देखिएगा ठीक है इस बार क्या पूछ रहा है है फाइंड ऑफ जंक्शन ठीक इससे पहले क्या मैं कोई सिंपल उसमें सवाल है चल पहले अब यही सॉल्व करते हैं ठीक है सवाल क्या पूछा है इस बार इस बार पूछ रहा है भैया इसका जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा ठीक है अच्छा कई बार ऐसा भी पूछ लेता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ध्यान से सुनना मेरी बात ठीक है ऐसा भी सवाल कई बार पूछ लेता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहां पर आपका एक बॉडी है ठीक है इसका टेम्परेचर क्या है लेटेस्ट से मैंने कहा सर 100 डिग्री सेल्सियस है ठीक है और ये कांस्टेंट है ये टेम्परेचर बदलने नहीं चाहिए नहीं तो फिर हीट फ्लो बदल जाएगा ठीक है दूसरा इसको मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया है ठीक है ये बॉडी है जिसका टेम्परेचर है बीस डिग्री सेल्सियस ये भी कॉन्स्टेंट है ठीक है दो मीटर लंबा वायर है मेरी बात ध्यान से सुनना ठीक है अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके बीचों बीच में टेम्परेचर कितना है ठीक है तो आप मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से शायद बता पाओगे अगर मैं एक मीटर पर टेम्परेचर पूछूं कितना है ठीक है बिल्कुल बीचों बीच में तो टेम्परेचर बताना भाई क्या होगा बोले आप सौ और बीस का एवरेज तो मैंने कहा सर ये तो बीचों बीच में है ना तो हंड्रेड प्लस सिक्सटी ट्वेंटी बाई टू आ गया सिक्सटी मैंने कहा एक मीटर पर सिक्सटी लेकिन अगर मैं आपको यहां पे पूछ लूं सर यहां का टेम्परेचर किसी भी डिस्टेंस एक्स पर टेम्परेचर क्या होगा हो सकता है एक्स की वैल्यू पॉइंट फाइव हो सकता है एक्स की वैल्यू पॉइंट टू हो कुछ भी मैं पूछ सकता हूँ तो कैसे निकालेंगे ठीक है मैंने कहा सर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट बताया था सर कैसे बताया था याद कीजिएगा मैंने वो रंग बिरंगा कलर यूज किया था कि सर यहां का टेम्परेचर क्या है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस यहां तक आया 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 तो क्या हो गया टेम्परेचर तो यहां का टेम्परेचर हो गया है लेटेस्ट से 20 डिग्री सेल्सियस तो ये है 20 डिग्री सेल्सियस ठीक है ये है आपका 100 डिग्री सेल्सियस और मैंने कहा था टेम्परेचर कैसा बदल रहा है बेटा टेम्परेचर लीनियरली बदल रहा है मतलब क्या सर हंड्रेड से यहां पर हो जाएगा आपका कुछ फिर कम होगा फिर सर और कम होगा तो कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर लगातार बदल रहा होगा। टेम्परेचर लगातार लीनियरली यहां तक बदल रहा है ठीक है और अगर आपका टेम्परेचर लीनियरली बदल रहा है तो किसी भी एक्स पर आपको टेम्परेचर पूछा है किसी भी एक्स पर आपसे टेम्परेचर पूछा है मैंने कहा सर कैसे निकालूंगा एक्स पर टेम्परेचर तो जरा ध्यान से सुनना मैंने कहा सर दो मीटर है दो मीटर लेंथ जाने पर दो मीटर लेंथ जाने पर कितना टेम्परेचर चेंज आया कितने का ड्रॉप आया ठीक है मैंने कहा दो मीटर जाने पर कितना टेम्परेचर कम हो गया बता यार ठीक है सर दो मीटर जाने पर सौ में से बीस यानी कि अस्सी डिग्री सेल्सियस कम हो चुका है मैंने कहा ठीक है यार अगर दो मीटर जाने पर अस्सी कम हो गया है तो एक मीटर जाने पर कितना कम होगा सर एक मीटर जाने पर चालीस डिग्री सेल्सियस कम होगा तो सर एक्स मीटर जाने पर कितना कम होगा सर फोर्टी इंटू एक्स कम हो जाएगा ठीक है अब जरा ध्यान से सुनेगा मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चे अस्सी फोर्टी एक्स फोर्टी एक्स मार्क कर रहे हैं ठीक हाँ फोर्टी इंटू एक्स मार्क कर रहे हैं सुन ले मेरी बात मैं वर्ड जो बोल रहा हूं उन पर ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला दो मीटर जाने पर टेम्परेचर कितना कम हुआ कम हुआ मैं ये नहीं बोला टेम्परेचर कितना हो गया मैंने बोला टेम्परेचर कितना कम हुआ तो तुमने बोला सर दो मीटर जाने पर अस्सी कम हुआ एक मीटर जाने पर चालीस कम हुआ एक्स मीटर जाने पर फोर्टी एक्स कम हुआ तो यहां का टेम्परेचर अगर फोर्टी एक्स कम हो गया तो भैया यहां का टेम्परेचर कितना हो गया हंड्रेड माइनस फोर्टी एक्स हो गया है क्या है? ये बात समझ में आई बच्चे यहीं पर गच्चा खा जाते हैं फोर्टी एक्स सीधा लिख देते हैं हंड्रेड माइनस फोर्टी एक्स ये इतना टेम्परेचर कम हुआ है मैं लिख भी देता हूं इतना टेम्परेचर इतना टेम्परेचर कम हुआ है ठीक है इतना टेम्परेचर कम हुआ है बेटा तो 100 में से माइनस करना मत भूल जाना नहीं तो पता चला सब कुछ किया कराया और तुमने रायता फैला दिया वहां पे, ठीक है सब सही किया सर और फिर यहां पे जाके लास्ट में छोड़ाए क्या गलत कर रहे ठीक है ठीके? ठीके? चल भाई कोई दिक्कत अब यहां पर देखिएगा सवाल सर यहां तो लीनियर था हमें तुरंत समझ में आ गया अब क्या बोला है फाइन टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बिटवीन टू कंडक्टर इस बार दो अलग अलग कंडक्टर यूज किए हैं ठीक है और ऐसे सवालों में बड़ी दिक्कत होती है क्यों सर हमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है ठीक है सर यहां का टेम्परेचर क्या होगा हमें कैसे निकालें मैंने कहा मैंने कहा मेरे पास एक जुगाड़ है ठीक है मैंने क्या बोला था हम थर्मल कंडक्शन को इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है रेसिस्टेंस क्या होता था सर मेरे को रेसिस्टेंस पता है आर इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए या मैं लिखता हूं एल अपॉन के रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? फटाफट से देख बताना यार सर इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा आर वन सर हो जाएगा एल अपॉन टू के इन टू टू यानी कि एल अपॉन ओर के इन टू ए इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर टू L upon K into A. ठीक है अब ध्यान से सुनना मेरी बात L upon और तूने लिख दिया मैं 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 क्या क्या इसको इसको को अगर मैं आर बोल दूं, तो क्या मैं इसको 4R बोल तो सकता हूं? ये आर वन आर लिखने में मुझे मजा नहीं आ रहा है ना तो मैंने कहा चार गुना हो जाएगा है ना अब जरा ध्यान देना मेरे पास दो हैं बेटा मैंने कहा एक रेसिस्टेंस ये रहा ठीक है और दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा ठीक है अब यहां पर देखना अब तू देख वर्बली सॉल्व कर पाएगा यहां का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस यहां का टेम्परेचर कितना है जीरो डिग्री सेल्सियस सर ये वाला रेजिस्टेंस कितना है सर आर है और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है सर फोर आर है तो सीरीज में सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस एड हो जाते हैं सर टोटल क्या आ गया फाइव आर आ गया मैंने कहा फाइव आर जाने पर कितने का टेम्परेचर डिफरेंस मिला सर फाइव आर जाने पर सौ डिग्री सेल्सियस कम हो गया तो आर जाने पर कितना टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा सर हंड्रेड बाई फाइव यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा मैंने कहा ठीक है ध्यान से सुनना फिर से बीस डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा तो यहां का टेम्परेचर कितना हो जाएगा टेम्परेचर टी विल बीवल टू हंड्रेड माइनस ट्वेंटी यानी कि डिग्री सेल्सियस आ गया जंक्शन का टेम्परेचर यही तो निकलवाना था हमको ठीक है आ गया जंक्शन का टेम्परेचर बस ये रायता मत फैला देना कि बीस डिग्री सेल्सियस लिखाओ कि सर फाइव आर जाने पर सौ कम हुआ तो आर जाने पर बीस कम हुआ ठीक है और बीस लिखा है तुम लो मेरी बात तुम यहीं पर ऐसे सवालों में गड़बड़ करके आओगे ये मैं तुम्हें वो गड्ढे बता रहा हूं जहां पर बच्चे अक्सर गिरा करते हैं ठीक है तो भाई अगर मैं गड्ढों पे तुम्हें साइन लगा लगा के दिखा रहा हूं ना कि देख बेटा यहां गड्ढा है देख के बच के चलना तो कम से कम इतनी तो कृपा कर देना कि बच के चल लेना कम से कम गड्ढे का साइन तो देख ले कि यहां पे लिखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस ऐसे आंख बंद करके अगर तू चलेगा ना तो हंड्रेड परसेंट गिरेगा ठीक है तो इसीलिए बोल रहा हूं देख यहां पर समझ जा ये रायते फैलाते हैं बच्चे ठीक है एक साल दो साल में नहीं बता रहा हूं भाई आठ साल हो गए पढ़ाते हुए हर साल बच्चों को देखता हूं यही रायता फैलाते हुए फिर बाद में आके पता क्या बोलते हैं सर सिली मिस्टेक हो गई सर अरे सर सब कुछ आता था सर कौन पूछेगा तेरी बात को कौन मानेगा तेरी बात को सिली मिस्टेक हो गई थी तेरा सवाल तो निपट गया ना ठीक है मेंस में ऐसे सवाल आते हैं और तू निपटा के आता है ठीक है अभी हंस रहा है ना चल यही सिली मिस्टेक तू करके आएगा फिर तू बोलेगा यही चीज ठीक है चल भाई तो मैंने कहा ये टेम्परेचर आ गया अच्छा अब अगर कोई पूछे सर रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा ठीक है रेट ऑफ हीट फ्लो अगर कोई पूछ ले डी क्यू बाई डी टी मैंने कहा अबे यार क्या है वी बाई आर मैं तो सीधा सीधा ये लगाता हूं भाई तो वी बाई आर इक्विवेलेंट लगाऊंगा तो वी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस हंड्रेड डिवाइडेड बाई फाइव आर ठीक है तो ट्वेंटी डिवाइडेड बाई आर आर किसको माना है सर L फोर के को माना है छाप दे ठीक है क्या आ ए बाई एल ये आपका आ गया रेट ऑफ हीट फ्लो पूछा नहीं है लेकिन अगर पूछेगा तो ये भी निकाल सकता हूं तो V बाई आर पोटेंशियल डिफरेंस 100, ठीक है R equivalent क्या हो गया R. मैंने कहा सर R की value, तो आर R. R को मैंने क्या माना है एलेक्न फोर के को मैंने R माना है वैल्यू छाप दी ठीक है सर ये बात है बात है कि जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा है उसके पास का टेम्परेचर आएगा है? ये क्या बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं मैंने बोला उल्टी रेशियो में बढ़ता है हाँ वो सही बात बोल रहे हो ठीक है सर इसको तो बिल्कुल करंट इलेक्सिटी की तरह कर सकते हैं तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ इसको तो करंट इलेक्सिटी की तरह कर सकते हैं तो बेसिकली जो जो चीज़ें यहां पड़ेगा तू करी में दोबारा पड़ेगा या जो तू करंट में पड़ चुका है वो तू यहां पर पढ़ रहा है तो कुछ नया तो नहीं कर रहा है

एलअपॉन के ए यानी कि डी अपॉन थ्री के ए सर इसके रेजिस्टेंस को लिख दीजिए एल अपॉन के ए यानी कि थ्री डी अपॉन के इन टू ए अच्छा अब जरा देखिएगा अगर मैं इस वाले को आर मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा सर ये नाइन आर हो जाएगा

इसको मैंने आर माना है ये वाला है नाइन आर तो सर टेन आर जाने पर कितने का ड्रॉप आयाचर टू माइनस थीटा, आया। तो थीटा, थीटा वन बाई टेन का ड्रॉप आएगा ठीक है और कहीं ऐसा मत कराना थीटा टू चलो है ही नहीं बच गए ठीक है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू थीटा टू मैं से थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टेन का लिख दो ठीक है चल भाई तो टेन माइनस थीटा टू नाइन थीटा टू प्लस थीटा वन टेन ठीक है तो नाइन थीटा टू तो नाइन थीटा टू बाई टेन प्लस थीटा वन बाई टेन ऑप्शन सी आंसर आ गया ठीक है ऑप्शन सी आंसर आ गया क्लियर है ठीक है हो गया सॉल पक्का चल भाई अगला सवाल देख ठीक है एक आइस क्यूब है जो कि जिसकी डायमेंशन दे रखी है सिक्सटी बाई फिफ्टी बाई ट्वेंटी अरे यार ये बार बार आया जा रहा है तब से खत्म ही नहीं हो रहा ठीक है इस प्लेस इन एन इंसुलेशन बॉक्स ऑफ वॉल थिकनेस वन सेंटीमीटर ठीक है एक आइस क्यूब को मैंने इस तरीके के कंटेनर में रखा है ठीक है जिसकी थिकनेस क्या है जिसकी थिकनेस है वन सेंटीमीटर के तो ये आपका कंटेनर है एन आइस क्यूब ऑफ डायमेंशन 60 बाय 50 बाय 20 इस प्लेसड इन ए इंसुलेशन बॉक्स ठीक है तो, यह in तो यहाँ पर मेरे पास एक आइस का क्यूब है क्यूब क्यों बोल रहा है फिर यहाँ पर इसकी डायमेंशन ऐसी तो क्यूब जैसी तो कोई डायमेंशन नहीं है 60 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर जैसी बात भी तो 60 बाई फिफ्टी बाई ट्वेंटी सेंटीमीटर कुछ भी लिख दो ठीक है ये सारा इसको हमने इंसुलेशन बॉक्स में रखा है द बॉक्स कीपिंग द आइस क्यूब एट जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज ब्रॉड टू अ रूम टेम्परेचर फोर्टी डिग्री सेल्सियस मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है चालीस डिग्री सेल्सियस यहां का टेम्परेचर क्या है जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है, द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस आपको सिर्फ ये पूछ रहा है कि कितने रेट से इतना किलोग्राम पर सेकंड से आपकी आइस मेल्ट हो रही होगी तो क्या होगा भाई यहां पर यहां पर हीट क्या होगी अंदर आ रही होगी ठीक है हीट जो है वो अंदर आ रही है तो अगर हीट अंदर आ रही है तो क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ हीट फ्लो ठीक है सिक्स टाइम्स ऑफ के ए बाई एल डेल्टा टी क्या तुमको यह समझ में आ रहा है कि मैंने छह गुना क्यों किया क्या तुम ये समझ में आ रहा है छह गुना क्यों किया क्योंकि एक फेस से अगर मैं हीट ट्रांसफर निकाल लू यहां पर कोई एक फेस होगा ठीक है अगर मैंने एक फेस से हीट ट्रांसफर निकाल लिया ठीक है ये जो हीट है वो एक फेस से अगर आ रही है तो छह फेस से क्या हो जाएगा इसका सिक्स टाइम्स कर दूंगा ठीक है तो अगर एक फेस से निकाल दिया इसीलिए छह फेस का छह गुना कर दूंगा तो भाई कितना हो जाएगा सिक्स टाइम्स ऑफ के के कितना दिया हुआ है कुछ बोला है कि कंडक्टिंग थर्मल कंडक्टिंग ऑफ इंसुलेशन इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव ठीक है एरिया कितना दिया है इसने कुछ बोल रखा है ठीक है आइस क्यूब ऑफ डायमेंशन सिक्सटी बाई फिफ्टी बाई ट्वेंटी बड़ा गंदा यही डायमेंशन लेनी पड़ेगी क्या मुझे ओ हो 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 60/50/20 लेनी पड़ेगी भाई मेरे ये तो बड़ा रायता फैल गया यार क्योंकि छह साइड से आएगी पर छह गुना नहीं होगी भाई ये क्यूब बोल देता तो सुंदर लगता यार तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इसने ये बोला है कि इसके अंदर पूरे के पूरे अंदर आइस क्यूब भरी हुई है पूरे में आइस भरी है तो ये बोलना चाह रहा है कि इसके पूरे के अंदर आइस भरी हुई है ठीक है और इस क्यूब का ही डायमेंशन उसने दे दिया सिक्सटी है ये वाली डायमेंशन एक सिक्सटी है ठीक है एक डायमेंशन इसकी फिफ्टी है और एक डायमेंशन इसकी ट्वेंटी है ठीक है और इसकी थिकनेस जो है यह है वन सेंटीमीटर ठीक है तो लेंथ तो पता चल गई लेकिन अब छह गुना नहीं कर पाऊंगा यार आइडिया लगा ठीक है छह गुना नहीं कर पाऊंगा लेकिन गंदा बन गया यार ये मैं इसको करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं तो अगर तुम जिद करोगे तो मैं करूंगा और अगर तुम जिद नहीं करोगे तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे हवाले वतन साथियों ठीक है ऐसा नहीं छह निकालने पड़ेंगे लेकिन तीन फेस का निकाल के डबल करना पड़ेगा ठीक है तो छह निकालने की जरूरत नहीं होगी लेकिन तीन फेस का निकालना पड़ेगा तीनों का अलग अलग डी क्यूवाई डी टी कितना हो जाएगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ऐसे सवाल पता है टाइम सिंक होते हैं सुन ले मेरी बात एक चीज बता दूंगा अभी ठीक है एग्जाम की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं ऐसे सवाल तुम्हारा टाइम खराब करने के लिए बनते हैं ठीक है ऐसे सवाल तुम्हारा टाइम खराब करने के लिए बनते हैं मतलब क्यों तो ऐसा है कि सवाल में कुछ बहुत कलाकारी नहीं है ये तो तेरे को भी समझ में आ रहा है सर यहां से हीट फ्लो यहां से हीट फ्लो यहां से हीट फ्लो तीन का निकाला और डबल कर दिया ठीक है लेकिन लेकिन भैया कैलकुलेशन तू देख रहा है उसके बाद फिर मैं डी क्यू वाई डी टी को एम एस डेल्टा टी के बराबर करूंगा रेट ऑफ कूलिंग पूछ रहा है ना ठीक है तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि भाई इसमें रायता फैलेगा ठीक है तो रायता फैलेगा मतलब क्या कैलकुलेशन गंदी जाएगी तो एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं सुन ले मेरी बात सुन ले मेरी बात ठीक है क्वेश्चन तो तुझे आ गया स्ट्रैटेजी ये है जब तू ऐसे सवाल देखे जब तू ऐसे सवाल देखे ठीक है उस पर कहीं सवाल सॉल्व करते टाइम अपना मार्क लगा ले ठीक है जैसे तुमको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में एक मार्क करने का ऑप्शन होता है ठीक है तो वो मार्क कर ले या अगर पेन पेपर पर अगर तू लिख रहा है ठीक है वहां पे पेपर तो मिलते हैं तो लिख दे कि ये वाला क्वेश्चन ठीक है ऐसा बोल दे लेंदी एल टी एच वाई अपने अपने हिसाब से सिंबल बना ले ठीक है मैंने कहा मैं ऐसे प्लस बना लेता हूं प्लस का मतलब क्या है मैं बाद में लगाऊंगा ठीक है या ऐसा सिंबल बना ले कुछ भी बना ले कि सर लेको मतलब है कि मैं बाद में बनाऊंगा ठीक है तो भाई ऐसा है ऐसे सवालों को आखिरी में करना क्यों सर आखिरी में कैसे मैंने कहा देख ये बात तय है कि टाइम तेरे पास बच जाएगा अगर तू टाइम को स्मार्टली यूज करेगा ठीक है एक एग्जाम की स्ट्रेटजी बता रहा हूं ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं ठीक है मैंने खुद अपने पेपर में अपनी स्ट्रेटजी मैंने लगाई थी जब मैं जेई का पेपर दे रहा था ठीक है स्ट्रेटजी ये है कोई तो इससे बोल रहा है कि तूने अच्छा क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री कैसे कर लिया क्वेश्चन किया ठीक है तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है दिए हुए टाइम में यू नीड टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक है तो करना क्या एक सरसरी नजर डालते हैं ठीक है मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन सर बना तो बना नहीं बना तो आगे बढ़ जा वन टू थ्री फोर ऐसे आगे बढ़ता जा ठीक है अब जब तू पहले फर्स्ट ट्रायल मारेगा जब तू फर्स्ट अटेम्प्ट लेगा तीस क्वेश्चन को सॉल्व करते में तेरे हार्डली बीस से पच्चीस मिनट लगेंगे क्यों उन क्वेश्चन को ढूंढ रहा है जिन जो जिनके सवाल ऐसे ठक 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 वाले हैं ठीक है तो जब तू सवाल ढूंढ रहा है तो भाई तेरे को कम से कम ऐसे पांच से दस क्वेश्चन बीस क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे ठीक है तो जब ऐसे सवालों पर स्ट्रेटेजी आ गई कि हाँ सर ये सवाल तो फट से बन गए अब तेरे पास क्या है अब तेरे पास वो आधा घंटा फ्री है किसके लिए तूने सवाल तो पढ़ ही लिया ना कि समझ में आ गया सर ऐसे करना है लेकिन जैसे ही देखा तूरस टाइम जा रहा है टाइम ज्यादा जा रहा है आगे दो ठीक है तुझे पता तो है ही है कि क्वेश्चन लंबा है ठीक है अब देख यार जब तू पहला रिव्यू मारता है ना सवाल का ठीक है मेरी बात सुन ले मेरी बात सुन ले जब तू पहला रिव्यू मारता है मतलब क्वेश्चन पेपर में तेरे पास तीस सवाल हैं तीस सवालों का जब तू पहला रिव्यू कर रहा है पहले रिव्यू के टाइम पे क्वेश्चन को मार्क करना शुरू कर दे सर क्वेश्चन नंबर वन मेरे से बन रहा है फटाफट तो बन गया तो फटाफट बना दे ठीक है क्वेश्चन नंबर टू मुझे दिख रहा है सर बन जाएगा लेकिन थोड़ी एफर्ट मारनी पड़ेगी ठीक है एफर्ट मारनी पड़ेगी तो उस पर स्टार लगा लेके सर ये कर सकता हूँ लेकिन एफर्ट मारनी पड़ेगी ठीक है क्वेश्चन नंबर हवाई नहीं लग रही क्या बोलना चाह बोल रहा, है, भाई? कुछ में नहीं आ रहा। मैंने वाले है वो लगा दिए तूने थोड़े से दिमाग वाले जैसे ये सवाल था कि इसमें लेन दिए तूने ये भी कर लिए और अगर फिर भी तेरे अंदर टाइम बच गया ठीक है फिर भी बच गया तो आ जाइए वो काटे वाले पे फिर मान लियो माथा ठीक है लेकिन कम से कम दो से तीन पास अगर तुम पेपर के बनाओगे मतलब क्या पेपर वन जब पहला रिव्यू वन जल्दी जल्दी वाले रिव्यू टू थोड़ा सा एफर्ट मारना है लेकिन रिव्यू थ्री जब कोई सवाल नहीं बन रहा आप तुम खाली हाथ बैठे हो तुम्हें तीन घंटे निकालने हैं भाई फिजिक्स बन गया केमिस्ट्री बन गई मैथ्स बन गई ठीक है अब तुम तीन घंटे बैठे हो अब तुम्हारे पास अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है क्या करोगे ऐसे सवाल देखो जिन सवालों में अब कोई स्कोप ही नहीं था मतलब क्या मतलब ये अब तेरा कोई ऐसा सवाल नहीं बचा जो कि चला बाद में तू बोले शिट सर मुझे पता ही नहीं था सर तीसरा सवाल इतना हलुआ है सर मैं तो पच्चीस तक ढेर हो गया था ठीक है सर अगर ये तीसरा सवाल मैं पहले देख लेता ना तो सर मेरे चार नंबर पक्के हो जाते मैंने कहा तेरा वो सवाल तो नहीं बचा जो तीसवा था प्लस तू प्रेशर में काम नहीं कर रहा कि सर वो लास्ट में मिन, लास्ट मिनट में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है तो क्या है सही का भी गलत मार्क कराया जो तेरे को आता था वो भी गलत मार्क कर दिया ठीक है तो ऐसा है कि जो सवाल आते हैं जो सवाल हलुआ है वो ढूंढ रहा तू बेस, बेसिकली तू पता है क्या है तू एक प्रेडिटर है जो कि अपने लिए शिकार ढूंढ रहा है तो शिकार मतलब क्या जो सबसे कमजोर सवाल है उसको तू टक टक ढूंढ रहा है ठीक है पहला अटेम्प्ट यही होता है पहला रिव्यू यही होता है इस इस रिव्यू का फायदा क्या होता है तुझे ये समझ में आता है पेपर ओवरऑल कैसा है तेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि अरे सर

ठीक है और धीमे धीमे जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब तुम्हारा क्योंकि शुरू शुरू में जब पेपर देने बैठते हो ना तो तुम्हारा माइंड नहीं होता ठीक है मुझे आज भी अपना जई एडवांस का मतलब जो IATJ का पेपर था पेपर वन याद है ठीक है पहले जई मीन का मैं फिजिक्स का आई आई टी का पहला पेपर दे रहा था पहले चार सवाल हवाई नहीं लगी मेरे को क्या हो रहा है चार सवाल पढ़े पहला सवाल नहीं बना कुछ हवाई नहीं चल रही दूसरा सवाल नहीं बना

आरे बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं है तेरा तेरा ऑब्जेक्टिव है जितने बन सकते हैं तो है? मतलब ये मेहनत वाला मजदूरी वाला सवाल है यार मुझे नहीं लगा था चल अगला सवाल ठीक है टू प्लेट ए एंड बी है म सरफेस एरिया एंड सेम थिकनेस दो प्लेट है जिनकी सरफेस एरिया भी सेम है थिकनेस भी सेम है ये पता है क्या बोलना चाह रहा है रॉडों को प्लेट नाम दे दिया ठीक है दो रॉड है रॉड को प्लेट नाम दे दिया तो रॉड को प्लेट नाम क्यों दिया मैंने कहा रॉड और प्लेट में कुछ खास अंतर थोड़ी होता है सोच जरा रॉड और प्लेट में अंतर क्या होता है अगर मैं इसी को ऐसा दिखा दूं इसी को मैं ऐसा करके दिखा दूं तो ये मेरी प्लेट हो गई और अगर इसी को मैं ऐसा दिखा रहा हूं तो ये रॉड हो गई ठीक है तो एक बात बता इन दोनों में खाली एरिया अगर हीट इस तरीके से जा रही है हीट इस तरीके से इस डायरेक्शन से जा रही है ऐसे होते हुए जा रही है तो खाली लेंथ वेंथ का ही तो अंतर है यार ठीक है मतलब क्या तुझे तो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पागल बनाने के लिए कंफ्यूज करने के लिए नाम में छेड़छाड़ कर रहा है ठीक है बोल रहा है कि दो प्लेट है ए एंड बी थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी के वन के टू ठीक है तो देख के वन दे दिया के टू दे दिया के वन है एट्टी फोर अब मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं के टू है वन ट्वेंटी सिक्स ठीक है दे हैव सेम सरफेस एरिया यहां दिख गया ए सरफेस एय सेम थिकनेस मतलब इसकी भी लेंथ एल मान ले इसकी भी लेंथ है मान ले ठीक है दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद सर्फेसिस सर्फेसिस में कॉन्टेक्ट में रख दिया है टेम्परेचर ऑफ आउटर सर्फेस ऑफ ए एंड बी क्या है एक सौ डिग्री सेल्सियस है और एक है जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है देन टेम्परेचर ऑफ सर्फेस इन कॉन्टेक्ट उससे पूछा है कि यहाँ का टेम्परेचर बता दे ये सवाल अगर मैं तुझे डायग्राम बना के दे देता अगर ये सवाल मैं तुझे डायग्राम बना के दे देता तो तू बोलता सर क्या हलवा लल्लू सा सवाल है पर यही सवाल मैंने तुझे बड़े ही फैंसी तरीके से कि दो प्लेट है कॉन्टेक्ट में रखी है आउटर सर्फिस के टेम्परेचर है मैंने तुझे को अंग्रेजी में घुमाया है ठीक है और इस अंग्रेजी के चक्कर में इस अंग्रेजी के चक्कर में बच्चे डायग्राम नहीं बना पाते और बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते सर पता नहीं क्या हाई फाई सवाल पूछ लिया था ठीक है जबकि सवाल क्या था सवाल ये लल्लू राम का था मैंने कहा सर अब क्या करूं अरे भाई इसका रेजिस्टेंस लिख दे तो रेजिस्टेंस क्या था r1 l अपॉन ke ये क्या है 84a ठीक है r2 l अपॉन ke 126a ठीक है और 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 क्या मैं इसका कुछ एलसीएम वेल्सीएम ले सकता हूं क्या ठीक है अगर मैं 100 एट्टी फोर और वन ट्वेंटी सिक्स आठ चौबीस हाँ देख जरा एट्टी फोर का अगर तीन गुना करता हूं तो कितना मिलता है एट्टी फोर का अगर मैं तीन गुना करता हूं इसका दोगुना करता हूं तो मुझे लगता है सेम मिलेगा ठीक है मतलब क्या थ्री आर वन जिसका मुझे ऐसा दिख रहा है ठीक है मतलब इसका तीन गुना कर दूं और इसका दो गुना कर दू एक सौ छब्बीस ठीक है एक सौ छब्बीस का डबल ठीक है और यहां पर इसका डबल तो इस ऐसा लिखना चाहिए मुझे आर वन बाई थ्री टू आर टू बाई टू ऐसा कुछ ठीक है क्यों 126 का डबल कितना होता है 200 ढाई सौ ठीक है हाँ दो ठीक है तो आर टू बाई टू तो ये दो हो जाएगा और यहां पर कितना होगा तो आठ तीस चौबीस हां ये भी दो हो जाएगा ठीक है ये मुझे दिख रहा है तो इसका मतलब है कि अगर मैं आर वन को ठीक है अगर मैं आर वन को मान लू थ्री आर या मुझे पता चल गया आर वन कितना है थ्री आर टू बाई टू ठीक है तो अगर मैं आर वन को मान लूंगा आर टू को टू आर मान लोगे तो ये थ्री आर हो जाएगा ठीक है मैं सिंपल करना चाह रहा हूं चल ऐसे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैंने कहा इसको आ, अच्छा एक काम कर अब मुझे ये पता चल गया आर टू को मान ले आर आर टू को मान ले आर तो आर वन कितना हो जाएगा थ्री आर बाई टू ठीक आर टू को अगर टू आर मानता तो ज्यादा सुंदर लगता है टू आर और थ्री आर बनते थ्री आर बाई टू हो गया तो टोटल कितना मिल गया R 2, 2. 2 जाने पर सौ का ड्रॉप आ रहा है ठीक है तो आर वन यानी कि आर जाने पर कितने का ड्रॉप आएगा तो हंड्रेड बाई फाइव बाई टू बीस चालीस डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप आया अब यहां पे चालीस का ड्रॉप आ गया तो यहाँ का टेम्परेचर कितना हो गया सिक्सटी डिग्री सेल्सियस फिर से जो बच्चे कमेंट कर रहे थे चालीस चालीस फिर से वही रायता फैलाया तुमने. तुमको मैं तीसरी बार बोल रहा हूं ये चीज ड्रॉप आया चालीस का और तुमने फिर चालीस लिख के आ गए थे यही किया था ना तुमने यही किया था चालीस जो कमेंट कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले

सर आपका रॉन्ग है भाई क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है क्या मैंने कहा R1 by 3 R2 by 2 ठीक है ये तो सही है R1 equals to 3 R2 by 2 तो R R2 को मैंने R मान लिया R2 ये था मेरा ठीक है जो 126 वाला इसी को R2 माना है ना हाँ और इसको मैंने R1 माना है तो R1 कितना हो गया 3 R2 को मैंने R1 माना तो ये 3 R by 2 अबे R1 रायता सॉरी सॉरी मेरी साइड से मिस्टेक हुई है यह, ये थ्री आर बाई टू है दिस दिस इज इज थ्री आर आर बाई टू ठीक है तो फाइव आर टू जाने पर इतने का ड्रॉप आया तो थ्री आर तो जाने पर आर जाने पर कितने का आएगा हंड्रेड अपॉन फाइव बाई टू यानी कि ट्वेंटी फोर्टी डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप आएगा ठीक है तो थ्री आर बाई टू जाने पर कितने का आएगा डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप आएगा ठीक है तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा फोर्टी डिग्री सेल्सियस मेरी साइड से गलती है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है ठीक है चल भाई तो वहां का आएगा मुझे लगा ये वाला आ रहा है 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 ठीक चल शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया चल भाई आ जा अगले सवाल पर ठीक है चल यार अगला सवाल अब देख भाई क्या है फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो बिटवीन फ्रस्टम्स ठीक है चल तो इस बार निकालना है रेट ऑफ हीट फ्लो अब देख सवाल अच्छा है ठीक है क्या है आपके पास दो कौन हैं इस तरीके का मैं आपको इसका डायग्राम दोबारा बना के दिखा देता हूं ठीक है एल है टी वन माइनस टी टू है इसका डायग्राम दोबारा बनाते हैं ठीक है तो डायग्राम कुछ ऐसा है आपके पास यहां पर एक एंड है और दूसरा एंड ये है ठीक है यहां का टेम्परेचर है टी वन मैं यहां का टेम्परेचर है टी टू डिपेंडिंग लेंथ इसकी दे दी है मैंने एल और ये मैंने साफ बोल रखा है कि T1 वन इज ग्रेटर देन टी तो हीट इधर से उधर ही जाएगी लेकिन इसका रेडियस लेटस से मैंने कहा इसका रेडियस है R, और इसका रेडियस है 2R. अब आपसे पूछा है अब आपसे पूछा है कि आपको यह निकालना है कि कितना हीट फ्लो होगा तो मैंने कहा यार एक जगह से हीट अंदर आएगा और दूसरी जगह से हीट बाहर जाएगा तो यहां से हीट अंदर आएगा और यहां से हीट हर सेकंड में बाहर जाएगा लेकिन अब एक समस्या है रायता फैल रहा है सर रायता क्या फैल रहा है मुझे पता है डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है सर ए बाई एल डेल्टा टी लेकिन ये एरिया कैसा है यहां पर सर एरिया तो बार 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 बदल रहा है और अगर एरिया बार 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 बदल रहा है तो ऐसे तो डायरेक्टली नहीं होगा ऐसे सवालों में क्या करते हैं सर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं कहा बिल्कुल सही बेटा ठीक है तो आपने क्या किया एक्स डिस्टेंस दूर जाकर के यहां से एक्स दूरी पर जाकर के एक छोटा सा डीएक्स एलिमेंट मान लिया ठीक है इसकी रेडियस मान लेता हूं स्मॉल आर अब जरा बताना इसका छोटा सा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा मैंने कहा इसका सर, छोटा सा रेसिस्टेंस हो जाएगा dr जिसका वैल्यू क्या हो जाएगी सर हमें पता है एल अपॉन के तो dx अपॉन के इन टू ए ठीक है अब मैंने कहा ऐसे छोटे छोटे रेसिस्टेंस को जब मैं एड करूंगा तो मुझे टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा और टोटल रेजिस्टेंस एक बार मिल गया तो क्या करूंगा तो फिर तो वी वाई आर लगा के कर दूंगा ना तो मैंने कहा टोटल टोटलेंट क्या आ जाएगा तो इज टू डी एक्स डिवाइडेड बाई वन अपॉन के तो बाहर ही ले लू ठीक है एरिया क्या हो जाएगा सर तो एरिया हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर जो भी इसका स्मॉल आर रेडियस है ठीक है मैंने कहा पाई भी बाहर ले ले वन अपॉन के पाई डीएक्स अपॉन आर स्क्वायर लेकिन अब जरा सुनना मेरी बात dx का आर स्क्वायर से इंटीग्रेशन कब से होने लगा तो मुझे अब कन्वर्ट करना पड़ेगा हाँ यूनिटरी मेथड बहुत बढ़िया तो मैंने कहा देख यार l लेंथ जाने पर कितनी रेडियस बढ़ी तो हमने कहा सर l लेंथ जाने पर एल लेंथ जाने पर r से 2r बढ़ गया तो यानी कि r बढ़ गया ठीक है डेल्टा r लिख रहा हूं मैं ठीक है तो वन यूनिट लेंथ जाने पर आर बाई एल बढ़ेगा तो एक्स जाने पर आर बाई एल इंटू एक्स बढ़ेगा तो यहां का रेडियस क्या हो जाएगा इसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर प्लस आर बाई एल इंटू एक्स क्या ये बात समझ में आ रही है ठीक है एल लेंथ जाने पर कैपिटल आर बढ़ा तो एक यूनिट जाने पर आर बाई एल बढ़ेगा तो एक्स जाने पर आर बाई एल इंटू एक्स बढ़ेगा ये चेंज है ये बढ़ा है तो आर में एड करना है ठीक है तो बस अब यहां पर लिख ले क्या हो जाएगा वन अपॉन पाई के इंटू डीएक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा आर कॉमन ले लेता हूं वन प्लस एक्स बाई एल इसका इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के एल तक ठीक है चल भाई तो ये क्या आ जाएगा वन अपॉन पाई के आर या पाईआर के वन अपॉन एक्स बाई एल इंटीग्रेशन क्या होता है वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स ठीक है रख दे लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई जो भी एक्स का कोविशंट है वन अपॉन एल ठीक है लिमिट जीरो से एल एल को तो बाहर ही ले लेता हूं तो एल अपॉन आई आर के लॉग यहां पर एल रखने पर क्या बनेगा लॉग टू ठीक है माइनस लॉग वन तो जीरो ही हो जाएगा तो यह आ जाएगा लॉग टू ठीक है l/l2 बन गया यहां पे चलो ठीक है तो l/πr के log2 दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ठीक है और जैसे ही तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ में आ गई डाइमेंशनली सही है ना डाइमेंशनली सही है ये ठीक है रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था l/k*a यहां पर कुछ एक गड़बड़ हो रही है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है r स्क्वायर है डाइमेंशनली क्लियर आ रहा रेडियस का स्क्वायर ठीक है सब कुछ किया कराया सब यहां पे निटा डाला हमने केवल एक स्क्वायर ध्यान नहीं रखा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा <laughs> तो वन अपॉन पाई आर है? और यहां पे एक्स की पावर माइनस माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर माइनस वन तो वन प्लस एक्स बाई एल की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई वन बाई एल ठीक है अभी लिमिट नहीं रखी है इसमें जीरो से लेकर के एल तो ये एल तो ऊपर चला जाएगा तो एल अपॉन पाईआर स्क्वायर के अच्छा हुआ लास्ट में मैंने डायमेंशनली चेक कर लिया था ठीक है लास्ट में डायमेंशनली चेक कर ली सुन ले ये गड़बड़ें होती हैं तेरे साथ भी होंगी ठीक है मैं सात घंटे से मैं क्लास ले रहा हूं कितने बज गए बा, बारह हो गए ना साढ़े बारह ठीक है मैं तब से क्लास ले रहा हूं तब मेरे साथ अभी ये हो रहा है ठीक है तेरे साथ भी होगा ये जब इतने लंबे टाइम तक लेगा ना तू पढ़ेगा तो एग्जाम में आएगा जब प्रेशर होता है तो वहां पर होगा ठीक है तो आखिरी में डायमेंशन चेक लगा ठीक है चले यार तब ये क्या हो जाएगा यहां पर आ, एक मिनट एक्सर माइनस टू का माइनस भी गायब हो गया एक माइनस भी है ठीक है तो पहले जीरो रख देता हूं ठीक है तो जीरो रखने पर वन प्लस जीरो तो ये वन बनेगा तो वन की पावर माइनस वन तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है माइनस एल रखने पर ये बन गया टू तो वन प्लस वन टू हो जाएगा टू की पावर माइनस वन तो वन अपॉइंट टू हो जाएगा तो वन माइनस वन अपॉइंट टू आ जाएगा ठीक है तो वन पॉइंट टू हो जाएगा तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका आर इज इक्वल्स टू एल अपॉइन टू पाई आर स्क्वायर के ठीक है ये आ जाएगा और अब जो आपको करंट निकालना है तो आई थर्मल करंट तो ये सीधी सीधी बात है डेल्टा टी डिडेड बाई डिवाइडेड तो टी टी बाई एल इंटू टू पाई आर स्क्वायर के ठीक है अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए बेटा तो बस वो सही कर लेना बाकी तरीके में कोई गड़बड़ नहीं है ठीक है तरीके में कोई गड़बड़ नहीं है लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए मुझे नहीं लगता कि है देख मैंने अपनी साइड से मैंने पूरी ट्राई करा है कि कैलकुलेशन सही करूं ठीक है मैं हमेशा कोशिश भी इसी चीज की करता हूं कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूं तो आखिरी तक छोड़ के जाऊं ठीक है लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाता है तो प्लीज कैलकुलेशन को सही कर लेना अपने एंड पर ठीक है चल भाई अगला सवाल देखना यार क्या बोल रहा है यहां पर ठीक है अब ऐसे ही सवाल आते हैं क्या बोल रहा है टू मेटलिक स्पेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू इस बार दो अलग अलग पतली मेटलिक शेल्स हैं और इसमें क्या है आर प्लेस्ड विद सेंटर्स कोइंसाइडिंग ठीक है इन दोनों को सेंटर्स इन दोनों के कोइंसाइड करते हुए रख दिया है ठीक है और इन दोनों के बीच में हमने कुछ मटीरियल डाल दिया है ठीक है उटर शेल इजरेचर ठीक है थीटा वन यहाँ का टेम्परेचर है थीटा टू ठीक है 2, और थीटा वन इज लेस थीटा टू से कोई फर्क पड़ता नहीं है रेट एट विच रे हीट फ्लो थ्रू रेडियली ठीक है कितनी रेट से हीट फ्लो होगी तो मैंने कहा यार यहां से आउटर से इनर टेम्परेचर पर हीट फ्लो होगी जो आपकी थर्मल हीट है तो वो बेसिकली बाहर से अंदर की तरफ इस तरीके से आ रही होगी लेकिन अब एक रायता फैल रहा है रायता क्या फैल रहा है सर हर जगह यहां पर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा हर जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में ऐसे केस में एक छोटा सा ऐसा स्फेरिकल एलिमेंट मान ले ऐसे केस में एक छोटा सा चुन्नू सा मुन्नू सा ऐसा एलिमेंट मान ले ठीक है कितनी रेडियस पर स्मॉल आर रेडियस पर डी आर विथ का ठीक है इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा मैंने कहा सर इसका रेसिस्टेंस तो रेसिस्टेंस होता है छोटा सा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा रो एल ये ये अपॉन के ए? ठीक है तो एल क्या हो जाएगा डी आर डिवाइडेड बाई के तो दे ही रखा है एरिया क्या हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर ठीक है मैंने कहा अपॉन के इस बार लेंथ क्या हो जाएगी ये वाली लेंथ हो जाएगी एरिया क्या होगा इसका पूरे का क्रॉस सेक्शन एरिया ठीक है अपॉन के ए अब बस छोटे छोटे रेसिस्टेंस को एड करता जा तो टोटल रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा आ, वन फोर पाई के रेसिस्टेंस का इंटीग्रेशन जीरो से आर तक आर की पावर क्या है आर की पावर माइनस वन, तो वन अपॉन आर इंटीग्रेशन बनेगा और कहां से कहां तक करना है आर वन से आर टू कुछ कुछ आ, बोल रखा होगा आर वन से आर टू ये भी बोल रखा है मुझे ठीक है वन अपॉन फोर पाई के वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू यह आपका आ गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ठीक है अब क्या पूछा है रेट ऑफ हीट फ्लो तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू थीटा टू माइनस थीटा वन डिवाइडेड बाई आर ठीक है डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट तो ये अब जो भी आएगा ठीक है क्या आ जाएगा थीटा टू माइनस थीटा वन ठीक है डिवाइडेड बाई आर टू माइनस आर वन ठीक है और ये ऊपर चला जाएगा फोर पाई के आर वन आर टू तो फोर पाई के आर वन आर टू सीटा टू माइनस सीटा वन अपॉन आर टू माइनस आर वन ठीक है ऑप्शन डी मैच कर गया मेरा क्लियर है ठीक है hmm. ठीक है अब अगला सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है Find equivalent thermal conductivity. अब ऐसे सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं जहां पर आपसे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछता है मेरी बात ध्यान से सुन लेना ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और सॉल्व करने में ठीक है इसमें अब मैं आपको ये वाला जो एग्जाम्पल है ये मेरा एग्जाम्पल है ठीक है ये सुपर केस है मतलब क्या कोई फॉर्मुला नहीं लग रहा इसमें ठीक है इसके में कोई बच्चे फॉर्मुले रट रट के चले जाते हैं सर ऐसा होता है लेकिन अगर सवाल में थोड़ा सा भी उसने हेर फेर कर दिया ना तो सारे फॉर्मूले धरे के धरे रह जाते हैं ठीक है समझने की कोशिश करना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब क्या है अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब समझ में आ गया ना तो आप यहीं पर नहीं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपके पास कई सारे ऐसे केसेस आएंगे जहां पर कई सारे यहां पर इक्विवेलेंट चीजें पूछेंगी इक्विवेलेंट यंग्स मॉड्यूल्स पूछता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में इक्विवेलेंट यंग्स मॉडल पूछता है ठीक है ऐसे ही शायद अभी थोड़ी देर पहले हम कुछ और भी पढ़ रहे थे थर्मल एक्सपेंशन वो वो वाई वाई पूछ, वो पूछता है ठीक है अल्फा ठीक है हर जगह सेम कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट क्या है ठीक है ध्यान से सुनना आपके पास यहां पर क्या दिया है दो अलग अलग मटीरियल दिए हैं ठीक है मैंने कहा अगर मैं दो अलग अलग मटीरियल को ऐसा बनाऊं मेरे पास एक मटीरियल है ये ठीक है इसको यहां पर स्लाइड पर अलग पर बनाता हूं ठीक है मेरे पास दो अलग अलग मटेरियल है पहला मटेरियल ठीक है कुछ इस तरीके से है जिसको मैंने अंदर से फिल कर दिया है कुछ ऐसे ठीक है और एक दूसरा मटेरियल मैं यहां बना देता हूं कुछ ये है मुझे नहीं पता कि इसकी लेंथ क्या है बाकी सब चीजें क्या है लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूं कि इसको भी मैं इस तरीके से फिल कर देता हूं ठीक है अब जरा समझिएगा इसका कोफिशेंट है के वन ये है एल वन जो भी है सवाल में क्या बोल रखा है मैं सवाल में जो बोला है मैं वही रखता हूं ठीक है सो देट सवाल भी सॉल्व हो जाए थ्री के टू ए और एल ठीक है थ्री के टू ए और एल मैंने कहा थ्री के टू ए और लेंथ इसकी दे दी है एल ठीक है इसकी भी लेंथ शायद एल ही दी है और शायद इसका के और ए दिया है है, ठीक है अब जरा समझिएगा मैंने कहा सर ये दोनों अलग अलग मटेरियल से मिलकर के बने हुए हैं सर एक है आपका कॉपर है सर दूसरा है आपका स्टील है ठीक है मैंने कहा सर ऐसे में इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का क्या मतलब है ठीक है इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि अगर आपने इन दोनों मटीरियल्स को हटा ज्योमेट्री चेंज नहीं करना ज्योमेट्री चेंज करना अलाउड नहीं है तो जैसी ज्योमेट्री थी वैसी ही ज्योमेट्री रखना ठीक है आपने क्या किया सर इसका यहां पे हमने मटेरियल हटा दिया मतलब इसके अंदर से हमने जो भी मटेरियल था सर इसको हमने खाली कर दिया मतलब क्या मैंने यहां पर एक मटेरियल था मैंने सारका, सारका दिया। चल यार अब ऐसे ही ये वाले मटीरियल की बात करना तो मैंने यहां पर भी क्या किया यहां पर भी इसका सामान भी हटा दिया बिल्कुल खाली कर दिया मैंने बिल्कुल खाली कर दिया ठीक है और अब मैंने क्या किया अब मैंने क्या किया दोनों के अंदर एक तीसरा मटेरियल रख दिया ठीक है मैंने कहा कॉपर हटाया आयरन हटाया और यहां पर मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया ठीक है? तो जब मैंने एल्यूमिनियम डाला तो ठीक है इस तरीके का मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया मतलब क्या अब ये ना तो यहां पर कॉपर बचा यहां पर आयरन बचा यहां पर कुछ तीसरा ही मटेरियल होगा क्या मैंने कहीं ज्योमेट्री में चेंज किया सर मैंने ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं किया ज्योमेट्री में बिल्कुल चेंज नहीं किया ठीक है ज्योमेट्री जैसी थी वैसी की वैसी रहनी थी अब इस तरीके से रखा सो so दैट जो मटीरियल है जो रेसिस्टेंस यहां पर आएगा जो थर्मल रेसिस्टेंस यहां है वही थर्मल रेसिस्टेंस यहां आए ठीक है थीके? इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट का मतलब होता है भैया सिस्टम में चेंज नहीं आना चाहिए इक्विवेलेंट का मतलब होता है सिस्टम में चेंज नहीं आना चाहिए ठीक है तो मैंने कहा सिस्टम क्या है भैया यहां पर आर वन प्लस आर टू है ये कितना है एलअपोन सिक्स के ए क्या है L के ए तो ये क्या हो गया सेवन एलअपोन सिक्स के ए वही इसका आना चाहिए तो इसका भी इक्वलेंट रेसेंस क्या आना चाहिए ठीक है मैंने कहा सर ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू तो एलअपोन ठीक है डायमेंशन में कोई चेंज नहीं किया है तो डायमेंशन टू ए ही है डायमेंशन इसकी भी ए ही है ठीक है डायमेंशन में चेंज नहीं किया तो एलअपोन के इक्वेलेंट इन टू टू ए प्लस एलअपोन के इक्वेलेंट इंटू ए और सेम वही आना चाहिए तो सेवन एल अपॉन सेवन एलअ के एस टू वन अपॉन के बाहर निकाल दे एलअपॉन टू ए एल अपॉन ए तो थ्री एल अपॉन टू ए और जब भी मैंने ऐसा किया ए से ए खत्म हो गया एल से एल खत्म हो गया तो के गया ट आ गया है आपका इसको इधर भेज देता हूं थ्री बाई टू यहां पर दो यहां पर तीन कर दू थ्री थ्री नाइन नाइन बाई सेवन के आ गया ठीक है यह आंसर आ गया नाइन बाई सेवन के देखो थ्री के से बड़ा छोटा है और केसे बड़ा है नाइन बाई सेवन के ठीक है कहने का मतलब यह है जियोमेट्री चेंज किए बिना चेंज किए बिना ठीक है ऐसा मटेरियल रखा जाए ऐसा मटेरियल रखो कि आर इक्विवेलेंट चेंज ना हो ठीक है इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो और अब आप किसी भी फॉर्मूले के मोहताज नहीं हो कि होता है मैंने कहा अरे तुझे क्या फॉर्मूले से करना तू सीधा सीधा लॉजिक लगा और तेरा आंसर झट से आ जाएगा ठीक है तू लॉजिक से खेलना यार तुझे कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए तू सीधा सीधा लॉजिक लॉजिक खेल जा ठीक है तो तुझे सीधा सीधा आ जाएगा ठीक है

अगला सवाल देखना भाई चल अब अगला सवाल देखना है क्या बोल रहा है यहां पर तो बोला हुआ है टू आइडेंटिकल मेटल्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज K1 वन एंड के टू आर कनेक्टेड इन सीरीज इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी इस बार आइडेंटिकल मेटल ही दे दिए ठीक है मैंने कहा अगर आइडेंटिकल दे दिए तो, तो हमारा काम आसान ही कर दिया ना इसने आइडेंटिकल मेटल बोल करके तो इसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया ठीक है दो आइडेंटिकल मेटल हैं इसका थर्मल कंडक्टिविटी है k1 इसका थर्मल कंडक्टिविटी है k2 मैंने कहा इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा l अपॉन k1a इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा l अपॉन k2a अब मैंने कहा मुझे दोनों में एक ही मटेरियल डालना है तो लेंथ क्या हो जाएगी l और l 2l ठीक है और ये बोल रहा है कि अब मैं k इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं तो 2l अपॉन

बस यही था ये तो और आसान मतलब क्या हमने हमने जो क्वेश्चन देखा वो सबका पापा जी था अभी ठीक है अब ये इसके बच्चे जी आ रहे हैं में क्या आ पीवा बड़े सस्ते सस्ते क्वेश्चन आएंगे ठीक है चल भाई तो हम कैसे भी सवाल को अब सॉल्व कर सकते हैं अब देख भाई क्या बोल रहा है एस पर टू प्लेट्स ए एंड बी थर्मल कंडक्टिविटी आर जॉइंट टू फॉर्म कंपाउंड प्लेट इंटरेस्ट दे रखी है एरिया दे रखा है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी वन प्लस के वाई करू उसको सॉल्व करूं कि तुम्हारे हवाले छोड़ू ये तो सवाल बड़ा आसान हो गया ना यार कर लेगा अब ये हम्म ठीक है चल भाई अगला सवाल ठीक है निपटा डालोगे चल तो मैंने कहा क्या है थ्री रॉड आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ आर मेड ऑफ थ्री डिफरेंट मटेरियल तीन रॉड है आइडेंटिकल लेटिकल क्रॉस सेक्शन है के वन के टू के थ्री दे आर जॉइन एट एंड टू मेक अ लॉन्ग रॉड ठीक है वन एंड ऑफ रॉड इज एट में दूसरे को जीरो पर रखा है इफ द ज्वाइंट आर एट सेवेंटी एंड ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ठीक है देयर इज नो लॉस ऑफ हीट के वन रिलेशनशिप बिटवीन के वन के टू एंड के थ्री ठीक है वन के टू और के थ्री के बीच में रिलेशनशिप बताना है चले यार। तो अब जरा देखिएगा। अगर मैं पचास डिग्री सेल्सियस का और इसके अक्रॉस कितने का है बीस डिग्री सेल्सियस का अब एक बात बताना ठीक है चेंज इन पोटेंशियल इसके बराबर होता है आई करेंट इन टू रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस जितना ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप उतना ज्यादा सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका दिख रहा है के टू का इस वाले का इसका मतलब है कि के टू सबसे कम होगा अपॉन के ए रेसिस्टेंस होता है जिसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा उसका के सबसे कम होगा तो के टू विल बी द मिनिमम तो क्या के टू मिनिमम है किसी में देख भाई ये दोनों ऑप्शन गड़बड़ हो गए के टू सबसे कम होना था क्यों

k1 का अक्रॉस k1 का रेजिस्टेंस ज्यादा k1 छोटा होगा ध्यान से सुनना मैंने कहा सबसे छोटा क्या आएगा सबसे छोटा आएगा k2 ठीक है तो k2 will be the least उसके बाद इसके अक्रॉस रेसिस्टेंस ज्यादा इसका रेसिस्टेंस ज्यादा तो इसका आ, और कम होगा k1 कम होगा और उसके बाद आएगा k3 तो k1 अपॉन k3 k1 रेशो k3 ठीक है क्या है 2:3 ठीक है पॉसिबल है k1 रेशो k3 थ्री रेशियो फाइव ये दोनों ही पॉसिबल लग रहे हैं अब मतलब वेरीफाई तो नहीं हो पा रहा इससे ठीक है तो फिर निकालना ही पड़ेगा चल तो मैंने कहा अगर अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सौ का है ठीक है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ठीक है अगर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है सौ का तो थ्री रेशियो फाइव पोटेंशियल डिफरेंस कितने का थ्री रेशियो फाइव रेशियो टू तो मैंने कहा सर ये वाला रेजिस्टेंस मैं बोल देता हूं थ्री आर है ये वाला रेजिस्टेंस मैं बोल देता हूं सर फाइव आर है ये वाला रेसिस्टेंस मैं बोल देता हूं सर टू आर है ठीक है रेसिस्टेंस मैंने कहा थ्री आर फाइव आर और टू आर अब थ्री आर का, और का के वन के टू का रेशियो कहा के वन के टू का नहीं बोल रहा के वन के टू है ठीक है तो मैंने कहा यार एल अपॉन ठीक है तो के वन कितना है एल अपॉन के वन इन टू ए रेशियो एल अपॉन के टू ए ये मुझे पता चल गया थ्री आर और फाइव आर का रेशियो है थ्री रेशियो फाइव है तो के टू अपॉन के वन इज इजिकल टू थ्री रेशियो फाइव के वन अपॉन के टू फाइव रेशियो थ्री आ रहा है पहला K1 K2 के वन अपॉन के टू क्या आ रहा है फाइव रेशियो थ्री ठीक है ये तो फाइव रेशियो थ्री है ही नहीं तो ये गड़बड़ हो गया ये गड़बड़ है तो के वन अपॉन के टू ये सही आ गया पहला ठीक है चल भाई क्लियर सिंपल है बहुत सिंपल ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें ठीक है 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 क्या बोल रहा है? इसने बोला सर ये इसके अक्रॉस डिफरेंस तो मैंने कहा यार टेम्परेचर डिफरेंस पर में होता है, I R. जितना होता तो रेसिस्टेंस तो भी थ्री रेशियो फाइव रेशियो टू में होगा ठीक है और सीधा बस इसको सॉल्व कर दिया तो इसमें अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला है के वन और के थ्री के वन और के थ्री का है थ्री रेशियो टू तो टू रेशियो थ्री कुछ होगा सही है बिल्कुल सही है ठीक है यहां सवाल देखना भाई इस बार क्या बोल रहा है फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी दोनों ही चीजें पूछ ली है इस बार अब जरा आप नोटिस करना आपके जो कंडक्टर हैं ये कैसे हैं ये अंदर वाला रेडियस आर है बाहर वाला रेडियस टू आर है ठीक है बोलो यार इस बार ये सीरीज में है दोनों रेसिस्टर्स या पैरेलल में है इस बार दोनों रेसिस्टर्स पैरेलल में है ठीक है तो इस बार कैसा सॉल्व करूंगा मैं एक बाहर का रेसिस्टेंस एक अंदर का ठीक है ऐसे कुछ है जरा देखना अंदर वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर इसका रेसिस्टेंस आर हो जाएगा एल अपॉन के इन टू पाई आर ठीक है और सर बाहर वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा तो आर डैश बोल देता हूं एल अपॉन के क्या है टू के इंटू पाई टू आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई टू आर स्क्वायर खाली मत छोड़ के आ जाना अंदर वाला रेडियस माइनस भी करना अंदर वाला एरिया ठीक है चल यार कितना हो जाएगा एल अपॉन सिक्स के आर स्क्वायर ठीक है एल अपॉन के आर स्क्वायर थ्री फोर माइनस वन थ्री थ्री इंटू टू सिक्स के अगर आप इसको रेसिस्टेंस आर नाम देते हो तो इसको या इसको ओम से नाम दे देता हूं इसको मैं रेसिस्टेंस देता हूं ओम ठीक है जरूरी नहीं है आप हमेशा इससे ही लिखो तो मैंने कहा अगर ये ओम है तो ये सिक्स ओम हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं इसको मैंने ओम बोला इसको सिक्स ओम बोल दिया तो यह आपका हो गया ओम ये हो गया सिक्स ओम पैरेलल में गए तो क्या आएगा आर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका आर वन आर टू ओम इन टू सिक्स ओम डिवाइडेड बाई सेवन ओम आंसर आ गया सिक्स बाई सेवन आर ठीक है वो, resistance, resistance में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये भी आर है ये भी आर हो जाए तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो जाए इसीलिए मैंने रेजिस्टेंस को ओम के सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है ठीक है रेजिस्टेंस को मैंने ओम के सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है ये भी ओम था ये कुछ ऐसा था ठीक है चल भाई और क्या रह गया हमारा अब क्या निकालना है रेट ऑफ हीट फ्लो तो भाई इसका टेम्परेचर का फाइव टी नॉट टेम्परेचर टी नॉट ही होगा ठीक है तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है वी बाई आर इक्विवेलेंट तो वी कितना है पोटेंशियल डिफरेंस फाइव टी नॉट माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई सिक्स बाई सेवन ओम तो फोर टी नॉट इंटू सेवन बाई सिक्स इंटू वन बाई ओम ओम कितना है किसको माना है एल अपॉन सिक्स के पाई आर स्क्वायर ठीक है तो सात चौक कट्ठाईस ट्वेंटी एट पाई आर स्क्वायर के टी नॉट बाई एल ठीक है ट्वेंटी एट का पाई आर स्क्वायर टी नॉट बाई एल कैलकुलेशन गंदी है कोई बात नहीं ठीक है अब आर इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो इसका मतलब क्या है इन पूरे को एक के एक इक्विवेलेंट एक से भर देना और काम हो जाएगा ठीक है इस पूरे को एक के इक्विवेलेंट एक एक से भर देना और काम हो जाएगा बस ठीक है आर इक्विवेलेंट अब तुम लोग निकाल देना इसमें ये, ये तुम लोग कर लेना ठीक है कर लेगा। एंटायर आइस विल्ड ये अभी मैंने करवा के चुका हूं ये सिंपल सवाल था टेन सेंटीमीटर क्यूब करके ये वही था जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ठीक है ये वाला वो सवाल था गुना करने वाला कि एक फेस का निकाल के छह गुना कर दिया और सीधा सॉल्व कर दिया क्योंकि क्यूब बोला है ठीक है वहां तो पता नहीं क्या शेप बोला था चल भाई अब ऐसे सवाल जहां पर आपका यहां पे जंक्शन का टेम्परेचर पूछ लेता है कि बोलेगा कि जंक्शन का टेम्परेचर निकाल देना देखने में बड़े खतरनाक लग रहे हैं लेकिन ऐसे सवालों को एक सिंपल तरीके से सॉल्व किया जाता है जिसका नाम है लॉ। ठीक है डिटेल में आप पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ में ठीक है मतलब क्या जब करेंट लेक्सिटी सर पढ़ाएंगे ठीक है चल भाई तो अब यहां पर ध्यान दे लेना सर <laughs> और कितना है अभी तो बहुत है यार अभी कहां ले तुम्हारी क्यूरियोसिटी शांत कर देता हूं अभी हम चल रहे हैं 121 पर और 148 बस ओनली 120 पर तो हम चल ही रहे हैं ठीक है मतलब 30 स्लाइड्स मोर 30 मोर स्लाइड्स ठीक है चल तो रफली डेढ़ घंटा से दो घंटा मान ले अब शांत हो गए सर बॉडी पेन हो रही है सर दिक्कत हो रही है सर नींद आ रही है तो मैं तो बोल ही रहा हूँ छोड़ दे सो जा मैंने कब बोला तुझे तो रोकने के लिए मैंने तेरा हाथ पकड़ा है नहीं ना जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ना यार ठीक है कई बच्चे ऐसे हैं जो कि लास्ट उसमें तैयारी करके बैठे हैं नहीं सर आज मैं पूरा थर्मल खत्म कर दूंगा मेरा थर्मल पूरा रिवीजन हो जाएगा जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे तुझे नींद आ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सभी को आ रही है सो जा अबे यार चौथी क्लास के बच्चे जैसे हरकतें करता है तू देख क्या बोल रहा है यहां पर मैंने कहा इस तरीके का सवाल दिया है मैंने कहा इसको पहले तो ये फैंसी डायग्राम बनाया है सबसे पहले इसको, इसको इस तरीके से रिप्लेस कर ले एक रेसिस्टेंस दो रेसिस्टेंस और तीसरा रेसिस्टेंस ठीक है इसका टेम्परेचर है जीरो डिग्री सेल्सियस इस वाले का टेम्परेचर है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और यहां का टेम्परेचर है कुछ बोल दिया फोर्टी डिग्री सेल्सियस आपको इस वाले जंक्शन का टेम्परेचर पता करना है अच्छा अब इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा अगर इसका रेसिस्टेंस मैं लिखूं आर वन जो क्या हो जाएगा एल अपॉन थ्री के ए इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा आर टू क्या हो जाएगा एल अपॉन फोर के ए और इसका रेसिस्टेंस है आर थ्री अपॉन ट्वेल्व के ए अगर मैं इसको आर बोल देता हूं तो ये हो जाएगा कितना इसमें मैं चार का मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर आर हो जाएगा ठीक है इसमें मैं तीन का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये थ्री आर हो जाएगा मतलब क्या सबसे छोटा कौन सा है अपॉन ट्वेल्व के इसको मान ले आर ठीक है अगर इसको आर माना तो इसमें सर चार का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा ये मिल जाएगा तीन का मल्टीप्लाई करने पर यह मिलेगा तो मेरे पास रेसिस्टेंस हो गए हैं ये 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 है 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 मेरा मेरा और ठीक अब जरा सुन मेरी बात सॉल्व कैसे करते हैं ठीक है तो जब भी किरचॉक्स लॉज में आपको कोई जंक्शन ढूंढ तो जंक्शन क्या है जंक्शन इसको हम बोलते हैं जहां से एक से ज्यादा पॉइंट्स कनेक्टेड हैं ठीक है अब जंक्शन से अगर मैं मान लू यहां से करंट आई वन जा रहा है यहां से करंट आई टू जा रहा है और यहां से करंट जा रहा है आई थ्री ठीक है मुझे भी पता है कि मैंने झूठ बोला है क्या कभी ऐसा हो सकता है कि, कि किसी एक जगह से हर डायरेक्शन में करंट निकल जाए नहीं इसका मतलब क्या है तीनों में से एक ना एक कम से कम एक ना एक झूठ बोल रहा है ठीक है कम से कम एक ना एक झूठ बोल रहा है तो एक ना एक पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा बाहर जाने वाले करंट को पॉजिटिव मानता हूं तो अंदर आने वाले करंट को नेगेटिव मानूंगा तो जितना करंट पॉजिटिव होगा उतना ही करंट नेगेटिव भी होगा इसका मतलब है कि अगर मैं तीनों को जोड़ दूं आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री तो मुझे जीरो मिलना चाहिए तीनों करंट को जोड़ने पर मुझे जीरो मिलना चाहिए अब आई वन कितना होता है सर करंट होता है आई इज इल्स टू वी वाई आर पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर ठीक है तो मैंने कहा वी वाई आर तो वी कितना हो जाएगा यहां का टेम्परेचर है टी माइनस हंड्रेड डिवाइडेड बाई आर क्या है फोर आर प्लस यहां का टेम्परेचर क्या है टी माइनस फोर्टी डिवाइडेड बाई थ्री आर प्लस टी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू जीरो ठीक है जितने भी करेंट बाहर जा रहे हैं इनमें से गारंटीड कोई ना कोई झूठ बोल रहा है बाकी करेंट मतलब एक ना एक कम से कम नेगेटिव होगा ठीक है और अगर मैं बाहर जाता हुआ मान रहा हूं तो सबसे ज्यादा हायर करेंट भैया हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर जाता है तो टी माइनस हंड्रेड टी माइनस फोर्टी टी माइनस जीरो जब मैं सॉल्व करूंगा मेरा मैथ्स खुद ब खुद जवाब दे देगा कि कौन सा आंसर सही होने वाला है ठीक है तो भैया ये क्या हो गया एलसीएम ले लो इसका बारह आर यहां पर कितना हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ टी माइनस हंड्रेड फोर टाइम्स ऑफ टी माइनस फोर्टी ट्वेल्व टाइम्स ऑफ टी इजिकल टू जीरो माइनस थ्री हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड ठीक है तो माइनस थ्री हंड्रेड और माइनस चार सौ सोलह एक सौ साठ माइनस फोर हंड्रेड माइनस फोर सिक्सटी राइट साइड में जाएगा तो प्लस फोर सिक्सटी तो टी बना चार सौ साठ बाई उन्नीस डिग्री सेल्सियस ठीक है ये आपका टेम्परेचर आ गया दिस इज योर टेम्परेचर क्रिच ऑफ करेंट लॉ में भी आप सर्किट्स को ऐसे ही सॉल्व करते थे जिस भी जंक्शन को आप पकड़ते थे ऐसा मान लेते जंक्शन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा जंक्शन का पोटेंशियल सबसे ज्यादा हर डायरेक्शन में बाहर मान लेते थे, थे और सबको जोड़ देते थे, थे तो इससे प्लस माइनस का रायता खत्म हो जाता है कि कहां से अंदर आया कहां से मैथ्स अपने आप हिसाब लगा लेगा ठीक है चल भाई तो ये टेम्परेचर आ गया अगला सवाल देख ले भाई ठीक है क्या बोल रहा है यहां पर इस बार यहां पर आपको ऐसा जंक्शन बस कर दिया ठीक है क्या बोल रहा है रॉड सी डी ऑफ रेसिस्टेंस टेन किलो वॉट इनवर्स ठीक है थर्मल रेजिस्टेंस दिया है इस जॉइंट इन द मिडिल ऑफ आइडेंटिकल रॉड ए बी एशोन इन फिगर ठीक है ए बी सी मेंटेन इतना द हीट करेंट इन सी डी इन पी वॉट वैल्यू ऑफ पी ठीक है अब मुझे एक बात बता क्या इस सवाल को तू कर पाएगा खुद से सेम वही लॉजिक है इस बार उसने ये पूछ लिया है इस वाले में हीट करंट आई की वैल्यू निकाल देना तो क्या करेगा या मैं सॉल्व करूं बोल अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल बता दिया सेम वही इसी प्रिंसिपल पर यहां का टेम्परेचर क्या मानना है सर यहां का टेम्परेचर हम मान लेते हैं टी टेम्परेचर है ठीक है फिर से वही सब जगह का जाता हुआ मान लेना और सॉल्व कर दे कर लेगा ठीक है भाई बाद में रोएगा तो नहीं अभी बोल दे मुझे देख फिर बाद में रोएगा तो दिक्कत है कि सर आप क्वेश्चन दे के चले गए ठीक है कर लेगा जब सभी बोल रहे हैं तो फिर कर लोगे ठीक है एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर ठीक है जनरली हमने जितनी भी चीजें देखी हैं वो सभी के सभी ऐसी थी जो गर्म करने पर एक्सपेंड होती थी ठीक है पानी इकलौती ऐसी चीज है पानी इकलौती ऐसी चीज है मतलब और भी हो सकते हैं हमारे सिलेबस में पानी है ठीक है पानी इकलौती ऐसी चीज है जिसके गर्म करने पर उसकी डेंस उसका वॉल्यूम बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है ठीक है तो पानी का वॉल्यूम अगर मैं वॉल्यूम बात, करूं और की बात करूं, तो पानी का कम होता है कहां तक? चार डिग्री सेल्सियस तक फिर वो भले ही बढ़ता रहे ठीक है लेकिन यहीं पर ये चार डिग्री सेल्सियस पर खेल हो जाता है तो पानी का वॉल्यूम जो है चार डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है सिंस पानी का वॉल्यूम चार डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है अगर मैं इसी की जगह डेंसिटी का ग्राफ बनाऊं तो पानी की डेंसिटी चार डिग्री सेल्सियस पर ही सबसे ज्यादा आती है और चार डिग्री के बाद फिर से टेम्परेचर पे डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है ठीक है दिस इज नोन एज एनमल बिहेवियर ऑफ वाटर तो डेंसिटी क्या हो जाती है दिस इज द डेंसिटी मैक्सिमम अब इस मैक्सिमम डेंसिटी का हमारी कुदरत में बहुत बड़ा योगदान है ठीक है मतलब क्या <coughs> ऐसे इलाके जो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं ठीक है वहां पर ये जो है सी लाइफ या मरीन लाइफ के लिए बहुत ही मैं बोलूंगा वरदान है एक तरीके का ठीक है जरा ध्यान दीजिएगा अगर मैं लेक के फ्रीजिंग की बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल कोई ठंडा एरिया है ठीक है अगर एक ठंडा एरिया यहाँ पर आपके पास एक ये फ्लोर है ठीक है और गर्मियों का मौसम है तो जब गर्मियों का मौसम होगा तो क्या होगा सर गर्मियों के मौसम में तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा सर, पर सर, सर यहाँ पर टेम्परेचर सराउंडिंग का सबसे ज्यादा है लेटेस्ट से सर टी नॉट है ठीक है सर मैंने कहा लेटेस्ट से यहां पर सराउंडिंग का टेम्परेचर है तीस डिग्री सेल्सियस गर्मियों का तो मैंने कहा सर गर्मियों का 30 डिग्री सेल्सियस तो जरा बताना सबसे ऊपर वाली लेयर कितने पर होगी 30 डिग्री पर 29 28 27 इस तरीके से नीचे तो सबसे ठंडी लेयर नीचे सबसे ज्यादा डेंसिटी इतनी अब देखो ऐसे एरिया जहां पहाड़ी इलाके हैं जहां बहुत ठंड होती है धीमे धीमे सराउंडिंग जैसे मौसम बदलते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर अचानक से कम होता है तो सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होगी धीमे धीमे ठंडी होती जाएगी अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सराउंडिंग का टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तो ऊपर वाली लेयर क्या हो जाएगी आपकी जम जाएगी ऊपर वाली लेयर जम जाएगी ठीक है लेकिन अब जरा ध्यान से सुनना ऊपर वाली लेयर जम गई और इस वाली लेयर का टेम्परेचर क्या हो गया जीरो लेकिन अब जैसी सोचना जैसे ही ऐसा तो नहीं होगा ना कि तीस डिग्री सेल्सियस से जीरो डिग्री सेल्सियस सीधा आ गया होगा 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आने के बीच में कहीं 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी रहा होगा और जैसे ही सराउंडिंग का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हुआ यहां पे पानी का भी टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हुआ और 4 डिग्री सेल्सियस का पानी क्या होता है सबसे ज्यादा डेंस होता है तो वो पानी सबसे नीचे चला गया होगा और ये वाला नीचे वाले पानी ऊपर आ गए होंगे अब यहां पे टेंपरेचर धीरे-धीरे कम होता गया तो एट द एंड क्या रहेगा एट द एंड यहां पर रहेगा कि हमारे पास ऊपर इस जगह पर यहां पे हमारी कुछ आइस जमना शुरू हो चुकी है लेटस से मैंने कहा ये मेरी आइस जम चुकी है ठीक है अच्छा आइस जब तक पूरा पानी मेल्ट न, जब तक पूरा पानी फ्रीज नहीं हो जाता ध्यान से सुनना मेरी बात जब तक पूरा पानी फ्रीज नहीं हो जाता तब तक आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता तो मैंने कहा यहां का सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है माइनस टी डिग्री सेल्सियस ठीक है अब मैंने कहा अगर मैं पानी के टेम्परेचर की बात करूं तो पानी के इस वाले लेयर का टेम्परेचर क्या होगा जीरो डिग्री सेल्सियस वन डिग्री सेल्सियस टू डिग्री सेल्सियस थ्री डिग्री सेल्सियस और बॉटम मोस्ट लेयर का टेम्परेचर होगा जीरो डिग्री सॉरी फोर डिग्री सेल्सियस जितनी भी मरीन लाइफ है जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है मछली वगैरह जो भी है ठीक है वो सभी इस टेम्परेचर में रहती हैं और वो सेफ है ठीक है तो यहां पर बच गई क्लियर है अब जरा ध्यान से सुनना हीट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर फ्लो कर रही है जिसकी वजह से और एक्स्ट्रा पानी अब फ्रीज होता जाएगा धीमे धीमे ये लेयर बढ़ती जाएगी ठीक है अब मैंने कहा यार ये रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा मैंने कहा सर डी क्यू बाई डी टी तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है सर डी क्यू बाई डी टी इजिकल्स टू के ए अपॉन एल इंटू डेल्टा टी ठीक है के ए अपॉन एल इंटू डेल्टा टी एल क्या है लेटेस्ट से सर इसकी लेंथ एल है अब अगला डीएल जमने में अगला डीएल लेंथ जमने में इसको कितना टाइम लगेगा मैंने कहा सर ये तो रेट ऑफ हीट फ्लो आ गई ठीक है इस डीएल लेंथ को कितना हीट चाहिए होगा मैंने कहा सर एमएस डेल्टा टी हीट चाहिए होगा ठीक है तो हीट रिक्वायर्ड डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा डी क्यू इजिकल्स टू डीएम सॉरी डी एम इन एल चाहिए होगा एमएस डेल्टा टी नहीं डीएम इंटू एल यहां पर डीएम मास होगा डीएम मास इंटू एल चाहिए होगा ठीक है तो मैं इसको छाप देता हूं यहां पर तो ये क्या बन जाएगा डीएम इंटू एल डिवाइडेड बाई डी टी इजिकल्स टू के ए अपॉन एल ठीक है डेल्टा टी डेल्टा टी क्या होगा खाली टी नॉट बोल देता हूं मैं ठीक है जीरो माइनस माइनस टी नॉट तो टी नॉट हो गया चल भाई इसका टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट अब डीएम को क्या लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो रो इंटू ए इंटू डी एल इंटू एल बाई डी टी ए ए बाई एल इंटू टी नॉट ठीक है तो ए से ए तो निपट गया मतलब एरिया ऑफ लेक से इंडिपेंडेंट है लेक के एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता अब जरा देखिएगा ये क्या आ गया रो एल ठीक है इनटू डी स्मॉल एल बाई डी टी इजिकल्स टू के अपॉन एल इंटू टी नॉट इसको इधर भेज देता हूं इधर भेज देता हूं उसको, ठीक है तो रो एल इंटू एल डी एल टी नॉट इंटू डी टी ठीक है दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा रो कैपिटल एल इंटू एल स्क्स टू के टी नॉट इंटू टी ठीक है नोटिस कीजिएगा टाइम टेकन टू फ्रीज टी ये जो टी है इट इज प्रपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर ठीक है जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी मतलब क्या पहला एक मीटर लगाने के लिए पहला एक मीटर फ्रीज करने के लिए अगर एक दिन लगा तो अगले दो मीटर एक मीटर फ्रीज करने के कर, एल की जगह तो आपको चार दिन लग जाएंगे टू लेंथ uh, का स्क्वायर तो पहला अगर मैंने कहा कि एक मीटर फ्रीज होने में अगर एक दिन लग रहा है तो दो मीटर तक फ्रीज होने में चार दिन लगेंगे तीन मीटर फ्रीज होने में नौ दिन लग जाएंगे आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे लेंथ या जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जा रही है आइस के जमने की इस आइस की थिकनेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता जा रहा है इतने टाइम में गर्मी निकल जाएगी ठीक है तो पूरी आइस जो है पूरी लेक जो है वो फ्रीज होने से बच जाती है क्यों क्योंकि ऊपर वाली जो आइस है ना इट इज अ बैड कंडक्टर ये अच्छा कंडक्टर थोड़ी है हीट का ठीक है बहुत बुरा कंडक्टर है ठीक है एक तो लेंथ बढ़ती जा रही है ऊपर से ठीक है कंडक्शन और रेसिस्टेंस और बढ़ता जा रहा है ठीक है चल भाई क्लियर है यहां तक की बात समझ में आ गई थर्मल कन्वेक्शन ठीक है कंडक्शन की कहानी यहां तक समाप्त होती है ठीक है ये है आपकी कंडक्शन हम्म mm -hmm. चल अगला क्या है थर्मल कन्वेक्शन थर्मल कन्वेक्शन क्या बोलता है भाई कि ये फ्लूड में होता है ठीक है लिक्विड्स में होता है अगर आपने किसी अब देखो दो टाइप के कन्वेक्शन होते हैं एक है आपका फोर्स्ड कन्वेक्शन और दूसरा है नेचुरल कन्वेक्शन ठीक है नेचुरल कन्वेक्शन क्या है आपने किसी कंटेनर के अंदर पानी रख दिया ठीक है लेटर से एक कंटेनर है आपने इसके अंदर एक कुछ पानी रखा और आपने उसको गर्म करना शुरू कर दिया तो जब आपने इसको गर्म करना शुरू किया तो नेचुरल कन्वेक्शन कहता है कि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं ये हीट लेंगे और ये ऊपर चले जाएंगे ऊपर वाले मॉलिक्यूल इनकी जगह लेंगे और ये नीचे आ जाएंगे दिस इज नोन एज नेचुरल कन्वेक्शन ठीक है लैंड ब्रीज हो गया सी ब्रीज हो गया ये नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेसेस हैं ठीक है और फोर्स कन्वेक्शन क्या है फोर्स कन्वेक्शन आप जबरदस्ती कुछ कन्वेक्शन कराने की कोशिश कर रहे हो मतलब क्या आपने कुछ ऐसा रखा ठीक है अब आप क्या कर रहे हो यहां पे आपने पानी रखा ठीक है और आपने यहां पे नीचे से गर्म करना शुरू किया यहां पर ठीक है पानी ऊपर जाना चाहता है लेकिन आपने क्या किया ऊपर यहां पर एक कोई फैन लगा दिया इस तरीके का फैन लगा दिया तो आप क्या कर रहे हो आप ये कर रहे हो कि एक जगह से यहां पर अगर पानी भी आप सीलिंग फैंस के साथ करते हो ठीक है आप जबरदस्ती को नीचे फेंकते हो तो सीलिंग फैन भी तो वही करते हैं दिस इज नोन एज फोर्ट कन्वेक्शन ठीक है चल भाई बस कन्वेक्शन की कहानी यहीं तक अब आते हैं थर्मल रेडिएशन पर ठीक है बस इतना सा ही कहानी है ठीक है बस इतनी सी बात थी कन्वेक्शन की अब बता दे भाई अरे तुम लोग बोलोगे यार तभी एनर्जी आएगी मेरे अंदर ठीक है नहीं तो फिर वस वाली वाई वाली बात है यार आखिरी टॉपिक आ चुका है देख और एक बात बता दूं बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ठीक है पर मुझे अगर कमेंट में जान नहीं दिखाई देगी तो फिर वही वाली बात है यार तू अब देख ले मुझे कमेंट में बिल्कुल जान नहीं दिख रही है हाँ <laughs> आ, ये हुई ना बात अब आएगा मजा चल भाई थर्मल रेडिएशन ठीक है सबसे पहली चीज थर्मल रेडिएशन में क्या है भाई कोई भी बॉडी कोई भी बॉडी एनी बॉडी विच टेम्परेचर अब जीरो कैलविन जो भी अगर एक बॉडी का टेम्परेचर जीरो कैल्विन के ऊपर है तो वो बॉडी हीट को रेडिएट करती ही करती है ठीक है इसका मतलब है एनी बॉडी सबसे पहली चीज एनी बॉडी दैट हैज टेम्परेचर ऑफ अबव जीरो कैलविन रेडिएट्स ठीक है हीट इसको हम कहते हैं प्रिवॉस्ट थ्योरी ये सबसे पहली थ्योरी थी हीट को रेडिएशन को लेकर के इसको हम कहते हैं प्रिवॉस्ट री ऑफ कीट एक्सचेंज ठीक है अगर किसी भी बॉडी का किसी भी बॉडी का जिसका टेम्परेचर जीरो कैलविन के ऊपर है वो हीट को रेडिएट करेगा ही करेगा इसका मतलब आप मैं ठीक है हमारे ये मेरे चारों तरफ जो भी चीजें हैं ये चाय का ग्लास ठीक है ये सारी की सारी चीजें दुनिया की हर वो चीज जिसका टेम्परेचर जीरो कैलविन के ऊपर है वो कुछ ना कुछ हीट को रेडिएट कर ही कर रहा है मतलब क्या ये बॉडी कुछ ना कुछ थर्मल रेडिएशंस चारों तरफ एमिट कर रही हैं मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको कहीं कोई भी फॉर्मूला में दिक्कत नहीं आएगी आपको हर चीज समझ में आ जाएगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं अब अगला दिमाग में आती सर अगर हर बॉडी हीट को रेडिएट कर रही है फिर तो रायता फैल जाएगा सर अगर मैं हीट को रेडिएट कर रहा हूं इसका मतलब है कि मैं लगातार अपनी एनर्जी लूज करता जा रहा हूं ठीक है सर फिर तो मैं हमेशा ठंडा होता जाऊंगा कोई भी बॉडी अपना टेम्परेचर लगातार लॉस लूज करती जाएगी सर इसमें तो बड़ा रायता फैल जाएगा मैंने कहा एक मिनट पहले कुछ ढंग से समझ ठीक है किसी भी बॉडी का क्या कर रहा है ये बॉडी हीट को रेडिएट कर रहा है ये मैं मानता हूं ठीक है लेकिन मैंने ये थोड़ी बोला कि खाली यही रेडिएट करता है हर बॉडी जिसका टेम्परेचर जीरो कैलविन के ऊपर है वो हीट को रेडिएट करती है तो इसके चारों तरफ जो सराउंडिंग है इसके चारों तरफ जो सराउंडिंग है वो भी तो हीट रेडिएट कर रही है और तो वो हीट का रेडिएशन इस पर आकर के गिर रहा है ठीक है वो हीट का रेडिएशन इस पर आकर के गिर रहा है तो जब हीट का रेडिएशन इस पर आकर के गिरेगा तो वो इसको एब्जॉर्ब भी तो करेगा मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो रेडिएशन करके बाहर जा रहा है तो हीट अब क्या हो जाएगा जब एक बॉडी का टेम्परेचर इक्लिब्रियम में होगा ठीक है इन इक्लिब्रियम तो हीट रेडिएटेड पर सेकेंड विल बी इक्वल टू ट एब्सॉर्ब्ड पर सेकेंड ठीक है तो इन इक्लिब्रियम कंडीशन ठीक है इक्लिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा हीट रेडिएटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू ठीक है हर सेकंड में जितनी हीट ये रेडिएट कर रहा है हर सेकंड में जितनी हीट ये रेडिएट कर रहा है उतनी ही हीट ये एब्जॉर्ब भी करता जा रहा है ठीक है तो ये है आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन ठीक है अच्छा यही वो रीजन है कि गर्म चाय ठंडी होती है और कोल्ड कॉफी या ठंडी चीज जो है वो गर्म हो जाती है क्यों बॉडी हीट रेडिएट कर रही है साथ में एब्जॉर्ब भी कर रही है लेकिन जब बॉडी का टेम्परेचर से ज्यादा होता 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 है तो होता है होता है तो तो हीट का का रेडिएशन ज्यादा कम भैया एनर्जी लॉस होगी नेट और जब बॉडी रेडियश सराउंडिंग से कम होता है तो हीट का रेडिएशन कम होता है एब्जॉर्ब ज्यादा होता है इसका मतलब नेट हीट गेन करता है तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसीलिए बॉडीज हमेशा इक्विलिब्रियम में थर्मल इक्विलिब्रियम में आना पसंद करती हैं ठीक है चीके? तो पहली बात आपको यहां पर मुझे लगता है, बहुत ही बात समझ में आ चुकी है। आप आपको थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और एक बार अगर थ्योरी क्लियर हो गई तो न्यूमेरिकल बहुत जल्दी जल्दी झटझ करके बनेंगे ठीक है चल भाई तो पहली चीज तो हमको यह समझ में आ गई हर वो बॉडी जिसका टेम्परेचर जीरो कैलविन के ऊपर होता है वो हीट को रेडिएट करता ही करता है अब बात करते हैं अगली पॉइंट की ठीक है प्रिव थ्योरी मैंने बता दी मतलब ये काम हो गया ठीक है अब जरा ध्यान दीजिएगा जब एक बॉडी पर जब एक बॉडी पर ठीक है कोई हीट गिरती है ध्यान से सुनना मेरे अब देखो मैं आपको बहुत सारी चीजों के बारे में यहां पर जानकारी दे रहा हूं एक एक करके इस चैप्टर में कुछ चीजें अगले आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा ठीक है तो जरा ध्यान दीजिएगा जब एक सरफेस पर कोई भी लाइट रे गिरती है ठीक है अस से बाहर से आने वाली जो रेडिएशन मैंने कही थी ना ये बाहर से आने वाली रेडिएशन कुछ गिरती है तो इस सरफेस पर तीन फिनोमेना होते हैं इस सरफेस पर तीन ऐसी चीजें हो सकती हैं पहला चीज है कि ये जो आने वाली लाइट है ये कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए ठीक है या दूसरा फिनोमेना क्या हो सकता है सर ये आने वाली लाइट जो है वो कुछ ट्रांसमिट हो जाए रिफ्रैक्ट हो जाए ठीक है या तीसरा फिनोमेना कुछ हिस्सा लाइट का यहां पर ये एब्जॉर्ब कर ले तो मैंने कहा अगर एक लाइट पर यहां पर कुछ एक इंसिडेंट इनर्जी आ रही है इंसीडेंटरी का मतलब क्या है इंसिडेंट इनर्जी तो यहां पर क्या है रिफ्लेक्टेड इनर्जी ठीक है ये क्या है ट्रांसमिटेड इनर्जी मैं लिख देता हूं क्यू ट्रांसमिटेड ठीक है क्यू रिफ्लेक्टेड यहां पर है क्यूं क्यू इंसीडेंट और यह है एब्सॉर्ब्ड इनर्जी यानी कि क्यू एब्सॉर्ब ठीक है अब टोटल एनर्जी का समीशन क्या होता है सर हंड्रेड परसेंट होगा तो मैंने कहा क्यू इंसिडेंट जितनी भी आपने एनर्जी को इंसिडेंट किया है दिस इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एनर्जी क्यू रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी क्यू ट्रांसमिटेड प्लस एब्सॉर्ब एनर्जी क्यू एब्सॉर्ब्ड ठीक है अब मैं अगर इन सभी चीजों का क्यू से ही डिवाइड कर दूं तो यह क्या हो जाएगा क्यू रिफ्लेक्टेड ठीक है टेड डिवाइडेड बाई कैपिटल क्यू इंसिडेंट इंसिडेंट इनर्जी प्लस क्यू ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाई क्यू इंसिडेंट प्लस क्यू एब्सॉर्ब डिवाइडेड बाई दिस ठीक है इस फैक्टर को हम बोलते हैं किसी की भी रिफ्लेक्टिविटी यानी कि आर इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिट पा, पावर ट्रांसमिटिव पावर ठीक है और इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर या फिर एब्जॉर्प्टिविटी इन तीनों को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा वन ठीक है तो ये है आपका ये वाला जो टर्म है इसको हम बोलते हैं एब्जॉप्टिव पावर या फिर एब्जॉप टी स्पेलिंग देख लेना ठीक है एब्जॉर्पटिविटी यानी कि कितना एब्जॉर्ब कर लिया है ठीक है ए बी एस ओ आर बी आई टीवी पता नहीं ठीक है चल भाई ये है एब्जॉर्प्टिव पावर या फिर एब्जॉर्प्टिविटी ठीक है दिस इज ट्रांसमिटिविटी ट्रांसमेटिविटी ठीक है और ये है रिफ्लेक्टिविटी ठीक है यह है रिफ्लेक्टिविटी अब जरा देखिएगा रिफ्लेक्टिविटी ट्रांसमिटिविटी एब्जॉर्प्टिविटी क्या होते हैं तीनों मिलकर के वन के समेशन के बराबर होते हैं ठीक है तो अगर मैं बोलूं एब्जॉर्प्टिव पावर ठीक है तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है तो एब्जॉर्प्टिव पावर इज डिफाइंड एज ठीक है इज डिफाइंड एज टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी इंसिडेंट ठीक है इसको मैं कुछ ए से सिंबल से यूज कर रहा हूं ठीक है इन जनरल ए की वैल्यू क्या होती है वन से कम होती है ठीक है अच्छा अगर एक सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है अगर एक सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो आर की वैल्यू वन हो जाएगी ठीक है तो मुझे पता है एब्जॉर्व यानी कि रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांसमिटिविटी प्लस एब्जॉर्प्टिविटी क्या है वन है ठीक है और परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर एक सरफेस केवल रिफ्लेक्ट ही कर रहा है ठीक है तो रिफ्लेक्टिविटी वन हो जाएगी एब्जॉर्पटिविटी और एमिसिविटी जीरो हो जाएंगी, ठीक है फॉर परफेक्टली ट्रांसपेरेंट मीडियम परफेक्टली ट्रांसपेरेंट सरफेस इसके लिए ट्रांसमिटिविटी वन हो जाएगी एब्जॉर्पटिविटी और ये जीरो हो जाएंगी ठीक है फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी ठीक है परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव सरफेस जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी ठीक है इसके लिए एब्सॉप्टिविटी वन हो जाएगी रिफ्लेक्टिविटी और एमेसिविटी सॉरी रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी जीरो हो जाएगी ठीक है तो परफेक्टली परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है एक ऐसी बॉडी एक ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी के सभी रेडिएशन को क्या कर ले एब्जॉर्ब कर ले जितनी भी रेडिएशन गिर रही है एब्जॉर्ब कर ले सर इसका सब ब्लैक बॉडी क्यों बोलते हैं क्योंकि आप जनरली जिस भी चीज को देखते हैं ठीक है जनरली जनरली आप जिस भी चीज को देखते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं अगर एक बॉडी कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है कोई भी रे ट्रांसमिट नहीं कर रही है तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर वो बॉडी आपको ब्लैक कलर की दिखाई देगी इसीलिए हम उसको बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी ठीक है लेकिन ये कतई इसका मतलब नहीं है कि आप परफेक्ट ब्लैक बॉडी को नहीं देख सकते ये कॉमन मिथ है कि सर परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब परफेक्ट वो सर ब्लैक कलर की होती है बिल्कुल नहीं ठीक है उसका रीजन भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ठीक है परफेक्ट ब्लैक बॉडी को भी आप देख सकते हैं कई बार आप न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे कि सन एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करना है हमको ठीक है तो सर संतो हम देख सकते हैं ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूं परफेक्ट ब्लैक बॉडी को देखा जा सकता है बस अंतर क्या है परफेक्ट ब्लैक बॉडी से कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है परफेक्ट ब्लैक बॉडी से कोई ट्रांसमिशन नहीं आ रहा है लेकिन परफेक्ट ब्लैक बॉडी को भी देखा जा सकता है ठीक है और दूसरी जरूरी बात परफेक्ट ब्लैक बॉडी का और ब्लैक होल का आपस में कोई लेना देना नहीं है एक्सेप्ट दोनों के नाम में ब्लैक है ठीक है तो कई बच्चे दिमाग लगाते हैं सर परफेक्ट ब्लैक बॉडी से तो कोई लाइट रे बाहर ही नहीं निकलती ठीक है नहीं भैया निकलती है ठीक है तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी से भी लाइट रेस बाहर निकलती हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी का बस सिर्फ इतना मतलब है कि जो भी लाइट रेस आ रही हैं वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर रहा है ठीक है लेकिन हमें पता है सर अगर एक बॉडी एब्जॉर्ब करता रहेगा सर इसका तो मतलब इस बॉडी का सारा टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ता जाएगा मैंने कहा हाँ मैंने कहा एक चीज मैंने अभी तक नहीं बताई है तो वो क्या चीज है सर? ये बॉडी जो है लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर रहा है साथ ही साथ में लाइट रेस को रेडिएट भी कर रहा है जैसा कि मैं यहां दिखा रहा था ना कोई भी बॉडी लाइट रेस को रेडिएट भी कर रहा है तो ये जो बॉडी एब्जॉर्ब करने के साथ साथ क्या कर रही है लाइट रेस को रेडिएट भी कर रही है ठीक है अब जरा ध्यान दीजिएगा अगर ये अच्छा ये रेडिएशन जो है ना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की नहीं होती पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम हर वेवलेंथ की लाइट रेडिएट करता है केवल एक डायरेक्शन में नहीं करता हर डायरेक्शन में रेडिएट करता है ठीक है सर हमको कैसे पता चलेगा हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो रेडिएशन की वजह से देख रहे हैं या सर रिफ्लेक्शन की वजह से देख रहे हैं ठीक है तो मैं आपको बता दूं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये रेडिएशन इंफ्रारेड रेड इंफ्रा रीजन में डोमिनेट करती है तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर आप रेडिएशन में चीजें नहीं देख सकते आपको एक बहुत सिंपल सा चीज बताता हूं ठीक है इसको एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करिएगा आपको बहुत अच्छे से समझना आएगा क्या रेडिएशन में रेडिएशन में दिस इज रेडिएटेड एनर्जी अब सवाल आता है सर रेडिएशन में और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है हमें तो दोनों सेम ही लग रहे हैं ठीक है तो ध्यान से सोचना मान के चल तुम्हारे तुम्हारे हाथ में एक चम्मच है ठीक है तुम एक कमरे में हो और चम्मच तुम्हारे सामने में दिखा रहा हूं ठीक है अब उस चम्मच को फॉर एग्जाम्पल मान के चल ये आपके पास एक मेरे पास एक चम्मच है कोई प्लेट है इसको मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ठीक है अब एक बात बता तुझे ये दिखाई दे रही है क्यों दिखाई दे रही है रिफ्लेक्शन या रेडिएशन ठीक है सर कैसे पता चलेगा मैंने कहा रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्शन जो है इंसिडेंट एनर्जी का मोहताज है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इजिकल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है प्लेन में सेम लाइन याद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर तुमने आने वाली लाइट बंद कर दी तो ये भी रिफ्लेक्टेड दिखना बंद हो जाएगा मतलब क्या अगर कमरे में अंधेरा कर दिया तो ये लाइट ये ये आपको दिखेगी या नहीं दिखेगी और बिल्कुल नहीं दिखेगी मतलब क्या आपने इंसीडेंटरी खत्म करी या ये खत्म हो गया ठीक है लेकिन अब मैं इसको धीमे धीमे गर्म करता जाऊं गर्म करता जाऊं ठीक है तो गर्म करने से क्या होगा सर रेडिएशन तो ये हमेशा कर रही है लेकिन ये रेडिएशन अभी विजिबल रीजन में नहीं है थोड़ी ही देर में आपको ये ग्लो करती हुई दिखाई देने लग जाएगी रेड हॉट फिर तो उसके बाद कलर चेंज होते जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो जो रेडनेस दिख रही है अब तो लाइट तो इंसिडेंट एनर्जी है नहीं अब वो किस वजह से दिख रही है वो आपकी रेडिएशन की वजह से दिख रही है ठीक है तो रेडिएशन बेसिकली जो एनर्जी आती है वो किस वजह से आती है रेडिएशन की जो एनर्जी आती है ठीक है वो खुद के टेम्परेचर की वजह से आती है रिफ्लेक्शन की जो एनर्जी आती है वो इसकी वजह से आती है इंसिड रिफ्लेक्टेड एनर्जी और ट्रांसमिटेड एनर्जी के बारे में हम रे ऑप्टिक्स में बात करते हैं इस चैप्टर में हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो इन दोनों पर एब्जॉर्ब एनर्जी और रेडिएटेड एनर्जी पर रहेगा ठीक है इस चैप्टर में हमारा जो मेजर फोकस अरे यार कितनी और देर चलेगी भाई तुझे कोई रोक रहा है क्या निकल जाना यहां से दफा हो जाए यहां से मत पढ़ यार तेरे को कौन बोल रहा है पढ़ने के लिए कितनी और देर चलेगी क्लास अबे मत पढ़ना तेरे को कौन रोक रहा है छोड़ देता हूं अभी दस मिनट में छोड़ देता हूं बोल इनको जय ही करनी है फिर तुमको फंडामेंटल बिल्कुल फाउंडेशन से भी चाहिए सर हमको डिटेल में भी चाहिए सर एक एक चीज समझनी भी आनी चाहिए सर न्यूमेरिकल भी बनने चाहिए मैं काम करता हूं फॉर्मूला बताता हूं और क्वेश्चन कराता हूं आगे बढ़ता हूं लगी ही लेवल पर है चल। तो इस चैप्टर में अब जो मेरा फोकस रहने वाला है वो किस पर रहने वाला है रेडिएटेड एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी पर ठीक है सिर्फ इन दोनों पर बात करूंगा अब मैं अब एब्जॉर्ब एनर्जी या एब्जॉर्टिव पावर हमने क्या बोली थी एब्जॉर्टिव पावर होती है टोटल एनर्जी इंसिडेंट डिवाइडेड बाई टोटल सॉरी टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी इंसिडेंट ठीक है ये क्या है एक यूनिटलेस कॉन्स्टेंट है ठीक है इसका कोई यूनिट नहीं होता कोई डायमेंशन नहीं होता अब दूसरी चीज एब्जॉर्प्टिव पावर समझ में आ गई तो अब हम बात करते हैं एमिसिव पावर की ठीक है तो अब मैंने कहा मैंने कहा यह बोला कि कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब करता है मैंने उसके बारे में बात कर ली एब्जॉर्प्टिव पावर परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉप्टिव पावर क्या होती ब्लैक बॉडी के लिए परफेक्ट ब्लैक बॉडी एब्जॉप्टिव सरफेस यानी कि एब्जॉर्पटिव पावर होती है आपकी वन के बराबर ठीक है अब बात करते हैं एमिसिव पावर अब जो बात कर रहा हूं जो रेडिएशन भेज रहा है ना उसके बारे में बात करता हूं ठीक है तो एमिसिव पावर क्या होती है एमिसिव पावर होती है टोटल एनर्जी इंसिडेंट सॉरी टोटल इनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ठीक है तो एमिसिव पावर क्या हो गई है एमिसिव पावर इज़ इक्वल्स टू इनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ठीक है एक यूनिट एरिया ने एक यूनिट टाइम में कितना एनर्जी इंसिडेंट करी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर ठीक है यूनिट हो जाएगी इसकी वॉट पर मीटर स्क्वायर ठीक है तो वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी दिस इज नोन एज एमिसिव पावर ठीक है कितनी पावर ये एमिट कर रहा है ठीक है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी पावर ये एमिट कर रहा है बहुत सिंपल सी चीज है तो अब ध्यान देना ऐसा लगता है एबजॉर्प्टिव पावर एमिटिव पावर सर है नहीं एब्जॉर्व पावर है कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर रहा है एमिटिव पावर है कितना एनर्जी एमिट कर रहा है ठीक है दोनों में अंतर है वो एक रेशियो है ये एक खाली नाम में एक कंफ्यूजिंग है ठीक है ये नाम अजीब से रख रखिए अगर मैं एब्जॉर्टिव पावर को एब्जॉर्प्टिविटी बोल दूंगा ना तो तुमको अच्छा लगेगा ठीक है अब जरा ध्यान से सुनिएगा मुझे ये पता चल गया इतनी एनर्जी है ठीक है अरे यार पूरा रिदम पूरा सब बिगाड़ दिया यार अब तेरे सॉरी सॉरी करने से क्या होता है ना पूरा रिदम खराब कर दिया पता है मैं उस टाइम पे जो चीज़ें बता रहा था मैं जनरली नहीं बताता हूँ छोड़ यार ठीक है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होती है कुछ नहीं है भाई स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज एमिसिव पावर अपॉन लेमडा ठीक है या डीई बाई डी लेमडा ठीक है तो टोटल इनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेव ठीक है स्पेक्ट्रल एमेसिक पावर बेसिकली एक्चुअली में जो रेडिएशन होता है किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का नहीं होता है रेडिएशन पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है रेडिएशन कैसा होता है अगर मैं आपको रेडिएशन दिखाऊं तो सारी की सारी वेवलेंथ सारी की सारी वेवलेंथ यहां पर इसमें ऐसे एमिटेड होती है ठीक है और ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बताता है कि यार पर यूनिट वेवलेंथ कितना मतलब कौन सी वेवलेंथ कितना एरिया में जा रही है ठीक है तो अब ये आपकी वेवलेंथ मतलब जैसे लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा के बीच में कितनी एमिसिव पावर जा रही है इसके बाद अलग अलग वेवलेंथ मतलब अलग अलग रेडिएशन में कितनी एमिसिव पावर जा रही है ठीक है तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या बताता है कि एक एक वेवलेंथ में कितनी एनर्जी जा रही है हर वेवलेंथ की एनर्जी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बताता है टोटल एनर्जी रेडिएटेड एमिसिव पावर बताता है ठीक है एब्जॉर्प्टिविटी क्या बताता था कितनी रेडिएशन कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर रहा है कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर रहा है ठीक है अब एक नॉर्मल बॉडी और परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बीच में क्या अंतर है ठीक है एक नॉर्मल बॉडी और परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बीच में क्या अंतर है तो मैंने आपको परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में बता दिया है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ठीक है 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 सारी 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 की की क्या क्या हो जाती है? ये सारी सारी ये रेडिएशन करता एब्जॉर्ब कर लेता है. लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी केवल रेडिएशन एब्जॉर्ब ही करता है ठीक है अब जरा ध्यान से सुनना परफेक्ट ब्लैक बॉडी और एक नॉर्मल बॉडी के बीच में अंतर समझने की कोशिश करना ठीक है ये ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपको दोनों के बीच में बहुत क्रिस्टल क्लियर अंतर समझ में आ जाएगा ठीक है लेटस से आपके पास एक ये नॉर्मल बॉडी है और मैं सेम साइज की आइडेंटिकल एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी बना रहा हूं ठीक है दिस इज माय परफेक्ट ब्लैक बॉडी और इसका कलर 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 में ऐसा रेड कर देता हूं ठीक है चल भाई ये आपकी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है और ये आपकी नॉर्मल बॉडी है ठीक है तो मैं इसको लिख भी देता हूं परफेक्ट ब्लैक बॉडी अच्छा एक बात बताओ ठीक है क्या दोनों ही केसेस में आप मान के चलो एक कमरे में आपने परफेक्ट ब्लैक बॉडी रखी और उसको हटा करके आपने एक नॉर्मल बॉडी रखी ठीक है सेम सराउंडिंग रखी तो दोनों ही रेस पर दोनों ही बॉडीज पर सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन गिर रहा होगा मतलब क्या सर इस पर अगर चार रेडिएशन गिरे इस पर अगर चार रेडिएशन में आपको गिरता हुआ दिखा रहा हूं तो इस पर भी तो चार ही रेडिएशन गिर रहे होंगे मैंने कहा सर इस पर भी चार ही गिर रहे होंगे क्योंकि अमाउंट बाहर से बिल्कुल सेम है तो एनर्जी इंसिडेंट दोनों की सेम है लेकिन अंतर क्या है इस पर गिरने वाली चारों की चारों रेडिएशन इसने एब्सॉर्ब कर ली और इस पर गिरने वाली चार में से सिर्फ दो ही रेडिएशन एब्सॉर्ब करी दो को रिफ्लेक्ट कर दिया ठीक है अब बताना थोड़ी देर बाद दोनों थर्मल इक्विब्रियम में मतलब क्या जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे मैं बात कर रहा हूं किसमें मैं बात कर रहा हूं इन थर्मल इक्विब्रियम ठीक है मैं बात कर रहा हूं थर्मल इक्विब्रियम में मतलब क्या बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर है तो थर्मल इक्विब्रियम में इसने चारों की चारों एब्सॉर्ब करी हैं तो भाई इसको चारों की चारों रेडिएट भी करनी पड़ेगी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब यह नहीं कि वो कुछ रेडिएशन नहीं करता है बस यह रिफ्लेक्शन नहीं करता है तो चारों की चारों इसने रेडिएट करी ठीक है लेकिन इसने सिंस दो ही एब्जॉर्ब करी थी तो सिर्फ दो ही तो रेडिएट करेगा भाई ठीक है तो इसका मतलब है अगर इस पर इसकी इंसिडेंट कितनी है एनर्जी इंसिडेंट सलेटस है ई नॉट है E0 का कुछ एब्जॉर्प्टिव फ्रैक्शन और जितना absorb किया, उतना ही फ्रैक्शन क्या हो जाएगा एमसिव पावर पावर क्या हो गई ये हो गई है ठीक ठीक है? तो इसकी emissive power, total energy incident का A factor, अब सिंस इसके लिए एब्जॉर्प्टिविटी क्या है वन है तो जितनी एनर्जी इस पर इंसिडेंट हुई है इनोट वो सारी की सारी एनर्जी इसने रेडिएट करी है ठीक है तो एनर्जी इसकी एमसिफ पावर क्या हो जाएगी पूरी की पूरी ई नॉट के बराबर हो जाएगी और अगर ऐसा होता है तो क्या मैं ई नॉट को ई अपॉन ए लिख सकता हूं या मैं यहां पे लिख देता हूं ठीक है पावर नॉट है ठीक है तो एमसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऐसा लिख देता हूं ठीक है तो जरा तो ध्यान दीजिएगा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एमसिव पावर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी इजिकल्स टू एमेसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इन टू ए इन दोनों इक्वेशन से ठीक है कोई भी ब्लैक बॉडी ठीक है कोई भी ब्लैक बॉडी किसी किसी भी किसी भी नॉर्मल बॉडी का परफेक्ट ब्लैक बॉडी का कुछ फ्रैक्शन ही एब्जॉर्ब एमिट करती है सेम टेम्परेचर पर ठीक है तो यही चीज आपकी बोली थी किर्चॉ लॉ ने ठीक है किर्चॉ लॉज ऑफ रेडिएशन ने बोला था ठीक है एनी बॉडी एनी बॉडी एमिसिव पावर ऑफ बॉडी ठीक है एमेसिव पावर ऑफ आ बॉडी इज अ फ्रैक्शन ऑफ एमेसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर ठीक है सेम टेम्परेचर पर कितनी फ्रैक्शन है मतलब एमिसिव पावर बेसिकली किसी भी बॉडी की अगर आपको निकालनी है तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर ले लो और उसका एब्जॉर्प्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है दैट इज योर एमिसिव पावर ठीक है क्या ये बात समझ में आ रही है अच्छा अब एक और तीसरा फैक्टर है एमिसिविटी ठीक है तो एमिसिविटी क्या होती है बस एक आखिरी और फैक्टर अब इसके बाद आपका हम और फाइनल इस पर आते हैं ठीक है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के मुकाबले कोई भी बॉडी कितना फ्रैक्शन कितना फ्रैक्शन एमिट कर रही है ई e की वैल्यू आपकी वन से लेकर के जीरो के बीच में रहती है ठीक है एमिसिविटी क्या बताता है नॉर्मल बॉडी के मुकाबले परफेक्ट सॉरी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के मुकाबले कितना फ्रैक्शन आपकी रेशियो एमिट कर रही है तो बेसिकली एमिसिविटी आपकी एब्जॉर्प्टिविटी के बराबर ही है एमिसिविटी आपकी एमिसिटिव एमिसिविटी आपकी एब्जॉर्पटिविटी के बराबर ही है ठीक है जितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब करोगे उतना ही फ्रैक्शन एमिट करोगे ठीक है जितना फ्रैक्शन आप एब्सॉर्ब करेंगे उतना ही फ्रैक्शन आप एमिट या रेडिएट करेंगे सिंपल सी बात है यार अगर मैं भाई जितना खाया है उतना ही तो निकालोगे ज्यादा थोड़ी निकाल सकते हो ठीक है तो यही तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है जो जितना खाओगे उतना ही होके okay आओगे <laughs> ठीक है तो सेम वही कहानी है चल ठीक है अब आते हैं आप, आ, कहां पर लॉ ठीक है तो स्टीफन लॉ क्या बोलता है भाई सिंपल सी बात है अब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली मैं फिर से बोलता हूं इन्होंने एक्सपेरिमेंटली स्टीफन और बोल्ड्समैन दो तो अलग अलग साइंटिस्ट थे दोनों ने इंडिपेंडेंटली रिसर्च करा और इन्होंने बोला कि कोई भी बॉडी कोई भी बॉडी का जो पावर है जो रेडिएट करती है ठीक है तो सर नेम सबका सेम लग रहा है कंफ्यूजिंग हाँ बेटा नेम्स यही तो कंफ्यूजन है इन्होंने नाम इतने गंदे डिफाइन किए ना कि इंसान को समझ में नहीं आता कि क्या अब बता एबजॉर्प्टिव पावर कैसा लगता है क्या कोई बोल सकता है एब्जॉर्टिव पावर एक रेशियो है फ्रैक्शन है ठीक है चल भाई तो वो नाम गंदे हैं यार इसीलिए तो डरावने लगने लगते हैं बच्चों को ठीक है अब देख स्टीफन वोल्डमैन लॉ क्या बोलता है बड़ी सिंपल सी बात बोलता है ठीक है और

डी क्यू बाई डी टी ठीक है रेट ऑफ हीट रेडिएटेड पर सेकेंड डीक्यू बाई डी टी इज गिवन बाय सिग्मा ई ए टी की पावर फोर ठीक है एक्सपेरिमेंटली निकाला था इसीलिए लॉ है ठीक है डेरिवेशन नहीं है भाई इसका इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था हर टेम्परेचर के लिए वैलिड है डी क्यू बाई डी टी क्या है डीक्यू बाई डी टी है रेट ऑफ हीट रेडिएटेड पर सेकेंड हर सेकेंड में कितनी हीट रेडिएट कर रहा है दिस इज नोन एज एमेसिविट डी क्यूबाई डी टी ठीक है सिगमा क्या है आपका स्टीफन कॉन्स्टेंट ठीक है वैल्यू क्या होती है इसकी फाइव पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन की पावर माइनस एट वॉट पर मीटर स्क्वायर कैलविन की पावर फोर ठीक है पांच सात आठ याद करने का तरीका मैं अक्सर सिग्मा की वैल्यू भूल जाता हूं इसीलिए मैं बता रहा हूं पांच छ सात आठ ठीक है तो याद करने का तरीका ई e, आपकी क्या है ई e है आपकी एमिसिविटी ठीक है तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए कितना रेडिएट करेगा सिग्मा ए टी की पावरफुल आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है इसके पास हीट रेडिएशन भी बढ़ता जाता है ठीक है तो ये भी आपको दिख रहा होगा एरिया क्या है ए क्या है आपका सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ बॉडी ठीक है और टी है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन कैलविन प्रिवॉस ने भी यही बोला था हर वो बॉडी जिसका टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस जीरो कैलविन से ऊपर है वो हीट को रेडिएट करती है तो ये सिर्फ और सिर्फ हीट के रेडिएशन के बारे में बात कर रहा है कितनी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करता है हर सेकंड में ठीक है हर सेकंड में सिग्मा ई ए टी की पावर फोर हीट रेडिएट करता है ठीक है सिग्मा ई ए टी की पावर फोर को हीट रेडिएट करता ही करता है दिस इज नोन एज डी क्यू बाई डी टी ठीक है ये है आपका स्टीफन बोल्डमैन लॉ ये हीट एक वेवलेंथ में नहीं होती है बेटा ये हीट पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में रेडिएट होती है ठीक है एक वेवलेंथ नहीं है ठीक है अब इसके सवाल देखिएगा भाई सर इसके क्वेश्चंस में बहुत गंदी कैलकुलेशंस होती हैं बिल्कुल मैं यही तो मैं शुरुआत से तुमको बोलता रहा हूं थर्मल में कैलकुलेशन गंदी जाती हैं थर्मल और थर्मोडाइनेमिक्स दो ही तो ऐसे चैप्टर हैं जहां कैलकुलेशन गंदी जाती हैं ठीक है और आगे भी हैं, 12th है ट्वेल्थ में वो ठीक है चल यार क्या बोलता है एज्यूमिंग सन टू बी स्फ़ेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर आपको क्या मानना है सन को स्पेरिकल बॉडी मानना है जिसकी रेडियस आर है एट टेम्परेचर ऑफ टी केल्विन एवेल्यू टोटल रेडिएटेड पावर इंसिडेंट ऑन अर्थ अर्थ पर कितनी पावर रेडिएट हो रही है एट डिस्टेंस डी सपोज कीजिएगा ये आपका सन है ठीक है, चल भाई और यहां पर आपकी कुछ अर्थ है लेटेस so, से भाई हैंग होने लगा यहां पर आपकी अर्थ है ठीक है, चल भाई ये आपकी अर्थ है यहां पर आपका सन था अच्छा ये क्या बोल रहा है सन ने रेडियस आर है इसका टेम्परेचर क्या है टी कैल्विन है तो मैंने कहा सन क्या करेगा सन जो है अपने चारों तरफ हीट को रेडिएट करेगा कितना रेडियस है सर इसका सन का सन का रेडियस है कैपिटल आर तो मैंने कहा हीट रेडिएटेड बाय सन हीट रेडिएटेड बाय सन तो कहा डी वाई डी टी कितना हो जाएगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा ई ए, ए टी की पावर फोर ठीक है वेयर आर नॉट इज सिग्मा स्टीफन कॉन्स्टेंट है ई की वैल्यू कहीं बोली नहीं मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानना है नहीं भी बोली तो ई की वैल्यू वन मानना तो सिग्मा ए क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर सन का रेडियस इनटू टी की पावर फोर इतनी हीट सन ने रेडिएट करी ठीक है सन ने इतनी हीट रेडिएट करी अब ये सारी की सारी हीट क्या हो गई पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो टोटल रेडिएंट पावर इंसिडेंट ऑन अर्थ वो ये पूछ रहा है अर्थ पर कितनी कितनी एनर्जी गिरी तो मैंने कहा अर्थ पर तो सिर्फ यही फ्रैक्शन वाली एनर्जी गिरी जो एनर्जी इस वाले एरिया में आ गई वो एनर्जी गिरी बाकी सभी एनर्जी तो इधर उधर बढ़ गई ठीक है और सन का अर्थ से डिस्टेंस क्या है ये डिस्टेंस मुझे दे रखा है स्मॉल आर है ठीक है मैंने कहा टोटल पावर जो है फोर पाई स्मॉल आर के स्क्वायर में इसमें बट गई होगी ठीक है आर नॉट इज रेडियस ऑफ अर्थ बोल रखा है तो इधर ध्यान देना इसका इफेक्टिव एरिया क्या है सबसे पहले ये वाला एरिया क्या है ठीक है क्योंकि आपके अर्थ क्या है अर्थ सिर्फ इतने वाले एरिया में पावर रिसीव करेगी ना ये वाला ठीक है तो इसका इफेक्टिव एरिया क्या है अगर ये आर नॉट है तो इफेक्टिव एरिया अर्थ का इफेक्टिव एरिया जो सन को फेस कर रहा है पाई आर नॉट स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अर्थ का इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर एरिया पाई आर नॉट स्क्वायर अब ये स्क्त ने जितनी पावर रिसीव करी वो पावर रेडिएट करी वो पूरे के पूरे रेडियस में बट गई है ठीक है तो मैंने कहा यार फोर पाई आर स्क्वायर में सन की पावर आ गई तो से इसने बोला ये पी नॉट पावर है इसको मैं पी बोल देता हूं ठीक है इसको मैं बोलता हूं पावर पी नॉट है ठीक है तो ये पी नॉट पावर कितने एरिया में बढ़ गई फोर पाई आर में तो फोर पाई स्मॉल आर ने टोटल पी नॉट पावर रिसीव करी मतलब क्या देख जितनी पावर इस सन ने रेडिएट करी ना जितनी पावर इस सन ने रेडिएट करी वो सभी के सभी पावर इस पूरे बड़े स्फीयर में आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो गई ठीक है लेकिन अर्थ को तो सिर्फ इतना ही फ्रैक्शन मिला तो पी नॉट तो एक यूनिट एरिया में कितना मिल रहा होगा पी नॉट बाई फोर पाई आर स्क्वायर तो पाई आर नॉट स्क्वायर में कितना मिलेगा पी नॉट बाई फोर पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर नॉट स्क्वायर ये पाई से पाई खत्म हो गया तो पी नॉट आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर आर स्क्वायर पी नॉट की वैल्यू छाप दो तो so, क्या है सिग्मा पाई कैपिटल आर स्क्वायर की पावर फोर डिवाइडेड इनटू आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर स्मॉल आर स्क्वायर ठीक है तो ये आंसर आ जाएगा तो पाई आर नॉट स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा की पावर फोर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आंसर आ गया ऑप्शन बी ठीक है ये आंसर आ गया दिस इज दी चल भाई दिस इज योर आंसर मैंने बस वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया पी नॉट की वैल्यू उठा के यहां छाप दिया ठीक है अगला सवाल क्या बोल रहा है यहां पर तो बोला हुआ है हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया बाय इज थाउजेंड कैलविन ठीक है चल भाई तो तीन हजार कैलविन है हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया बोल रहा है तो मैंने कहा यार ठीक है तो क्या करूं हीट रेडिएटेड तो डी क्यू बाई डी टी डिड बाई एरिया ये हो जाएगा सिग्मा टी की पावर फोर 5.7 पॉइंट टेन की पावर माइनस एट इंटू थ्री इंटू टेन की पावर थ्री की पावर फोर तो फाइव पॉइंट टेन की पावर माइनस एट नौ नंबर इक्यासी इंटू टेन की पावर नाइन कार्तिया बारह हो जाएगा सॉरी ठीक है तो फाइव पॉइंट सेवन इंटू एट्टी वन इंटू टेन की पावर फोर सत्तावन इंटू एट्टी वन टेन की पावर थ्री अब जो भी है तुम सॉल्व कर लेना भाई ठीक है ये कुछ आ जाएगा जो भी है आपका आंसर कैलकुलेट कर लेना ठीक है चल भाई कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ अगला सवाल ठीक है Uh, क्या है इफ द देशर ऑफ सन टू वर इंक्रीज फ्रॉम टी टू टू टी इट रेडियस फ्रॉम आर टू टू आर रेडियंट इनर्जी रिसीव्ड टू अर्थ ऑन अर्थ वॉट विल बी विल बी ठीक है इसने बोला है सन की देखो अगर सन की एनर्जी डबल हो गई तो अर्थ पर भी एनर्जी डबल आएगी सन की एनर्जी चार गुना हो गई तो अर्थ पर भी एनर्जी चार गुना हो गई क्योंकि अर्थ में तो कोई चेंज आया नहीं डिस्टेंस में कोई चेंज आया नहीं सिंपल सा कहानी है तो मैंने कहा सन का हीट रेडिएटेड क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी उसने बोला है सिग्मा इ टी की पावर फोर होता है टेम्परेचर टी का क्या कर दिया दोगुना कर दिया टू टी कर दिया रेडियस क्या कर दी मैंने कहा आर की जगह टू आर कर दी ये क्या फोर पाई आर स्क्वा टू आर का स्क्वायर कर दिया तो ये चार गुना हो चुका है चार का चार सोलह गुना ये हो चुका है सोलह चौक चौसठ गुना हो जाएगा है सिक्सटी फोर ठीक है सिक्सटीन टाइम्स ये हो गया ये चार गुना हो गया सिक्सटी फोर टाइम्स आ गया ठीक है सॉल्व हो गया सवाल Clear है। चल भाई वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ठीक है जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था थर्मोमेट्री के टाइम पे रेडिएशन की हेल्प से भी हम टेम्परेचर नापते हैं जो आपने देखा होगा जो इंफ्रारेड रेड थर्मोमीटर्स होते हैं जो कि आपके टच नहीं करते और जैसे बस क्लिक करते हैं और आपका टेम्परेचर पता चल जाता है वो इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं ठीक है ये वो प्रिंसिपल है जिसकी हेल्प से आप डिस्टेंट स्टार्स के टेंपरेचर नाप सकते हैं कि जो स्टार है उसका टेम्परेचर क्या है सन का टेम्परेचर क्या है इन सभी चीजों का टेम्परेचर किस तरीके से नापा जाता है वहां पर रेस्पॉन्बल होता है वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया भाई के जो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है मैंने जैसा बोला था स्पेक्ट्रम है ठीक है तो इस स्पेक्ट्रम को अलग-अलग वेवलेंथ -अलग में इन्होंने ऑब्जर्व किया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर यहां थी और इन्होंने देखा कि जो सबसे इंटेंस वेव है मतलब ऐसी वेव जिसका जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है ठीक है एक ऐसी मोस्ट इंटेंस वेवलेंथ और जो बॉडी का टेम्परेचर पूरी टी टेम्परेचर पर पूरा स्पेक्ट्रम जाता ठीक है तो इन्होंने कहा कि लेमडा और टी लैमडा नॉट और टी इसको लेमडा नॉट बोल देता हूं एम नॉट एम की जगह ठीक है लेमडा नॉट इन टू टी ये कैसा होता है दिस इज कॉन्स्टेंट ठीक है तो लेमडा नॉट इनटू टी इसकी वैल्यू होती है बी के बराबर बोल देते हैं वेयर बी इज विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट 2.9 पॉइंट नाइन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मीटर केल्विन ठीक है तो इन्होंने देखा कि लेमडा नॉट इनटू टी की वैल्यू कैसी रहती है कांस्टेंट रहती है दिस इज नोन एज वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ ठीक है अगर आपको अगर आपको किसी बॉडी का डा पता चल जाए जै, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टार है स्टार से आपको जो वेवलेंथ आ रही है उसमें अगर आपको लेमडा पता चल जाए मोस्ट प्रोबेबल लेमडा कौन सा है सबसे ज्यादा इंटेंस लेमडा कौन सा है तो आप उसकी हेल्प से उस बॉडी का टेम्परेचर पता कर सकते हैं ठीक है शुरुआत इसकी एस्ट्रोनॉमी में इसी तरीके से हुई थी कि गैस जाइंट के आपने जो है वो डिस्टेंस स्टार गैस क्लाउड्स के आपने टेम्परेचर निकाले और उसकी हेल्प से अब यहां पे इंफ्रा रेड यूज करते हैं कई सारी ऐसी जैसे आपने सुना होगा जो हीट वेव जो आप क्रिकेट में देखते हो हीट मैप होता है जो ठीक है जिससे स्निकोमीटर वगैरह स्निकोमीटर तो खैर साउंड पे काम करता है ठीक है पुराने टाइम पे एक वो आता था हीट जिसमें बताते थे कि बैट बॉल से लगा या नहीं लगा वो सेम इसी प्रिंसिपल पर काम करता था ठीक है जहां पर आप ये चेक करते हो कि बैट इससे स्ट्राइक किया है या नहीं किया है ठीक है तो यह है आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अब सवाल देखिएगा यह सवाल बेसिकली जेई एडवांस में आया था कौन सा तो साल आया है 2030 इसी साल आया है ठीक है और हाँ थर्मल कैमरा बहुत बढ़िया ठीक है चल तो भाई ऐसा है कि अब आपको यहां पर पता करना था कि क्या टेम्परेचर है टेम्परेचर आपको दिया है अलग अलग इसमें मैच करने है ठीक है मैच टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी गिवन इन लिस्ट वन अपेरेंट स्टेटमेंट इन लिस्ट टू ठीक है तो 2000 हजार कैलविन तीन हजार कैलविन पांच हजार कैल्विन और दस हजार कैलविन ठीक है ऑप्शन दिए हैं रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ कैन एमिट रेडिएशन एमिशन ठीक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सकती है रेडिएशन एट पीक वेव इज विजिबल टू ह्यूमन आई क्या इसमें ह्यूमन आई में विजिबल है

तो उसकी सेंट्रल फ्रिंजविथ भी सबसे ज्यादा होती है वेवलेंथ ज्यादा तो सेंट्रल फ्रिंजविथ सबसे ज्यादा सर ब्लैक बॉडी का कलर नेसेसरी ब्लैक ही होता है क्या बिल्कुल नहीं ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक नहीं होता है मैं फिर से बोल रहा हूं ठीक है जो भी रेडिएशन का कलर होगा वो हो जाएगा अगर विजिबल रीजन में आती है तो ब्लैक बॉडी आपको विजिबल दिखाई देगी सन इज ऑल्सो ब्लैक बॉडी ठीक है ब्लैक बॉडी का मतलब है रिफ्लेक्शन जीरो होना बस और कुछ नहीं है अब वो नाम ब्लैक पड़ गया है बस ठीक है

3, का आंसर थ्री मैंने कहा ऑप्शन डी नहीं हो सकता ठीक है बस क्यू को और मैच करा लू तो मेरा काम बन जाएगा ठीक है मैं क्यू को और मैच करा लूंगा तो मैं बना सकता हूं कौन सा हो जाएगा ठीक है तो पी का आंसर थ्री आ चुका है अब क्यू के बारे में बात करते हैं क्यू क्या है यहां पर तीन हजार कैल्विन की बात कर रहा है तो तीन हजार कैलविन पर कितनी आपकी वेवलेंथ आती है ठीक है तो मैंने कहा तीन हजार कैलविन पर जो लाइट रे आएगी ठीक है अब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मिक्स कर दिया है अच्छा भाई बताऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है चल यारेविन तो पर जो लाइट रे आई है अच्छा पावर पर अगर मैंने डबल कर दिया ध्यान से देख इसका छह हजार एमिट कर रहा है ठीक है तो पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया इज वन बाई सिक्सटीन ऑफ दैट एमिटेड बाई टेम्परेचर सिक्स थाउजेंड टेम्परेचर डबल करने पर अगर मैंने टेम्परेचर को टी नॉट किया तो पावर जो है पी से टू की पावर फोर पी हो जाएगी ठीक है क्योंकि सिग्मा टी की की होती है तो तो अगर मैंने डबल कर दिया तो कि सोलह गुना हो जाएगी ठीक है हो जाएगी तो मैंने कहा यार अगर हजार को तो कब मिलेगा क्यू का फोर्थ ठीक है जैसे मैंने देखा क्यू का फोर्थ हो गया तो आंसर मार्क कर दो बस क्यू का फोर्थ एक ही एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है ठीक है और आर का टू एस का वन ठीक है आर आर का 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 क्या क्या है 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 बेसिकली ये वाला रेडिएशन विजिबल विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में ठीक मतलब क्या है? चार हजार से सात हजार एंगस्ट्रम ये होता है विजिबल रीजन तो जब आप इसकी लाइटरी देखोगे ना पांच हजार कैल्विन पर ठीक है यहां पर पांच हजार कैलविन डालना तो जो लेमडा आएगा वो चार हजार से सात हजार कैल्विन इसके बीच में आएगा ठीक है और इसका जो भी है कौन सा है ठीक है इसका क्या है एस का वन वन क्या है यहां पर कोटो एमिशन चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है एच सी वाई लेमडा की वैल्यू चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ जाएगी यहां पर जो वेवलेंथ आएगी ठीक है वो चार हजार चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ जाएगी ठीक है तो इस सवाल में बेसिकली आपके मॉडर्न फिजिक्स का और थर्मल फिजिक्स के दोनों कॉन्सेप्ट्स को उसने मिक्स कर दिया है चल भाई अब बात करते हैं रेट ऑफ हीट लॉस के बारे में ठीक है एक बॉडी का रेट ऑफ हीट लॉस कितना होता है तो रेट ऑफ हीट लॉस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा ठीक है चीके? इसका टेम्परेचर है टी नॉट ठीक है और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर है टी नॉट अच्छा बताओ अगर ये बॉडी का और सराउंडिंग का दोनों का ही टेम्परेचर बराबर है तो क्या कोई भी नेट रेट ऑफ हीट लॉस आएगा बॉडी कैसी होगी अभी इक्लिब्रियम में होगी तो जितनी हीट रेडिएट कर रहा होगा ये बॉडी उतनी ही हीट क्या कर रहा होगा एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा ठीक है हीट रेडिएटेड पर सेकेंड विल बी इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब पर सेकेंड क्यों क्योंकि सराउंडिंग का भी टेम्परेचर सेम है इसका भी टेम्परेचर सेम है ठीक है और मुझे ये तो नहीं पता सराउंडिंग से कितना हीट एब्जॉर्ब आ रही है लेकिन मुझे ये पता है कि इसका हीट रेडिएटेड क्या है ठीक तो है तो एट टी नॉट टेम्परेचर अगर टी नॉट है बॉडी का अगर बॉडी का टेम्परेचर टी नॉट है तो मैं ये बोल सकता हूं हीट रेडिएटेड पर सेकेंड इज़ इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड पर सेकेंड ठीक है और हीट रिडिएटेड पर सेकेंड क्या है सिग्मा ई ए नॉट की पावर फोर तो मुझे यहां से यह पता चल गया कि हीट एब्सॉर्ब्ड पर सेकेंड कितनी है ठीक है हीट एब्जॉर्ब पर सेकंड कितनी है मुझे यहां से ये पता चल गया और अगर मुझे यह समझ में आ गया कि हर सेकंड में इतनी हीट एब कर रहा है ठीक है है सिग्मा ई ए टी की पावर हीट कर रहा है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा अगर मैंने इस बॉडी का टेम्परेचर टी नॉट से बढ़ा करके टी कर दिया क्या मैंने सराउंडिंग के साथ कोई भी छेड़छाड़ करी है कोई छेड़छाड़ नहीं करी तो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब अभी भी उतनी ही रेडिएशन कर रहा है लेकिन रेडिएट क्या कर रहा है अभी ज्यादा कर रहा है ठीक है तो एट टेम्परेचर ऑफ बॉडी जब टेम्परेचर ऑफ बॉडी का टी के बराबर हो गया है तो हीट रेडिएटेड पर सेकेंड कितना हो गया दिस इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर फोर ठीक है हीट एब्सॉर्बड पर सेकेंड ये अभी भी वही है सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर फोर तो नेट रेट ऑफ हीट लॉस ये कितना आ गया नेट रेट ऑफ हीट लॉस आ गया है सिग्मा ई ए टी की पावर फोर माइनस टी नॉट की पावर फोर ठीक है दिस इज दी नेट रेट ऑफ हीट लॉस इतना हीट लॉस कर रहा है बॉडी ठीक है अब अगर ये आपका नेट रेट ऑफ हीट लॉस आ चुका है तो अब आपको क्या निकालना है रेट ऑफ कूलिंग अब बॉडी ठंडा किस रेट से हो रहा है ठीक है तो अब मैंने कहा अब मैं निकालना चाहता हूं रेट ऑफ कूलिंग रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी दिस इज रेट ऑफ कूलिंग और माइनस एक और लगा देता हूं ठीक है क्यों क्योंकि कूल cool हो रहा है तो चलो जरा ध्यान देना तो मैंने कहा हीट लॉस का रेट क्या आया था तो मैंने कहा रेट ऑफ हीट लॉस यानी कि dQ क्यू बाई डी टी डी क्यू नेट बाई डी टी फिजिकल्स टू सिग्मा ई ए टी की पावर फोर माइनस टी नॉट की पावर फोर इस dQ को मैं लिख देता हूं एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी सिगमा ई ए की पावर फोर माइनस टी नॉट की पावर फोर सिंस ये भी हीट लॉस है ये भी हीट इसलिए माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने ठीक है अगर मैं बात करूं तो लॉस ही है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है इसका कम है ठीक है अब जरा बताना रेट ऑफ कूलिंग कितना आ जाएगा रेट ऑफ कूलिंग आपका आ जाएगा सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टेम्परेचर ऑफ पावर फोर माइनस टी नॉट की पावर फोर जरा ध्यान दीजिएगा फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंज ठीक है अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या मैं बॉडी का टेपरेचर ऐसा लिख सकता हूं टी कैन बी रिटर्न प्लस डेल्टा टी ठीक है बॉडी का टेम्परेचर ऐसे लिखता हूं तो अब मैं यह वाला फॉर्मूला हो जाएगा रेट ऑफ कूलिंग डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी सिग्मा ई ए डिवाइडेड बाई एम एस टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर फोर माइनस टी नॉट की पावर फोर ठीक है सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टी नॉट की पावर फोर यहां से कॉमन ले लेता हूं वन प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट की पावर फोर माइनस टी नॉट की पावर फोर ठीक है अगर डेल्टा टी छोटा है डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस देन टी नॉट ठीक है मतलब सराउंडिंग में जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है ये काफी कम चेंज आ रहा है इस केस में रेट ऑफ कूलिंग आपका हो जाएगा सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टी नॉट की पावर फोर वन प्लस फोर डेल्टा टी बाई टी नॉट माइनस टी नॉट की पावर फोर ठीक है ये वाला टर्म तो कट गया ये आ गया सिग्मा ई ए अपॉन एम एस इंटू फोर टाइम्स डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी नॉट सॉरी फोर टाइम्स डेल्टा टी इनटू टी नॉट की पावर थ्री तो रेट ऑफ कूलिंग डी कैपिटल टी डी बाई डी स्मॉल टी सिग्मा ई ए, ए, ए टी नॉट की क्यूब डिवाइडेड बाय एम एस इन डेल्टा टी एंड ये सारा का सारा टर्म कैसा है कॉन्स्टेंट है ठीक है तो रेट ऑफ कूलिंग डी कैपिटल टी बाय स्मॉल टी इज इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी जितना ज्यादा बॉडी का और टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा जल्दी जल्दी बॉडी आपकी ठंडी होगी और इसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यही है आपका न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बताता है कि बॉडी के ठंडे होने का रेट क्या है तो स्टीफन बोल्डसमैन लॉ से कई साल पहले न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली बताया था कि बॉडी के ठंडे होने का रेट क्या होता है तो माइनस डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी टू के टाइम्स कोई भी एक कॉन्स्टेंट मान लो के टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ठीक है दिस इज रेट ऑफ कूलिंग दिस इज रेट ऑफ कूलिंग ये प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ठीक है टीज टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टी नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंड ठीक है ये डिफरेंस है टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ठीक है चल भाई तो ये हमारा आंसर आ गया बस बेसिकली ये है दिस इज योर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ठीक है तो जितनी ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर होगा सराउंडिंग का डिफरेंस होगा बॉडी उतनी जल्दी जल्दी ठंडी होगी इसका मतलब है कि अगर मैं टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ ठीक है बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली है लेटेस्ट से टी नॉट तो बॉडी का टेम्परेचर इस तरीके से कम होता है ठीक है सराउंडिंग का टेम्परेचर आते आते इनफाइनाइट टाइम लग जाता है ठीक है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेसिकली जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा रेट ऑफ कूलिंग भी कम होती जाएगी ठीक है इसको आते आते दिस इज योर इनिशियल टेम्परेचर इनिशियली जल्दी जल्दी ठंडा होगा धीमे 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 टेम्परेचर का रेट कम होता जाएगा ठीक है दिस इज नोन एज रेट ऑफ कूलिंग ठीक है अभी इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डेरिवेशन करवाऊंगा फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ठीक है तब तक अभी लेते हैं पांच मिनट का ब्रेक ठीक है चल भाई ठीक है हो गया ब्रेक ठीक है अब यहां ध्यान दे देना अब बस आखिरी पार्ट चल रहा है बेटा सिलेबस खत्म होने वाला है तो मैंने कहा अब मुझे टेम्परेचर का रेट पता चल चुका है माइनस डी टी ठीक है माइनस डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी इजिकल्स टू के टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मैं इसको लिख देता हूं डी टी अपॉन टी नॉट माइनस टी कर देता हूं ऐसा ठीक है इजिकल्स टू के टाइम्स ऑफ डी स्मॉल टी कैपिटल टी यहां पर टेम्परेचर है स्मॉल टी यहां पर टाइम है ठीक है इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ टी नॉट माइनस टी ठीक है इनिशियल टेम्परेचर यहां पर कुछ टी इनिशियल है यहां पर लिख देता हूं टी फाइनल जीरो से टी के टी के बराबर ठीक है लिमिट यहां पर पुट करता हूं टी इनिशियल से टी फाइनल तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ अच्छा एक माइनस भी तो रह गया ऑफ़ टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस लॉग ऑफ टी नॉट माइनस टी लिमिट टी इनिशियल से टी फाइनल ये आपका हो जाएगा के टी के बराबर ये आपका आ गया लॉग ऑफ ठीक है माइनस लगाए तो उल्टा ही रख दूं टी नॉट माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी नॉट माइनस टी फाइनल ठीक है और बेटर इसको ऐसा लिख देता हूं t initial माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी नॉट ठीक है इजिकल्स टू k टाइम्स ऑफ t ये है आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ठीक है इनिशियल माइनस टी नॉट फाइनल माइनस टी नॉट और ये के टी के बराबर होता है ये बेसिकली मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं मैं टाइम का टेम्परेचर इसका टेम्परेचर का टाइम के साथ वेरिएशन प्लॉट कर रहा हूं ठीक है तो टेम्परेचर का टाइम के साथ वेरिएशन क्या है? टी है बस ये है अप्रोच कैसे किया जाता है जरा यहां पर ध्यान दे लेना ठीक है बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व होते हैं और इसके बाद फिर मैं आपको साथ ही साथ में एक ब्रह्मास्त्र आज की क्लास का तीसरा और आखिरी ब्रह्मास्त्र भी शेयर करता हूं ठीक है क्या बोल रहा है 80 माइनस एट्टी 70 डिग्री हुआ है 100 सेकंड्स में 70 से 60 कितने टाइम बाद हुआ होगा ठीक है तो मैंने कहा मेरे पास फॉर्मूला क्या था मेरे पास फॉर्मूला है लॉग ऑफ लॉग ऑफ टी इनिशियल इनिशियल टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर डिवाइडेड बाई फाइनल टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर इज इक्वल टू ठीक है के टाइम्स ऑफ टी तो मैंने कहा सबसे पहले लॉग ऑफ यहां पर क्या है इनिशियल टेम्परेचर कितना है एट्टी माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया नहीं ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस मान लेना ठीक है चल भाई सराउंडिंग का मान लेना ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो बीस डिग्री सेल्सियस मान लेना एट्टी माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सेवेंटी माइनस ट्वेंटी ठीक है ये के टाइम्स ऑफ किसके बराबर है हंड्रेड सेकेंड लग रहा है तो so, ये क्या हो गया दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सिक्स बाई फाइव इजिकल्स टू हंड्रेड के के बराबर आ गया पहला इक्वेशन आ गया दूसरा क्या बोल रहा है सेवेंटी से सिक्सटी कितने टाइम में होगा तो लॉग ऑफ सेवेंटी माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सिक्सटी माइनस ट्वेंटी के इन टू टी ठीक है तो मैंने कहा लॉग ऑफ फाइव बाई फोर इजिकल्स टू के इंटू टी जब आप दोनों का रेशियो लेंगे तो आपका क्या स्टेटमेंट बन जाएगा के खत्थम हो जाएगा तो लॉग ऑफ सिक्स बाई फाइव डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ फाइव बाई फोर इजिकल्स टू हंड्रेड अपॉन टी तो टी आ जाएगा हंड्रेड लॉग फाइव बाई फोर डिवाइडेड बाई लॉग सिक्स बाई फाइव आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो हंड्रेड डिवाइडेड बाई लॉक सिक्स माइनस log फाइव ठीक है अब समस्या आ जाएगी यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ठीक है यहां पर आकर के एट द एंड अगर आपको log सिक्स की वैल्यू नहीं आती है अगर आपको log फोर की वैल्यू नहीं आती है तो ये log टू की वैल्यू नहीं आती है. मतलब log फाइव को तो लिख सकते हो टू log टू log सिक्स को लिख सकते हो log टू प्लस लॉक थ्री ठीक है कहने का मतलब यह है एट द एंड आप यहां पर आकर के फंस जाओगे ठीक है कहने का मतलब समझ में आया तो बेसिकली अब आपको यहां पर आकर के फंस जाओगे तो अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं ठीक है भाई ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं यह ब्रह्मास्त्र एग्जैक्ट आंसर तो नहीं देता मैं मैं अपफ्रंट बात बोल रहा हूं ये ब्रह्मास्त्र एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है लेकिन ये ब्रह्मास्त्र काफी हद तक सही आंसर दे देता है ठीक है ये क्या ब्रह्मास्त्र है मैंने रेट ऑफ कूलिंग किसके बराबर है रेट ऑफ कूलिंग होती टाइम्स ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ठीक है इसके बराबर होती है सर अगर मैं अब देख प्रॉब्लम कहां आ रही थी प्रॉब्लम ये थी कि रेट ऑफ कूलिंग में ये टेम्परेचर बॉडी का बार 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 चेंज हो रहा था मतलब क्या बॉडी बार बार ठंडी हो रही थी बॉडी बार बार ठंडी हो रही थी तो बॉडी का बार, बार 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 बदल रहा था ठीक है जैसे इसने क्या बोला सबसे पहले सबसे पहले इसने बोला कि एट्टी uh, से सेवनटी होने में सौ सेकंड लगे सेवेंटी से सिक्सटी होने में कितने सेकंड लगेंगे ठीक है तो इसने बोला एटी डिग्री सेल्सियस से सेवेंटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाने में 100 सेकेंड्स लगे तो 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस जाने में कितने सेकेंड्स लगेंगे मैंने कहा एक काम करते हैं रेट ऑफ कूलिंग क्या है यहां पर सो so, मैंने कहा सर टेंपरेचर डिफरेंस मतलब 80 70 मैंने कहा ठीक है डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा सर 100 सेकेंड लगा इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ मैंने कहा टेंपरेचर ऑफ बॉडी अब समस्या क्या आ गई सर कौन सा टेंपरेचर लू सर कौन सा टेम्परेचर लू मैंने कहा सर क्या मैं एट्टी लू क्या मैं सेवेंटी लू ठीक है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर पहले अस्सी था बाद में सत्तर हुआ तो अब सर टेम्परेचर कौन सा लू मैंने कहा ये तो तो बार बार बदल रहा है तो कुछ नहीं करना एवरेज टेम्परेचर ले लेना मतलब क्या अगर आपको अब सॉल्व करना है तो 80 और 70 का एवरेज माइनस टी नॉट क्या था 20 सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट मैंने सवाल में यहां पर दे दिया है ट्वेंटी ठीक है अब दूसरे में क्या है सत्तर से साठ हो रहा है तो सत्तर से साठ हो रहा है टाइम पता नहीं के टाइम्स ऑफ सेवेंटी प्लस सिक्सटी बाई टू माइनस ट्वेंटी ठीक है अब जैसे ही तुमने ये लिखा अब देखो लॉग वॉक का सारा रायता खत्म हो गया लॉग वगैरह कुछ भी है ही नहीं अब सीधा सीधा अपफ्रंट आंसर आ जाएगा कोई लॉग नहीं आएगा हाँ ये एग्जैक्ट डेसिमल में आंसर बराबर नहीं आएगा लेकिन काफी हद तक आंसर मैच कर जाएगा ठीक है काफी हद तक आंसर मैच कर जाएगा तो ये देखो दस ये भी दस खत्म हो गया ठीक है तो ये आ गया टी बाई हंड्रेड एवंटी सेवनटी फाइव सेवेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी कितना फिफ्टी फाइव आ गया सिक्सटी सेवेंटी सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर्टी फाइव आ गया ठीक है तो टी आ गया 11 बाई नाइन इन टू हंड्रेड वन हंड्रेड जो भी है ठीक है हंड्रेड टाइम्स ऑफ 11 बाई नाइन इतना सेकंड्स लगेगा और देखो ज्यादा टाइम लगना भी चाहिए था जैसे जैसे बॉडी ठंडी होती जाएगी रेट ऑफ कूलिंग कम होती जाएगी अब जरा देख इस पूरे सवाल में तुझे कहीं पर भी लॉग दिखाई दिया इससे पहले लॉग था ठीक है इस बार लॉग नहीं है इसको भी कैलकुलेट करके देखना लॉग फाइव कैलकुलेट करके देखना मैं लिख सकता हूं ठीक है तो इसको भी करके देखना almost, मैं ये नहीं कह रहा हूं डेसिमल में सेम आएगा लेकिन हाँ ऑलमोस्ट सेम आएगा ठीक है चल भाई तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सर ये ब्रह्मास्त्र से से है कि सर इसका मतलब ये सर आपने ब्रह्मास्त्र बता दिया तो हमको ये तरीका नहीं आना चाहिए ठीक है ये फॉर्मूला तो तुमको याद होना ही चाहिए ठीक है लॉग ऑफ इनिशियल माइनस टी नॉट अपॉन फाइनल माइनस टी नॉट इजिकल्स टू के टी के बराबर ये फॉर्मूला तो तुम्हें याद होना ही चाहिए कब पड़ जाए जरूरत कुछ नहीं कह सकते ठीक है लेकिन अब तुम्हें दूसरा हथियार भी तुम्हारे पास है ठीक है भाई चल अब अगर ये ब्रह्मास्त्र आ गया तो अगला सवाल देख ले क्या बोल रहा है मेटलिक स्फीयर कूल्स फ्रॉम इतना एंड इतना ठीक है एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इज अराउंड ट्वेंटी क्लोज टू ठीक है अगले पांच मिनट के बाद स्पीयर का टेम्परेचर लगभग कितना हो जाएगा मैं इसको दोनों तरीके से सॉल्व करने के लिए कोशिश करता हूं ठीक है सबसे पहले फॉर्मूला क्या था मेरा सर मेरा फॉर्मूला है लॉग ऑफ टी इनिशियल माइनस टी नॉट T final minus T नॉट is equals to K into T ठीक है सर इसने क्या बोला है इनिशियल टेम्परेचर कितना है पचास है तो मैंने कहा डिवाइडेड बाई फोर्टी माइनस ट्वेंटी इसमें सर इसको लगे हैं तीन सौ सेकेंड ठीक है अब ये बोल रहा है लॉग ऑफ इनिशियल टेम्परेचर क्या हो गया सर एट नेक्स्ट फाइव मिनट फाइव मिनट मतलब तीन सौ सेकेंड अगले ठीक है तो मैंने कर, सर, log तो पता है एन टू नेक्स्ट तीन सौ सेकेंड ठीक है जब मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो ये तो खत्म ही हो गया तो ये क्या हो गया लॉग ऑफ थ्री बाई टू इक्वल्स टू लॉग ऑफ टू बाई ट्वेंटी बाई टी फाइनल माइनस ट्वेंटी लॉग से लॉग उड़ गया थ्री बाई टू इक्वल्स टू ट्वेंटी बाई टी फाइनल माइनस ट्वेंटी तो टी फाइनल माइनस ट्वेंटी ये हो गया चालीस बाई तीन के बराबर तो so, बीस प्लस चालीस बाई तीन तो बीस साठ साठ प्लस हंड्रेड बाई थ्री के बराबर हो गया ठीक है 100/3 मतलब 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया ठीक है 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया अब जरा देख जुगाड़ से सॉल्व करते हैं ब्रह्मास्त्र से सॉल्व करते हैं मैंने कहा क्या है इनिशियल टेम्परेचर कितना है सर 50 है 50 से कितना हुआ सर 40 हुआ कितने सेकंड में 300 सेकंड में मैंने कहा ठीक है तो टेंपरेचर चेंज कितना है सर 50 40 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ कूलिंग 300 ठीक है k टाइम्स डेल्टा टी तो k टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी ठीक है k टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी एवरेज पचास और चालीस का एवरेज पैंतालीस फोर्टी फाइव माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है ट्वेंटी ठीक है अब दूसरा क्या बोल रहा है चालीस से कितना टेम्परेचर होगा अगले तीन सौ सेकेंड में ठीक है तो देख मैंने क्या बोला चालीस से टी तो फोर्टी माइनस टी टाइम यहां पर भी 300 सौ सेकेंड ही है के टाइम्स 40 और टी का एवरेज 40 प्लस टी बाई टू माइनस ट्वेंटी ठीक है जैसे ही आपने इसका रेशो लिया के से के उड़ गया 300 से 300 सौ उड़ गया तो आपका क्या बन गया ये 10 अपॉन फोर्टी माइनस टी फिजिकल्स टू फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फोर्टी माइनस फोर्टी यहां पर बचेगा टी बाई टू ठीक है तो ये फिफ्टी हो जाएगा टेन टी फिफ्टी टाइम्स ऑफ फोर्टी माइनस टी ठीक है तो फिफ्टी टी प्लस टेन टी सिक्सटी टी दो सौ के बराबर जरा देखना टी कितना आ गया सेम वही आंसर आया जो यहां पर आया था ठीक है सेम वही आंसर आया जो यहां पर आया था अब कैसे भी सॉल्व कर सकता है तू यहां पे जुगाड़ से सॉल्व कर रही इससे कर ले आंसर तो तो ऑलमोस्ट सेम ही है है ठीक तो भाई कैसे भी सॉल्व कर ले आंसर दोनों से ही सेम आया है मैं रिकमेंड करूंगा दोनों ही तरीके तुझे आने चाहिए ठीक है अगला सवाल अब ये बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सवाल है अब ये कुछ सवाल मैं तुमको होमवर्क में दे रहा हूं ठीक है सॉल्व करना बिल्कुल सेम पैटर्न मतलब एक भी चीज भी नहीं बदली है बस खाली टेम्परेचर डेटा बदल दिया है और कुछ भी नहीं बदला है सवालों में ठीक है वाटर इतने इतने से इतने पर देख ले भाई सेम इसी पैटर्न के सवाल है मैं तुझे तो बार बार दिखा रहा हूं ठीक है कंटेनर कंटेन इतना के जी ऑफ वाटर कैप्टन स्ट्रेट लाइन कॉजेस ठीक है चल भाई सॉल्व करें ये सवाल दोनों मैथड्स ईजी हैं हाँ सर इंटीजर टाइप में ब्रह्मास्त्र यूज करें या नहीं डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर ठीक है ब्रह्मास्त्र यूज करने से आंसर जनरली सही आते हैं ठीक है कभी कभी ऐसा होता है कि उन्नीस बीस का डिफरेंस रहता है ठीक है तो मैं पहले से ही बोल रहा हूं वो चीज क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेशन वाला मेथड है ठीक है चलो यार तो शायद ये आखिरी सवाल होगा मेरे ख्याल से एक आध सवाल इसके बाद अगर बचाओ तो बचाओ एक सवाल और बचाए चल ठीक है बस आखिरी सवाल ये सॉल्व करते हैं ठीक है तो क्या बोल रहा है यार अ कंटेनर विथ वन के जी वॉटर इन इट इज कैप्ट इन सनलाइट एक किलो का पानी है इसको सनलाइट में रखा है ठीक है और कॉजेज दॉटर टू गेट वार्मर देन द सराउंडिंग एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया रिसीव ड्यू टू सनलाइट इज इतना इतनी एनर्जी ये रिसीव कर रहा है दिस इज क्यू इन इतनी एनर्जी पर सेकेंड रिसीव कर रहा है एवरेज एनर्जी रिसीव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ठीक है एंड इट इज बाय द वॉटर ओवर एन इफेक्टिव एरिया ऑफ दिस ये एरिया भी दे दिया तो मैंने कहा क्यू इन कितना हो जाएगा क्यू इन इज टू सेवन हंड्रेड इन टू जीरो खत्म कर दो जीरो से सात पंजे पैंतीस टोटल थर्टी फाइव वॉट इनर्जी रिसीव कर रहा है एक सेकेंड में थर्टी फाइव जूल्स पर सेकेंड ये लिख देता हूं थर्टी फाइव जूल पर सेकेंड इतनी एनर्जी रिसीव कर रहा है चलो भाई

अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या करेगा पहले कुछ सनलाइट ये एब्जॉर्ब कर रहा है और साथ में कुछ सनलाइट ये इसकी रेट ऑफ कूलिंग भी होती जा रही है ठीक है तो जितने रेट ऑफ हीट अब फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस क्या आ जाएगा जब रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ हीटिंग बराबर बराबर हो जाए ठीक है इन स्टेडी स्टेट इन स्टेडी स्टेट तो जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ हीटिंग ठीक है रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है सर रेट ऑफ कूलिंग हो जाता है के टाइम्स ऑफ डेल्टा टी टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ठीक है और ये किसके बराबर हो जाता है सर ये रेट ऑफ हीटिंग रेट ऑफ हीटिंग क्या है सर टोटल हीट डिवाइडेड बाई तो टोटल हीट कितनी थी इसकी थर्टी फाइव इतनी हीट ले रहा था एक सेकंड में ठीक है थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई एम इन टू एस एम एस का डिवाइड भी करना ठीक है क्यों क्योंकि मैं रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर चेंज की बात कर रहा हूं डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी जितना टेम्परेचर कम हो रहा है उतना टेम्परेचर बढ़ रहा है जितना टेम्परेचर कम हो रहा है ठीक है कम किसकी वजह से हो रहा है हीट रेडिएशन की वजह से तो बेसिकली हीट रेडिएशन की वजह से जो टेम्परेचर कम हो रहा है हीट एब्जॉर्प्शन की वजह से उतना ही टेम्परेचर बढ़ रहा है ठीक है तो अब 35 जूल पर सेकंड ये हो चुका है और एमएस ये कर दिया है मैंने ठीक है के टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अच्छा प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट शायद यहां पर सवाल में दिया है ठीक है मुझे जहां तक याद है हा इग्नोर द इफेक्ट ऑफ कंटेनर टेक कॉन्स्टेंट न्यूटन लॉ के की वैल्यू ये दे दी 0.0001 सेकंड ठीक है 0.0001 तो 0.0001 डेल्टा टी यही तो पूछा है तुमसे 35 डिवाइडेड बाय ms मास कितना दिया है भाई ठीक है मास भी दिया हुआ है एक किलो पानी है m दिया है ये ये रहा ठीक है और स्पेसिफिसिटी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन तो 1 4200 ठीक है तो डेल्टा टी आपका आ जाएगा थर्टी फाइव इंटू फोर्टी टू हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन तीन डेसिमल टेन की पावर माइनस थ्री थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई फोर पॉइंट टू ठीक है टेन की पावर माइनस थ्री था यहाँ पे टेन की पावर टू था फोर पॉइंट टू हो गया अगर मैं इसको जीरो लगा दूँ सात बयालीस सात पंजे पैंतीस पचास पच्चीस बाई तीन ठीक है ये कुछ आ जाएगा कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा आई थिंक पच्चीस बाई थ्री डिग्री सेल्सियस ही आ गया ठीक है और ये किसके बराबर पूछ रहा है पच्चीस बाई थ्री मतलब कितना हो गया ट्वेंटी फाइव बाई थ्री डिग्री सेल्सियस ठीक है हाँ यही आ जाएगा थ्री एट एट पॉइंट थ्री थ्री ठीक है ये कुछ आ जाएगा चल क्लियर है तो ये है सवाल अच्छा सवाल था ये ये सवाल आपके लिए अब ठीक है आखिरी सवाल मैं इसका आंसर मार्क कर देता हूं शायद इसमें ए या बी में से कोई है आ, क्या है इक्वल वॉल्यूम है ठीक है एक ए या बी में से कोई एक है कह? ये दोनों तो नहीं है ठीक है ये दोनों नहीं है ए या बी में से कोई है वो देख लेना ठीक है चल भाई होमवर्क डीपीपी जरूर लगा लीजिएगा डीपीपी प्लस क्लास क्वेश्चन ठीक है बस इतना काम कर लेना आपका होमवर्क ठीक है चल भाई तो यहां तक की थी कहानी आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की ठीक <laughs> अब बोलो यार हो गया मोए मोए भाई जितना डिटेल में हम लोग पढ़ सकते थे बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने पढ़ाया शुरू किया हर एक चीज मैंने आपको बताई हुई है ठीक है जरूरी है कि बस अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना ठीक है कुछ भी नहीं छोड़ा है कुछ भी नहीं छोड़ा है ठीक है तो बस अब इतनी इतना सा काम कर ले जो भी क्वेश्चन करवाए थे उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना ठीक है बाकी सब काम हो चुके हैं ठीक है चल तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट थैंक यू उम्मीद करता हूं आपको आज के सेशन में मजा आया होगा ठीक है लंबा जरूर था लेकिन हमने बहुत डिटेल में हर चीज के बारे में बात करी है ठीक है चलो भाई ओके बाय बाय क्या नंबर है भाई <laughs> चल